एवरीवन आज के इस सेशन में हम क्लास एट साइंस के नाइन्थ चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज रिप्रोडक्शन प्रीवियस सेशन में आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया है आपको पता चल गया है कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है डिस्कस करना है तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के ऊपर ये क्या होता है इस प्रोसेस को आप एग्जैक्टली कैट से डिफाइन कर सकते हो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे आज के हमारे इस लेक्चर में तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं सो दिस इज़ विभूति खरे वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन जहां पे हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस की तो क्या बोला जा रहा है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो ओल्ड विद टाइम एंड अल्टीमेटली डाई सभी सभी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स समय के साथ ग्रो करते हैं और बूढ़े हो जाते हैं और बूढ़े होने के बाद अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है इनफैक्ट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम एंड देन डाइज ये चीज हम सबको पता है कि इस प्लेनेट अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमको पता है कि बहुत सारे हैं बहुत सारी वेराइटीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की तो सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि इस प्लैनेट अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं रहते हैं सर्वाइव करते हैं वो एक फिक्स्ड आप बोल सकते हो कि ड्यूरेशन तक रहते हैं अर्थ पर और इसके बाद में मतलब वो फिक्स्ड ड्यूरेशन तक हम बोलते हैं कि सरवाइव करते हैं और इसके बाद में वो उनकी डेथ हो जाती है है ना तो ये जो फिक्स्ड ड्यूरेशन है इसको हम क्या बोलते हैं इसे हम कहते हैं लाइफ स्पेंड तो हम सबको पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म की क्या होती है अपनी एक लाइफ स्पैन होती है अगर मैं बात करूँ किसकी एलिफेंट की तो हमारे जो एशियाटिक एलिफेंट्स होते हैं उनकी लाइफ स्पैन फोर्टी एट ईयर्स तक रहती है जो हमारे अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं उनकी सिक्सटी टू एटी ईयर्स तक की लाइफ स्पैन होती है यानी कि साठ से अस्सी साल तक के अस्सी साल तक जो अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं वो जीते हैं अगर हम बात करेंगे अपने डॉग्स की तो डॉग्स की जो लाइफ स्पैन है वो कितनी होती है ऑन एन एवरेज दस से तेरह साल तक की होती है यानी कि कोई भी जो डॉग है वो दस से तेरह साल तक आराम से जीता है फिर इसके बाद में फिर ब्रीड टू ब्रीड डिपेंड करता है कि कौन सी ब्रीड कैसी है ना कितना उसका लाइफ स्पेन है तो जनरली हम बोल सकते हैं कि एवरेज अगर हम लें तो 10 से 13 साल क्या होती है एक डॉग की लाइफ स्पेन होती है तो अब ज़रूरी नहीं कि हर हर एक ऑर्गेनिज्म जो है ना सालों साल जिए या जैसे कि हमारे एलिफेंट जी रहे हैं फोर्टी एट तक हमारे यू नो डॉग्स जी रहे हैं दस से तेरह साल तक तो हर एक ऑर्गेनिज्म सालों तक जिए ऐसा नहीं है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनकी जो लाइफ स्पैन है वो कुछ मंथ की होती है कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी कुछ दिनों की होती है कुछ वीक्स की होती है और एक होती है हमारे पास मे फ्लाइज ठीक है ये जो मे फ्लाइज़ है ना इनकी जो लाइफ स्पैन है वो सिर्फ 24 घंटों की होती है 24 फोर आवर्स की ही होती है तो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म की कितनी लाइफ स्पेन है मुद्दा यह है कि हर एक ऑर्गेनिज्म के पास क्या होती है उसकी अपनी एक लाइफ स्पेन होती है और ऐसा नहीं है कि ये लाइफ स्पेन जो ना एनिमल्स के ऊपर एप्लीकेबल है प्लांट्स के ऊपर नहीं है अरे बिल्कुल है आपने सुना होगा कि ये वाला बरगद का पेड़ बहुत पुराना है कितना पुराना तो सौ साल पुराना हमारे दादाजी के भी दादाजी ने लगाया था ये है ना तो सौ साल पुराना दो सौ साल पुराना तो प्लांट्स की भी क्या होती है एक लाइफ स्पेन डेफिनेटली होती है उस लाइफ स्पेन में होता क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करते हैं है ना फिर इसके बाद में समय के साथ में उनकी ग्रोथ होती है मेचोरिटी आती है फिर वो बूढ़े हो जाते हैं और बूढ़े होने के बाद में अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है सो न्यू ऑर्गेनिजम्स हैव टू बी प्रोड्यूस इन प्लेस ऑफ दोज डाई अब जो मरे हैं उनकी जगह पे न्यू ऑर्गेनिजम्स भी आने चाहिए नहीं आएंगे तो क्या होगा अगर आपको याद हो तो हमारा जो सेवन्थ चैप्टर था जिसमें हमने कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वाला चैप्टर उसमें हमने बात करी थी कि भाई हमको बायोडाइवर्सिटी को क्या करना है बचाना है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है ना हम अफोर्ड नहीं कर सकते ऑलरेडी बहुत सारी स्पीशीज जो है ना एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं कुछ बिल्कुल एक्सटिंक्शन के कागार पर खड़ी है कि जरा सा हमने उनको पुश किया और वो क्या हो जाएंगे हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी तो ये जो एक्सटिंक्शन वाला कंसेप्ट है ये मैंने आपको पहले भी समझाया है, है ना कि ये एक्सटिंक्शन वाला कंसेप्ट है क्या बेसिकली सपोज हम बोलते हैं कि सबको पता है कि हमारे आ, पूरे आ, बेसिकली ग्लोब में टाइगर्स की पॉपुलेशन जो है ना उसको बेसिकली बोला जा रहा है कि बढ़ावा दो टाइगर की पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए वरना टाइगर्स क्या हो जाएंगे हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे तो खत्म क्यों हो जाएंगे एग्जाम्पल क्या है एक ग्रुप है किसका ग्रुप है हंड्रेड टाइगर्स का एक ग्रुप है अब कहने को तो लग रहा है कि हंड्रेड टाइगर्स और टाइगर्स बहुत सारे होते हैं तो हंड्रेड टाइगर्स जैसे कि मैंने अभी अभी आपको लाइफ स्पेन का कंसेप्ट समझाया कि हर एक ऑर्गेनिज्म की क्या होती है एक स्पेसिफिक लाइफ स्पेन होती है उसके बाद में हम बोलते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो अभी हम मान के चलते हैं कि एक टाइगर की मतलब टाइगर्स की जो लाइफ स्पेन है ऑन एन एवरेज कितनी होती है सपोज पच्चीस साल एग्जाम्पल के लिए हम बोलते हैं कि पच्चीस साल होती है अब सौ और सौ हमारे पास टाइगर्स हैं इसमें से कुछ बच्चे भी हैं कुछ हम बोलते हैं कि बूढ़े टाइगर्स हैं अब हुआ क्या जो बूढ़े टाइगर्स हैं जो कि ऑलरेडी अपनी लाइफ स्पेन जो है ना कवर कर चुके हैं उनकी डेथ हो गई डेथ होने के बाद हम बोलते हैं कि कि अब कितने बचे बचे कर दो ठीक है 25 में हम बोलते हैं कि कुछ टाइगर्स कैसे हैं यंग टाइगर्स हैं और कुछ हम बोलते हैं कि बच्चे ही हैं तो यंग टाइगर्स भी अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा जो यंग टाइगर्स हैं वो बूढ़े हो जाएंगे है ना वो मेच्योर हो जाएंगे फिर इसके बाद में जो बेबी टाइगर्स हैं वो भी क्या होगी उनकी भी ग्रोथ होगी तो वो यंग टाइगर्स में जो है ना ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे तो धीरे 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 हम बोलते हैं कि जो यंग टाइगर्स हैं समय जैसे जैसे आगे निकलेगा वो भी बूढ़े हो जाएंगे और बूढ़े होने के बाद उनकी भी डेथ हो जाएगी और कुछ ऐसे डेथ हुई कि अब हम बोलते हैं कि कितने बच्चे हैं सपोज पचास टाइगर बच्चे हैं अब पचास टाइगर हम बोलते हैं कि इनकी भी कभी ना कभी डेथ होगी ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है लाइफ स्पेन है खत्म हो जाएगी उसके बाद में ये मर जाएंगे तो अब ये बताओ कि शुरुआत में आपके पास सौ टाइगर्स थे लेकिन अब धीरे धीरे हम बोलते हैं कि सौ से पचहत्तर हुए पचहत्तर से पचास हुए पचास से हम बोलते हैं कि पच्चीस हो जाएंगे पच्चीस से हम बोलते हैं कि कहाँ पहुंच जाएगा ये काउंट नंबर जीरो पे पहुंच जाएगा तो अब आपके पास कितने टाइगर हो गए हैं जीरो टाइगर्स हो गए हैं तो अब आपको क्या लगता है ये जो टाइगर की जो स्पीशीज़ है ये हमारे प्लानट अर्थ से कंप्लीटली एक्सटिंक्ट नहीं हो जाएगी क्योंकि अब एक भी टाइगर नहीं बचा है तो फिर क्या होगा पूरी की पूरी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएगी तो जैसे आज के टाइम पे हम डायनासॉर्स को देखते हैं मूवीज़ में कार्टून्स में कॉमिक्स में वैसे ही हमारी आगे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन होगी ना वो भी क्या करेगी टाइगर्स को सिर्फ कॉमिक्स पिक्चर्स में ही देख पाएगी क्योंकि असली में तो रहेंगे ही नहीं देखने के लिए तो मुद्दा क्या है कि अगर पुराने टाइगर्स या ओल्ड ऑर्गेनिज्म सिर्फ बात टाइगर की नहीं है अगर पुराने ऑर्गेनिजम्स क्या हो रहे हैं अपनी लाइफ स्पेन को जीने के बाद उनकी डेथ हो रही है तो उनकी जगह पे न्यू ऑर्गेनिजम्स को आना ही पड़ेगा नहीं आएंगे तो क्या होगा स्पीशीज पूरी की पूरी एक्सटिंक्ट हो जाएगी और ये सभी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एप्लीकेबल है ये से बात टाइगर्स की नहीं है ये किसी लॉयन की नहीं है सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिजम्स में हम भी आते हैं प्लांट्स भी आते हैं इसको आप याद रखिएगा तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑफ द सेम स्पीशीज इज नोन एज वॉट रिप्रोडक्शन क्या बोला गया यहाँ पे कि जो न्यू ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन होता है कहाँ से पुराने ही मतलब कि वो वाले ऑर्गेनिज्म जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम से ही जब न्यू ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन होता है वो भी कैसे सेम स्पीशीज के तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन बोलते हैं ठीक है ठीके? तो इस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को अब अगर आपके एग्जाम में आएगा डिफाइन करने के लिए तो क्या आप कर पाओगे कि एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे प्री या बोल सकते हो कि एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं और वो न्यू ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं सेम स्पीशीज़ के होते हैं ऐसा नहीं कि टाइगर जो है ना पपीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं या कैट जो है वो टाइगर के बच्चों को प्रोड्यूस कर रहा है ऐसा नहीं सेम स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं कि अगर टाइगर के बच्चे हो रहे हैं मतलब टाइगर अगर रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो टाइगर के बच्चे होंगे कैट अगर रिप्रोडक्शन करी तो उसमें कैट के ही बच्चे होंगे ठीक है तो सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स हम बोलते हैं कि प्रोड्यूस होते हैं और ऐसा ऐसी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन बोलते हैं क्लियर चलो फिर क्या बोला जा रहा है आगे हमसे कि और वी कैन से एक दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है इसकी सिंपलर वर्ड्स में कि दैट द रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग्स ठीक है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसी से न्यू लिविंग थिंग्स का जो प्रोडक्शन है जो क्रिएशन है उसी को हम बोलते हैं क्या रिप्रोडक्शन एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट important कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस मोर मेंबर्स ऑफ देयर स्पीशीज यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक बहुत ही important कैरेक्टरिस्टिक है किसकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक तो उनकी एबिलिटी कि वो क्या कर सकें अपने ही स्पीशीज के और मेंबर्स को क्या कर सकें वो प्रोड्यूस कर सकें तो ये एक important बेसिकली प्रॉपर्टी होती है कैरेक्टरिस्टिक होती है किसकी लिविंग organisms की द रिप्रोडक्शन इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज़ ऑन दिस अर्थ जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमने आ, किसी भी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन को आ, बढ़ावा नहीं दिया तो क्या होगा अल्टीमेटली वो जो पॉपुलेशन होगी स्पीशीज़ की वो पूरे की पूरी खत्म हो जाएगी अपने लाइफ स्पेन को जीने के बाद और इसके बाद में वो स्पीशीज़ ही गायब हो जाएगी और हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ऑलरेडी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी है आप उसको दोबारा से एग्जिस्टेंस में नहीं ला सकते हो जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है जो कि एक्सटिंक्ट होने वाली है उसको आप दोबारा से जो है ना उसकी पॉपुलेशन आप बढ़ा सकते हो क्यों क्योंकि वो एंडेंजर्ड है ना उसके उस स्पीशीज के सभी मेंबर्स अभी गायब नहीं हुए हैं प्लैनेट अर्थ से तो वो जो बचे हुए मेंबर्स हैं उनसे आप न्यू मेंबर्स को प्रोड्यूस करवा सकते हो उनके बीच में आप रिप्रोडक्शन कंडक्ट करवा सकते हो जिसके कारण उस स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं जो ऑर्गेनिज्म से उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा बढ़ जाएगा तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो खत्म नहीं होगी लेकिन जो ऑलरेडी खत्म हो ही चुके हैं अब आप खुद ही सोचो डायनासोर्स के ऊपर आज के टाइम पे हमारे साइंटिस्ट ने कितनी ही डिस्कवरी क्यों ना कर ली हो लेकिन क्या हम डायनासोर्स को वापस प्लानिट अर्थ पर लाने में सक्षम है बिल्कुल नहीं है क्यों क्योंकि वो ऑलरेडी गायब हैं हमको पता है कि आज के टाइम पे कितने डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे है ना किस किस टाइप के होते थे कुछ हर्बी वर्ड्स होते थे कुछ कार्डिव वर्ड्स होते थे उनका साइज़ क्या था उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या थी सब कुछ पता है हमें उनके बारे में लेकिन फिर भी इतनी इन्फॉर्मेशन का हम करें क्या कुछ नहीं कर सकते क्यों क्योंकि हम उनको वापस तो ला ही नहीं पा रहे हैं ना तो क्योंकि जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी है गायब हो चुकी है अब उस स्पीशीज का एक भी मेम्बर प्लानिट अर्थ पर नहीं है तो आप वापस से उसको एग्जिस्टेंस में नहीं ला सकते हो स्पीशीज को आप प्लेनेट अर्थ पर नहीं ला सकते हो जिन जो अभी हैं भले ही खतरे के निशान पर हैं लेकिन हैं तो कम से कम तो जो मेंबर्स हैं उन्हीं के बीच में अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो जाएगी तो नया ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे नए मेंबर्स आ जाएंगे ठीक है तो यहाँ पे वो बोला गया है कि रिप्रोडक्शन इज असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज ऑन दिस अर्थ सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर काइंड टू मेंटेन द लाइफ ऑफ देयर स्पीशीज ऑन दिस अर्थ तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं ताकि टू मेंटेन द लाइफ ऑफ देयर स्पीशीज ऑन दिस अर्थ उनकी स्पीशीज इस अर्थ पर बनी रहे इसीलिए फिर इसके बाद में क्या बोला जा रहा है द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या करती है लाइफ की जो कंटिन्यूटी है अर्थ पर उसको एंश्योर करती है कि अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है नए मेंबर्स आ रहे हैं तो लाइफ बनी रहेगी फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस बाई गिविंग बर्थ टू बेबीज सन्स एंड डॉटर्स है ना ह्यूमन बींग्स में मैंने आपको पहले बताया ना ये जो ऑर्गेनिज्म uh, जो वर्ड है इसमें प्लांट्स एनिमल्स सब कुछ आते हैं ह्यूमन बींग्स भी आते हैं तो यहाँ पे भी यही बोला गया है कि ह्यूमन बींग्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं और uh, आप बोल सकते हो कि बाई गिविंग बर्थ टू बेबीज ठीक है ना लड़का लड़की दीज बेबीज ग्रो एंड अल्टीमेटली बिकम और एडल्ट और ऑब्वियसली बात है समय के साथ में देखो हर एक ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा तो जो बेबीज प्रोड्यूस होते हैं रिप्रोडक्शन से वो भी क्या होता है समय के साथ साथ बड़े होते जाते हैं और बड़े होते होते एक एडल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं सो वेन द ओल्ड पेरेंट्स डाई देयर सन्स एंड डॉटर्स कीप लिविंग ऑन दिस अर्थ तो जब बूढ़े माँ बाप की डेथ हो जाती है उसके बावजूद जो बच्चे पैदा हुए हैं वो तो रहेंगे ना अर्थ पर दीज सन्स एंड डॉटर्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई गिविंग बर्थ टू मोर बेबीज इनसे फिर हम बोलते हैं कि और बेबीज आते हैं एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन और ये प्रोसेस चलती रहती चलती रहती चलती रहती है फिर नेक्स्ट क्या है दस रिप्रोडक्शन बाई ह्यूमन बींग्स एंड शोज दैट द ह्यूमन स्पीशीज विल नॉट विल कंटिन्यू टू एग्जिट ऑन दिस अर्थ फॉर ऑल द टाइम टू कम तो ये जो प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की ह्यूमन बींग्स में ये क्या इंश्योर करती है कि आगे आने वाले समय में आ, जो ये जो स्पीशीज है ना ह्यूमन बींग्स की ये रहेगी प्लानिट अर्थ पर ये गायब नहीं होगी सिमिलरली कैट्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू किटन्स सो दैट देर स्पीशीज मे लिव लॉन्गर ठीक है ना तो जो कैट्स हैं मैंने बताया ना कि हर एक ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या होता है रिप्रोडक्शन होता है एक जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ना अमीबा उस पर भी रिप्रोडक्शन होगा अगर नहीं होगा तो क्या होगा एक आपके पास अमीबा आया चलो एक क्या आपके पास दस अमीबा आ गए अब वो अमीबा अपनी एक लाइफ स्पैन तक जिएंगे इसके बाद में क्या हुआ वो मर जाएंगे अब अगर वो दसों के दसों अमीबा मर गए फिर उसके बाद में क्या होगा अमीबा का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा ना अर्थ से तो इसलिए क्या होता है एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी क्या करता है रिप्रोडक्शन करता है और फ्यूचर जनरेशन प्रोजेनी बनाता है एंड डॉग्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू पपीज सो दैट देयर स्पीशीज में कंटिन्यू टू लिव ऑन दिस अर्थ रिप्रोडक्शन करने का जो मेन मोटिव है जो वो यही है कि जो स्पीशीज है ना वो प्लानिट अर्थ पर बरकरार रहे वो गायब ना हो जाए ठीक है चलो फिर इसके बारे में क्या है देआर फोर्स फॉर अ स्पीशीज़ ऑफ एन एनिमल टू कंटिन्यू लिविंग ऑन दिस अर्थ इट मस्ट रिप्रोड्यूस इट सेल्फ रिप्रोडक्शन गिव्स राइज टू मोर ऑर्गेनिजम्स विद द सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एज देयर पेरेंट्स ऑब्वियसली बात है जो भी बच्चे बनते हैं आ, उनके पास वही करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि उनके पेरेंट्स के पास होते हैं भाई सेम स्पीशीज़ के आ, हम बोल रहे हैं कि मेंबर्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है या सेम स्पीशीज के मेंबर्स हम बोलते हैं कि बन रहे हैं तो उनकी करेक्टरिस्टिक्स तो वही रहेंगे ना फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींगस ऑलवेज प्रोड्यूस अ ह्यूमन बेबी है ना कैट uh, जब भी रिप्रोड्यूस करेगी कि तो किटन्स ही प्रोड्यूस होंगे Uh, मुर्गियाँ जब प्रोड्यूस करेंगी तो वो हमेशा मुर्गियों के बच्चे ही प्रोड्यूस करेंगी इफ़ हाउ एवर सम स्पीशीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस ड्यू टू सर्टेन रीजन देन द ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस स्पीशीज विल ग्रेजुअली डाई आउट एंड डिसअपेयर फ्रॉम दिस अर्थ वन डे और ऑब्वियसली बात है कुछ स्पीशीज़ uh, के हम बोलते हैं कि मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन अगर नहीं कर पाते हैं कुछ रीजंस के कारण तो क्या होगा लाइफ पेन जीने के बाद में उनकी डेथ हो जाएगी और उनका एग्जिस्टेंस हमेशा के लिए अर्थ से चला जाएगा फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है द न्यूली बॉर्न एनिमल या और न्यूली हैच्ड एनिमल इज़ कॉल्ड यंग वन अब यहाँ पे आपको यंग वन के बारे में बताया जा रहा है कि यंग वन क्या है ये वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं तो अभी अभी जो एनिमल पैदा हुआ है या कुछ एनिमल्स तो हमारे अंडों से भी निकलते हैं ना तो अंडों की हैचिंग होती है तो न्यूली हैच्ड एनिमल उसको हम क्या बोलेंगे यंग वन बोलेंगे जैसे हमारे पास न्यू बॉर्न बेबी होता है ना वैसे ही जो भी एनिमल अभी अभी प्रोड्यूस हुआ है उसको हम बोलते हैं क्या यंग यंग वन फिर इसके बाद में द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट नेम्स अलग अलग नाम होते हैं भाई जैसे मैंने बोला कि कैट के बच्चे हैं तो कैट के बच्चे क्या कहलाएंगे किटन्स कहलाएंगे द यंग वन ऑफ एन एनी एनिमल इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स ऑफ स्प्रिंग और उसको हम ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं तो यंग वन और ऑफ स्प्रिंग दोनों एक ही बात है फॉर एग्जाम्पल द यंग वन ऑफ ह्यूम इज़ कॉल्ड अ बेबी है ना इंसानों के बच्चे को आप क्या बोलोगे बेबी बोलोगे इसके अलावा काऊ का जो बच्चा होता है गाय का उसको आप क्या बोलते हो काफ बोलते हो हॉर्स का जो बच्चा उसका होता है क्या फॉल फिर लॉयन का जो बच्चा है उसको आप क्या बोलोगे कप मुर्गियों के जो बच्चे होते हैं उनको आप बोलोगे चिक्स बटरफ्लाई बेसिकली बटरफ्लाई हम बोलते हैं कि इसका जो आ, यंग वन होगा उसका नाम क्या होगा कैटरपिलर ठीक है कैटरपिलर कुछ इस तरीके का दिखता है एक एडल्ट और मैच्योर बटरफ्लाई ऐसी दिखती है ये जो कैटरपिलर है इसी में हम बोलते हैं कि फर्दर चेंजेस आते जाते हैं आते जाते हैं और फिर ये धीरे धीरे कुछ इस तरीके से एडल्ट बटरफ्लाई में ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है कन्वर्ट हो जाती है इसके अलावा यहाँ पे बात हो रही है किसकी फ्रॉक्स की भी तो फ्रॉक्स में हम बोलते हैं कि इनका क्या होता है एक लार्वा होता है और उस लार्वा का नाम क्या है टेटपोल जो कि कुछ ऐसे दिखता है ठीक है ना शुरुआत में उसकी आपको केवल एक टेल दिखाई देगी और ऐसा लगेगा कि ये छिपकली और स्नेक का जो है ना एक कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा लिम्स इसके आपको लिम्स मतलब कि हाथ पाव आपको दिखाई नहीं देंगे सिर्फ आपको इसकी एक टेल दिखाई देगी है ना फिर धीरे धीरे क्या होता है जैसे मैंने आपको बताया ना कि समय के साथ हर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है उसकी ग्रोथ होती है डेवलपमेंट होता है तो यहां पे भी देखो धीरे धीरे से हम बोलते हैं कि पैर डेवलप होने लगे हैं आंखें आ गई हैं अब थोड़ा बहुत ये जो है ना आपको फ्रॉक जैसा दिखाई दे रहा होगा फिर इसके बाद में देखो पहले तो पैर आए थे अब हाथ भी आने लगे हैं फोर लिम्स आ गए हैं टेल का साइज़ देखो धीरे 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 हम बोल रहे हैं कि रिड्यूस हो रहा है और अल्टीमेटली आपके पास क्या जाएगा? एडर्ट आ जाएगा एक एडल्ट फ्रॉग आ जाएगा ठीक है तो फ्रॉग का जो लार्वा है उसको आप क्या बोलोगे टेट पॉल? और इसी टेट में हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट होती है और डेवलपमेंट के बाद में क्या आ जाता है हमारे पास एक फ्रॉग आ जाता है मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन प्रीवियस सेशन में हमने रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के ऊपर डिस्कशन किया था हमने सीखा था कि स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिज़म्स हैं इनफैक्ट जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वही न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं ताकि स्पीशीज़ का जो एग्जिस्टेंस है प्लानिट अर्थ पर बना रहे तो प्रीवियस सेशन में हमने इसकी एक बेसिक डेफिनेशन देख ली थी रिप्रोडक्शन की साथ ही साथ इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी हमने समझ लिया था लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती कैसे है तो इसीलिए आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की तो आई होप आज के सेशन का टारगेट सभी बच्चों को हो गया होगा क्लियर तो एक काम करते हैं जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं सो दिस इज विभूति खरे वेलकम टू मैग्नेट्रेन जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मैग्नेट्रेन्स में आपको दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैग्नेट्रेन आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेंगे आज का हमारा ये सेशन जहाँ पे हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के ऊपर अब यहाँ पे क्या लिखा गया है कि देयर आर मेनी डिफरेंट वेज़ इन विच न्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं कहाँ से अपने पेरेंट्स से सम ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा जस्ट स्प्लिट इंटू टू पार्ट्स टू प्रोड्यूस न्यू अमीबे अब यहाँ पे किसकी बात हमसे की जा रही है यहाँ पे हमसे बात की जा रही है अमीबा की और अमीबा क्या है अमीबा हमारा एक यूनि सेल्युलर यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है यानी कि एक अमीबा की बॉडी को बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ सेल्स लगते हैं तो सिर्फ एक ही है ना तो जो हमारा एक अमीबा है वो किससे बनता है एक ही सेल से बनता है और उसका यही एक सेल होता है काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड यानी कि वो सारे फ़ंक्शंस परफॉर्म कर लेता है न्यूट्रिशन भी डाइजेशन भी है ना अब्जॉर्बशन uh, भी एक्सक्रीशन भी सब कुछ कर लेता है इनफैक्ट यही एक सेल अमीबा का रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी कर लेता है तो कैसे कर लेता है तो बेसिकली एक जो अमीबा होता है वो स्प्लिट हो जाता है दो सेल्स में आप उनको डॉटर सेल्स भी बोल सकते हो ठीक है और यही दोनों डॉटर सेल्स आगे जाकर के ग्रो कर जाते हैं मेच्योर हो जाते हैं और हमारे पास दो अमीबे आ जाते हैं यानी कि सिंपली पहले प, हमारे पास क्या था एक अमीबा था उसमें हम बोलते हैं कि डिवीजन हुआ वो स्प्लिट हो गया और स्प्लिट होकर के हम बोलते हैं कि दो डॉटर सेल्स में वो डिवाइड हो गया और यही दोनों डॉटर सेल्स आगे जाकर के कि किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एडल्ट अमीबा में ठीक है अमीबा में कैसे एग्जैक्टली exactly रिप्रोडक्शन होता है इसके ऊपर हम आज के इस सेशन में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे बढ़ जाते हैं सम ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा ग्रो आउट ऑफ द पेरेंट्स बॉडी इन द फॉर्म ऑफ अ बर्ड आज के इस सेशन में हमको हाइड्रा में कैसे रिप्रोडक्शन होता है वो भी हमें देखना है तो इस पार्ट को भी हम अभी थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहे हैं आगे हमें ये चीज़ पढ़नी ही है फिर इसके बाद में सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बर्ड्स एंड स्नेक्स हैच आउट ऑफ द एग्स लेड बाय देयर पेरेंट्स तो हम सबको पता है कि चिड़ियों के अंडे होते हैं स्नेक्स के अंडे होते हैं है ना तो बर्ड्स और स्नेक्स करते हैं अंडे देते हैं और इन्हीं अंडों से न्यू ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं बाहर निकल आते हैं बेसिकली एग्स की हैचिंग होती है वेयर एज सम ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बेबीज किटन्स एंड पपीज़ आर बॉन्ड फ्रॉम देयर मदर वही हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जैसे कि ह्यूमन बेबीज किटन्स और पपीज जो कि डायरेक्टली अपनी मदर के थ्रू ही क्या होते हैं वो पैदा होते हैं ठीक है यानी कि कोई अंडो वंडो का यहाँ पे खेल नहीं होता है है ना सीधे से हम बोलते हैं कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म मदर बॉडी से बाहर निकल आता है दिस मीन्स दैट ईच स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस इन अ डिफरेंट वे इसका मतलब क्या है कि हर एक स्पीशीज जो है ऑर्गेनिज्म की वो अपने ही अलग तरीके से रिप्रोड्यूस होती है ओके okay. फिर इसके बारे में क्या बोला गया है कि ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे देखो एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया था अपना फर्स्ट स्टेटमेंट कि बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं अपने पेरेंट्स से तो कहने को तो बहुत सारे तरीके हैं लेकिन इन सभी तरीकों को हम क्या करते हैं ब्रॉडली दो कैटेगरीज़ में कैटेगराइज कर देते हैं एक होता है ए रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दिस मीन्स डैट न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स कैन बी मेड ईधर बाय द मेथड ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और बाय द मैथड ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको क्या समझा है कि कहने को तो हज़ार तरीके हैं जिनसे न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं अपने पेरेंट्स से लेकिन उन सभी तरीक़ों को हम क्या करते हैं ब्रॉडली कैटेगराइज कर देते हैं दो कैटेगरीज़ में ए सेक्शुअल रिपोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो यहाँ पे आप कंक्लूजन ये निकालते हो कि कोई भी न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर बन रहा है तो या तो वो सेक्शुअल मेथड से होगा या फिर वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के मेथड से होगा इन दोनों के अलावा और कोई हमें मेथड पढ़ना ही नहीं है जितने भी तरीके होते हैं उन सभी को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ए सेक्सुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आज के इस सेशन में हमें ए सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर ही डिस्कशन करना है इसे हमें समझने की कोशिश करनी है तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की यहाँ पे क्या बोला गया है द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स या गैमीट्स

सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ठीक है अब आगे की बात क्या है कि विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स और गैमिट अब इस सेंटेंस को आप तभी समझ पाओगे जब आपको इन दो वर्ड सेक्स सेल्स या गैमिट्स का मतलब पता होगा देखो अब क्योंकि हम अपना सेल वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं तो अब आप लोगों के लिए समझना थोड़ा सा और आसान होगा कि हमारी बॉडी में कई सारे स्पेशलाइज सेल्स होते हैं भाई देखो अभी अभी मैंने आपको अमीबा के बारे में बताया था कि उसकी बॉडी में तो एक ही सेल होता है と उस अमीबा के एक सेल के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा उसी को सारे काम करने होंगे वही एक सेल अमीबा का स्ट्रक्चर बनाता है वही एक सेल उसमें न्यूट्रिशन की प्रोसेस करता है वही एक सेल उसमें डाइजेशन की प्रोसेस करता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी कर लेगा तो अमीबा के पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं ना सिर्फ अमीबा हमारे जितने भी यूनि ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है उनकी बॉडी का एक ही सेल क्या करेगा सारे काम करेगा लेकिन जब हम बात करते हैं अपने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तो उनकी बॉडी में तो बहुत सारे सेल्स होते हैं अब अगर सभी सेल्स ने डिसाइड कर लिया कि हमें तो सारे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी एकदम होश पॉश हो जाएगी सिचुएशन तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि ग्रुप सेल्स के ना ग्रुप बनाए जाते हैं और बोला जाता है कि सुनो आप लोग का जो ग्रुप बना है इस ग्रुप में जितने भी सेल्स हैं वो एक ही टाइप के हैं है, है ना तो आप लोग क्या करो एक टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर लो ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे सेल्स हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो सारे सेल्स सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं ऐसा नहीं है हम क्या करेंगे सेल्स को ग्रुप में डिवाइड कर देंगे और उनसे बोला जाएगा एक ग्रुप से बोला जाएगा कि अब आपको यही वाला काम करना है सभी मिलके यही वाला काम करेंगे यही फंक्शन परफॉर्म करेंगे इससे क्या होगा हॉश पॉश भी नहीं होगी प्लस जो भी फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा होगा वो एकदम हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी के साथ होगा एफिशिएंसी के साथ होगा फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में तीन टाइप की मसल्स होती हैं स्केलेटल मसल्स होती हैं ये कौन सी मसल्स होती हैं जो कि हमारे स्केलेटन से यानी कि हमारी हड्डियों से अटैच्ड होती हैं फिर हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं तो भाई हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको किसने बनाया है स्मूथ मसल्स नहीं बनाया है फिर एक होती है हमारे पास कार्डियक मसल्स कार्डियक मसल्स कहाँ आती हैं तो हमारा जो हार्ट है उसकी वॉल को बनाने के लिए कौन लगती है कार्डियक मसल्स ही लगती हैं तो कार्डियक मसल्स आपको सिर्फ़ और सिर्फ हमारी बॉडी में कहाँ मिलेंगी हार्ट की वॉल्स में ही मिलेंगी यानी कि हार्ट में ही मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी ठीक है तो यहाँ पे हमने बोला कि आ, ये जो हमारे पास कार्डियक मसल्स हैं तो ऑब्वियसली बात है वो किसके बने होंगे मसल सेल्स के बने होंगे मसल फाइबर्स के बने होंगे तो ये जो कार्डियक मसल फाइबर्स हैं या जो सेल्स हैं इनका काम क्या है इनका काम ये है कि इनको क्या करना है हार्ट को पंप करवाना है तो कार्डियक सेल्स या आप बोल सकते हो कि हार्ट के जो हमारे सेल्स होते हैं वो किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड होते हैं तो हार्ट को पंप कराने में स्पेशलाइज होते हैं ऐसा कभी नहीं होगा कि हार्ट के सेल्स ने जो है ना डिसाइड किया कि यार रोज़ रोज जो है ना हार्ट को पंप करवा करवा के हम एकदम थक गए हैं बोर हो गए हैं आज जाकर के हम क्या करेंगे डाइजेशन की प्रोसेस करेंगे तो ऐसा नहीं होगा एक बार जो काम अलॉट कर दिया जाता है वो उन सेल्स को हमेशा करना पड़ता है तो हमारे जो हार्ट सेल्स हैं उनका काम क्या होगा कार्डिक सेल्स जो हैं उनकी स्पेशलाइजेशन किस में होगी वो किस चीज़ के लिए स्पेशलाइज होते हैं तो हमारे हार्ट को पंप करवाने के लिए सिमिलरली हमारे जो लंग्स के जो सेल्स होते हैं ठीक है तो उनका काम क्या होता है वो किस चीज़ में स्पेशलाइज होते हैं तो बेसिकली रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए हमारे जो स्टमक के सेल्स होते हैं वो किस चीज़ में स्पेशलाइज होते हैं डाइजेशन की प्रोसेस के लिए सिमिलरली हमारे बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो कि स्पेशलाइज होते हैं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए कि उनको क्या करना है सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के ऊपर ही फोकस करना है जैसे हार्ट सेल्स को फोकस करना है ब्लड uh, को पंप कराने में या बेसिकली हार्ट को पंप कराने में है ना सिमिलरली हमारे बॉडी में कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनका काम होता है क्या सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन करवाना और ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं ऐसे सेल्स को हम कहते हैं जर्म सेल्स क्या कहेंगे जर्म सेल्स जी ई आर एम जर्म सेल्स इनका काम क्या है ये स्पेशलाइज होते हैं हमारी बॉडी में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए कैसे तो बेसिकली ये जो जर्म सेल्स है ना ये बनाते हैं क्या गैमीट्स ये क्या बनाते हैं गैमीट्स और इन्हीं गैमीट्स का दूसरा नाम क्या है सेक्स सेल ठीक है तो इन जर्म सेल्स ने बनाए हैं गैमीट्स इन गैमीट्स का ही दूसरा नाम होता है क्या सेक्स सेल्स अब ये जो गैमीट्स है ना ये दो टाइप के होते हैं एक होता है फीमेल गैमीट और एक होता है मेल गैमीट एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट तो यूजअली होता क्या है कि यही मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और इस फ्यूजन से हम बोलते हैं कि क्या बन जाता है जायगोड बन जाता है और उसके ऊपर हम पहले भी अपने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कशन कर चुके हैं कि जयगोड क्या होता है जयगोड हम बोलते हैं कि एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, है ना ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास केवल सिंगल सेल होता है फर्दर इसी जायगोर्ड में हम बोलते हैं कि और डिविजन होता है मल्टीप्लीकेशन होता है नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जाते हैं और इसी जायोड से हम बोलते हैं कि एक न्यू ऑर्गेनिज बन जाता है चीज मैंने आपको पहले भी सिखाई है तो शुरुआत यहाँ पे कहाँ से हुई है जर्म सेल से हुई है कि हमारी बॉडी में स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनका काम है क्या रिप्रोडक्शन करवाना यही जर्म सेल्स क्या करते हैं गैमीज बनवाते हैं जिनको हम सेक्स सेल्स बोलते हैं दो टाइप के होते हैं मेल और फीमेल जब इनका फ्यूजन हो जाता है तो जायगोड बनता है जयगोड हम बोलते हैं कि सिंगल सेल होता है इसमें फर्दर और डिविजन मल्टीप्लीकेशन होगा न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होगा और ये सभी न्यू सेल्स मिलकर क्या करेंगे एक नए ऑर्गेनिज्म को बना देंगे इतना क्लियर है आप सभी को तो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है अब जब आपको गैमिट्स का मतलब समझ में आ गया है तो अब आप इस स्टेटमेंट को समझ सकते हैं कि रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स और यानी कि रिप्रोडक्शन में का कोई इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं अब सवाल यह है कि मैम ये जो आपने प्रोसेस समझाई थी हमको कि गैमिट्स का फ्यूजन हो रहा है ऑर्गेनिज्म बन, बन रहा है है ना ये चीज तो हमें समझ में आई थी प्रोसेस समझ में आई थी ये हमें लॉजिकल लग रहा था लेकिन अब ए सेक्शुअल रिपोडक्शन में बोल रहे हैं कि गैमिट्स का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं तो अगर गैमिट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इनका फ्यूजन नहीं हो रहा है जायगोट नहीं बन रहा है तो फिर नया ऑर्गेनिज्म कहाँ से बनेगा तो यहाँ पे एग्जैक्टली exactly यही चीज़ होती है कहाँ ए, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में कि पहली बात तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और गैमिट्स का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो फिर होगा कैसे इट इज कॉल्ड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज इट डज नॉट यूज स्पेशल सेल्स कॉल्ड सेक्स सेल्स और गैमिट्स फॉर प्रोड्यूसिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म इन दिस पार्ट इन दिस अ पार्ट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म सेपरेट्स ऑफ एंड ग्रोज इन टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म अगर गैमिट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है या गैमिट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो सवाल यह है कि कैसे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो इसमें होता क्या है कि वो जो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है ना इसी सिंगल पेरेंट से हम बोलते हैं कि उसकी बॉडी से एक पार्ट निकलता है और यही पार्ट एक न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाता है क्या आप इस चीज़ को समझें कि यहाँ पे गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा तो वो जो सिंगल पेरेंट है ना उस सिंगल पेरेंट की बॉडी से एक पार्ट निकलेगा और वही पार्ट हम बोलते हैं कि न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाएगा डेवलप कर जाएगा तो इसीलिए दो पेरेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है और हम बोलते हैं कि गैमिट्स के भी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है एक ही पेरेंट से चल जाएगा उसकी बॉडी से एक पार्ट निकल जाएगा और यही पार्ट हम बोलते हैं कि एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाएगा डेवलप कर जाएगा दस ओनली वन पेरेंट इज नीडेड टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए केवल एक ही पेरेंट जो है रिक्वायर्ड होता है आई बात समझ में तो ये कहानी है किसकी इसकी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की अब क्योंकि इसमें सेक्सल्स और गैमिट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसलिए इसको हम ए सेक्शुअल रिपोडक्शन बोल रहे हैं और इसका जो ऑपोजिट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें क्या होगा ऑब्वियस सी बात है हम बोलते हैं कि कुछ इस तरीके से गैमिज का इन्वॉल्वमेंट होगा फ्यूजन होगा जायगोर्ड बनेगा और जयगोड से हम बोलते हैं कि न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी हम आज के इस सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे पहले तो हम अपना ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का जो कंसेप्ट है वो हम अपना तो सबसे पहले कंप्लीट करते हैं तो अब यहाँ पे देखो अमीबा का केस आ चुका है अमीबा में हमारे पास क्या है देखो ये है हमारा एक पेरेंट अमीबा और बाकायदा इसमें आपको इसका न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है इसका इरेग्युलर शेप होता है है ना वो भी हमको दिखाई दे रहा है अब हुआ क्या कि ये जो सेकंड फिगर है इसमें हमको क्या दिख रहा है कि अमीबा का जो ये न्यूक्लियस है ना ये स्ट्रेच हो रहा है ये इलोंगेट हो रहा है और कुछ इस तरीके से स्ट्रेच या इलांगेट हो रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ये न्यूक्लियस और डिवाइड ना हो जाए टूट ना जाए है ना और नेक्स्ट इमेज में हमको एक्जैक्टली exactly यही चीज होती हुई दिखाई दे रही है कि जो अमीबा का न्यूक्लियस है ना वो इतना स्ट्रेच हुआ इतना हुआ कि फाइनली वो डिवाइड हो गया और दो न्यूक्लियस बन गए तो न्यूक्लियस का प्लूरल क्या होता है न्यूक्लिया होता है तो यहाँ पे हमने बोला कि हमारे पास एक पेरेंट अमीबा था उसका जो न्यूक्लियस है वो इलोंगेट होता है और डिवाइड हो जाता है किसमें दो न्यूक्लिया में एक न्यूक्लिया एक न्यूक्लियस यहाँ गया और दूसरा कहा गया यहाँ अब क्या हुआ न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो गया लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो साइटोप्लाज्म है ना अमीबा के सेल का ये साइटोप्लाज्म भी क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है पहले तो सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुआ था हो रहा था और हो भी गया लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस के डिवीजन न्यूक्लियस का जो डिवीजन है इट इज़ फॉलोड बाय व्हाट साइटोप्लाज्म का डिवीजन तो अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हुआ और डिवीजन हुआ कुछ इस तरीके से कि अब हमारे पास क्या आ गए हैं दो अलग अलग सेल्स आ चुके हैं अमीबा सेल्स आ चुके हैं एक ये वाला सेल और एक ये वाला सेल तो शुरुआत में तो हमारे पास केवल एक ही पेरेंट अमीबा था इसका एक ही सेल था लेकिन हुआ क्या न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ विच इज़ अगेन फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्म का डिवीजन साइटोप्लाज्म के डिवीजन के बाद हम बोलते हैं कि दो हमारे पास अमीबा सेल्स आ चुके हैं इसके पास भी इस वाले सेल के पास भी साइटोप्लाज्म है उसका एक न्यूक्लियस है इस वाले अमीबा सेल के पास भी साइटोप्लाज्म है और उसका क्या है अपना एक न्यूक्लियस है इसीलिए हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस स्प्लिट हुआ था किसमें डिवाइड हुआ था किसमें दो न्यूक्लिया में तो यहाँ पे हमने बोला कि यहाँ पे दो डॉटर सेल्स हमारे आ चुके हैं और यही डॉटर सेल्स क्या करेंगे ग्रो करेंगे समय के साथ और इसके बाद में इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल अमीबे बन जाएंगे ये भी एक अमीबा और ये भी एक अमीबा तो यहाँ पे दो अमीबे कैसे आए हैं एक पेरेंट अमीबा से आए हैं कैसे तो उस उसने क्या किया था सिंपली अपनी बॉडी को स्प्लिट कर लिया था सबसे पहले न्यूक्लियस स्प्लिट हुआ इसके बाद में साइटोप्लाज्म स्प्लिट हो गया ठीक है तो इसे हम बोलते हैं क्या इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन फ्यूजन और फिजन दोनों अलग अलग, अलग चीजें हैं फ्यूजन का मतलब होता है कंबाइन हो जाना और फिजन का मतलब होता है टूट जाना ऑपोजिट चीजें हैं ठीक है थीके? फ्यूजन का मतलब क्या है कंबाइन होना और फिजन का मतलब है टूटना तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अमीबा क्या कर रहा है स्प्लिट कर रहा है टूट रहा है वो तो ये क्या हुआ फिजन हुआ लेकिन कैसा बाइनरी फिजन यानी कि यहाँ पे दो भाई एक सेल जो है उसमें डिवीजन हो रहा है और डिवीजन होने के बाद कितने नए सेल्स बन रहे हैं तो दो बन रहे हैं इसलिए यहाँ पे बाइनरी वर्ड आया है अब आगे जाकर के ये जो अमीबा होगा ना ये भी सेम मेथड से बाइनरी फिजन से दो अमीबा सेल्स में आगे जाकर के ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा ये इसका न्यूक्लियस ये इसका न्यूक्लियस ठीक है और ये वाला जो अमीबा सेल होगा ये भी आगे जाकर के सेम बाइनरी फिजन से क्या होगा दो अमीबा में दो अमीबे में ये स्प्लिट हो जाएगा तो शुरुआत में हमारे पास एक पेरेंट अमीबा था उससे बने दो डॉटर सेल्स फिर इन दो डॉटर सेल से हम बोलते हैं कि आगे जाकर के चार और डॉटर सेल्स बन जाएंगे तो कुछ इस तरीके से अमीबा के जो स्पीशीज़ है बेसिकली ये प्लानिट अर्थ पर एग्जिस्ट करती ही रहेगी क्यों क्योंकि ये क्या कर रही है ये बेसिकली रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कर रही है इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है और ना ही किसी भी तरह के गैमिट्स का हम बोल रहे हैं कि फ्यूजन हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है गैमिट्स का फ्यूजन या क्यों नहीं हो रहा है गैमिट्स की इन्वॉल्वमेंट क्योंकि भाई देखा जाए तो हमारे जो यूनिसेल ऑर्गेनिज्म है ये जो अमीबा है इसके पास तो एक ही सेल है ना अब वो एक सेल माना कि सारे काम कर लेता है लेकिन वो इतना भी एडवांस नहीं होता है कि गैमीट्स का फॉर्मेशन भी करवा दे पहले भी हमने इस बात को अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि हमारे जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनका जो बॉडी है वो सिंपल टाइप की होती है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है कॉम्प्लेक्सिटी तो तब बढ़ती है जब कौन आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं आई बात समझ में तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि एसच गैमिट्स का कोई फॉर्मेशन नहीं हो रहा है ना फॉर्मेशन होगा ना फ्यूजन होगा ना कुछ होगा सिंपली जो एक पेरेंट है वही अपनी बॉडी को बेसिकली अपने आप को वो स्प्लिट कर लेता है और उससे आप बोल सकते हो कि दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं और इन दो डॉटर सेल्स से आगे जाकर के कुछ और नए डॉटर सेल्स बन जाएंगे तो स्पीशीज़ का हम बोलते हैं कि जो स्पीशीज़ में जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज़म्स हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं कम नहीं होंगे ठीक है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या बाइनरी फिजन चलो अब इसके बाद में हम एक और बेसिकली uh, एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का और यहाँ पे हमारे सामने क्या है हाइड्रा है ठीक है अब हाइड्रा में क्या होता है कि देखो ये रहा क्या एक पेरेंट हाइड्रा अब इस पेरेंट हाइड्रा में एक छोटा सा ना बर्ड निकल के आ जाएगा और यही बर्ड धीरे 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 ग्रो करेगा और एक आप बोल सकते हो कि एक नया हाइड्रा जो है बन जाएगा फिर एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद ये जो हाइड्रा भी जो ग्रो कर रहा है ये पेरेंट हाइड्रा की बॉडी से डिटैच हो जाएगा और एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हाइड्रा के फॉर्म में या ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में जो है सर्वाइव करेगा तो हुआ क्या यहाँ पे अगेन एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है कोई गैमिट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी भी तरह का लेकिन फिर भी एक नया हाइड्रा एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो कैसे बन रहा है तो बेसिकली हमारे पास एक पेरेंट हाइड्रा था उसकी बॉडी में एक बड निकल करके यानी कि एक आउटग्रोथ निकल करके आ गई ये जो बड होगा ये धीरे 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 हम बोलते हैं कि पेरेंट की बॉडी से ही अटैच होकर के ग्रो करने लगेगा फिर इसके बाद में एक पर्टिकुलर स्टेज पर आने के बाद में ये जो बेसिकली बर्ड होगा ये पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाएगा कुछ इस तरीके से और देखो एक इंडिपेंडेंट हाइड्रा की तरह जो है सर्वाइव करने लगेगा ग्रो करने लगेगा सवाल ये है कि आखिर ये शुरू में पेरेंट बॉडी से अटैच क्यों था क्योंकि भाई अभी अभी तो ये निकला था ना तो ये अपने न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट वगैरह के लिए ये अपने पेरेंट के ऊपर कैसा था डिपेंडेंट था जैसे ही ये इसकी एक सर्टेन एज आ गई है ना कि उस स्टेज पे आकर के इसने बोला कि नहीं अब हम जो है ना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए रेडी हैं तो फिर ये अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा जब तक नहीं होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए रेडी तब तक ये पेरेंट की बॉडी से जुड़ा रहता है और जहां ये अपने उप, आप बोल सकते हो कि इंडिपेंडेंट हो जाता है तो ये अपनी पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हमने बोला कि अगेन कोई भी पेरेंट मतलब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है दो पेरेंट्स की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है एक पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट से ही न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है प्रोड्यूस हो रहा है कोई गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है कैसे तो पेरेंट बॉडी में एक आउटग्रोथ निकलती है वही आउटग्रोथ धीरे धीरे हम बोलते हैं कि पेरेंट की ही बॉडी से अटैच होकर के ग्रो करती है बर्ड ग्रो करता है और एक सर्टेन स्टेज के बाद में ये जो बर्ड है ये पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाता है और एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सर्वाइव करता है न्यू हाइड्रा यहाँ पे बन जाता है तो पेरेंट हाइड्रा भी है और डॉटर या आप बोल सकते हो कि न्यू हाइड्रा भी यहां पे बन चुका है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बडिंग बोलते हैं क्यों क्योंकि बड का फॉर्मेशन हुआ है ना एक बड का फॉर्मेशन हुआ है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बडिंग कहते हैं अमीबा का जो मेथड है रिप्रोडक्शन का उसे हम क्या कहते हैं बाइनरी फिजन और हाइड्रा का जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की इसे हम कहते हैं बडिंग ठीक है चलो तो यहां पे क्या बोला गया है कि सम ऑफ द एग्जांपल्स ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आर बाइनरी फिजन इन अमीबा एंड बर्डिंग इन हाइड्रा एक्सुअल रिपोर्डक्शन सिंपलेट मैथड ऑफ रिपोर्डक्शन सबसे आसान तरीका होता है सिंपल स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब इन लोग की बॉडी में अमीबा हो गया हाइड्रा हो गया इनकी बॉडी में हम बोलते हैं कि एक एक सेल हो रहा है, है ना इनका जो स्ट्रक्चर है इनकी बॉडी का वो बहुत ही सिंपल सा है तो इनकी बॉडी में इतनी एडवांसमेंट नहीं हो सकती है कि गैमिट्स का फॉर्मेशन हो जाए और गैमीज का फॉर्मेशन अगर हो भी गया है तो उनका फ्यूजन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्यों क्योंकि काफी सिंपल ऑर्गेनिज्म है ना उनका स्ट्रक्चर कैसा है सिंपल टाइप का है तो ऐसे सिंपल स्ट्रक्चर प्रोजेस करने वाले जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है इन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन द यंग वन और ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस इज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट अब यहाँ पे क्या बोला गया है इस जो लाइन जो है ना आपकी इसको आप कर सकते हो क्या अंडरलाइन और स्टार मार्क साथ साथ में क्यों क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो न्यू ऑर्गेनिजम प्रोड्यूस होता है या जो यंग वन प्रोड्यूस होता है जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में वो क्या होता है एग्जैक्ट कॉपी होती है अपने एक पेरेंट की क्यों होती है एग्जैक्ट कॉपी अपने पेरेंट की क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है ना तो जो भी कैरेक्टर्स आने वाले हैं ऑफ स्प्रिंग में वो कहाँ से आएंगे एक ही पेरेंट से आएंगे तो जो जो कैरेक्टर्स एक पेरेंट के पास होंगे वही के वही सारे कैरेक्टर्स कहाँ आ जाएंगे उसके ऑफस्प्रिंग में आ जाएंगे तो इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग होगा वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी होगा किसकी अपने पेरेंट की सिंगल पेरेंट की ठीक है लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डेफिनेटली आपको जो है ना जो जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो आपको एग्जैक्ट कॉपी नहीं लगेगा अपने उसके पेरेंट्स की आपने कई बार सुना होगा कि लोग बोलते हैं किसी किसी को कि ये बिल्कुल अपने पापा पे गया है या ये बिल्कुल अपनी ममा पे गई है लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि ये रहे आप और ये रहे आपके पापा और आप दोनों की क्या है एकदम कार्बन कॉपी है ऐसा नहीं होता हाँ देखने पर यह समझ में आएगा कि आपके जो कुछ फीचर्स हैं वो आपको आपके पापा से मिले हैं है ना समझ में आएगा देख करके कि आपको आपके कुछ फीचर्स कहाँ से मिले हैं आपकी ममा से मिले हैं तो कई बार हम बोलते हैं कि बच्चे में अगर, अगर अपने पापा के फीचर्स ज़्यादा आ जाते हैं तो बच्चा अपने पापा जैसे दिखने लगता है अगर मम्मा के फ़ीचर्स ज़्यादा आ जाते हैं तो हमें लगता है कि वो ममा जैसा दिखता है लेकिन एग्जैक्ट कॉपी तो बच्चे नहीं होते क्यों नहीं होते हैं क्योंकि सीधी सी बात है ना दोनों कैरेक्टर्स आ रहे हैं ममा के भी फीचर्स आ रहे हैं पापा के भी फीचर्स आ रहे हैं उनमें वेरिएशन्स हो रहे हैं, रहे हैं। और वेरिएशन्स के बाद में हम बोलते हैं कि जो बच्चा आएगा बच्चा हम बोलते हैं कि पापा के भी कुछ फीचर्स लिए रहेगा मामा के भी फीचर्स लिए रहेगा लेकिन उसमें कुछ ऐसे फीचर्स भी होंगे जो कि मामा और पापा दोनों में ही नहीं होंगे कई बार ऐसा होता है कि पापा की आंखों का कलर कैसा है ब्लैक है मामा की आंखों का कलर ब्राउन है लेकिन बच्चे की आंखों का जो कलर है वो क्या हो जाता है नीला हो जाता है ब्लू हो जाता है तो ये ब्लू फीचर कहाँ से आया है तो हम बोलते हैं कि वहाँ पर वेरिएशन हुआ है ठीक है तो ये वेरिएशन हम बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो एग्जैक्ट कॉपीज़ ही निकलती हैं क्यों क्योंकि ये रहा पेरेंट सिंगल पेरेंट उसमें जो भी फीचर्स होंगे वो एज इट इज़ सभी के सभी कहाँ जाएंगे बच्चे में आ जाएंगे ठीक है चलो अब इसके बाद में हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पे जो कि क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अब यहाँ क्या होगा द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल्स और गैमिट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब ये एक ऐसा मेथड होता है रिप्रोडक्शन का जहां पे हम बोलते हैं कि न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है कैसे होता है फॉर्मेशन तो इसके लिए दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और साथ ही साथ जो उनके गैमिट्स हैं उनका भी जो है ना प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होता है और ऐसे मेथड को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं रिप्रोडक्शन सेक्स सेल्स ऑफ एक होता है मेल गैमिट और एक होता है फीमेल गैमिट जो मेल गैमिट है वो आता है मेल uh, पेरेंट की बॉडी से और जो फीमेल गैमिट है वो आता है फीमेल पेरेंट की बॉडी से दोनों ही गैमेट्स का फ्यूजन होता है फ्यूजन के बाद जायगोट बनता है इसी जायगोट में हम ये बेसिकली सिंगल सेल्ड होता है जायगोट इसी जायगोट में नंबर ऑफ डिविजन्स होते जाते हैं मल्टीप्लीकेशन होते जाते हैं जिसके कारण हम बोलते हैं कि फर्दर और न्यू सेल्स बनते हैं और ये न्यू सेल्स क्या करेंगे मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म को बना देंगे आई बात समझ में तो मेल पेरेंट बॉडी से आया मेल गैमेट फीमेल पेरेंट बॉडी से आया फीमेल गैमेट उनका फ्यूजन हुआ और जायगोट बन गया दिसगोड ग्रोस एंड डेवलप्स टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म इसमें फर्दर और ग्रोथ होती है डेवलपमेंट होती है वही नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन से दस इन सेक्शुअल रिपोर्डक्शन टू पेरेंट्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म तो हम बोलते हैं कि सेक्शुअल रिपोर्डक्शन में दोनों पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए ए सेक्शुअल में ऐसा नहीं था सिंगल पेरेंट्स से काम चल रहा था द टू पेरेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन द सेक्शुअल रिपोर्डक्शन आर कॉल्ड मेल और फीमेल जैसे कि मैंने आपको बताया सेक्शुअल रिपोडक्शन यंग वन और ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस इज नॉट एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दुअल रिप्रोडक्शन में तो हम बोलते हैं कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है एक ही पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग जो है ना प्रोड्यूस हो रहा है तो सिंगल पेरेंट के पास जो भी फीचर्स होंगे सबके सब कहा आ जाएंगे ऑफ स्ट्रिंग में आ जाएंगे लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की तो यहाँ पे दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व है एक मेल और एक फीमेल मेल के पास अपने फीचर्स होंगे फीमेल के पास अपने फीचर्स होंगे तो ऑफ स्प्रिंग में हम बोलते हैं कि दोनों के ही फीचर्स आते हैं तो कुछ फीचर्स तो देखो जो डोमिनेंट होता है वो हम बोलते हैं कि अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा जैसे कि हम बोलते हैं कि मेल पेरेंट्स के बॉडी से एक फीचर आया था कि आंखों का जो कलर है वो कैसा होगा ब्राउन होगा फ़ीमेल पेरेंट की बॉडी से जो फीमेल आया जो कैरेक्टर आया था वो क्या था कि आंखों का कलर कैसा होगा ब्लैक होगा दोनों ही फीचर्स बच्चे में आए लेकिन डोमिनट कौन सा वाला था कि आंखों का कलर क्या होना चाहिए ब्राउन होना चाहिए तो बच्चे की आंखों का कलर क्या हो गया हम बोलते हैं कि ब्राउन हो गया तो फीचर्स दोनों आए लेकिन जो डोमिनेंट वाला है उसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया कई बार ऐसा होता है कि ना मतलब बच्चे में कुछ ऐसे फीचर आ जाते हैं जो कि ना पेरेंट में मतलब पेरेंट्स में होते ही नहीं है उसमें कुछ अलग ही फीचर आते हैं तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो भी आ, आप बोल सकते हो कि जेनेटिक मटेरियल आया है मे, uh, मेल से और फीमेल पेरेंट बॉडी से उसमें कुछ वेरिएशंस हो जाते हैं और इन वेरिएशन के कारण कुछ अलग ही फीचर बच्चे में दिखाई देने लगते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ क्या बोला गया है कि द मेल एंड द फीमेल पेरेंट्स हैव स्पेशल ऑर्गन्स इन देम विच प्रोड्यूस मेल सेक्स सेल्स एंड फीमेल सेक्स सेल्स रिस्पेक्टिवली विच आर रिक्वायर्ड इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब सीधी सी बात है भाई यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी पॉसिबल होगा जब आप बोल सकते हो कि जो मेल और फीमेल गैमिट्स हैं या जो सेक्स सेल्स हैं उनका क्या होगा फ्यूजन होगा तो इन गैमिट्स को बनाने के लिए कोई चाहिए भी तो कौन चाहिए हैं तो हम बोलते हैं कि स्पेशल ऑर्गन्स चाहिए हैं जिनको हम बोलते हैं क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी कि उन ऑर्गेनिजम्स में जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें मेल और फीमेल पेरेंट्स में क्या होते हैं स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो कि क्या करेंगे मेल और फीमेल सेक्सेल्स या फिर गैमिड्स का फॉर्मेशन करेंगे क्योंकि गैमिड्स का फॉर्मेशन करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ ऑर्गन्स चाहिए है ना फिर द ह्यूमन्स फिशेज फ्रॉग्स कैट्स डॉग्स ऑल रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम बोलते हैं कि मछलियाँ हो गई फ्रॉग्स हो गए है ना मेंढक वगैरह कैट्स डॉग्स वगैरह ह्यूमन बींग्स ये सभी क्या करते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही आ, न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं तो जैसे कि हमने सेशन की स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि रिप्रोडक्शन के कई सारे तरीके हैं लेकिन सभी को हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं ए सेक्शुअल और सेक्शुअल तो कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है अगर अपने पेरेंट बॉडी से तो या तो वो ए सेक्शुअली प्रोड्यूस होगा या सेक्शुअली प्रोड्यूस होगा ठीक है अब यहां पे क्या है अब यहाँ पे थोड़ा के बारे में बात करी जा रही है कि द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स जिनको हम क्या कहते हैं सेक्स गैमिट्स कहते हैं दीज सेक्स सेल्स आर ऑल्सो नोन बाय द अदर नेम विच इज गैमिट ओके द सेल्स इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड गैमिट्स आपको बताया था मेल गैमिट इन एनिमल इज कॉल्ड स्पर्म एंडीमेलिट इन एनिमल इज कॉल्ड एग ठीक है तो यहाँ पे अब हमने हम बार बार मेल और फीमेल गैमिट बोल रहे हैं ना अब यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया कि जो मेल गैमिट है एनिमल की बॉडी में उसको हम क्या बोलते हैं स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमिट को हम क्या बोलते हैं एग बोलते हैं या सिंगुलर अगर है अगर एक ही फीमेल गैमिट है तो उसको हम बोलेंगे ओवम ठीक है और अगर बहुत सारे हैं तो उसको हम बोलेंगे क्या ओवा क्या बोलेंगे ओवा तो इसके तीन नाम हो सकते हैं या तो सिंपली आप एग बोल दो फीमेल गैमिट को एक अगर गैमिट की बात करें तो आप उसको ओवम भी बोल सकते हो और अगर बहुत सारे हैं तो आप उसको क्या बोलोगे ओवा बोलोगे ठीक है चलो आगे क्या है हमारे पास द गैमिट्स आर ऑफ टू टाइप्स मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स ये तो हो गया अच्छा ये रिपीट हो गया है गैस चलो कोई नहीं फिर इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि इसकी स्पर्म्स के स्ट्रक्चर को समझने की हम कोशिश करते हैं द स्पर्म्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल सेल्स एंड वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी टू सी देम तो ये अगेन हम बोलते हैं कि अभी तो ये आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन ये इतना बड़ा होता नहीं है छोटा सा ही होता है और इतना छोटा होता है कि बाकायदा इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए ही होता है स्पर्म इज़ अबाउट पॉइंट जीरो फाइव मिली लॉन्ग ठीक है इसकी लेंथ कितनी होती है पॉइंट जीरो फाइव मिली होती है द स्पर्म हैज़ अज हैज़ अ हैड अ मिडल पीस एंड अ टेल अब आप बोलोगे कि मैम प्रीवियस सेशन में प्रीवियस चैप्टर में जब हमने सेल का यू नो स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा था तो उसमें तो आपने बताया था कि सेल कुछ ऐसा होता है है ना एनिमल सेल ऐसा होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है साइटोप्लाजम होता है सेल ऑर्गेनाज वगैरह होते हैं ये सब चीज़ें आपने बताई थी लेकिन अब आप बोल रहे हो कि ये जो स्पर्म है ये जो मेल गैमिड है ये भी क्या है एक सेल ही है तो हाँ ये भी एक सेल है माना इसका स्ट्रक्चर अलग है एक टिपिकल एनिमल सेल के स्ट्रक्चर से अगर आप स्पर्म का स्ट्रक्चर कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा यू नो डाइजेस्ट करने में दिक्कत ये बात होगी कि ये भी क्या है एक सेल ही है लेकिन सच तो यही है कि ये भी एक सेल है, है ना जिसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है स्ट्रक्चर अलग क्यों है क्योंकि उसका भी एक अलग सिग्निफिकेंस है मैंने आपको पहले भी समझाया है जैसे हमने बात करी थी अपने न्यूरॉन्स की यानी कि अपने नर्व सेल्स की कि हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं उनके पास क्या होती, होती है डेंड्राइट्स होती हैं ना एग्जॉन होती है फिर एग्जॉन टर्मिनल्स होते हैं जो कि ब्रांच होते हैं तो वो स्ट्रक्चर क्यों हैं न्यूरॉन के पास या नर्व सेल के पास क्योंकि उस स्ट्रक्चर का की रिक्वायरमेंट है नर्व सेल को अगर हमारे नर्व सेल्स के पास बेसिकली अगर वो लंबी नहीं होंगे नर्व सेल्स हमारे लंबे नहीं होंगे लॉन्ग नहीं होंगे या उनके पास ब्रांचेज नहीं होंगी तो इम्पल्स का जो कंडक्शन है ना हमारी पूरी बॉडी में वो बहुत ही मुश्किल से हो पाएगा या शायद हो ही ना इसीलिए किसी भी सेल के पास जो भी उसका एक स्पेसिफिक या रिस्पेक्टिव शेप होता है ना तो वो उस शेप की रिक्वायरमेंट होती है उस सेल को वो शेप जरूरी होता है इसीलिए उस जो शेप है ना वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर स्पर्म का शेप ऐसा है तो इसकी भी अपना ही एक सिग्निफिकेंस है इस शेप की भी क्या है एक रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे जो स्पर्म है इसके ती, इसकी पूरी बॉडी को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एक होता है हेड एक होता है मिडिल पीस और एक होता है क्या इसकी टेल तो ये जो आपको रीजन दिखाई दे रहा होगा ठीक है ये क्या है इस फर्म का हेड है देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये क्या है इसका हेड है फिर इसके बाद में यहां पे आपको इसका मिडिल पीस ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है इसका मिडिल पीस है और ये जो आपको बाकी की पूरी एक पूछ दिखाई दे रही है तो एग्जैक्टली exactly इसको हम क्या कहते हैं टेल ही कहते हैं तो अगर ये सेल है तो सेल के पास तो क्या होना चाहिए प्लस हम बोल रहे हैं एनिमल सेल है तो इस सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग भी होनी चाहिए याद करो प्रीवियस चैप्टर में हमने बात करी है इसके ऊपर तो एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसे हम क्या बोलते हैं भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं ठीक है तो देखो यहाँ पे यहाँ पे लिखा गया है कि ये पूरा का पूरा जो स्पर्म है ये एक आउटर कवरिंग से जो है कवर्ड है और इस आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं पूरी बॉडी ठीक है फिर इसके बाद में अब सेल है तो न्यूक्लियस तो होना ही चाहिए तो न्यूक्लियस हम बोलते हैं कि ये जो हेड है ना हेड्रीजन इस स्पर्म का इसी हेड रीजन में हम बोलते हैं कि ये आपको क्या दिखाई देगा इस स्पर्म या इस मेल uh, गैमेट का न्यूक्लियस दिखाई देगा तो ये रहा हेड हेड रीजन इंपॉर्टेंट क्यों है हेड रीजन हम बोलते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है भाई न्यूक्लियस प्रेजेंट है है ना तो सीधी सी बात है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी फीचर्स आते हैं पेरेंट्स की बॉडी से बच्चे में वो कैसे आते हैं जीन्स के थ्रू आते हैं जीन्स जो कि हम बोलते हैं कि ये ये क्या है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है ये जीन्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं तो हम बोलते हैं कि डी में डी एन कहाँ प्रेजेंट होता है तो क्रोमोजोम्स में क्रोमोजोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं तो सेल के न्यूक्लियस में तो अगर हम बोल रहे हैं कि मेल गैमिट आ रहा है तो मेल गैमिट अपने साथ क्या लेकर के आएगा मेल पेरेंट बॉडी के फीचर्स भी लेकर के आएगा फीचर्स मतलब कि जीन्स भी लेकर के आएगा कैसे तो इस मेल गैमिट के अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए न्यूक्लियस प्रेजेंट होना चाहिए हमेशा ध्यान रखना कि ये जो स्पर्म और ये जो ओवम वगैरह जो है ना ये Uh, इनके नाम अलग अलग हो गए हैं बाकी ये दोनों हैं क्या ये दोनों सेल्स ही हैं हमारी बॉडी के जिनको हम रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं विच आर स्पेशलाइज टू तो परफॉर्म रिप्रोडक्शन की प्रोसेस तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो हेड रीजन है स्पर्म का इसमें क्या प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और डेफिनेटली इस न्यूक्लियस में हम बोलते हैं कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा क्रोमोजोम्स होंगे डीएनए होंगे जीन्स होंगे जो कि क्या कर रहे हैं मेल बॉडी के फीचर्स लेकर के आ रहे हैं है ना इसके अंदर जो जीन्स होंगे वो क्या करेंगे वो जीन्स कहाँ से आए बेसिकली मेल पेरेंट की बॉडी से आए हैं फिर इसके बाद में एक और यहाँ पे एक छोटी सी एडिशनल चीज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ अगर आप उस चीज़ को याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है अगर भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे ना इस हेड रीजन में एक और हम बोलते हैं कि स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है क्या एक्रोजोम और इस एक्रोजोम का नाम क्या है कि जब ये मेल गैमिट फीमेल गैमिट यानी कि ओवम में घुसने की कोशिश करेगा ना तो जो पेनीट्रेशन है ना वो इस एक्रोसोम के थ्रू पॉसिबल हो पाता है छोटा सा पॉइंट है अगर याद रख सको तो याद रख लेना चलो आगे बढ़ जाते हैं फिर यहाँ पे जो मिडिल पीस है मिडिल पीस की खास बात क्या है कि यहाँ पे है क्या माइटोकॉन्ड्रिया हम सबको पता है कि सेल की सेल जो बॉडी होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की क्या इंपॉर्टेंस होती है हम भाई कहते हैं क्या कि जो माइटोकॉन्ड्रिया uh, है ये क्या है इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ द सेल हर बॉडी के सेल को क्या चाहिए है एनर्जी चाहिए क्यों चाहिए है क्योंकि सेल को एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं अगर आपको भी पढ़ाई लिखाई करनी है अगर आपको खेलना कूदना है तो आपको एनर्जी के की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है आप खाना पीना खाओगे कि नहीं खाओगे सिमिलरली अगर सेल्स को भी सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं तो उनको भी एनर्जी चाहिए है एनर्जी कहाँ से मिलती है तो सेल के साइटोप्लाजम में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यही माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है पावर पावर हाउस ऑफ द सेल होता है यही हम बोलते हैं कि एनर्जी को सिंथिसाइज करता है तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये जो मिडिल पीस है ना इसमें हम बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है और गज़ब की बात क्या है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका शेप कैसा होता है स्पायरल होता है जैसे कि स्प्रिंग होती है ना स्प्रिंग होती है कुछ इस तरह की वैसे ही हम बोलते हैं कि स्पर्म में जो मिडल पीस है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैसा होता है ऐसे स्पायरल शेप का होता है और माइटोकॉन्ड्रिया का होना बहुत जरूरी है भले कोई दूसरा सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट हो चाहे ना हो लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो सेल के पास एनर्जी नहीं आएगी और अगर सेल के पास एनर्जी नहीं आएगी तो फिर ये सेल कोई काम नहीं कर पाएगा भाई अभी इस मेल गैमेट को बहुत काम करना है इसको सबसे पहले तो फीमेल की बॉडी तक पहुंचना है इसके बाद में ओवम को क्या करना है पेनिट्रेट करना है उसके अंदर घुसना है अगर ये बीच रास्ते में ही थक जाएगा तो फिर फर्दर हम बोलते हैं कि फ्यूजन की प्रोसेस नहीं होगी और अगर फ्यूजन की प्रोसेस नहीं हुई तो कहीं से भी जायगोट नहीं बनेगा और अगर जायगोट नहीं बना तो फिर रिप्रोडक्शन नहीं होगा न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा तो इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है इसीलिए देखो इसका माइटोकॉन्ग्रिया बढ़िया ही रहता है मिडिल पीस में हम बोलते हैं कि स्पाइनल शेप का होता है और फिर इसके बारे में हम बोलते हैं कि पीछे आ जाएगी क्या टेल अब आप बोलोगे कि मैम टेल की क्या जरूरत पड़ गई तो मैंने आपको क्या बताया कि इस मेल गैमिट को फीमेल की बॉडी तक पहुंचना है फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रैवल करना है फीमेल ओवम तक पहुंचना है फीमेल गैमिट तक पहुंचना है तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा मूव करना पड़ेगा अब अगर इसके हाथ पैं आ जाएंगे तो वो तो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी ना देखने में इसीलिए क्या हुआ है इसकी एक टेल आ गई है और इस टेल की हेल्प से क्या करता है ये मूव करता है और मूव करते करते फीमेल की बॉडी तक पहुंचेगा अंदर जाएगा जो फीमेल गैमिट होगा जो ओवम होगा उस तक पहुंचेगा और उसको पेनिट्रेट करेगा ठीक है तो टेल की अपना अपना एक अलग सिग्निफिकेंस है माइट्रोकॉन्ड्रिया का अपना हम बोलते हैं कि अलग सिग्निफिकेंस है और हेड रीजन जो है इसका तो बहुत ज्यादा ही सिग्निफिकेंस है क्योंकि इसके अंदर क्या है न्यूक्लियस है प्लस हम बोलते हैं कि एक्रोजोम भी है जो कि पेनेट्रेशन की प्रोसेस को क्या करता है फेसिलिटेट करता है ठीक है तो ये पूरा स्ट्रक्चर हुआ किसका आ, हम बोलते हैं कि मेल गैमिट का यानी कि स्पर्म का और ध्यान रखिएगा ये क्या है एक सेल ही है तो डेफिनेटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी इसके पास साइटोप्लाज्म होगा इसके पास न्यूक्लियस भी होगा इसके पास तो स्पर्म की लेंथ कितनी होती है पॉइंट जीरो फाइव मिलीमीटर लॉन्ग हेड होता है मिडिल पीस और टेल स्पर्म क्या है एक सिंगल सेल है विद ऑल द यूजल सेल कॉम्पोनेंट्स लाइक न्यूक्लियस साइटोप्लाजम एंड सेल मेम्ब्रेन फिर द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म सेल्स इज टाइटली पैक्ड इन द हेड न्यूक्लियस कहाँ होता है स्पर्म सेल में हेड रीजन में होता है द स्पर्म सेल्स हैव वेरी लिटिल साइटोप्लाज्म स्पर्म सेल्स के पास हम बोलते हैं कि साइटोप्लाज्म थोड़ा कम ही होता है Uh, फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि द पर्पज ऑफ द टेल ऑफ द स्पर्म इज़ टू मेक इट मूव ठीक है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्पर्म्स को क्या करना है कि फीमेल की बॉडी के अंदर जो है ना बेसिकली uh, आप बोल सकते हो कि एक रेस लगानी है ठीक है ना क्यों रेस लगानी है क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये जो ओवम होता है ना इस ओवम को केवल एक ही स्पर्म आकर के इसको पेनिट्रेट कर सकता है तो बहुत सारे स्पर्म्स आएंगे और वो वाला स्पर्म जो कि रेस में हम बोलते हैं कि जीतेगा जो कि ज्यादा हम बोलते हैं कि एफिशिएंट होगा वही स्पर्म जाकर के ओवम को क्या कर सकता है उसको बेसिकली uh, फ्यूज कर सकता है उसके साथ में ठीक है तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि मूवमेंट के लिए क्या जरूरी है टेल जरूरी है अब ये जो स्टेटमेंट है ना द स्पर्म हैज अ वेरी लिटिल साइटोप्लाज्म इसको आप अभी के लिए कर लो क्या स्टार मार्क क्यों क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर हम अपने नेक्स्ट सेशन में चर्चा करने वाले हैं कि अगर हम बोल रहे हैं कि किसी सेल में साइटोप्लाज्म की कमी है हमने पढ़ा है कि सेल में साइटोप्लाज्म का क्या सिग्निफिकेंस होता है कि ये अलग अलग रॉ मटेरियल का हम बोलते हैं कि एक स्टोर हाउस की तरह बिहेव करता है, है ना तो आप ये भी बोल सकते हो कि सेल में उसका जो साइटोप्लाज्म है ना वो उसकी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है कि भाई जो भी चीज़ें चाहिए हैं सेल के साइटोप्लाज्म में मिल ही जाएंगी लेकिन यहाँ पे तो हम बोल रहे हैं कि स्पर्म्स के साथ कुछ अलग ही कंडीशन है यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि साइटोप्लाज्म कम है तो फिर हमारे जो स्पर्म्स जो मेल गैमेट्स होंगे उनको नरिशमेंट के लिए कौन आने वाला है रेस्क्यू करने के लिए ठीक है तो ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में जब हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पढ़ेंगे सिस्टम को पढ़ेंगे चलो द स्पर्म moves बाय waving its tail फ्रॉम साइड टू साइड द टर्म स्पर्म इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड spermatozoan. वैसे तो जो मेल गैमेट है उसको हम स्पर्मेटोजोन बोलते हैं फुल फॉर्म उसका वही होता है लेकिन शॉर्ट में उसको हम बोलते हैं क्या स्पर्म जिसका मतलब क्या है मेल सेक्स सेल और या फिर मेल गैमेट ठीक है तो ये हमने पूरा डिस्कशन किया है किसके ऊपर मेल गैमेट के ऊपर यानी कि स्पर्म के ऊपर uh, uh, अब हम बात करते हैं फीमेल गैमेट्स की या एग की बात कर रहे हैं एग्स अगर आप बोल रहे हो तो वो हो जाएगा ओवा सिंगल अगर एग है तो वो होगा ओवम तो अब हम बात करते हैं एक एग की द द एग्स और ओवा आर वेरी स्मॉल एंड वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी अभी तो आपको इमेज देख के लग रहा है कि बहुत बड़ा होता है छोटा सा ही होता है इसको देखने के लिए भी माइक्रोस्कोप चाहिए होता है नेगेटाइव से नहीं दिखता है एग्स या ओवा मच लार्जर देन द स्प लेकिन हाँ अगर आप उसको स्पर्म से कंपेयर करोगे मेल गैमिट से कंपेयर करोगे तो फीमेल एग्स हम बोलते हैं कि बड़े ही होते हैं द ह्यूमन एग हम बोलते हैं कि कैसा होगा राउंड होता है ही रो हो, होगा हो आपको इसका शेप और पॉइंट मिलीमीटर mm होता है किसमें डायामीटर में ठीक है ये पूरा डायामीटर कितना होता है तो आप बोल सकते हो कि पॉइंट वन फाइव मिलीमीटर का होता है क्लियर है चलो द एग और ओवम इज ऑल्सो अ सिंगल सेल हैविंग न्यूक्लियस साइटोप्लाजम अ सेल मेम्ब्रेन अब सीधी सी बात है ये जो फीमेल गैमेट है एग है ये जो ओवम है ये कहाँ से आया फीमेल पेरेंट बॉडी से निकल करके आया है है ना उन्हीं की बॉडी में बेसिकली वहीं बना है तो सीधी सी बात है ये क्या होगा उनकी बॉडी का एक सेल ही होगा अब अगर सेल है तो डेफिनेटली न्यूक्लियस होगा साइटोप्लाजम होगा सेल मेम्ब्रेन वगैरह सब होगी है ना कुछ इस तरीके से देखो इसका न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है ये आपको क्या दिखाई दे रहा है इसका न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है ये क्या है उसका पूरा साइटोप्लाजम है बाहर की तरफ हम बोलते हैं कि सेल मेम्ब्रेन भी होती है आउटसाइड द सेल मेमरेन एन एग और ओवम हैजिन लेयर ऑफ जेली कोट विच अलाउज ओनली वन स्पर्म टू एंटर इन टू इट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ठीक है तो सीधी सी बात है ये जो आ, हमारी आ, इस फीमेल गैमेट का जो पूरा स्ट्रक्चर है ना यहाँ पे आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा साइटोप्लाज्म दिखाई देगा इसके बाद में आपको एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दिखाई देगी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक और थिन लेयर दिखाई देगी है ना जेली लाइक थिन लेयर दिखाई देगी जिसको हम बोलते हैं क्या जेली कोट ये जो आपको बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है ये पूरा क्या है एक जेली कोट है इसका और इस जेली कोट का, का काम क्या होता है कि चाहे जितने भी स्पर्म्स क्यों ना आ जाए लेकिन केवल एक ही स्पर्म की एंट्री जो है मिलेगी Uh, कहाँ इस ओवम के अंदर ठीक है ये कौन मेक श्योर sure करता है तो एग को सराउंड करने वाली या उसको कवर करने वाली एक जेली कोट का बेसिकली uh, काम होता है ठीक है चलो फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है हमारे पास सो वेदर वी यूज़ द नेम एग और ओवम इट विल मीन्स द सेम ठीक है सम ऑफ द एनिमल्स लाइक बर्ड्स जिसमें कि हैंड्स ऑस्ट्रिच एग्जाम्पल हमने लिए हैं एंड रेप्टाइल्स जैसे कि स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स हैव लार्ज एग्स द न्यूक् ऑफ़ द स्पर्म एंड एग कंटेन क्रोमोजोम्स विच कैरी जीन्स एंड ट्रांसमिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स टू द ऑफ जैसे कि मैंने बोला कि स्पर्म और एग दोनों ही क्या हैं सेल्स ही तो हैं उनके पास न्यूक्लियस भी होंगे तो वो जो न्यूक्लियाए हैं वो क्या कैरी करते हैं क्रोमोजोम्स कैरी करते हैं इन क्रोमोजोम्स के ऊपर क्या होते हैं जीन्स होते हैं और यही जीन्स क्या करते हैं को ट्रांसमिट करते हैं पेरेंट्स से लेकर के ऑफ स्ट्रीम में तो हम हमेशा से बोलते थे ना कि पेरेंट्स से ही हम बोलते हैं कि बच्चे के अंदर जींस आते हैं जींस को ही हम बोलते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस तो अब आपको समझ में आया कि कैसे जीन्स आ रहे हैं कहाँ से जीन्स आ रहे हैं तो मेल पेरेंट बॉडी और फीमेल पेरेंट बॉडी से क्या निकलते हैं उनके बेसिकली या आप ये बोल सकते हो कि उनकी बॉडी में रिस्पेक्टिव गैमेज प्रोड्यूस होते हैं मेल पेरेंट बॉडी में प्रोड्यूस होगा क्या मेल गैमेट यानी कि स्पर्म और फीमेल पेरेंट बॉडी में प्रोड्यूस होगा फीमेल गैमेट यानी कि ओवम या फिर एग और ये दोनों क्या होते हैं मेल और फीमेल गैमेट ये दोनों एग्ज होते हैं इनके पास में यूजुअल जो सेल कॉम्पोनेंट्स है सेल मेमरी साइटोप्लाजम न्यूक्लियस सब प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में हम बोलते हैं कि जीन्स प्रेजेंट होते हैं तो जो मेल गैमेट जो स्पर्म है उसमें जो जीन्स होंगे वो कहाँ से आएंगे मेल पेरेंट बॉडी से आएंगे ओवम में जो जींस है वो कहाँ से आएंगे फीमेल पेरेंट बॉडी से आएंगे दोनों ही जो बेसिकली गैमिट जो होते हैं इनके बीच में हम बोलते हैं कि फ्यूजन होता है और इसी फ्यूजन से जाइगोड का फॉर्मेशन हो जाता है फ्यूजन कैसे होता है वो क्या प्रोसेस कब होती है ये हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में फर्टिलाइजेशन आज के सेशन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली exactly ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है साथ ही साथ हम बात करेंगे एक्सटर्नल एंड इंटर्नल फर्टिलाइजेशन की बेसिकली ये दोनों ही टाइप्स होते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के तो आई होप आज के सेशन का टारगेट सभी बच्चों को एकदम क्लियर है तो एक काम करते हैं जल्दी से आज के सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं सो दिस इज विभूति खरे वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन जहाँ पे हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के ऊपर अब देखो प्रीवियस सेशन में हमने मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखे थे एक था ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एक था सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि केवल यू नो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और गैमेट्स यानी कि जो सेक्स सेल्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है कहाँ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि सेक्स सेल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही है इसीलिए इस मेथड को हम बोलते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो भी ऑफ स्प्रिंग होता है इस ए सेक्शुअल मेथड से वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी होता है किसके अपने पेरेंट की एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे कि हमारे पास क्या है एक यूनिसेलुलर यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज़म है अमीबा उसमें क्या होता है बाइनरी फिजन होता है बाइनरी फिजन मतलब क्या कि अमीबा की जो एक बेसिकली पेरेंट बॉडी जो होती है एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है ना ये सेक्शुअल रिपोर्डक्शन में तो, तो जो अमीबा जो एक होता है हमारे पास अमीबा पेरेंट अमीबा उसी की बॉडी में आप बोल सकते हो कि डिविज़न होता है कैसे डिविजन होगा तो सबसे पहले जो न्यूक्लियस होगा ना वो डिवाइड होता है और करीबन आप बोल सकते हो कि एक घंटा लग जाता है अमीबा को डिवाइड होने में इस तरीके से तो अमीबा की बॉडी का उसके सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है और दो डॉटर न्यूक्लिया में वो डिवाइड हो जाता है ये जो न्यूक्लियस का डिवीज़न है इट इज़ देन फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्म का डिवीज़न फिर अल्टीमेटली क्या होता है साइटोप्लाज्म का भी डिवीज़न हो जाता है और इस तरीके से एक अमीबा पेरेंट अमीबा से दो डॉटर अमीबे बन जाते हैं एक घंटा लग जाता है इस बाइनरी फिजन की प्रोसेस में इस डिविज़न की प्रोसेस में और ये दोनों जो डॉटर अमीबा जो होते हैं ये दोनों हम बोलते हैं कि आगे जाकर के एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल अमीबे की तरह बिहेव करने लगते हैं आ, सर्वाइव करने लगते हैं ये हुआ किसका केस ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा फिर इसके बाद में मैंने आपको एक, एक और एग्ज़ाम्पल दिया था हाइड्रा का तो हाइड्रा हम बोलते हैं कि ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ठीक है देखा जाए तो अमीबा हो चाहे हाइड्रा हो ये दोनों ही कैसे हैं सिंपल ऑर्गेनिज़म्स हैं इनके जो स्ट्रक्चर हैं वो कैसे होते हैं सिंपल टाइप के होते हैं तो हाइड्रा हमारा क्या है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसका बाकायदा मैंने आपको बताया था एक डायग्राम दिखाया था मैंने आपको इसके उसका एक माउथ होता है उसके टेंटिकल्स वगैरह होते हैं है ना तो ये जो हाइड्रा है इसकी बॉडी पे एक छोटी सी आउट ग्रोथ आ जाती है जिसको हम बड बोलते हैं ये बड धीरे 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 एक हाइड्रा में एक दूसरे हाइड्रा में ग्रो होने लगता है एक पर्टिकुलर स्टेज तक ये जो हाइड्रा है वो अपने पेरेंट बॉडी के साथ पेरेंट हाइड्रा के साथ उसकी बॉडी के साथ अटैच होता है और फिर एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद में ये हम बोलते हैं कि उस पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा और एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हाइड्रा की तरह ये सर्वाइव करेगा तो इसे हम कहते हैं बर्डिंग इन हाइड्रा तो चाहे अमीबा हो चाहे वो हम बोलते हैं कि हाइड्रा हो दोनों में ही क्या हो रहा है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है कोई भी गैमिट्स का हम बोलते हैं कि फॉर्मेशन या उनका फ्यूजन वगैरह कुछ भी नहीं होता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में और हमेशा मैंने आपको एक ही एक ही चीज़ बताई है कि हमारे जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उन्हीं में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है अमीब हमारा यू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और जो हाइड्रा है वो क्या है एक मल्टी सेलुलर सिंपल ऑर्गेनिज्म है ठीक है फिर इसके बाद में हमने बात करी थी किसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको समझाया था कि देखो भाई दोनों ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं मेल पेरेंट भी और फीमेल पेरेंट भी तो मेल पेरेंट बॉडी से आता है क्या मेल गैमेट और फीमेल पेरेंट बॉडी से क्या आता है फीमेल गैमिट ठीक है और दोनों ही गैमिट्स का क्या होता है मेल और फीमेल गैमिट्स का फ्यूजन होता है इस फ्यूजन से क्या बनता है जयगोड बनता है और इसी जायगोड में आगे जाकर के चेंजेस होते हैं और इन चेंजेस से जायगोट किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है ठीक है तो बेसिकली जायगोट में हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ डिविजन्स होते जाते हैं मल्टीप्लीकेशन होते हैं नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं और ये सभी के सभी सेल्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को तैयार कर देते हैं इसे हम बोलते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और इसमें मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जो ऑफ प्रोड्यूस होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होते हैं अपने पेरेंट्स के ठीक है चलो तो मेल पेरेंट मेल पेरेंट की बॉडी से जो गैमिट निकल के आ रहा है मेल गैमिट उसे हम बोलते हैं क्या स्पम और फीमेल पेरेंट बॉडी से जो फीमेल गैमिट आ रहा है उसको हम बोलेंगे क्या एग या फिर ओवम ठीक है तो मेल गैमिट क्या है स्पर्म और फीमेल गैमिट क्या है ओवम इतना आपको समझ में आया अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू अकर अ मेल गैमिट मस्ट कंबाइन और फ्यूज विद अ फीमेल गैमिट अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है तो एक मेल गैमिट को कंबाइन होना ही पड़ेगा फ्यूज होना ही पड़ेगा किसके साथ फीमेल गैमिट के साथ द फ्यूजन ऑफ अ मेल विद अ फीमेल गैमिट टू फॉर्म अ जायगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वॉट फर्टिलाइजेशन तो अगर आपको ध्यान हो तो हम बार बार एक ही चीज़ बोल रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी भी मैंने आपको वही चीज़ बताई थी कि एक मेल गैमिट आ गया एक फीमेल गैमिट आ गया

कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है उनका फ्यूजन उनका जो कॉम्बिनेशन है इसी को हम बोल देते हैं क्या फर्टिलाइजेशन सिंस द मेल गैमेट गैमेट ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड स्पर्म जैसे कि मैंने आपको अभी, अभी बताया और फीमेल जो होता है एनिमल का उसे हम बोलते हैं एग या फिर ओवम तो इसीलिए हम एक और चीज बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन एग और ओवम टू फॉर्म अ जायगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहलाता क्या कहलाता है वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है चाहे तो मेल और फीमेल गैमिट बोल लो या फिर आप मेल और फीमेल गैमिट को स्पेसिफाई कर दो बता दो आपने एग्जामिनर को कि भाई हमको पता है कि मेल गैमिट इज नोन एज पम एंड फीमेल गैमिट इज नोन एज ओवम और एग दस द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस अ न्यू सेल

पॉइंट को स्टेटमेंट को आप कर सकते हो क्या अंडरलाइन और स्टार मार्क कि जायगोट है क्या जायगोट हम बोलते हैं कि फर्टिलाइज्ड एग है यानी कि एक ऐसा एग जिसका फर्टिलाइजेशन हो चुका है फर्टिलाइजेशन होने का मतलब क्या है कि ऑलरेडी उसके साथ एग के साथ मेल गैमेट यानी कि स्पर्म आकर के कंबाइन हो चुका है फ्यूजन हो चुका है तो फर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज व्हाट जायगोट या फर्टिलाइज्ड ओवम भी बोल सकते हो कि एक ऐसा ओवम या एक ऐसा एग जिसके साथ या जिसका हम बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन हो चुका है स्पर्म के साथ, उसे हम बोलते हैं एग या ओवम। तो न्यूक्लियसोट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लिया एग द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अच्छा ये तो पॉइंट हो चुका है, है ना तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि में हम बोलते हैं कि ये एक सेल होता है सिंगल सेल होता है नेचुरल सी बात है सेल होगा तो इसके अंदर न्यूक्लियस भी होना ही चाहिए तो सवाल ये है कि जयकोड का ये न्यूक्लियस आता कहाँ से है तो ज़रा याद करो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको स्पर्म और ओवम दोनों का ही स्ट्रक्चर समझाया था कि नहीं समझाया था मैंने आपको बताया था कि जो स्पर्म होता है मेल गैमेट उसकी पूरी बॉडी के उसके स्ट्रक्चर के तीन पार्ट्स होते हैं एक होता है हेड एक होता है मिडिल पीस और एक होती है टेल टेल का, का काम क्या होता है कि भाई जो मेल गैमेट है उसको मूव करना है तो मूव करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना जिसके सहारे वो मूव कर पाए अब अगर हाथ पा होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा तो इसलिए क्या हो गया है टेल आ गई है तो टेल के हेल्प से जो स्पर्म है वो मूव करता है क्योंकि मेल गैमेट को अपनी जगह पे खड़े नहीं रहना है उसको मूव करना पड़ता है उसको फीमेल गैमेट के पास जाना रहता है तो इस मूवमेंट के लिए क्या प्रेजेंट होती है टेल प्रेजेंट होती है मिडिल पीस की खास बात मैंने आपको बताई थी कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया भी कैसा होता है स्पाइरल शेप का होता है कुछ इस तरीके से जैसे स्प्रिंग होती है वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है स्पर्म का कहा मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्यों क्योंकि यही तो होता है पावर हाउस ऑफ दी सेल भाई स्पर्म क्या का एक्सेल ही तो है ना तो माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा ना देखो स्पर्म हो चाहे हो दोनों ही क्या है सेल ही है टू बी मोर स्पेसिफिक ये क्या है रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं क्यों है ये रिप्रोडक्टिव सेल्स क्योंकि भाई इनका काम ही होता है रिप्रोडक्शन करना इन इसलिए इनको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल तो जो यूजुअल कंपोनेंट्स होते हैं ना सेल के कि सेल मेब्रेन होना साइटोप्लाज्म होना न्यूक्लियस होना ये सब प्रेजेंट होता है तो स्पर्म में भी हम बोलते हैं कि चलो टेल प्रेजेंट हो गई फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि मिडिल पीस में माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो गया ज़रूरी है माइट्रोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस क्यों क्योंकि ये पावर हाउस ऑफी सेल है और स्पर्म को तो स्पेशली बहुत जो है ना मूवमेंट शो करना पड़ता है तो उसको तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए है तो ज़्यादा एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का तो होना बहुत ही ज़रूरी है फिर हेड में हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और एक छोटा सा और कॉम्पोनेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या एक्रोजोम और इसी एक्रोजोम की हेल्प से जो स्पर्म है वो ओवम को जाकर के पेनिट्रेट कर पाता है आसानी से ठीक है फिर इसके बाद में डेफिनेटली साइटोप्लाज्म भी होगा लेकिन हाँ कमी होता है स्पर्म में साइटोप्लाज्म कमी होता है और पूरा का पूरा जो स्पर्म है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड भी होता है तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया था फिर मैंने आपको एग या ओवम का स्ट्रक्चर भी समझाया था कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है देखा जाए तो दोनों ही माइक्रोस्कोपिक है ओवम भी और स्पर्म भी लेकिन अगर हम स्पर्म से कंपेयर करेंगे तो जो ओवम है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है ठीक है तो कुछ ऐसा ही होता है स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है और बीच में हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस होता है साइटोप्लाज्म होती है और हम बोलते हैं कि सेल मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन के बाद में एक और जेली लाइक शीट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं जेली कोट बोलते हैं क्या कहते हैं जेली कोट और इस जेली कोट का सिग्निफिकेंस क्या है वो भी हमने समझा था तो यहाँ पे हुआ क्या कि दोनों ही सेल्स हैं दोनों ही सेल्स के पास क्या है अपने अपने रिस्पेक्टिव न्यूक्लियस है स्पर्म के पास भी न्यूक्लियस है और ओवम के पास भी न्यूक्लियस है तो जब इन दोनों का हम बोलते हैं कि फ्यूजन होता है जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इन दोनों ही गैमिट्स के जो न्यूक्लिया हैं उनका भी फ्यूजन होता है और इन दोनों गैमिट्स के न्यूक्लियाई के फ्यूजन के कारण ही जायगोड का न्यूक्लियस बन जाता है भाई अगर हम बोल रहे हैं कि जयगोड के पास न्यूक्लियस है तो वो न्यूक्लियस कहाँ से आ रहा है जयगोड खुद कहाँ से आ रहा है मेल और फीमेल गार्मेट के कॉम्बिनेशन से तो हम अगर बोले कि जायगोट का न्यूक्लियस कहाँ से आ रहा है तो आपको बताना पड़ेगा कि मैम जो स्पर्म और जो ओवम है उनके पास भी तो उनके रिस्पेक्टिव न्यूक्लियस है उन दोनों ही न्यूक्लियर का फ्यूजन होता है जिसके कारण जायगोट का न्यूक्लियस बनता है यही बात यहाँ पे बोली गई है चलो फिर हम आ जाते हैं और आगे आगे क्या है इन ह्यूमन बींग्स द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ अ स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर विद एन एग सेल फ्रॉम द मदर टू फॉर्म अ फर्टिलाइज एग कॉल्ड कॉल्ड एग्सल्डकोड ठीक है ह्यूमन बींग्स में हम बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि ये कैसी प्रोसेस है जहां पे स्पर्म जो कि फादर से आया है और एग्सल जो कि मदर से आया है वो फ्यूज हो जाते हैं है ना और क्या बना लेते है? हैं फर्टिलाइज एग्सल जिसको कि हम बोलते हैं जायकोड कुछ इस तरीके से ये क्या है पूरा एक ओवम है एग है और यहाँ पे देखो कई सारे स्पर्म्स आ रहे हैं एक या दो स्पर्म्स नहीं होते हैं कई सारे स्पर्म्स होते हैं ठीक है ना डिपेंड करता है और हाँ लेकिन आ, अच्छी बात यह है कि केवल एक ही स्पर्म आकर के फर्टिलाइज करता है ओवम को आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है अपने प्रीवियस चैप्टर में सेशन में कि जो एग का साइज है वो बड़ा होता है किसके कंपैरिजन में स्पर्म्स के साइज से तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्पर्म छोटे छोटे हैं और जो ओवम है वो काफी बड़ा है और ये तो पूरा भी नहीं है ना इसको कंप्लीट करोगे तो ये कुछ इतना बड़ा हो जाएगा खैर तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भले ही कितने सारे स्पर्म्स क्यों ना आ जाए लेकिन एक ही स्पर्म की एंट्री ओवम के अंदर अलाउड होती है और ये कौन मेक श्योर sure करता है तो मैंने आपको अभी अभी जेली कोट के बारे में बताया था ना जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होती है ओवम में तो ये जेली कोट जो है ना ये मेक श्योर sure करती है कि भले ही कितने सारे स्पर्म्स क्यों ना आ आज अटैक करने के लिए लेकिन एंट्री जो है ना केवल एक ही स्पर्म को मिलेगी केवल एक ही स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं आगे क्या हमारे पास अच्छा तो ये पूरी प्रोसेस बताई जा रही है तो बेसिकली ये ह्यूमन बींग्स का मैं आपको बता रही हूँ कि ह्यूमन बींग्स के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है ये है क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम जिसके ऊपर हम अपने नेक्स्ट सेशन में एक बार फिर से डिस्कशन कर लेंगे वहां पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि यह क्या है वेजाइना है और ये क्या है यह है यूट्रस यूट्रस के ऊपर आपको कुछ इस तरह की दो ट्यूब्स दिखाई देती हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्या फेलोपियन ट्यूब्स अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है हम अपने नेक्स्ट सेशन में इस चीज़ को और डिटेल में कवर करेंगे समझेंगे ठीक है अभी बस बेसिक समझने की कोशिश करूँ कि यह क्या है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और यह क्या है पूरा वेजाइना

और एक पेयर होता है किसका ओवरीज का एक लेफ्ट वाली ओवरी और एक राइट right वाली ओवरी ठीक है तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि फीमेल गैमेट ओवम और एग ये कहाँ बनता है तो ये बनता है इसी ओवरी के अंदर ठीक है इन्हीं ओवरीज के अंदर आ, एक एक करके कभी इस ओवरी में फिर नेक्स्ट टाइम इस ओवरी में फिर नेक्स्ट टाइम इस ओवरी में तो एक एक करके हम बोलते हैं कि ओवम या आ, जो फीमेल गैमेट है वो एक एक ओवरी में बनता है फिर इसके बाद में क्या होगा ये जो ओवम है ये ओवरी में तो नहीं रहेगा ये बाहर निकलेगा बाहर कहाँ जाएगा तो ये जो फेलोपियन ट्यूब है ना इसी में जाएगा तो सपोज यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अभी इस बार इस वाली ओवरी में एग का फॉर्मेशन हुआ है और ये जो एग है जो ओवम है ये कहाँ जाएगा फेलोपियन ट्यूब में तो देखो यहाँ पे हम बोलते हैं कि फेलोपियन ट्यूब में एग आ चुका है ये यह यहाँ पे हम बोलते हैं कि एग आ चुका है अब क्या होगा वेजाइना के थ्रू और जो स्पर्म्स होंगे वो कहाँ एंटर कर जाएंगे जो फीमेल बॉडी का बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो यूट्रस होगा वहाँ पे एंटर कर जाएंगे ठीक तो है तो वेजाइना के थ्रू जो स्पर्म्स हैं जो मेल गैमेट्स हैं वो कहाँ आ चुके हैं यूट्रस में आ चुके हैं यूट्रस से जान यूट्रस में आने के बाद वो कहाँ जाएंगे फिर इसके बाद में वो पहुँचेंगे कहाँ फेलोपियन ट्यूब तक क्यों क्योंकि एग जो है वो फेलोपियन ट्यूब में ही है स्पर्म को ही मूवमेंट करना पड़ता है सबसे पहले तो फीमेल बॉडी के अंदर जाना फीमेल बॉडी के अंदर भी हम बोलते हैं कि बर्थ कैनाल वेजाइना वगैरह के थ्रू कहाँ पहुंचना यूटरस में पहुंचना यूटरस के बाद में कहा जा कहाँ तक जाना फेलोपियन ट्यूब तक जाना क्यों क्योंकि एग तो वही है ना तो सभी के सभी जितने भी स्पर्म्स हैं वो हम बोलते हैं कि एग के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं ओवम के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं लेकिन केवल एक ही जो ओवम स्पर्म होगा वो ओवम के अंदर जो है ना कुछ इस तरीके से देखो जैसे इतने सारे स्पर्म्स हैं लेकिन केवल यही वाला जो स्पर्म है ये इस ओवम के अंदर एंटर करता है और स्पर्म का भी केवल जो हेड वाला पार्ट होता है ना सिर्फ वो क्योंकि उसी से मतलब होता है टेल वेल से अब मतलब नहीं होता है ना टेल का तो काम क्या था सिर्फ स्पर्म के मूवमेंट को फैसिलिटेट करना और माइटोकॉन्ड्रिया हम बोल रहे थे कि कि इतना जो डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है स्पर्म को इसके लिए एनर्जी तो चाहिए है ना तो वो एनर्जी सप्लाई करना माइट्रोकाउंटर का काम भी बस इतना ही था अब आगे किसका काम होगा स्पर्म के हेड रीजन का ही काम होगा क्यों क्योंकि उसके पास क्या है न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास क्या है भाई जेनेटिक मटेरियल है जीन्स हैं तो अब काम होगा किसका स्पर्म के हेड का तो केवल स्पर्म का एक ही स्पर्म का जो हेड है वो ओवम के अंदर बेसिकली आ जाता है ठीक है और फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि फ्यूजन uh, हो जाता है और फ्यूजन से हम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं ठीक है अच्छा एक और चीज़ और कि जैसे ही एक स्पम की एंट्री हो जाती है ना एक ओवम के अंदर तो ओवम के आप बोल सकते हो कि बाहर जो है ना कुछ और मेमरेन्स बन जाती हैं क्यों बन जाती हैं ये मेमबर ताकि फर्दर और स्पम्स उसमें एंटर ना कर पाए ठीक है ये हम और डिटेल में पढ़ेंगे अपने अपकमिंग सेशन में चलो अभी के लिए बस इतना ही काफी है ठीक है चलो अब क्या है दो मेनी स्पर्म्स ट्राई टू एंटर द एग ओनली स्पर्म इज सक्सेसफुल इन एंटरिंग द एग वेन हेड ऑफ द स्पर्म एंटर्स द एग देन द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म सेल विद द न्यूक्लियस ऑफ द एग सेल टू फॉर्म अ न्यूक्लियस क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जब हेड ऑफ द स्पर्म एग के अंदर एंटर करता है तो दोनों का ही जो न्यूक्लियस है किसका न्यूक्लियस पर्म सेल का न्यूक्लियस और एग सेल का जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज कर जाते हैं और क्या बनाते हैं एक नया न्यूक्लियस बना देते हैं द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ अ स्पर्म विद द न्यूक्लियस ऑफ द एग टू फॉर्म अ न्यू सेल कॉल्ड फर्टिलाइज एग और जायगोट द टेल ऑफ द सक्सेसफुल स्पर्म एंटरिंग द एग रिमेन्स आउटसाइड जो टेल वाला होता है वो पोर्शन बाहरी रह जाता है ऑल द मल्टी सेलुलर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूम स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल कॉल्ड एगोट थ्रू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अभी बोला गया कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें ह्यूमन बींग्स भी शामिल हैं वो उन सभी की जो लाइफ की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है सिंगल सेल जयगोट के साथ ही होती है आई बात समझ में चलो और ये जाएगोट कब बनता है डेफिनेटली जब क्या होगा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगी अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के ऊपर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होती है वो मैंने आपको समझा दी अब टाइप्स क्या क्या हैं इसके द फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग बाय अ स्पर्म कैन टेक्स प्लेस इधर इनसाइड साइड द बॉडी ऑफ द फीमेल एनिमल और आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल एनिमल अभी अभी जो मैंने आपको ह्यूमन uh, विंग्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ये वाला डायग्राम जो हमने सीखा था ना ये डायग्राम किसका था ये हम बोलते हैं कि ह्यूमन विंग्स में कैसे फर्टिलाइजेशन होता है ये मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था इस डायग्राम में लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो फर्टिलाइजेशन है ना वो ज़रूरी नहीं है कि फीमेल की बॉडी के अंदर हो ही कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन होगा यानी कि वो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे लेकिन उनकी उनका जो आ, प्रोसेस होगी ना फर्टिलाइजेशन की वो फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होती है वो फीमेल बॉडी के बाहर होती है तो फीमेल तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ हो रही है मेल बॉडी के अंदर फीमेल बॉडी के अंदर हो रही है या नहीं हो रही है उसके बेसिस पे फर्टिलाइजेशन हम बोलते हैं कि दो टाइप की होती है एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरी है इंटरनल फर्टिलाइजेशन दिस लीड्स टू टू मोड्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एनिमल्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या कि जो फर्टिलाइजेशन जो कि फीमेल बॉडी के अंदर हो रही है उसे हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन फिर इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन द फीमेल एनिमल्स एग्स आर फर्टिलाइज बाय स्पर्म्स इन साइड हर बॉडी इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हम बोलते हैं कि फीमेल बॉडी के अंदर ही स्पर्म्स क्या करेंगे एग्स को बेसिकली uh, जो फीमेल का जो गैमिट है फीमेल एग जो है उसको जाकर के स्पर्म फर्टिलाइज करेगा इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन द मेल एनिमल पुट्स हिज स्पर्म्स इन टू फीमेल एनिमल्स बॉडी एंड दी स्पर्म्स दैन फर्टिलाइज द एग्स इन साइड हर बॉडी फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बींग्स मेल पुट्स हिज स्पर्म्स इन साइड अ वमेन्स बॉडी क्लियर है इतना चलो दी स्पर्म्स दैन फर्टिलाइज द एग इन साइड द वुमेंस बॉडी ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ अ मेल डैमिट एंड अ फीमेल बॉडी ऑफ द फीमेल एनिमल इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो बस इतना ध्यान रखना है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में होता क्या है कि जो मेल एनिमल होगा वो फीमेल एनिमल की बॉडी के अंदर अपने स्पर्म्स को रिलीज करेगा ये स्पर्म्स बकायदा जो है कहां तक पहुंचेंगे एग के लेवल तक पहुंचेंगे फीमेल गैमिट के लेवल तक पहुँचेंगे और उसको जाकर के फर्टिलाइज कर देंगे तो ये सब कहाँ हो रहा है फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है मैंने आपको बताया ना कि मेल क्या करेगा अपनी बॉडी के जो स्पर्म्स हैं वो रिलीज कर देगा फीमेल बॉडी के अंदर तो जो भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी वो कहाँ होगी फीमेल बॉडी के अंदर इसलिए इसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन अब हम बात करते हैं किसकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की अच्छा अभी इंटरनल चलो ये क्या इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वेरी लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स सच एज ह्यूमन बींगस काउज डॉग्स कैट्स टाइगर्स लॉयस रेबिट्स डियर हॉर्स बर्ड्स सच एज बर्ड्सो क्रो पिजन एक्सेट्रा रेपटाइल सच एज लिजर्ड स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल एक्सेट्रा एंड इंसेक्ट्स सच एज सिल्क मॉथ हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई एक्सेट्रा तो आपको पता होना चाहिए ना कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ कहाँ हो सकता है कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है तो ह्यूमन बींग्स में होगा काउस में डॉग्स में कैट्स में टाइगर्स लॉय इन सब में होगा है ना बर्ड्स में भी होता है हैंड स्पेरो पिजेंट वगैरह में रेप्टाइल्स यानी कि छिपकली वगैरह सांप वगैरह में भी होता है क्रोकोडाइल में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है इंसेक्ट्स में भी होता है इन ऑल दीज एनिमल्स द फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल एनिमल क्लियर है चलो फिर इसके बाद में अब हम आ जाते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखिए द फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की अब क्या हो रहा है ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो मेल और फीमेल गायमिट्स का हम बोल रहे हैं कि फ्यूजन uh, जो है ना हमेशा फ़ीमेल की बॉडी के अंदर ही होगा ऐसा नहीं है ये भी पॉसिबल है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है मेल और फीमेल गायमिट्स का जो फ्यूजन हो रहा है वो फीमेल बॉडी के बाहर हो और ऐसे टाइप को हम क्या कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन द फीमेल एनिमल्स एग्स आर फर्टिलाइज बाय द स्पर्म्स आउटसाइड हर बॉडी इन फ्रॉग्स, द मोस्ट एंड मोस्ट फिशेज द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स अकर्स आउटसाइड द फीमेल एनिमल्स बॉडी अच्छा ये बताओ अभी मैंने क्या बताया कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मेल क्या करेगा अपने स्पर्म्स को फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज कर देता है और ये स्पर्म्स क्या करते हैं फीमेल बॉडी के अंदर बेसिकली ट्रैवल करते हैं और कहाँ तक पहुँचते हैं फीमेल गैमिट तक पहुँच जाते हैं तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है केवल जो मेल गैमिट है वो बाहर निकल रहा था भाई क्या बताया मैंने कि मेल uh, जो है अपने जो गैमिट्स हैं जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल बॉडी में रिलीज कर देगा यानी कि मेल गैमिट तो बाहर निकले हैं है ना मेल गैमिट बाहर निकले लेकिन फीमेल जो गैमिट है जो एग ओवम है वो बाहर नहीं निकलता लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कि फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ बॉडी के बाहर होगा फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होगा इसका मतलब क्या कि इस बार फर्टिलाइजेशन में ना सिर्फ मेल गैमिट बाहर निकलेगा बॉडी से बल्कि फीमेल गैमिट भी फीमेल बॉडी से बाहर निकलेंगे जब बाहर निकलेंगे एग्स या ओवम तभी तो उनका फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है ना ऐसे कैसे पॉसिबल है नहीं तो चलो अब यहाँ पे बोला गया है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा तो फ्रॉग्स में और मोस्ट फिशेज में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन द मेल एंड द फीमेल एनिमल्स रिलीज देयर स्पर्म्स एंड एग्स इन वाटर वीअर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बाई कोलीजन्स बिटवीन स्पर्म्स एंड एग्स अब होता क्या है कुछ इस तरीके से कि पानी में हम बोलते हैं कि जैसे ये दोनों फिशेज हैं एक मेल है और एक फीमेल है ठीक है फीमेल ने क्या करे हैं अंडे दे दिए हैं और uh, मेल फिश ने क्या कर दिया है स्पर्म्स को जो है पानी में रिलीज कर दिया है तो अंडों और स्पर्म्स के बीच में हम बोलते हैं कि कोलिजन्स होते हैं जिसके कारण जो एग्स हैं वो फर्टिलाइज हो जाते हैं बाय द स्पर्म्स फॉर एग्जाम्पल द मेल्स एंड द फीमेल्स द फ्रेन इज रिलीज स्पर्म्स एंड एग्ज इन द वॉटर इन विच द लिव जहाँ पे वो रहते हैं उसी पानी में वो रिलीज कर देते हैं द स्पर्म्स इन कोलाइड विद द एग्स एंड फर्टिलाइज दम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल फ्रॉग और फिश एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फ्रॉग फिश एंड स्टाफिश एक्सेट्रा इन दीज एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर ठीक है तो अच्छा मुझे बात बताओ हमने इंटरनल फर्टिलाइजेशन के कई सारे एग्जांपल्स देखे मतलब कहाँ कहाँ होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल है वो हमने देखा और कई सारे ऑर्गेनिजम्स हमने देखे ह्यूमन बींग्स भी उसमें शामिल हैं बटरफ्लाइज वगैरह भी उसमें शामिल है, उसमें शामिल है, है ना लॉय टाइगर वगैरह ये सब उन सब चीज़ों में शामिल है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में लेकिन जब बात आती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिज़म्स का नंबर लिमिटेड क्यों है भाई हमने बात करी किसकी फिशेस की हमने बात करी किसकी मेंढकों की यानी कि फ्रॉक्स की तो ये जो भी ऑर्गेनिज्म है केवल इन्हीं में क्यों हो रहा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने का भी ना एक बहुत बड़ी कंडीशन रिक्वायर्ड है और कंडीशन क्या है पानी की प्रेजेंस किसकी प्रेजेंस पानी की प्रेजेंस अगर पानी नहीं होगा तो शायद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो ही ना पाए क्यों ना हो पाए भाई देखो हमारे जो फिशेज हैं वो तो पानी में ही रहती हैं अगर हम अपने बात करेंगे मेंढकों की तो जब आप क्लास नाइन्थ में जाओगे ना तो आ, आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो वहाँ पे आपके पास एक क्लास आएगी एनिमल किंगडम में एम्फीबिया और उस एम्फीबिया क्लास में जो है ना हमारे जितने भी फ्रॉग्स वगैरह जो हैं टोट्स वगैरह जो हैं ये सब किस में आते हैं एम्फीबिया क्लास में ही आते हैं एम्फीबिया का मतलब क्या होता है एम्फी मतलब कि दो ठीक है तो बेसिकली एम्फीविया में आने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं ना वो डूअल लाइफ जीते हैं डूअल लाइफ जीने का मतलब क्या है अगर आप मेंढकों की बात करें हम फ्रॉक्स की बात करें तो ये पानी में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं हम अगर इनसे पूछने जाए कि भाई या तो आप पानी में ही रह लो मछली की तरह या आप लैंड पर ही रह लो जैसे कि बर्ड्स इंसेक्ट्स और बाकी एनिमल्स रहते हैं ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं ये दोनों दोनों चीज़ें क्या कर रहे हो क्या पानी में भी रह लेते हो और लैंड पे भी रह लेते हो तो वो आपसे ज़रूर ये बात बोलने वाले हैं कि भाई हमको कोई दिक्कत नहीं है हम तो रह सकते हैं लैंड पर है ना हम हमारे बॉडी में ऐसी अडाप्टेशन्स हैं कि हम लैंड पे सर्वाइव कर सकते हैं लेकिन एक बड़ा मुद्दा ये है कि जब बात होती है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस की तो हमको पानी में जाना ही पड़ता है अगर हम पानी में नहीं जाएंगे तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी क्यों नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारे जो फ्रॉग्स है ना उनमें क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है मतलब कि जो भी फर्टिलाइजेशन होगा वो फीमेल बॉडी के बाहर होगा फीमेल बॉडी के बाहर कैसे पॉसिबल होगा जब मेल और फीमेल गैमिट्स दोनों ही रिस्पेक्टिव पेरेंट की बॉडी से बाहर आ जाएंगे अब हुआ क्या कि चलो फीमेल गैमिट्स तो हम बोलते हैं कि एक्स तो हम बोलते हैं कि बाहर आ गए ठीक है अब इसके बाद में मेल अपनी बॉडी से जो मेल फ्रॉग होगा वो अपनी बॉडी से क्या रिलीज करेगा स्पर्म्स वगैरह वो रिलीज़ करेगा अब इन स्पर्म्स को क्या करना है फीमेल के जो गैमिट्स हैं एग्स जो हैं वहां तक जाना है तो कैसे जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है जिस पानी में वो प्रेजेंट होगा ना उसी में स्विम करते हुए वो वहाँ पे पहुँच पाएगा तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि हमारे जो फ्रॉग्स वगैरह जो है ना इनकी डिपेंडेंसी जो है पानी के ऊपर वो जा नहीं रही है क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी नहीं जा रही है पानी से इसलिए इनको पानी में आना ही पड़ता है बाकी ये रह लेंगे लैंड पर लेकिन जब बात आती है रिप्रोडक्शन की तब इनको पानी में जाना ही पड़ता है तो एक मेजर कंडीशन आप बोल सकते हो ये भी हो सकती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की कि क्या पानी प्रेजेंट होना ही चाहिए इसीलिए जो मोस्टली हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन्हीं में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा चलो अब हम बढ़ जाते हैं आगे आगे क्या है हमारे पास अच्छा अब हमें फर्टिलाइजेशन इन एक्स को इन uh, फ्रॉक्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना है कि ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन या रेनी सीजन फ्रॉक्स मूव टू द वाटर इन पॉन्ड्स एंड स्लो मूविंग स्ट्रीम्स तो बेसिकली जब भी स्प्रिंग सीजन या बरसात का महीना आता है तो जो फ्रॉक्स वगैरह जो होते हैं वो जो तालाब वगैरह होता है उसके पानी में आ जाते हैं या स्लो मूविंग स्ट्रीम्स यानी कि मतलब देखो इनको ना बहता हुआ पानी नहीं चाहिए है इनको थोड़ा सा ठहरा हुआ पानी चाहिए है स्टेगनेंट पानी चाहिए है जैसे तालाब वगैरह का जो पानी होता है वो कोई बहुत स्पीड में बहता नहीं है तालाब तो एक ही एरिया में लिमिटेड होता है ना नदी थोड़ी कि वो बह जाएगा उसका पानी तालाब का पानी तो हमेशा खड़ा ही रहता है स्टेगनेंट होता है ना तो ऐसे रुके हुए ठहरे हुए पानी को प्रिफर करते हैं कौन फ्रॉग्स किस चीज़ के लिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए तो और अगर स्ट्रीम्स भी हैं तो कैसी हैं स्लो मूविंग स्ट्रीम है फिर वेन द मेल फ्रॉग एंड द फीमेल फ्रॉग कम टूगेदर द फीमेल फ्रॉग लेज हंड्रेड ऑफ एग्स इन द वॉटर जब मेल और फीमेल फ्रॉग आते हैं कंबाइन करते हैं दे द फीमेल फ्रॉग लेज हंड्रेड ऑफ एग्स इन वाटर जो फीमेल फ्रॉग है ना वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स रिलीज कर देती है पानी में आई लाइक द हैंग्स एग्ज आर नॉट कवर्ड बाय दार्ट चलिए आपको मेरे पीछे एक इमेज दिखाई दे रही होगी ये बताए क्या है ये सब मेंढक के अंडे ही हैं यूजुअली जब हम अंडों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज बैठी रहती है और वो है किसकी मुर्गी के अंडे की है ना आ, बहुत सारे बच्चे जो एग्स हैं वो खाते भी होंगे तो उनको पता होगा कि आ, जो मुर्गी का अंडा होता है उसके अंदर बकायदा एक जब वो बॉइल हो जाता है तो आपको वो चीज़ें और क्लियर दिखाई देती है एक वाइट पोर्शन होता है जिसको हम एल्विबिन कहते हैं उसके अंदर एक येलो पोर्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं योग कहते हैं तो ये तो बात हुई किसकी एक बॉइल्ड एग की लेकिन अगर जब आप एग को बॉयल नहीं करते हो जो कच्चा अंडा होता है रॉ अंडा होता है उसमें भी जो है ना आपको योग आसानी से दिखाई दे जाता है तो अच्छी बात क्या होती है कि ये अंदर जो भी जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो भी योग वगैरह होता है एल्विबिन वगैरह जो भी होता है उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है कैल्शियम की बनी हुई क्या होती है एक कवर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं शेल बोलते हैं लेकिन जब हम बात करते हैं मेंढकों के अंडों की तो एसच एस मेंढकों के अंडों के पर के ऊपर कोई भी शेल प्रेजेंट नहीं होता है कोई भी शेल हम बोलते हैं कि प्रेजेंट नहीं होता है देखो ये सब क्या है ये सब हम बोलते हैं कि मेंढक के अंडे ही हैं। तो ये रहा एक मेंढक का अंडा ये दूसरा ये तीसरा ये फोर्थ ये फिफ्थ बहुत सारे तो ये आपको ये जेली लाइक -like एक वो ना मटेरियल नहीं लग रहा है ये पूरा का पूरा क्या है जेल है अब एक बार बताओ अगर इस जेल को उठा करके आप क्या करोगे ऐसे ही आ, खुली हवा में खुली धूप में रख दोगे तो ये पूरा का पूरा जो जरी मटेरियल है ये सूख नहीं जाएगा और अगर ये सब्सटेंस सूख गया ये मटेरियल सूख गया मतलब क्या कि अंडे सूख गए और अगर अंडे सूख गए इसका मतलब क्या कि यहाँ से जो भी पॉसिबिलिटी थी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस की वो पॉसिबिलिटी चली जाएगी और अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो फिर नए मेंढक कहाँ से आएंगे तो एक और मेजर यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट बता दिया है कि जो मैं बोल रही हूँ ना कि फ्रॉग्स की जो डिपेंडेंसी है वो पानी के ऊपर वो जा ही नहीं रही है क्यों नहीं जा रही क्योंकि उनको रिप्रोडक्शन कहाँ करना रहता है पानी में ही करना पड़ता है है ना क्यों क्योंकि उनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है एक्सटर्नल होता है मेल की बॉडी से और फीमेल की बॉडी से दोनों से ही गैमेज न बाहर निकल आते हैं अब फीमेल की एग् गैमिट्स फीमेल गैमिट्स तक मेल गैमिट्स को पहुंचना है तो वो कैसे पहुंचेगा उड़ के तो पहुंचेगा नहीं पंख तो है नहीं उसके ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है उसको तैरना ही पड़ेगा है ना तो तैरने के लिए पानी तो होना चाहिए तो इसलिए पानी में उनको जाना पड़ता है एक और चीज़ जिसके कारण आ, उनकी पानी की डिपेंडेंसी ख़त्म नहीं हो रही है वो ये है कि उनके जो अंडे होते हैं ना उनके ऊपर कोई शेल नहीं होती है मुर्गी के अंडे के ऊपर शेल होता है आपने देखा है लेकिन फ्रॉक्स के एग्स के ऊपर किसी भी तरह का कोई कवर नहीं होता है कोई शेल नहीं होता है तो अगर हमने इस पूरे के पूरे सपोज हम बोलते कि फीमेल फ्रॉग ने क्या किया है पानी में नहीं इस बार उसने लैंड पर ही क्या दिए हैं अंडे दे दिए हैं एग्स ले कर दिए हैं तो होगा क्या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो एग्स हैं वो पूरे टाइम जो है ना हवा और सनलाइट के कॉन्टैक्ट में रहेंगे और पूरे के पूरे जो एग्स हैं वो सूख जाएंगे अब अगर एग्स ही सूख गए इसका मतलब क्या एग्स क्या होगा डेड हो गए तो अब इनमें जो भी रिप्रोडक्शन होने वाला था वो नहीं होगा नए अंडे हम बोलते हैं कि उनका वेट करना पड़ेगा तो सीधी सी बात है कि अंडे सूख ना जाए एयर के कांटेक्ट में सनलाइट के कांटेक्ट में इसीलिए जो फीमेल फ्रॉग्स हैं वो अपने अंडे कहाँ रिलीज़ करती हैं वो अपने अंडे हम बोलते हैं कि पानी में ही रिलीज़ करती हैं ताकि अंडे सूखे ना इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो मेंढक है ना उनकी पानी की जो डिपेंडेंसी है वो जा नहीं रही है कहने को वो ज़मीन पर भी रह लेते हैं लैंड पर भी रह लेते हैं लेकिन जब Uh, हम बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन की बात आती है तो उनको पानी में जाना ही पड़ता है उनका अपनी अलग एक समस्या है ठीक है तो वेन द मेल एंड द फीमेल फ्रॉग कम टूगेदर द फीमेल फ्रॉग लेज हंड्रेड ऑफ एग्स इन द वॉटर आई लाइक देंड्स एग द फ्रॉग्स एग्स आर नॉट कवर्ड बाई हार्ड शेल्स द फ्रॉग्स एग्स आर वेरी डेलीकेट बहुत डेलीकेट होते हैं फ्रॉग्स के एग्स अ लेयर ऑफ जेली होल्ड द फ्रॉग्स एग्स टुगेदर एंड प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन टू द एग्स अब देखो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये भी क्या है ये भी फ्रॉक का एग है ये भी फ्रॉक का एग है कि जितने भी फ्रॉक्स के एग हैं इन सबको एक जली लाइक -like मटेरियल क्या करके रखी हुई है पकड़ के रखी हुई है है ना अलग अलग आपको फ्रॉक्स के एग दिखाई नहीं दे रहे होंगे तो ये सभी एक साथ कंबाइंड कैसे हैं क्योंकि एक जली लाइक -like मटेरियल है जो कि इन सभी फ्रॉक्स के एग्स को जो है ना होल्ड करके जिसने रखा हुआ है वेन द फीमेल फ्रॉग लेज हंड्रेड ऑफ एग्ज एट द सेम टाइम द मेल फ्रॉग रिलीज मिलियंस ऑफ स्पर्म्स फ्राम एट्स बॉडी अब जिस समय पर फीमेल फ्रॉग अपनी बॉडी से एग्ज रिलीज करती है हंड्रेड ऑफ एग्ज उसी टाइम पर मेल फ्रॉग भी क्या करेगा अपनी बॉडी से स्पर्म्स रिलीज करेगा लेकिन वो भी कैसे मिलियंस इन नंबर अब सवाल ये है कि मैम फीमेल फ्रॉग ने तो जो है ना हंड्रेड्स ऑफ एग्ज रिलीज किए थे तो ये जो मेल uh, फ्रॉग है इसको इतने सारे स्पर्म्स रिलीज करने की क्या ज़रूरत पड़ गई

This type of fertilization, in which the fusion of a male gamete and a female gamete takes place outside, uh, place

वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स रिलीज कर देती है पानी में और जो मेल फिश है वो मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज कर देते हैं पानी में और फिर पानी में ही प्रेजेंट दोनों गैमेट्स का क्या होगा फ्यूजन होगा कोलिजन होगा और इसके बाद में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा फ्यूजन हो जाएगा वैन द स्पर्म्स कम इन कॉन्टेक्ट विद द एग्स द एग्स गेट्स फर्टिलाइज इन दिस वे द फीमेल फिशेज एग्स आर फर्टिलाइज बाय द स्पर्म आउटसाइड इट्स बॉडी दिस इज ऑल्सो नोन एज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ठीक है चलो अब इसके बाद में दो द एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड फिश विच अंडर गो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ले हंड्रेड ऑफ एग्स ऑल द एग्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज एंड हेंस डू नॉट डेवलप इन टू न्यू फ्रॉग्स और फिशेज अब देखो हुआ क्या जैसे कि मैंने आपको बताया फिश का केस भी बता दिया और फ्रॉग्स का भी बता दिया कि फीमेल जो फ्रॉग होगी वो क्या करेगी हंड्रेड ऑफ एग्ज रिलीज कर देगी जो मेल फ्रॉग होगा वो मिलियंस ऑफ स्प रिलीज कर देगा तो यहाँ पर हमें ये काउंट देख ऐसा समझ में आ रहा है कि हंड्रेड एक्स के लिए कितने स्पॉम्स रिलीज हुए हैं मिलियंस ऑफ स्पॉम्स रिलीज हुए हैं इसका मतलब क्या कि अगर कुछ स्पॉम्स बीच में कहीं डैमेज भी हो गए फिर भी इतने सारे सफिशेंट यू नो नंबर में हैं स्पम्प्स कि सभी के सभी हंड्रेड एक्स को वो क्या कर सकते हैं फर्टिलाइज कर सकते हैं इसका मतलब क्या कि अगर एक बार एक मेल और एक फीमेल फ्रॉग ने क्या किया है रिप्रोडक्शन करने की सोची है तो एक टाइम पे क्या हंड्रेड न्यू फ्रॉग्स प्रोड्यूस हो सकते हैं क्योंकि फीमेल तो क्या कर रही है हंड्रेड एग्स रिलीज कर रही है और मेल हम बोलते हैं कि मिलियंस ऑफ स्प्स रिलीज कर रहा है तो अगर बीच में कहीं कुछ स्पर्म्स की गड़बड़ हो भी गई है है ना पानी में हम तो कहते हैं कि अगर बह भी गए हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है इतने स्पर्म्स तो प्रोड्यूस हो ही जाते हैं कि वो हंड्रेड एग्स को क्या करें फर्टिलाइज कर सकें तो क्या ये पॉसिबल है कि एक बार की रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से मेल और फीमेल फ्रॉग में हंड्रेड ऑफ फ्रॉग्स जो ना प्रोड्यूस हो जाएंगे रिप्रोड्यूस हो जाएंगे ऐसा नहीं होता है क्यों नहीं होता है तो चलो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे यही बोला गया है कि ऑल द एग्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज एंड हेंस डू नॉट डेवलप इन टू न्यू फ्रॉक्स सभी के सभी एग्स जो हैं वो फर्टिलाइज नहीं होते हैं और अगर फर्टिलाइज नहीं होंगे तो फिर न्यू फ्रॉग्स भी वहां से कैसे डेवलप हो पाएंगे ऐसा क्यों होता है तो देखो फ्रॉग या फिश की अगर हम बात करें ले एग्स एंड रिलीज स्पर्म्स इन द वाटर मेनी ऑफ दीज एग्स एंड स्पर्म्स आर कैरियड अवे बाय द मूवमेंट ऑफ वाटर विंड और रेनफॉल एंड हेंस ऑल द एग्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज्ड ठीक है तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि पानी में अंडे दे तो दिए लेकिन जरूरी थोड़ी कि वो अंडे वहीं के वहीं रहेंगे अब भाई वो तो पानी है ना तेज़ अगर हवा चल गई तो पानी में हम बोलते हैं कि लहरें बन गई पानी में लहरें बन गई तो क्या हुआ पानी जब फ्लो करने लगा तो उन लहरों के साथ में वो जो अंडे हैं वो भी फ्लो करने लगे वो बह गए इसके अलावा हम बोलते हैं कि बारिश होने लगी है है ना और हम बोलते हैं कि पानी में किसी तरह का मूवमेंट हो गया है तो so, इस मूवमेंट से क्या होगा कि जो स्पर्म्स होंगे जो एग्स होंगे पानी में वो भी हो जाएंगे मूव वो भी आज हो जाएंगे आगे बढ़ जाएंगे जिसके कारण उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा फिर इसके बाद में मैनी ऑफ द एग्स ऑफ द फ्रॉग्स एंड द फिशेज आर ईटन अप बाय अदर एनिमल्स विच लिव इन द वॉटर भाई अगर उनने अंडर अपने स्पर्म्स दे दिए हैं तो बाकी जो एक्वेटिक एनिमल्स रह रहे होंगे पानी में उनको वो जाकर के मना थोड़ी ना कर सकते कि सुनो हमने अपने अंडे दे दिए हैं अब आप जा करके उसको डैमेज नहीं पहुँचाओगे भाई कोई भी दूसरा एनिमल आएगा उसको तो वो खाने की चीज़ है ना उसके लिए तो वो उसको खा करके चला जाएगा तो इस हिसाब से क्या होगा कि माना हंड्रेड्स ऑफ एग्स रिलीज़ किए गए थे फीमेल फ्रॉग या फीमेल फिश द्वारा लेकिन आप बोल देख सकते हो कि कुछ पानी में यूं ही बह जा रहे हैं कुछ को एनिमल्स आकर के खा रहे हैं मेनी ऑफ द लार्वे अच्छा चलो ठीक है एक बार हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन हो भी गया फर्टिलाइजेशन के बाद हम बोलते हैं कि क्या बनेगा जयगोड बनेगाड़ से हम बोलते हैं कि लार्वे बनते हैं तो ये जो लार्वे हैं ये जो यंग वंस हैं फ्रॉग और फिश के विच आर हैच्ड फ्रॉम द फर्टिलाइज एग्स आर ईटन अप बाय द अदर एनिमल्स इन वॉटर एंड फेल टू डेवलप इन टू एडल्ट फ्रॉग्स बेसिकली जब हम इस चैप्टर में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम फ्रॉक्स में मेटामफोसिस की भी प्रोसेस देखेंगे हम आप समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे लार्वे से एक आप बोल सकते हो कि एडल्ट फ्रॉक जो है बनता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉरफोसिस जिसके ऊपर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमने बोला कि एग्स हम बोलते हैं कि फर्टिलाइज हो गए अब इन फर्टिलाइज एग्स से हम बोलते हैं कि क्या बनता है लार्वे बनते हैं अब ज़रूरी नहीं है अच्छा ये लार्वे रहते कहें ये पानी में ही रहते हैं क्यों क्योंकि जब शुरुआत मतलब ये जब लार्वे होते हैं ना तो ये बेसिकली हम बोलते हैं कि इनके हाथ पाँव नहीं होते हैं मेंढकों के हमको पता है कि हाथ पाँव होते हैं उनके फोर लिम्स होते हैं हाइंड लिम्स होते हैं पीछे वाले लिम्स है ना लेकिन जब लार्वल स्टेज आती है होती है इनकी तो लार्वा के पास एस सच कोई भी हाथ पाँव नहीं होते हैं उनके पास एक टेल होती है और उसी टेल के हेल्प से क्या करते हैं वो स्विम करते हैं तो जब तक कि वो डेवलप नहीं हो जाते ग्रो नहीं हो जाते जब तक उनके पास हाथ पाँव नहीं आ जाते हैं तब तक वो पानी में ही रहते हैं जब वो एडल्ट फ्रॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे उसके बाद में वो लैंड पर आ सकते हैं उसके पहले उनको पानी में ही रहना पड़ेगा तो ये जो लार्वे होते हैं कई बार इनको जो बाकी एनिमल्स हैं जो कि पानी में रह रहे हैं एक्वेटिक एनिमल्स वो आकर के खा के चले जाते हैं यानी कि या तो एग्स को ही खा लेंगे Uh, बड़े एनिमल्स या फिर हम बोलते हैं कि जो फर्टिलाइज एग हैं जिससे कि हम बोलते हैं कि लार्वे बन चुके हैं उन लार्वे को आकर के जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो खा लेंगे सो आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एग्स लेड बाय द फीमेल फ्रॉग और फीमेल फिश ओनली अ फ्यू विल सर्वाइव टू बिकम एडल्ट इसका मतलब कहने को तो हंड्रेड्स ऑफ एग्स जो है ना रिलीज करे थे फीमेल फ्रॉग ने लेकिन उनमें से कुछ ही क्या होते हैं सर्वाइव कर पाते हैं जिनको किसी एनिमल ने खाया नहीं होता है जिनका फर्टिलाइजेशन होता है फ़र्टिलाइजेशन के बाद में हम बोलते हैं कि लार्वा बनता है लार्वा हम बोलते हैं कि सर्वाइव भी कर जाता है तो कुछ ही ऐसे आप बोल सकते हो कि एग्स होंगे जो कि सर्वाइव करेंगे और वो डेवलप हो जाएंगे किसमें एडल्ट फ्रॉग में या फिर एडल्ट फिश में फ़िश की भी सेम कहानी है तो इसीलिए मैंने बोला कि ऐसा नहीं है कि एक बार अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है एक साइकिल चल रही है रिप्रोडक्शन की मेल और फीमेल फ्रॉग में तो उस साइकिल से हंड्रेड ऑफ न्यू फ्रॉग्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे अगर ऐसा होता तो हमारे पूरे प्लानट अर्थ पर आज के डेट में जो है ना फिशेज और फ्रॉग्स ही होते हैं हम तो कहीं दिखते ही नहीं क्यों क्योंकि एक बार रिप्रोडक्शन की साइकिल में हंड्रेड ऑफ फ्रॉग्स जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहे हैं या हंड्रेड ऑफ फिशेज प्रोड्यूस हो रही हैं तो ऐसा नहीं होता है ठीक है चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है सिंस मैनी ऑफ द एग्स ऑफ फ्रॉग्स एंड फिशेज आर कैर अवे बाय द मूविंग वाटर विंड और रेन एंड मैनी आर ईटन अप बाय अदर एनिमल्स देअ फोर द प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स इज नेसेसरी टू एंश्योर द फर्टिलाइजेशन ऑफ एटलीस्ट अ फ्यू ऑफ देम अब मेंढकों के पास फिशज के पास भी ये दिमाग होता है कि भाई हम जो अंडे दे रहे हैं या इनसे जो लार्वे बनेंगे वो बेसिकली जो बाकी के एक्विटिक एनिमल्स होंगे उनके लिए वो क्या होगा वो खाना होगा तो पॉसिबिलिटीज़ हैं और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एक्वेटिक एनिमल्स आके क्या करें उनके अंडों को खा जाए या उनके लार्वे को खा जाए तो इसीलिए इतना उनके पास ज्ञान है नॉलेज है इसीलिए हम बोलते हैं कि वो लार्ज नंबर ऑफ़ एग्स जो है रिलीज़ करते हैं कि अगर सौ एग्स रिलीज़ करें हैं उनमें से हम बोलते हैं कि सेवेंटी फाइव का फर्टिलाइजेशन हो रहा है ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि जितने भी एग्स रिलीज होते हैं वो सबके सब फर्टिलाइज़ सब नहीं हो पाते हैं क्यों हवा चल गई बारिश हो गई कुछ तो भी हो गया जिसके कारण क्या हुआ कि जो पूरे के पूरे एग्स हैं वो फर्टिलाइज नहीं हुए कुछ एग्स जो है ना वो बह गए पानी में आगे निकल गए जिस रेंज तक स्पर्म्स थे उस रेंज के बाहर एग्स चले गए हैं तो उनका फर्टिलाइजेशन तो होने नहीं वाला तो हम बोलते कि एक्सेल्स, आ, हैं कि सपोज सौ एग्स सेल्स किसने रिलीज कर रहे हैं फीमेल फ्रॉग ने रिलीज कर हैं तो सौ में से हम बोलते हैं कि ट्वेंटी फाइव तो यूं ही बह गए बच्चे कितने सेवेंटी फाइव तो सेवेंटी फाइव एग्स का क्या होना है फर्टिलाइजेशन हुआ है अब इस सेवेंटी फाइव में से भी हम बोलते हैं कि पच्चीस जो है कोई एनिमल आकर के खा गया ठीक है ना पच्चीस जो एग्स थे फ्रॉक के वो कोई एनिमल आकर के खा गए तो अब बचे कितने अब बचे हमारे पास पचास इन पचास सेल्स का क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है और बेसिकली हम बोलते हैं कि फिफ्टी लार्वे बन जाते हैं अब फिफ्टी लार्वे में भी हम बोलते हैं कि पच्चीस लार्वे को आकर के कोई एनिमल आकर के खा गया तो बचे कितने केवल पच्चीस कितने बचे केवल पच्चीस तो अब पच्चीस ही बेसिकली हमारे पास क्या आने वाले हैं एडल्ट फ्रॉग्स होने वाले हैं क्योंकि 25 लार्वे बचे हैं और यही लार्वे हम बोलते हैं कि आगे जा कर के ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे किस में एडल्ट फ्रॉग्स में तो शुरुआत कहाँ से हुई थी हंड्रेड एग्स uh, से हुई थी लेकिन आए कितने हमारे पास एडल्ट फ्रॉग्स केवल पच्चीस ठीक है वन ऑफ आउट ऑफ हंड्रेड ऑफ एग्स लेड बाय फीमेल फ्रॉग और फीमेल फिश ओनली अ फ्यू गेट फर्टिलाइज एंड देर आर वे सर्वाइव टू बिकम एडल्ट फ्रॉग्स और ये भी जब मैंने आपको एग्जाम्प जब मैंने आपको पूरा एक नंबर बताया है 175 ये सब एग्जाम्पल के लिए बताया है असली में जब हम जाकर के देखेंगे ना तो कुछ और ही नंबर आपको कम मिलेगा है ना अभी तो मैंने फिफ्टी सेवन आपको मैंने बता दिया कि 25 जो है ना आपको एडल्ट फ्रॉग मिलने वाले हैं लेकिन हो सकता है कि 25 से भी कम मिले हो सकता है केवल पाँच ही मिले या दस ही मिले पॉसिबिलिटीज़ ये भी हैं तो इसलिए लार्ज नंबर में जो है ना एक्स को रिलीज़ किया जाता है कि क्योंकि पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाएगी तो कम से कम कुछ तो जो है ना बेसिकली एडल्ट फ्रॉग तक ट्रांसफॉर्म हो पाए कि अगर जो है ना गिन के फीमेल फ्रॉग ने क्या किया होता गिन के केवल दस एक्स को रिलीज़ किया होता अब पता चला कि दसों के दसों को किसी एनिमल ने आकर के खा लिया तो एक भी फ्रॉग नहीं बन पाया एक भी फ्रॉग रिप्रोड्यूस नहीं हो पाया तो यहाँ पे तो क्या होगा फ्रॉक्स का नंबर कम होता जाएगा लेकिन नंबर कम नहीं करना है हमें पॉपुलेशन को मेनटेन रखना है इसीलिए इन पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए ज्यादा नंबर ऑफ एग्स रिलीज होते हैं वी नो दैट न्यू सेल विच इज फॉर्न बाय द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्डोड एंड दिस दिसगोड दैट ग्रोज एंड डेवलप्स इंटू अ फुल ऑर्गेनिज्म दिस मेथड इन विच अ जयगोड ग्रोज एंड डेवलप्स इंटू अ फुल ऑर्गेनिज्म ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट एनिमल्स अब देखो जयगोड का फॉर्मेशन तो हो गया है अब ये जो प्रोसेस होती है ना ये जो मेथड है जिसमें कि जायगोट डेवलप ग्रो करता है डेवलप होता है एक फुल ऑर्गेनिज्म में ये डिफरेंट होता है अलग अलग, अलग एनिमल्स में फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स में हम बोलते हैं कि जो जायगोट है वो ग्रो करेगा डेवलप करेगा इन टू बेबी इन साइड द फीमेल बॉडी ऑब्वियसली बात है ह्यूमन बींग्स में हम बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन uh, अंदर हो रहा है फर्टिलाइजेशन से जो जायगोट बनेगा uh, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट भी कहाँ होगी फीमेल बॉडी के अंदर ही होगी कहाँ होगी यूट्रस में ही होगी और फिर इसके बाद में जब नाइन्थ मंथ्स की पूरी प्रेगनेंसी हो जाती है इसके बाद में हम

ग्रोथ और डेवलपमेंट होकर के और ये न्यू ऑर्गेनिज्म फिर मदर की बॉडी से बाहर निकल करके आएगा तो ये ऑलरेडी कैसा होता है फुली डेवलप्ड होता है ऐसा नहीं कि एक आँख नहीं बनी है एक हाथ नहीं बना है जब बॉडी के बाहर आ जाएगा मदर की बॉडी से बाहर आ जाएगा तब इसका डेवलपमेंट होगा ऐसा कुछ नहीं है ठीक है तो बेसिकली फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म ही मदर की बॉडी से बाहर आता है बट द प्रोसेस इज़ एंटायरली डिफरेंट इन दोज एनिमल्स अच्छा ये बर्ड्स होगा इसको बर्ड्स कर लेना और बर्ड्स विच ले एग्स अब सीधी सी बात है ये तो बात हुई किसकी अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें डॉग्स की अगर हम बात करें कैट्स की, की तो अभी अभी हमने देखा कि इन सब में फर्टिलाइजेशन अंदर होगा जाइवोर्ड अंदर बनेगा फीमेल बॉडी के है ना जाइवोड की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो कहाँ होगी फीमेल बॉडी के अंदर ही होगी और जब एक प्रॉपर बेबी डेवलप हो जाएगा फिर वो बेबी जो है ना मदर की बॉडी से बाहर निकल आता है लेकिन जब हम बात करते हैं उन एनिमल्स की या उन बर्ड्स की जो कि क्या करते हैं अंडे देते हैं एग्स ले करते हैं उनमें क्या होता है उनमें थोड़ा सा सीन अलग हो जाता है फॉर एग्जाम्पल हैन सेट्स ऑन इट्स फर्टिलाइज एग फॉर अ कंसिडरेबल टाइम टू गिव दैम वॉम्प एक बात बताओ वो तो जो हम मुर्गी के अंडे खाते हैं है ना वो फर्टिलाइज एग ही होते हैं तो अगर फर्टिलाइज एग हैं यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो चुका है जाएड बन चुका है तो फिर वो जो एग है वो हम बोलते हैं कि उससे सीधे चिक निकल करके क्यों नहीं आती है भाई जो भी हम एग खाते हैं ठीक है ना वो हम बोलते हैं कि मुर्गी का एक फर्टिलाइज एग है वो क्या है बेसिकली एक जायगोट है तो उस जायगोट से एक चिक बाहर निकल करके क्यों नहीं आ जाती है वो इसलिए नहीं, नहीं आ जाती है क्योंकि मुर्गियों का कंडीशन जो है ना कुछ अलग होता है कि हमारी मुर्गियाँ क्या करती है फर्टिलाइज एग देती हैं और फर्टिलाइज एग के ऊपर आपने देखा होगा पोल्ट्री फार्म वगैरह अगर आपने कभी विजिट किया हो या आपकी खुद की अगर पोल्ट्री फार्म हो तो तो जो मुर्गियाँ होती हैं ना वो अपने अंडों के ऊपर बैठ जाती हैं क्यों बैठ जाती है उनको तोड़ने के लिए नहीं तोड़ने के लिए नहीं उनको एक वाम्थ प्रोवाइड करने के लिए एक गर्माहट प्रोवाइड करने के लिए इस वॉम्थ में क्या होता है फर्टिलाइज एग के अंदर जो भी एलमिन और जो भी योग वगैरह है ना उन्हीं सब चीज़ों से बेसिकली चिक्स वगैरह डेवलप हो जाती हैं तो इससे पहले कि इन अंडों से चिक्स डेवलप हो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं इन अंडों को वहाँ से उठा लेते हैं और फिर इसके बाद में उनको बेच दिया जाता है ठीक है तो जो हम खाते हैं वो एग्जैक्टली exactly क्या होते हैं फर्टिलाइज्ड एग्स ही होते हैं आजकल आपने सुना होगा कि ऑर्गेनिक अंडे आते हैं ऑर्गेनिक अंडे मतलब क्या या ऑर्गेनिक भी नहीं वेजिटेरियन अंडे मतलब क्या कि ऐसे अंडे जो कि वेजिटेरियंस खा सकते हैं तो वो बेसिकली वो अन एग्स होते हैं वो फर्टिलाइज्ड एग्स नहीं होते हैं है ना पहले जो हम खाते थे वो एग्जैक्टली फर्टिलाइज एग ही होते हैं उनमें ऑलरेडी मेल और फीमेल गैमिट्स का फ्यूजन uh, हो चुका रहता है लेकिन आजकल जो वेजिटेरियंस के लिए एग्स आने लगे हैं मुर्गियों के उनमें क्या होता है कि वो फर्टिलाइज्ड एग नहीं होता है है ना उसमें मेल और फीमेल का गैमिट मतलब फ्यूजन नहीं होता है उसमें बस क्या होता है वो फीमेल गैमिट ही होता है वो एग ही होता है सिंपल अनफर्टिलाइज एग होता है खैर तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि एक तरफ हमारे पास क्या है डॉग है जो कि पूरा का पूरा हम बोलते हैं कि वेल डेवलप्ड मदर की बॉडी से बाहर आता है हाँ आगे जाकर कि इसकी ग्रोथ होती है डेवलपमेंट होती है है ना लेकिन जब हम बात करते हैं कि इसकी मुर्गियों की तो मुर्गियों में जो अंडे उनके होते हैं बेसिकली वो अंडे फर्टिलाइज एग बाहर निकल आते हैं उनको सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती हैं और तब जा करके उन अंडों से हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है डेवलप होता है ऑर्गेनिज्म कहाँ डेवलप हो रहा है बॉडी के बाहर मदर बॉडी के बाहर यहाँ कहाँ हो रहा है मदर की बॉडी के अंदर ही हो चुका रहता है फिर इसके बाद में ड्यूरिंग दिस पीरियड द गोड ग्रोज एंड डेवलप्स इन टू अ कम्प्लीट चिक दिस चेक देन कम्स आउट ऑफ दग बाय ब्रेकिंग इट्स शेद जिसको कि हम क्या कहते हैं हैकिंग uh, बोलते हैं है ना हैचिंग बोलते हैं इट इज़ क्लियर फ्राम दिस डिस्कशन दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म डो नॉट गिव बर्थ टू इंडिविजुअल्स लाइक ह्यूम टू इस पूरे डिस्कशन से हमें यह समझ में आया कि जैसे ह्यूमन बींग्स अपने बच्चों को जन्म देते हैं वैसे हर एक ऑर्गेनिज्म अपने बच्चों को जन्म नहीं देता है क्यों मुर्गी का एग्जाम्पल देखा ना कि मुर्गी ने क्या करा है फर्टिलाइज अंडे दे दिए हैं अब उन फर्टिलाइज अंडों के ऊपर मतलब फर्टिलाइज अंडों के ऊपर वो बैठती है फर्टेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है तब जाकर के वो अंड जो फर्टिलाइज एग्स जो हैं वो किस में डेवलप होते हैं यंग वंस में यानी कि चिक्स में लेकिन ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं होता है क्लियर है तो आज के सेशन के लिए बस होती है किसके साथ फ़र्स्ट टॉपिक के साथ और वो फर्स्ट टॉपिक है क्या प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इस पूरे चैप्टर में ना हमको रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के ऊपर ही फोकस करना है पर सवाल ये आता है कि मैम आखिर ये प्रोसेस होती क्या है क्या है ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस तो देखो ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कुछ न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि उनके जैसे ही दिखते हैं तो ये जो प्रोसेस होती है ना न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने की इसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन अब सवाल यह है कि आखिर इस प्रोसेस के बारे में हम पढ़ ही क्यों रहे जैसे कि हम डाइजेशन पढ़ते हैं भाई हम सबको पता है कि हमको दिन भर में इतने सारे काम करने होते हैं हमको खेलना भी होता है हमको पढ़ना भी होता है इसके लिए हमको क्या चाहिए है? एनर्जी चाहिए है एनर्जी कैसे मिलेगी हमको हमारे खाने पीने से मिलेगी तो बेसिकली हम करते क्या हैं हम फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तो ये जानने के लिए हम बहुत ही क्यूरियस होते हैं कि जब खाना हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो उसका डाइजेशन कैसे होता है है ना कैसे उसका अब्जॉर्प्शन होता है कैसे उसका असीमुलेशन होता है तो हम डाइजेशन अब्जॉर्पन असीम्यशन ये सारी प्रोसेसेस पढ़ लेते हैं इसके बाद में हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी में जो बहुत सारा यू नो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस चल रही है ये कैसे काम ये कैसे चलती हैं चीज़ें है ना कैसे हमारा ब्रेन फंक्शन करता है कैसे हम सांस लेते हैं यानी कि जो रेस्पिरेशन की जो पूरी प्रोसेस है वो हम पढ़ लेते हैं एक्सक्रीशन की जो पूरी प्रोसेस है कि भाई हमारी बॉडी में इतनी सारी चीज़ें चलती हैं कुछ चीज़ें बन रही हैं कुछ चीज़ें टूट रही हैं तो कुछ ना कुछ वेस्ट तो निकलेगा ना ये वेस्ट को हमारी बॉडी से हम कैसे निकालते हैं है ना कैसे एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है ये हम पढ़ लेते हैं लेकिन सवाल ये है कि आखिर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में ऐसा क्या है कि हम उसे पढ़ें तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस का सिग्निफिकेंस मैं आपको एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से देती हूँ कि सपा सपोज़ हमारे पास क्या है एक ग्रुप है ठीक है ये ग्रुप है किसका टाइगर्स का और हम ये अभी सपोज मतलब अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास इस पूरी दुनिया में इस पूरे ग्लोब में कितने टाइगर्स हैं हमारे पास हैं करीब सौ टाइगर्स ठीक है पूरी दुनिया में हमारे पास कितने टाइगर्स हैं सौ टाइगर्स हैं और इन सभी के सभी सौ टाइगर्स का हमने क्या किया एक ग्रुप बनाया अब ये बात तो हम सबको पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म की क्या होती है एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होती है है ना और एक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा इसी लाइफ स्पैन में जिएगा और जीने के बाद में उस ऑर्गेनिज्म की ऑब्वियस ही बात है डेथ हो जाती है तो हमारे ये जो टाइगर्स हैं इनकी भी कोई ना कोई एक लाइफ स्पेन तो ज़रूर होगी एग्जाम्पल हम यहाँ भी ले लेते हैं हम ये मान के चलते हैं कि हमारे टाइगर्स की जो लाइफ स्पेन है वो कितनी है पच्चीस साल की है यानी कि एक टाइगर की लाइफ स्पेन कितनी है पच्चीस साल की है तो जैसे जैसे समय हम बोलते हैं कि आगे बढ़ता है हर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है समय के साथ में ग्रो होता जाता है उसकी बॉडी में डेवलपमेंट होती जाती है वो मेच्योर हो जाता है बूढ़ा हो जाता है बूढ़े बूढ़ा होने के बाद में हम सबको पता है कि एक ऑर्गेनिज्म कभी ना कभी जा करके उसकी डेथ ज़रूर हो जाएगी तो यहाँ पर हमने माना है कि हमारे पास एक ग्रुप है सौ टाइगर्स का और पूरे ग्लोब में हम बोल रहे हैं कि बस ये सौ टाइगर्स ही बचे हैं और इनकी लाइफ स्पेन कितनी है पच्चीस साल है तो अभी के लिए हमने माना कि ये सभी के सभी जो सौ टाइगर हैं ये कितने साल तक जियेंगे मैक्सिमम पच्चीस साल तक चलो मैं तो कहती हूँ और बढ़ा लो है ना एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे बोल देती हूँ कि पच्चीस नहीं फोर्टी ईयर्स है इनकी लाइफ स्पेन तो सभी के सभी ये जो सौ टाइगर हैं ये चालीस साल तक जो है जियेंगे लेकिन एक बात बताओ इन 40 सालों के बाद क्या होगा यानी कि 40 इयर्स की जो इनकी लाइफ स्पेन है इसमें जब ये सभी के सभी 100 टाइगर जी लेंगे इस लाइफ स्पेन को इसके बाद में क्या होगा ऑब्वियस ही बात है इनकी क्या हो जाएगी डेथ हो जाएगी है ना आफ्टर फोर्टी ईयर्स इनकी क्या हो जाएगी डेथ हो जाएगी इसके बाद में क्या होगा ये सभी के सभी सौ टाइगर्स का जो एग्जिस्टिंग एग्जिस्टेंस है ना हमारे प्लानिट अर्थ से वो चला जाएगा अब अगर वैसे भी हमारे ग्लोब में सौ ही टाइगर्स थे अब हम बोल रहे हैं कि इन सभी ने अपनी लाइफ स्पेंड जी ली इसके बाद में इनकी डेथ हो गई नेचुरल डेथ हुई है किसी ने मारा नहीं है इनको फिर इसके बाद में क्या होगा इस पूरे प्लानट अर्थ पर टाइगर्स बचेंगे ही नहीं जैसे डायनासॉर्स नहीं बचाए ना कुछ इसी तरीके से हम बोलते हैं कि डायनास हमारे टाइगर्स भी नहीं बचेंगे यानी कि ये जो स्पीशीज़ है वो क्या हो जाएगी एक्सटिंक्ट हो जाएगी वैनिश हो जाएगी कंप्लीटली हमारे प्लैनिट अर्थ से और ये चीज़ हम सबको पता है हम सेवेंथ चैप्टर में पढ़ के आए हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स में कि आ, एक बार स्पीशीज़ जो है एक्सटिंक्ट हो जाती है फिर दोबारा से उसको जो है ना हम वापस से उसका एग्जिस्टेंस प्लानट अर्थ पर लेकर के नहीं आ सकते हैं डायनासोर्स के बारे में आज हमने भले ही कितनी रिसर्च क्यों ना कर ली हो लेकिन इतनी रिसर्च का भी कोई फ़ायदा नहीं निकला मतलब फायदा मतलब कि उस इंफॉर्मेशन से उस रिसर्च से क्या हम डायनासॉर्स को वापस लेकर के आ पाए हैं अपनी धरती पर ऑबियस ये बात है नहीं तो अगर एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है ना तो फिर उसको देखने के लिए हमें बेसिकली म्यूजियम जाना पड़ता है कॉमिक बुक्स को देखना पड़ता है मूवीज देखनी पड़ती क्यों क्योंकि रियल लाइफ में तो वो हमें देखने को मिलते नहीं हैं तो मुद्दा यह है कि अगर इन सभी के सभी सौ टाइगर्स की लाइफ स्पैन जो है कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद में ये गायब हो जाएंगे गायब होने के बाद में क्या स्पीशीज ही क्या हो गई है एक्सटिंक्ट हो गई है तो स्पीशीज का जो एक्सटिंक्शन है ये तो अच्छी बात नहीं है तो अब क्या करें कोई ना कोई इसका सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा तो सोल्यूशन ये निकलता है कि इन सौ टाइगर्स में क्या होता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है जैसे कि मैंने आपको समझाया कि रिप्रोडक्शन है क्या एक ऐसी बेसिकली हम बोलते हैं कि प्रोसेस होती है जहां पे ऑर्गेनिज्म क्या करता है कुछ न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है जो कि कैसे होते हैं उसके खुद के जैसे होते हैं सेम काइंड के होते हैं तो ये जो टाइगर्स है ना इनके बीच में क्या होगी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी और इस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से हम बोलते हैं कि कुछ और टाइगर्स सपोज हम बोलते हैं कि पचास टाइगर प्रोड्यूस हो गए हैं ठीक है ठीके? तो जब तक इनकी डेथ होगी जब तक ये अपनी लाइफ स्पेन हम बोलते हैं कि कंप्लीट करेंगे तब तक ये जो 50 टाइगर हैं ये

टाइगर्स का जो नंबर है अगर वो कुछ इसी तरीके से बढ़ता रहा तो टाइगर जो स्पीशीज है वो हमारे प्लेनेट अर्थ से गायब नहीं होगी क्यों नहीं होगी गायब क्योंकि उनके बीच में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है तो हमें लगता है कि डाइजेशन इंपॉर्टेंट है हमें लगता है रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है हमें लगता है कि हार्ट का जो ब्लड पंप करने वाला फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है शायद ये ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है ये इंपॉर्टेंट नहीं होगी ये भी इंपॉर्टेंट है अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हम बोलते हैं कि नहीं होगी तो क्या होगा बेसिकली uh, स्पीशीज़ में एक स्पीशीज़ में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स अपनी एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन तक जिएंगे जीने के बाद वो मर जाएंगे मरने के बाद हम बोलते हैं कि वो पूरी की पूरी स्पीशीज़ क्या हो जाएगी गायब हो जाएगी आई बात समझ में तो रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है इसीलिए ज़रूरी है ताकि नए नए जो है ना ऑर्गेनिजम्स आते रहें और स्पीशीज़ का एग्जिस्टेंस अर्थ पर बना रहे खैर फिर इसके बाद में यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा प्रोसेस समझा दिया है उसका सिग्निफिकेंस समझा दिया है अब हम बात करते हैं कि इसकी सेकेंड जो टॉपिक होगा हमारा इस पूरे चैप्टर का वो होगा मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कि ये तो समझ में आ गया कि रिप्रोडक्शन है क्या पर होगी होगी कैसे तो दो मेथड से एक होता है ए और एक होता है सेक्शुअल ए सेक्शुअल में हम बोलते हैं कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है कोई हम बोलते हैं कि गैमिट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बोलते हैं कि बकायदा दोनों पेरेंट्स होते हैं है ना जैसे कि मम्मा पापा और बेबी तो मम्मा पापा दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है कहाँ सेक्शुल रिप्रोडक्शन में प्लस हम बोलते हैं कि गैमिट्स का इन्वॉल्वमेंट भी होता है फिर इसके बाद में अच्छा गैमिट्स क्या होते हैं बेसिकली रिप्रोडक्टिव सेल्स जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हमारी बॉडी में कई तरह के स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनका काम क्या होता है एक ही स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करना वैसे ही एनिमल्स की बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनका काम होता है क्या रिप्रोडक्शन करना तो उन्हें हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल जो कि क्या कहलाते हैं गैमिट्स कहलाते हैं फिर इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस आएगी क्या फर्टिलाइजेशन जब हम बात करते हैं ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो उसमें हमने बोला कि हाँ दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं और गैमिट्स हम बोलते हैं कि उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है तो गैमिट्स का हम बोलते हैं कि क्या होता है फ्यूजन होता है तो मेल गैमिट और जो फीमेल गैमिट है वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो इनका ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है इनका जो फ्यूजन हो रहा है मेल और फीमेल गैमिट्स का इसी को हम क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कहते हैं अब ये फर्टिलाइजेशन अगेन दो टाइप की हो सकती है एक्सटर्नल और इंटरनल एक्सटर्नल मतलब क्या देखो इंटरनल का मतलब ये होता है कि ऐसी फर्टिलाइजेशन जो कि फ़ीमेल बॉडी के अंदर हो रही है यानी कि क्या करा है मेल ने अपनी बॉडी से जो मेल गैमेट्स हैं वो फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिए फिर इसके बाद में फ़ीमेल की बॉडी में जो ये मेल गैमिट्स हैं ये कहाँ पहुँचते हैं फीमेल गैमिट्स तक पहुँचते हैं उन्हें फर्टिलाइज़ करते हैं उनके साथ फ्यूज़ हो जाते हैं तो जो भी फर्टिलाइजेशन हो रही है वो कहाँ हो रही है फीमेल की बॉडी के अंदर इसीलिए इसको हम बोलते हैं इन फर्टिला इंटरनल फर्टिलाइजेशन फिर नेक्स्ट आता है क्या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जहाँ पे हम बोलते हैं कि मेल अपनी बॉडी से जो मेल गैमेट्स हैं वो रिलीज करता है लेकिन फीमेल बॉडी में नहीं बाहर सिमिलरली जो फीमेल पेरेंट uh, है वो भी अपनी बॉडी से फीमेल गैमेट रिलीज करती है कहाँ बाहर तो बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है इसीलिए उसके हम, हम कहते हैं क्या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इतना पढ़ने के बाद हम पहुंचेंगे कहाँ अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स ठीक है तो बेसिकली इस चैप्टर में हमको ह्यूमन बींग्स के ऊपर ही फोकस करना है ठीक है ना एनिमल्स में भी कौन एनिमल्स में हम बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स तो ह्यूमन बींग्स में सेक्शुअल uh, रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो हम यहाँ पे सीखेंगे उसके लिए तो सबसे पहले आपको समझना होगा क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखो भाई हमारे बॉडी में जैसे कि हम अपना प्रीवियस चैप्टर पढ़ चुके हैं ना सेल वाला तो हमको पता है कि सेल्स क्या बनाते हैं टिश्यूज टिश्यूज क्या बनाते हैं ऑर्गन्स ऑर्गन्स क्या बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम्स और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स उनके क्या बनाते हैं ऑर्गेनिज्म बनाते हैं तो हमारी बॉडी में जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है सर्क्युलेटरी सिस्टम होता है वैसे ही हमारी बॉडी में एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है मेल ह्यूमन बींग्स में भी और फीमेल ह्यूमन में भी ठीक है तो सबसे पहले तो हमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही समझना होगा कि कौन कौन से ऐसी बेसिकली कॉम्पोनेंट्स हैं या बॉडी के पार्ट्स हैं जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं मेल और फीमेल में ठीक है अच्छा एक चीज और जो गैमिट्स का फॉर्मेशन है ना वो यहीं पे होता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ठीक है फिर इसके बाद में हम बात करेंगे प्रोसेस अ, नहीं, ये तो हाँ फिर डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो मेल और फीमेल गैमिट्स का जब फ्यूजन होता है उससे क्या बन जाता है जाएगोड बन जाता है पहले भी हमने इसके ऊपर चर्चा करी है ये जो जयगोड है ये कैसा होता है सिंगल सेल होता है एक ही सेल होता है इस सेल में आगे जाकर के और डिविजन होता है मल्टीप्लीकेशन होते हैं और कई सारे नंबर ऑफ़ सेल्स बन जाते हैं ठीक है तो हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो की तो ये जो और नंबर ऑफ सेल्स आ रहे हैं ठीक है ठीके? ये जो और नंबर ऑफ सेल्स आ रहे हैं जयगोर्ट से ही उसके डिवीजन से उसके मल्टीप्लीकेशन से तो जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं ना तो उस नंबर ऑफ़ सेल्स की इंक्रीज स्टेट को हम क्या बोलते हैं एम्ब्रियो बोलते हैं जयगोड हम बोलते हैं कि एक सिंगल सेल है लेकिन इस सिंगल सेल वाले जयगोड में जब फर्दर और डिविजन होते जाते हैं तो हम बोलते हैं कि न्यू न्यू सेल्स यहाँ पे बनते जाते हैं तो एक आप बोल सकते हो कि स्टेज आती है जहाँ पे एक बॉल बन जाती है जहाँ पे हम बोलते हैं कि एक बॉल बन जाती है और इस बॉल में हम बोलते हैं कि कई सारे नंबर ऑफ सेल्स आ जाते हैं तो इस बॉल लाइक स्टेज को हम क्या बोलते हैं एम्ब्रियो बोलते हैं तो कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ है वो हम सीखेंगे फिर इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना डिफरेंस बिटवीन जायगोट एम्ब्रियो एंड फीटस अब ये तो समझ में आ गया कि मैम जायगोट क्या होता है एम्ब्रियो जायगोट से ही बना हुआ है लेकिन अब ये फीटस क्या है तो जब और नंबर ऑफ़ सेल्स आ जाते हैं ये सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं ऑर्गन्स मिला के हम बोलते हैं कि ऑर्गन सिस्टम बन जाता है फिर हम बोलते हैं कि फीटस भी बनता है जब फीटस जैसे कि हमें ह्यूमन बींग्स के ऊपर बात करनी है ना तो ह्यूमन बींग्स में हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी का पीरियड कितना होता है नाइन मंथ्स का होता है तो नाइन मंथ्स के बाद जो फीटस है जब वो एकदम फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है इसके बाद में वो मदर की बॉडी से बाहर निकल आता है तो हम ये बात करेंगे कि जयगोड एम्रियो और फीटस में क्या क्या बीच में उनके डिफरेंस होता है ठीक है फिर इसके बाद में आता है क्या अपना नेक्स्ट टॉपिक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसके बारे में मैं अभी कुछ भी रिवील नहीं करूंगी ये हम पढ़ेंगे अपने इसी पर्टिकुलर टॉपिक में फिर इसके बाद में आते हैं वीवी पैरस एंड ओवी पैरस एनिमल्स ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि आपने पहले भी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा शायद देखो हर एक जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो अंडे नहीं देते हैं अंडे हमें मुर्गियों के देखने को मिलेंगे बर्ड्स के देखने को मिलेंगे है ना स्नैक्स के भी हमको जो है ना अंडे मिलते हैं रेप्टाइल्स के भी अंडे है ना मगरमच्छ के अंडे ये सब तो रेप्टाइल्स बर्ड्स वगैरह के आपको अंडे देखने को मिल जाते हैं लेकिन सभी एनिमल्स जो हैं बेसिकली अंडे ले नहीं करते हैं देयर आर सर्टेन एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स भी उसी कैटेगरी में आते हैं मैंने आपको बताया ना कि ह्यूमन बींग्स में नाइन मंथ्स की प्रेगनेंसी का पीरियड होता है इसके बाद में जब बेबी अच्छी तरीके से फुल्ली एकदम डेवलप्ड हो जाता है तो डेवलप्ड बेबी जो है बॉडी के बाहर आ जाता है मदर बॉडी के बाहर आ जाता है तो यहाँ पे क्या हुआ है यहाँ पे ह्यूमन बींग ने क्या किया है सीधे के सीधे एक बेबी डिलीवर किया है यानी कि हम बोल सकते हैं कि सीधे के सीधे अपने यंग वन को जो है ना पैदा किया है सीधी सी बात है लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी उन एनिमल्स की जो कि अंडे देते हैं सपोज़ हम बोलते हैं कि चिड़िया के अंडे मुर्गी के अंडे आप सभी ने देखे होंगे कुछ लोगों ने खाए भी होंगे है ना तो मुर्गी के जो अंडे होते हैं तो देखा जाए तो वो फर्टिलाइज अच्छा अभी आपको फर्टिलाइज एक समझ में नहीं आएगा तो अभी आप इसको ही समझ सकते हो कि जो मुर्गी का अंडा है है ना अगर इससे पहले कि उसमें से चिक का डेवलपमेंट हो जाए उसके पहले अगर हम उसको उठा लें और उसको हमने तोड़ लिया तो उसका योग एल्वीबिन वगैरह सब बाहर आ जाएगा और उसको हमने खा भी लिया तो उससे हम बोलते हैं कि अब चिक्का डेवलपमेंट नहीं होने वाला तो देखा जाए तो वो जो मुर्गी ने अपने एग्स को ले किया है वो जो एग्स है ना वो आगे जा कर के यंग वंस में डेवलप होते हैं तो पहले तो उनने अंडे दे दिए ये अंडे बाद में जाकर के क्या होंगे यंग वंस में डेवलप होंगे जब यंग वंस डेवलप हो जाएंगे फिर उनसे जो है ना एग्स की हैचिंग होगी अंडे तोड़ करके यंग वन्स बाहर निकल आएंगे तो ये चीज़ बाद में होती है लेकिन कुछ एनिमल्स में क्या होता है कि सीधे के सीधे जो यंग वन है वही बाहर निकलता है अंडे वंडे का कोई रोल नहीं होता है तो ह्यूमन बींग्स हो गए डॉग्स हो गए कैट्स हो गए इनके जो बेबीज़ होते हैं वो फुली डेवलप्ड होते हैं बकायदा पूरे हाथ पाँव वगैरह सब होते हैं और फुली डेवलप्ड हम बोलते हैं कि फ़ीटस ही मदर की बॉडी से बाहर आता है अंडों का रोल नहीं होता है लेकिन अगर हम बात करेंगे बर्ड्स की तो बर्ड्स सबसे पहले क्या करती हैं एग्स ही ले करती हैं और यही एग्स आगे जा के डेवलप होते हैं यंग वंस में तो इस टॉपिक में हमें उन्हीं एनिमल्स के ऊपर चर्चा करनी है फिर इसके बाद में मेटामॉरफोसिस क्या होता है मेटामॉर्फोसिस हम बोलते हैं कि Uh, मैंने आपको पहले भी बताया ना कि हमारे जो फ्रॉग्स होते हैं उनका जो लार्वा होता है उसको हम टेटपोल कहते हैं तो कैसे एक लार्वा एडल्ट फ्रॉग में uh, ट्रांसफॉर्म हो जाता है उसी की प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस क्या क्या होता है ये हम पढ़ लेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक में फिर लास्ट टॉपिक होगा अपना क्लोनिंग का क्लोनिंग क्या होती है भाई देखो मैंने आपको बताया ना ए सेक्शुअल के बारे में डिटेल में हम पढ़ लेंगे लेकिन अभी के लिए मैंने आपको ये बताया है कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है है ना और जो बच्चा होगा वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट की तो ए रिप्रोडक्शन के लिए हम हमेशा यही पढ़ते हैं कि जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उन्हीं में ए रिप्रोडक्शन होता है लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि केवल सिंपल ऑर्गेनिजम्स ही क्यों हायर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि शीप यानी कि भेड़ उसमें क्यों नहीं बेसिकली ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने एक शीप के ऊपर क्लोनिंग परफॉर्म करी थी कैसे परफॉर्म करी थी ये हम पढ़ेंगे अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक में बस आपको ये पढ़ना है अभी अभी मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पे जो है ना आपको डॉली के बारे में पढ़ना है डॉली क्या है भाई डॉली हम बोलते हैं कि ये एक फर्स्ट क्लोन्ड शीप थी सबसे पहली दुनिया की ऐसी शीप जिसको क्लोनिंग की प्रोसेस से बनाया गया था तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में अपनी डियर डॉली के बारे में तो ये सब है क्या हमारे इस चैप्टर के टॉपिक्स जिसको कि हमें इस चैप्टर के अंडर कवर करना है ठीक है तो डिटेल में तो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन से तो नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन उसे हम पढ़ लेंगे ठीक है स्टार्ट कर देंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स देखा जाए तो ये टॉपिक हमारे इस चैप्टर का एक मेन टॉपिक है और जिसके अंदर हमें तीन से चार कुछ और सब टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आज के इस सेशन में हम इस मेन टॉपिक के दो सब टॉपिक्स पढ़ेंगे दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस की जिसमें मैंने आपको ये समझाया था कि मेल और फीमेल गैमिट्स का जो फ्यूजन होता है उसी को हम बोलते हैं क्या फर्टिलाइजेशन इसके बाद में हमने दो टाइप्स भी देखे थे इसी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के एक है एक्सटर्नल और दूसरा था इंटरनल इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हम बोलते हैं कि फीमेल बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि फीमेल बॉडी के बाहर यानी कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट में मेल और फीमेल गैमिट्स का फ्यूजन होता है ये पूरी कहानी थी अपने प्रीवियस सेशन की और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की किसमें ह्यूमंस में तो आई होप आज के सेशन का टारगेट सभी को एकदम क्लियर है तो काम करते हैं जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं सो दिस इज विभूति खरे वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मैग्नेट ब्रेन में आपको दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैग्नेट ब्रेन आप सब तक पहुंचा रहा हाँ है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारे ये सेशन जहाँ पे हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ़ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन के कई सारे तरीके हो सकते हैं हम उन सभी तरीकों को क्या करते हैं ब्रॉडली दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं एक होता है ए रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, है ना ये दोनों क्या है रिप्रोडक्शन के ही दो मेथड्स हैं तो जो हमारे सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनमें ए सेक्शुअल मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है और जब हम बात करते हैं अपने हायर एनिमल्स की तो हायर एनिमल्स में हम बोलते हैं कि कौन सा मैथड होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है

उनके रिस्पेक्टिव सेक्स ऑर्गन्स होंगे जो कि क्या करेंगे मेल गैमिट बनाएंगे और जो फीमेल पेरेंट हैं उनकी बॉडी में फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे जो कि क्या करेंगे फीमेल गैमिट बनाएंगे तो मेल गैमिट क्या होता है अब तो हमने पढ़ लिया है ना प्रीवियस सेशन में स्पर्म और ओवम का स्ट्रक्चर तो अब हमें पता है कि मेल गैमिट को हम क्या बोलते हैं स्पर्म्स बोलते हैं एनिमल्स में और फीमेल गैमिट्स को हम क्या बोलते हैं एग्स बोलते हैं या अगर एक है एग तो मतलब एक की अगर गैमिट है तो वो कहलाएगा एग या उसको हम ओवम भी बोलेंगे बहुत सारे अगर एग्स होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे ओवा बोलेंगे ठीक है तो बेसिकली मेल गैमिट क्या हुआ स्पर्म और फीमेल गैमिट क्या हो गया एग या फिर ओवम फिर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि द तो मेल पेरेंट है सेक्स ऑर्गन कॉल टेस्टिस तो बेसिकली आज के इस पूरे सेशन में हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर ही बात करनी है तो आप अभी कुछ समय के लिए ये वाला स्टेटमेंट स्किप कर सकते हैं देखा जाए तो इस स्टेटमेंट में बस यही लिखा है कि जो मेल पेरेंट है उसकी बॉडी में जो सेक्स ऑर्गन है उन्हें हम क्या बोलते हैं टेस्टिस कहते हैं जहाँ पे मेल सेक्स सेल्स यानी कि जो स्पर्म्स है वो उनका फॉर्मेशन होता है कैसे होगा क्या होगा है ना ये कहाँ होती है टेस्टिस वगैरह ये सब हम पढ़ेंगे आज के इसी सेशन में सिमिलरली यहाँ पे बोला गया है कि द फीमेल पेरेंट हैज़ फीमेल सेक्स जिसको हम कहते हैं ओवरीज जहां पे फीमेल सेक्स सेल्स यानी कि फीमेल गैमिट्स और यू कैन से एग्स या ओवा का बेसिकली uh, फॉर्मेशन होता है ठीक है द होल प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इनवॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड एग्स ज्वाइनिंग टूगेदर ऑफ स्पर्म एंड एग टू फॉर्म अ फर्टिलाइज एग जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस सेशन में हमने फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पढ़ी थी है ना तो उसमें क्या होता है कि वैसे तो बहुत सारे स्पर्म्स आते हैं एक ही ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए एक ही एग को फर्टिलाइज़ करने के लिए लेकिन केवल एक ही स्पर्म क्या करता है एक ही ओवम को जाकर के फर्टिलाइज या उसके अंदर जो है ना पेनिट्रेट कर जाता है जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस तो अब जब एक ओवम को स्पर्म आकर के फर्टिलाइज कर चुका है तो अब वो ओवम क्या कहलाएगा वो कहलाएगा एक फर्टिलाइज ओवम या बोल सकते हो कि वो कहलाएगा एक फर्टिलाइज एग इसी फर्टिलाइज एग का दूसरा नाम होता है क्या जायगोट फिर बेसिकली जायगोट क्या होता है एक सिंगल सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है जायगोट के पास न्यूक्लियस कैसे आया तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस सेशंस में कि स्पर्म जो है भाई स्पर्म भी एक सेल ही होता है मेल गैमिट भी एक सेल ही है ओवम यानी कि फीमेल गैमेट भी क्या है एक सेली है तो भले ही इनके स्ट्रक्चर थोड़े से अलग हैं लेकिन टिपिकल जो सेल कॉम्पोनेंट्स होते हैं जैसे कि न्यूक्लियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म वो सब तो इन दोनों में भी प्रेजेंट होंगे स्पर्म में भी प्रेजेंट होंगे और ओवम में भी प्रेजेंट होंगे तो स्पर्म के पास भी क्या होता है न्यूक्लियस होता है ओवम के पास भी क्या होता है न्यूक्लियस होता है तो जिस समय स्पर्म uh, आकर के किसी ओवम को फर्टिलाइज करता है तो दोनों ही गैमिट्स के जो न्यूक्लिया है वो फ्यूज कर जाते हैं और एक न्यूक्लियस बन जाता है और ये न्यूक्लियस किसका होता है जायगोट का होता है ठीक है फिर इसी जायगोट में हम बोलते हैं कि ग्रोथ होता है डेवलपमेंट होता है और फिर इसके बाद में एक बेबी एनिमल बनकर तैयार हो जाता है तो ये बेबी एनिमल कहां से बना है जायगोट से ही बना है उसी में ग्रोथ हुई है डेवलपमेंट हुई है कैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जायगोट देखा जाए तो एक सिंगल सेल होता है लेकिन फिर इसके बाद में इसमें और डिविजन होते जाते हैं मल्टीप्लीकेशन होते हैं जिसके कारण नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं अब जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे तो वो सेल्स मिलकर क्या बनाएंगे अपना ग्रुप बनाएंगे उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे टिश्यूज बोलेंगे टिश्यूज मिलकर अपना एक ग्रुप बनाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे ऑर्गन्स बोलेंगे ऑर्गन्स अपने यू नो कि जो नेबरिंग होंगे एक जैसे वाले ऑर्गन्स जो कि एक ही काम कर रहे होंगे वो शुरुआत होती है किस चीज से शुरुआत होती है तो जायोड से ही शुरुआत होती है, से ही हम बोलते है कि, कि किसी भी बेबी एनिमल की आ, हम बोलते हैं कि फॉर्मेशन होती है चलो द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप्स इन स्टेप्स में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है

एम्ब्रियो ये एम्ब्रियो जो वर्ड है ना इसके ऊपर हम आगे भी अपने नेक्स्ट सेशन में जरूर डिस्कस करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ये जो आपका टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इसमें हमको तीन चार सब टॉपिक्स पढ़ने हैं आई गेस चार पढ़ने हैं ठीक है थीके? तो उन्हीं में से एक सब टॉपिक क्या है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो तो वहाँ पे हम और अच्छे से सीखेंगे कि ये एम्ब्रियो होता क्या है एम्ब्रियो ग्रोज एंड बिकम्स अ फीटस इन विच ऑल द मेन बॉडी फीचर्स ऑफ द बेबी एनिमल हैव है फीटस ग्रोज एंड डेवलप्स इन टू टू फॉर्म अर न्यू बेबी एनिमल ठीक है तो फीटस और एम्ब्रियो के ऊपर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में लेकिन इस सेशन में हमें बात करनी किसके ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर तो यहाँ पे क्या लिखा गया है एक और चीज़ लिखी गई है तो इन ह्यूमन बींग्स देर आर स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टू मेक स्पर्म्स एंड एग्स टू ब्रिंग स्पर्म्स एंड एग्स फॉर फर्टिलाइजेशन एंड मेक अ जाइगोड एंड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ जायगोड इन टू अ बेबी अब अगर आप चाहते हो कि ह्यूमन बींग्स की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाए है ना ह्यूमन बेबीज का फॉर्मेशन होता जाए प्रोडक्शन उनका होता जाए तो इसके लिए आपको जो है सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ह्यूमन बींग्स में एग्जैक्टली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और उसे समझने के लिए हमें सबसे पहले तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो तभी होगा ना जब गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा है ना जब गैमिड्स बनेंगे तभी जाकर के उनका फ्यूजन होगा यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा फर्टिलाइजेशन जब होगा तभी जयगोड बनेगा और इसी जायोर्ड से हम बोलते हैं कि ह्यूमन बेबी जाकर के प्रोड्यूस हो जाएगा तो ये पूरी स्टेप आप तब क्लियर कर सकते हो ये पूरी स्टेप हम बोलते हैं कि तब आ सकती है आखिरी स्टेप ह्यूमन बेबी के फॉर्मेशन की जब गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा तो आखिर ये गैमिट्स बनते हैं कहाँ ह्यूमन है बींग्स में ये भी तो समझना इंपॉर्टेंट है तो चलो हम शुरुआत करते हैं किसके साथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे कि एक अभी जो मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था जहाँ पे लिखा गया था कि जो मेल गैमिट्स हैं जो स्पर्म्स हैं उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है भाई तो सेक्स ऑर्गन्स में होता है सेक्स ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं टेस्टिस बोलते हैं ठीक है ठीके? तो बेसिकली हम बात जब करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम बोलते हैं कि दो ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स आते हैं इस डायग्राम को आप ध्यान से देखते जाइएगा क्योंकि हम पूरा का पूरा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इसी डायग्राम से समझने वाले हैं ठीक है ठीके? तो आपके सामने ये डायग्राम दिख रहा है इसमें आपको चाहो तो मैं इसको थोड़ा सा क्या कर देती हूँ कलर कर देती हूं तो आपको और क्लियरली पे तो यहां पे विजिबल होगा ठीक है तो हम देख रहे हैं कि दो ओवल के स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ठीक है यहाँ पे आपको दो ओवल शेप के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं दोनों ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं टेस्टिस बोलते हैं ठीक है ना मतलब एक जो होगी जो ओवल स्ट्रक्चर होगा इसको हम बोलेंगे और दोनों को ही एक साथ जो पेयर है टेस्टिस का उसको समझा रही हमने से करी, है? हमने करी है मेल सेक्स ऑर्गन के साथ जिसको हम बोलते हैं क्या टेस्टीज तो मेल की बॉडी में दो ओवर शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं एक ओवर शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं टेस्टिज बोलते हैं और दोनों को कंबाइंड टूगेदर हम क्या बोलते हैं टेस्टीज बोलते हैं ठीक है फिर इसके बाद में यहाँ पे होता क्या है क्यों है ये इम्पोर्टेंट क्यों हम पढ़ रहे हैं ये इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहीं पे यहीं पे मेल गैमेट यानी कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे थे कि हाँ मेल की बॉडी में स्पर्म्स बन रहे हैं बन रहे हैं बन रहे हैं लेकिन कहाँ बन रहे हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, पहले भी बताया है कि हमारी बॉडी में आ, हम क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से है ना तो हमारी बॉडी में तो कई सारे सेल्स हैं ये सेल्स क्या होते हैं स्पेशलाइज हो जाते हैं और स्पेशलाइज होने के बाद में हम बोलते हैं कि टिश्यूज़ बनाते हैं ऑर्गन्स बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं तो हर एक काम को करने के लिए एक अपना ऑर्गन सिस्टम है फॉर एग्जाम्पल हम हमको क्या करना है रेस्परेशन करना है तो रेस्परेशन के लिए हम बोलते हैं कि अलग से क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें हमारे लंग्स आते हैं ट्रेकिया वगैरह आते हैं है ना अगर हम बात करते हैं कि इसकी अपने सर्कुलेटरी सिस्टम की तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम बोलते हैं कि हमारा हार्ट आता है और ब्लड वेसल्स

हुई है तो मेल सेक्स ऑर्गन से हुई है जिसको हम क्या बोलते हैं टेस्टीज बोलते हैं ये हम बोलते हैं कि दो ओवल शेप्ड के स्ट्रक्चर्स होते हैं ह्यूमन ह्यूमन की में. की बॉडी बॉडी में में दो ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो? बोलते हो हो टेस्टिस और दोनों को ही अगर बेसिकली हम दोनों की बात करें ना एक पेयर प्रेजेंट होता है टेस्टिस का तो उस पेयर को हम क्या बोलते हैं टेस्टिस बोलते हैं या सिंपली पेयर ऑफ टेस्टिकल्स बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि यहीं पे स्पर्म्स का यानी कि मेल गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है ठीक है अब इसके बाद में ये जो आ, स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो गया है अब इन स्पर्म्स को बाहर भी तो निकलना पड़ेगा ना ये अंदर थोड़ी ना रहेंगे इनको मेल बॉडी से बाहर निकलना पड़ेगा सवाल ये है कि इनको मेल बॉडी से बाहर लेकर के जाएगा कौन तो देखो यहाँ पे हर एक टेस्टिस जो होती है हर एक टेस्टिस जो होती है वो कुछ आ, बेसिकली एक मास होता है ठीक है एक मास होता है कॉइल्ड ट्यूब्स का उससे कनेक्टेड होती है देखो इसको भी मैंने क्या कर दिया है हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो ये रहा ठीक है तो हर एक टेस्टिस के लिए हम बोलते हैं कि एक मास होता है कॉइल ट्यूब का जो कि उससे अटैच होता है ये जो टेस्टिस है इसके साथ भी देख लो एक ये जो मैंने यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट किया है ये क्या है कुछ कॉइल्ड ट्यूब्स का एक मास है तो इन कॉइल ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं एपीडिडमस क्या बोलते हैं एपीडिडमस ठीक है तो स्पम्स का जो भी प्रोडक्शन हुआ है किसके अंदर टेस्टिस के अंदर आ, वो जो स्पर्म्स हैं इसके बाद में वो बाहर कैसे निकलेंगे तो सबसे पहले वो जाएंगे किस में एपिडेडमिस में कहाँ जाएंगे एपिडेडमिस में ठीक है फिर इसके बाद में अब यहाँ से जो स्पर्म्स होंगे फिर वो आगे कहाँ जाएंगे तो एक लंबी सी ट्यूब आती है एक लंबी सी ट्यूब आती है ये वाली इस लंबी सी ट्यूब को हम क्या बोलते हैं बेसिकली इसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस क्या बोलते हैं वास डिफरेंस तो देखो दो अगर टेस्टेज हैं दोनों में हम बोल रहे हैं कि आ, स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है इन स्पर्म्स को क्या करना पड़ेगा मेल की बॉडी से बाहर निकलना पड़ेगा तो इनको बाहर निकालने के लिए अब जो भी चीज़ें आएंगी वो मोस्टली कैसी होंगी पेयर में ही प्रेजेंट होंगी दो दो होंगी जैसे हम बोलते हैं कि दो क्या है टेस्टेज हैं तो उनको आ, उनसे कनेक्ट होने वाली जो एपिडेडिमस है वो भी कितनी है दो हैं फिर इसके बाद में जो स्पर्म्स आ गए हैं में वो कहाँ जाएंगे एक बड़ी सी डक्ट में जाएंगे एक बड़ी सी ट्यूब में जाएंगे जिसको हम कहते हैं वास डिफरेंस तो यहाँ भी

ejaculatory duct यहाँ पे शायद यहाँ पे मेंशन नहीं है मैं लेबलिंग कर देती हूँ ejaculatory duct क्या बोलेंगे ejaculatory duct ठीक है ये कहाँ आएगी तो बेसिकली यहाँ आएगी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक जगह ये तो इसे हम बोलते हैं क्या बेसिकली ejaculatory duct ठीक है तो ये कॉमन डक्ट आ चुकी है स्पर्म्स हम बोलते हैं कि दो टेस्टीज में प्रोड्यूस हो चुके हैं अब उनको बाहर निकलना है ये कौन श्योर sure करेगा तो दोनों ही टेस्ट से अटैच जो एक ट्यूब का मास है, है कहां जाएंगे तो हर एक हम बोलते हैं कि होती है साथ लॉन्ग ट्यूब के साथ जिसको हम बोलते, है, वास दोनों ही वास हम बोलते हैं कि एक कॉमन डक्ट में जाके खुल जाती है जिसको हम बोलेंगे कि डिपर्म्स अब कहा आ गए हैं डक्ट में आ चुके हैं सवाल यह है कि यहां पे आने के बाद होगा क्या तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि अब बेसिकली तीन ग्लैंड्स आने वाली हैं और ये तीनों ग्लैंड्स क्या करेंगी कुछ कुछ अपना सेक्रेशन निकालेंगी और इस सेक्रेशन से होगा क्या इस सेक्रेशन से हम बोलेंगे ये कि हमारे जो आ, मेल की बॉडी में जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए हैं ना वो एक न्यूट्रिशिव फ्लूड में हम बोलते हैं कि आ जाएंगे क्या बोला मैंने कि जो स्पर्म्स हैं वो टेस्टिस से बाहर निकलते 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 कहाँ पहुँच गए फाइनली एक कॉमन डक्ट एजैक्यूलेटि डक्ट में वो आ चुके हैं अब यहाँ पे होगा क्या इस डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद जो स्पर्म्स होंगे ना उनके पास क्या आ जाएगा उनका न्यूट्रेटिव फ्लूड आ जाएगा क्या आ जाएगा न्यूट्रेटिव फ्लूड अब सवाल ये है कि ये न्यूट्रेटिव फ्लूड होता क्या है और क्या ज़रूरत पड़ गई है स्पर्म्स को तो भाई स्पर्म्स को भी तो क्या करना है न्यूट्रिशन चाहिए है ना तो उस न्यूट्रिशन की सप्लाई कहाँ से होगी इसी फ्लूड से होगी इसीलिए इसको मैंने आप लिखा है न्यूट्रेटिक फ्लूड लिखा है साथ ही साथ हम बोलते हैं कि स्पर्म्स के रास्ते में आने वाला जो एसिडिक कंडीशन है ठीक है एसिडिक पीएच बोलो या एसिडिक कंडीशन बोलो स्पर्म के रास्ते में आने वाली जो भी एसिडिक कंडीशन है उनसे क्या करना है स्पर्म्स को अपने आप को बचाना है तो कैसे बचा पाएंगे स्पर्म्स तो स्पर्म्स हम बोलते हैं कि इस फ्लूड के अंदर स्विम करने लगते हैं तो रास्ते में जो भी एसिडिक कंडीशंस आ रही हैं उन एसिडिक कंडीशंस को वो क्या करते हैं आप बेसिकली अपने आप को उस चीज़ से प्रिवेंट कर लेते हैं कि वो जो एसिडिक कंडीशन है वो जो एसिडिक पीएच है वो हमको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा किसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा तो स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा कैसे क्योंकि भाई वो तो फ्लूड में तैर रहे ना तो फ्लूइड क्या करेगा उनको बचा लेगा एसिडिक कंडीशन से ठीक है तो ये जो हम बोलते हैं कि जो हमारे पास न्यूट्रेटिव फ्लूड आया है ये क्या करेगा स्पर्म्स को नरिशमेंट भी सप्लाई करेगा प्लस हम बोलते हैं कि एसिडिक कंडीशन से भी प्रिवेंट करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आखिर ये नरिशमेंट फ्लूड ये न्यूट्रेटिव फ्लूड आता कहाँ से तो मैंने आपको अभी अभी बताया ना कि तीन टाइप की ग्लाइंड आती हैं स्पर्म्स को रेस्क्यू करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इसको मैं किसी और कलर से हाईलाइट कर देती हूँ ये ये आपको दिखाई दे रहे होंगे पेयर एक ये वाला और एक ये वाला तो ये क्या है पेयर है समाइनर वेसाइकल्स का किसका है समाइनल वेसाइकल्स का कुछ इस तरीके से ठीक है तो समाइनल वेसाइकल्स हम बोलते हैं कि ग्लांस होती हैं जो कि कुछ सेक्रीशंस निकालती हैं और वो सेक्रीशन हम बोलते हैं कि कहाँ आती है इसी इजैक्यूटरी डक्ट में आती है जहाँ पे क्या है स्पम्स प्रेजेंट है फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि यहाँ पे आपको एक और ग्लैंड दिखाई दे रही होगी इसको हम इस कलर से हाईलाइट कर देते हैं एक और यहाँ पे आपको ग्लैंड दिखाई देगी जिसको हम बोलते हैं क्या प्रोस्टेट ग्लैंड क्या बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं तो बेसिकली यहाँ पे चल क्या रहा है यहाँ पे तीन टाइप की ग्लैंड आ रही हैं और अपना अपना सेक्रेशन निकाल रही हैं और इन्हीं तीनों के सेक्रेशन से क्या बन जाएगा हमारे स्पर्म्स का न्यूट्रेटिव या नरिशमेंट फ्लूड बन जाएगा तो सबसे पहले आई कौन सी हमारी समाइनल वेसाइकल्स फिर इसके बाद में देखो उनकी पोजीशन देख लो कहाँ होती है फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि यहाँ पे कौन आ गए हैं प्रोस्टेट ग्लैंड आ गई है क्या आ गई है प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि क्या करेगी अपना सेक्रेशन निकालेगी और कहाँ दे देगी एजैक्यूलेटरी डक्ट में दे देगी फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि दोनों ही समाइनल विसाइकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सेक्रीशन हैं वो आ चुकी हैं और इसी सेक्रीशन से हम बोलते हैं कि एक फ्लूड बन चुका है और इसी फ्लूड में क्या होगा जो स्पर्म्स होंगे मेल बॉडी में वो क्या करेंगे तैरते रहेंगे फिर इसके बाद में तैरते तैरते हमेशा के लिए थोड़ी ना वो इजैक्युलेटेड रक्ट में बैठे रहेंगे मेल की बॉडी से बाहर निकलेंगे कैसे बाहर निकलेंगे तो यूरित्राग के थ्रू कैसे निकलेंगे तो यूरित्राग के थ्रू लेकिन अभी जो है ना एक और ग्लैंड है जिसका सेक्रेशन हम बोलते हैं कि बचा है ठीक है जिसका सेक्रेशन हम बोलते हैं कि बचा है और वो ग्लैंड हम बोलते हैं कि बीच में किसी रास्ते में पड़ती है जिसको हम बोलते हैं कूपर्स ग्लैंड क्या बोलते हैं कूपर्स ग्लैंड या उसका दूसरा नाम एक और होता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड तो यहां पे मैं लिख देती हूं क्योंकि यहां पे लिखा नहीं गया है कूपर्स ग्लैंड इसका दूसरा नाम क्या होता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड ये वाली ग्लैंड भी क्या करती है अपना सेक्रेशन निकालती है इससे पहले कि स्पर्म्स जो है ना यूरित्रा के थ्रू बाहर निकल जाए मेल की बॉडी से ये जो ग्लैंड होती है कूपर्स ग्लैंड ये भी अपना सेक्रेशन निकालती है कूपर्स ग्लैंड समाइनल वेसाइकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड इन तीनों ही ग्लाइंट्स के बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो सेक्रेशन आते हैं उस सेक्रेशन से बन जाता है क्या फ्लूइड और इसी फ्लूड में हम बोलते हैं कि स्पर्म्स तैरते रहते हैं तो ये जो फ्लूड और स्पर्म्स का जो कॉम्बिनेशन हुआ है ना इसी को हम बोलते हैं क्या सीमेन क्या बोलते हैं सीमेन बोलते हैं तो सीमेन क्या है बेसिकली तो फ्लूड में तैरते हुए स्पर्म्स तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं क्या सीमिन आई बात समझ में फिर इसके बाद में अब क्या होगा कि ये जो यूरथ्रा होता है ये हम बोलते हैं कि बेसिकली जो मेल की बॉडी में एक और हम बोलते हैं कि ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं पीनस तो ये पूरी पीनस के लेंथ के अक्रॉस हम बोलते हैं कि उसके लेंथ के अलोंग हम बोलते हैं कि जाता है कौन यूरिथ्रा और बीच में हम बोलते हैं कि टिप पे एक छोटा सा होल होता है और इसी होल से हम बोलते हैं कि सीमेन मेल की बॉडी से बाहर आ जाता है तो सीमेन मैंने आपको बता दिया है क्या है फ्लूइड और स्पर्म्स का कॉम्बिनेशन है शुरुआत कहाँ से हुई थी शुरुआत हुई थी टेस्टिस के साथ ठीक है ना मेल की बॉडी में एक पेयर प्रेजेंट होता है सेक्स ऑर्गन का जिसको हम बोलते हैं क्या टेस्टिस। अगर एक टेस्टिस की बात हो रही है तो उसको हम बोलेंगे टेस्टिस दोनों की अगर बात हो रही है तो उसको हम बोलेंगे क्या टेस्टिस अच्छा एक और चीज़ ये है कि ये दोनों ही अच्छा इनका शेप कैसे होता है ओवल शेप का होता है फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि दोनों ही जो टेस्टीज होती हैं ये एक स्किन से बेसिकली कवर्ड होती हैं और इस स्किन को हम क्या बोलते हैं स्क्रॉटम बोलते हैं तो आपको ऐसा नजर आएगा कि ये जो दोनों ही टेस्टिस हैं ये एक सैक लाइक -like स्ट्रक्चर के अंदर एनक्लोज है जिसको हम बोलते हैं क्या स्क्रॉटल सेक क्या बोलेंगे स्क्रॉटल सेक फिर इसके बाद में स्पर्म्स uh, का फॉर्मेशन कहाँ होगा इन्हीं दोनों टेस्टिस के अंदर होगा लेकिन इन स्पर्म्स को मेल की बॉडी के बाहर निकलना है क्योंकि ऑब्वियसली बात है ह्यूमन बींग्स में कौन सा टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल इंटरनल मतलब क्या कि फीमेल बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गैमिट्स का फ्यूजन होगा तो फीमेल की बॉडी में तो अंदर वैसे ही क्या है फीमेल गैमिट्स हैं ऑलरेडी हम बोलते हैं कि ओवा है लेकिन हम मेल uh, गैमेट्स को तो पहुंचना पड़ेगा ना फीमेल की बॉडी से वो कब पहुंचेंगे जब मेल गैमेट्स खुद मेल की बॉडी से बाहर निकलेंगे तो टेस्टीज में तो हम बोलते हैं कि स्पर्म्स बन चुके हैं अब वो बाहर कैसे निकलेंगे तो दोनों ही टेस्टिस से हम बोलते हैं कि uh, एक मास होता है कॉइल ट्यूब का वो अटैच्ड होता है जिसको हम बोलते हैं एपीडिडमिस स्पर्म्स जो हैं दोनों ही टेस्टिस से बाहर निकलेंगे और कहाँ पहुँचेंगे एपीडिडमस में पहुँचेंगे फिर दोनों ही एपीडिडमिस जो होती हैं वो एक लंबी लंबी ट्यूब्स से या डग से कनेक्टेड होती हैं जिनको हम बोलते हैं वास डिफरेंस तो स्पर्म्स कहाँ से कहाँ निकले हैं टेस्टिस से बाहर निकले हैं एपिडिडाइमस तक गए हैं एपिडिडाइमस से हम बोलते हैं कि कहाँ पहुंचेंगे वो वास डिफरेंस तक पहुँचेंगे फिर दोनों की दोनों वास डिफरेंस जो है एक कॉमन डक्ट में खुल जाएंगी जिनको हम बोलते हैं क्या इस वाली डक्ट को इजैक्युलेट्री डक्ट इस इजैक्यूलेट्री डक्ट में होगा क्या ये जो समाइनल वेसाइकल्स हैं ये अपने सेक्रीशन निकालेंगे यहाँ पे जो आपको एक प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाई दे रही है ठीक है ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगी अपना सेक्रेशन निकालेगी तो इस सेक्रेशन से क्या होता है एक फ्लूड बन जाता है ये फ्लूइड क्या करता है बेसिकली स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है प्लस उसको एसिडिक कंडीशन से बचाता है फिर अब फ्लूड में स्पर्म्स तैरेंगे ये जो फ्लूड होगा ये हम बोलते हैं कि यूरिथ्रा के थ्रू मेल बॉडी से निकलने की कोशिश करेगा रित्रा हम बोलते हैं कि आ, पूरे के पूरे जो पीनस है उसके लेंथ के अक्रॉस जाता है है ना ये पूरी की पूरी आपको पीनस दिखाई दे रही होगी और इसी की लेंथ के, के अक्रॉस क्या जाएगा रिथ्रा उर्त, भी जाएगा लेकिन इससे पहले कि जो फ्लूड है जो स्पर्म्स है वो मेल की बॉडी से बाहर निकले थ्रू रिथ्रा एक और ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं कूपर्स ग्लैंड और ये कूपर्स ग्लैंड भी क्या करती है अपना सेक्रेशन निकाल देती है तो कूपर्स ग्लैंड वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड इन तीनों की ही सेक्रेशन को मिला के हम क्या बोलते हैं सीमिन बोलते हैं ठीक है तो सीमेन में क्या होगा फ्लूड होगा और हम बोलेंगे कि स्पर्म्स होंगे

हम बोलते हैं कि यूरिन लेके कौन आता है तो यहाँ पे देखो आपको दो ट्यूब्स दिखाई दे रही होंगी जो कि कहाँ आके खुल रही हैं ब्लैडर में आके खुल रही हैं ये दोनों ट्यूब्स आती कहाँ से हैं तो हमारी किडनी से आती है ऊपर क्या प्रेजेंट है ऊपर हम बोलते हैं कि यहाँ पे किडनी प्रेजेंट है एक पेयर प्रेजेंट होता है किडनीज का हमारे बॉडी में सभी ह्यूमन की ह्यूमन बींग्स की बॉडी में ये एक किडनी ये एक किडनी दोनों की किडनी से हम बोलते हैं कि क्या निकल के आती है बेसिकली ए ट्यूब्स निकल के आती हैं और इन्हीं ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं यूरेटर्स बोलते हैं क्या बोलते हैं यूरेटर किडनी से निकलने के बाद किडनी uh, से बेसिकली निकली क्या दो ट्यूब्स जिसको हम बोलते हैं यूरेटर ये यूरेटर कहाँ आती है यूरेनरी ब्लेडर में आकर के खुल जाती हैं अब इसके बाद में क्या हुआ किडनी को हाँ किडनी के बारे में हम सबको पता है कि वहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है ठीक है अब जो भी यूरिन बन रही है वो इन यूरेटर्स के थ्रू कहाँ आएगी ब्लैडर में आएगी और ब्लैडर में आकर के स्टोर होती जाएगी जब तक कि पूरा का पूरा ब्लैडर भर नहीं जाएगा तब तक की जो यूरिन है वो वहीं बेसिकली स्टोर्ड रहेगी और जैसे ही ब्लैडर भर जाता है यूरिन से तो एक प्रेशर पड़ता है ब्लैडर के ऊपर जिसके कारण हमें लगता है कि नहीं अब हमको वॉशरूम जाना ही पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पे देखो कि ये जो ब्लेडर है ये भी हम बोलते हैं कि कैसे खुल रहा है तो ये ब्लेडर हम बोलते हैं इसको थोड़ी देर के लिए अभी मैं रफ कर देती हूँ प्रोस्टेट ग्लैंड को तो देखो ये जो ब्लेडर है ये भी कैसे खोलेगा इसके अंदर भी जो यूरिन भरी होगी ये भी हम बोलते हैं कि यूरिथ्रा के थ्रू ही मेल की बॉडी से बाहर निकलेगी प्लस हम बोल रहे हैं कि जो भी स्पर्म्स का फॉर्मेशन हुआ है जो भी सीमेन वगैरह है वो भी कैसा होगा यूरिथ्रा के थ्रू ही बाहर निकलेगा तो हमेशा ध्यान रखना कि मेल की बॉडी में जो यूरिथ्रा है वो कॉमन पैसेज होता है किसके लिए यूरिन के लिए भी और सीमेंट के लिए भी या स्पर्म्स भी आप बोल सकते हो ठीक है लेकिन फीमेल की बॉडी में अलग अलग होता है मेल की बॉडी में ये चीज एक जैसी होती है लेकिन फीमेल की बॉडी में ये चीज़ें अलग अलग होती हैं आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब यहाँ पे क्या चीजें लिखी गई हैं वो हम एक बार देख लेते हैं द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन टेस्टीज स्ट्रोटल सेक्स एपिटेटाइमस स्पर्म डग समाइनल वेसाइकल एंड पीनिस चलो फिर इसके बाद में हमने यहाँ पे बोला कि इन मेल अ पेयर ऑफ टेस्टीज इज़ प्रेजेंट अगर एक होगी तो टेस्टिस और बहुत मतलब दो होंगी तो टेस्टीज तो टेस्टिस आर ओवल शेप्ड द मेल सेक्स या मेल गैमिट्स जिसको हम स्पर्म्स बोलते हैं वो कहाँ बनते हैं इन्हीं टेस्टिस में बनते हैं मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन दिस टेस्टिस और ऐसा नहीं है एक या दो या तीन बनेंगे बहुत सारे बनते हैं मिलियंस ऑफ स्पर्म्स कहाँ बनेंगे इन्हीं दोनों टेस्ट में बनेंगे द टेस्टिस आर इन्क्लोज इन टू स्मॉल बैग्स ऑफ स्किन कॉल्ड स्क्रॉटल सेक जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दोनों ही जो टेस्टिस होती हैं उनके ऊपर स्किन की एक कवरिंग होती है तो हमें ऐसा लगता है कि दोनों ही टेस्टिस जो है ना वो एक बैग लाइक -like या सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एनक्लोज है तो उसे हम क्या बोलते हैं स्क्रॉटल सैक बोलते हैं जो स्किन है उनके ऊपर उसको हम बोलेंगे स्क्रॉटम ठीक है टेस्टिस के ऊपर जो स्किन की कवरिंग है उसको हम बोलेंगे स्क्रॉटम और क्योंकि उनका अपियरेंस कैसा है सैक लाइक -like है इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं स्क्रॉटल सैक बोलते हैं देखो यहाँ पे लिखा है स्क्रॉटल सेक एंड एंड आर लोकेटेड आउटसाइड द एबडोमिनल कैविटी खास बात क्या है कि ये जो स्क्रॉटल सेक के अंदर टेस्टीज हैं दोनों है ना ये पूरा का पूरा कहाँ होता है एब्डोमिनल कैविटी मेल की बॉडी में जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके बाहर होता है बाहर क्यों होता है इसका एक अपना सिग्निफिकेंस है भाई देखा जाए तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स वगैरह हैं वो सब बॉडी के अंदर ही होते हैं ना लेकिन ये जो टेस्टीज़ हैं मेल बॉडी के बाहर क्यों पाई जाती हैं स्क्रटल सेक्स के अंदर वो इसलिए क्योंकि जो टेस्टीज है ना इनको थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होता है काम करने के लिए उनका काम क्या है टेस्टिस का कि ये क्या करने वाले हैं स्पर्म्स का फॉर्मेशन करने वाले हैं ना सिर्फ मेल गैमिट्स का फॉर्मेशन बल्कि हम बोलते हैं कि टेस्टिस के अंदर मेल uh, हार्मोन्स होते हैं उनका भी प्रोडक्शन होता है वो हम कब पढ़ेंगे वो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि इन्हीं दोनों टेस्टीज़ में क्या होता है मेल गैमिट्स का स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है प्लस मेल हार्मोन्स भी यहीं पे बनते हैं तो क्योंकि टेस्टीज़ को बहुत काम करना होता है और काम करने के लिए उसको थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए मतलब जो भी हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है मेल की बॉडी का उससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होता है जिसपे वो एफिशिएंटली काम कर सकती है तो इसीलिए कि मेल बॉडी में हम बोलते हैं कि जो टेस्टीज हैं वो जो कि स्क्रॉटल सैक में एनक्लोज होते हैं वो पूरे के पूरे एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकले होते हैं स्लाइटली बिलो द बॉडी टेम्परेचर स्लाइटली अच्छा सो दे आर हेल्ड आउटसाइड द बॉडी इन द बात अब क्या बोला जा रहा है द स्पर्म्स फॉर्म इन द टेस्टीज कम आउट एंड गो इन टू कॉइल ट्यूब कॉल्ड एपीडिडाइमस ठीक है ना तो यहाँ पे आप मास भी लिख सकते हो मास ऑफ कॉइल्ड ट्यूब्स का जिसको हम क्या बोलते हैं एपिडिडाइमस बोलते हैं द स्पर्म्स गेट स्टोर्ड टेम्पररीली इन एपिडिडाइमस फॉर देयर मेच्योरेशन अब जब तक स्पर्म्स मेच्योरेशन के लेवल तक नहीं जाते हैं जब तक वो मेच्योर नहीं हो जाते हैं तब तक वो कहाँ स्टोर रहते हैं एपिडिडाइमस तक में स्टोर होते हैं ठीक है फिर इसके बाद में फ्रॉम एपिडिडाइमस द स्पर्म्स आर कैरिड बाय अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड स्पर्म डक या वास डिफरेंस अब देखो ये जो वास डिफरेंस है ना जो कि मैंने आपको बताई थी डायग्राम में इसका दूसरा नाम भी क्या है दूसरा नाम है इसका स्पर्म डक्ट क्या नाम है इसका स्पर्म डक्ट ठीक है तो अगर आपको पेपर में या क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में स्पर्म डक्ट अगर दिखाई दे तो कंफ्यूज मत होना वास डिफरेंस का ही दूसरा नाम होता है क्या स्पर्म डक्ट हाँ स्पर्म डक्ट चलो ठीक है फिर इसके बाद में ये जो वास्ट डिफरेंस है ये दोनों कहां जाके खुलती हैं डक्ट में जाकर के खुलती हैं स्पर्म्स फ्रॉम डक्ट डीज टू अ डेस्टिनेशन वेयर दे गेट मिक्सड विद फ्लूड किस चीज़ के लिए तो नरिशमेंट के लिए और एसिडिक कंडीशन से प्रिवेंशन के लिए वेरियस ग्लैंड कम टू द रेस्क्यू बाय सेक्रेटिंग अ फ्यू इंपॉर्टेंट सेक्रेशन बहुत सारी ग्लैंड आती हैं जो कि अपने कुछ सेक्रेशन से क्या करती हैं स्पर्म्स को रेस्क्यू करती हैं एग्जाम्पल समाइनल वेसाइकल्स प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कूपर्स ग्लैंड नाउ विद द सेक्रीशंस ऑफ ऑल दीज ग्लैंड फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट इज कम्प्लीट और इन सभी ग्लैंड के सेक्रीशन से सीमेंट का जो फॉर्मेशन है वो कम्प्लीट हो जाता है सीमेंट क्या है एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें कि स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीमेंट क्या है कॉम्बिनेशन होता है फ्लूइड और स्पर्म्स का एक ऐसा फ्लूइड जिसमें कि सीमेंट प्रेजेंट है जो सीमेंट कैरी सॉरी एक ऐसा फ्लूइड जो कि स्पर्म्स कैरी कर रहा है उसे हम बोलेंगे सीमेंट इट इज़ कैरीड आउट बाय द यूरे विच रन थ्रू द पेनिस तो पीनस की पूरी जो लेंथ होती है उसी लेंथ के अलोंग हम बोलते हैं कि युरित्रा ट्रैवल करता है और उसी यरित्रा के थ्रू जो सीमेन है वो मेल की बॉडी से बाहर निकल आ जाता है ऑब्वियस सी बात है मेल की बॉडी से बाहर अगर सीमेन निकल रहा है तो सीमेन मतलब क्या फ्लूइड जिसमें कि स्पर्म्स है तो स्पर्म्स भी क्या होंगे इसी य्रा के थ्रू मेल की बॉडी के बाहर निकल आएंगे इन दिस वे स्पर्म्स कम आउट ऑफ द मेल बॉडी और इस तरीके से जो स्पर्म्स है वो मेल बॉडी के बाहर निकल आते हैं आई बात समझ में चलो फिर इसके बाद में अब नेक्स्ट है हमारे पास क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो आई होप आपको मेल रिप्रोडक्टिव पूरा समझ में आ गया होगा डायग्राम से समझाने की मैंने कोशिश करी है कहाँ से कहाँ क्या क्या चीजें होती हैं स्पर्म्स कहाँ बनते हैं कैसे जो है ना वो इरुत्रा के थ्रू बाहर निकल आते हैं बीच बीच में कौन कौन सी वो चीज़ें उनको मिलती हैं कौन कौन से ग्लैंड सेक्रीशन अपनी आ, यू नो रिलीज करते हैं जिससे कि फ्लूड का जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होता है सीमेन का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी चलो अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर चलो तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम बोलते हैं कि शुरुआत कहाँ से होती है जैसे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की शुरुआत करी थी कि मेल गैमिट्स का फॉर्मेशन कहाँ से होता है तो मेल सेक्स ऑर्गन्स यानी कि टेस्टीज से होता है वैसे ही इसकी भी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे कि भाई फीमेल गैमिट्स यानी कि ओवा का फॉर्मेशन कहाँ होता है तो ओवा का फॉर्मेशन होता है किस में ओवरीज में ओवरीज मतलब कि फीमेल सेक्स ऑर्गन तो फीमेल की बॉडी में ह्यूमन फीमेल की बॉडी में दो ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और इन दोनों ओवर शेप्ड स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं ओवरीज कहते हैं अगर एक होगी तो ओवरी और दो होंगी तो ओवरीज है ना ये भी एक ओवरी है और ये भी एक ओवरी है इन दोनों में ही क्या होता है एग्स या ओवा का फॉर्मेशन होता है आई बात समझ में ना सिर्फ यहाँ पे फीमेल गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है बल्कि यहाँ पे हम बोलते हैं कि कई सारे फीमेल हॉर्मोन्स भी यहाँ से रिलीज होते हैं खैर वो बात की बात है वो हम बाद में पढ़ेंगे फिर इसके बाद में क्या हुआ अब ओवा तो हम बोलते हैं कि बन चुका है तो अब क्या होगा क्या ये ओवा या एग्स जो है वो ओवरीज में ही रहेंगे या ये बाहर भी निकलेंगे क्योंकि ये तो हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स में क्या होने वाला है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने वाला है यानी कि फीमेल की बॉडी के अंदर ही मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा तो मेल की बॉडी का तो हमने अभी अभी समझ लिया है ह्यूमन बींग्स में कि कैसे जो है ना स्प्स का फॉर्मेशन होता है कैसे वो मेल की बॉडी से बाहर निकलते हैं अब सपोज हम बोलते हैं कि फीमेल बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यहाँ पे क्या आ चुके हैं स्पर्म्स आ चुके हैं ठीक है ठीके? यहाँ पे मैं लिख देती हूं कि फीमेल बॉडी में अभी के लिए हम, हम मान लेते हैं कि क्या हो गए हैं स्पर्म्स आ चुके हैं लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो स्पर्म्स है क्या ये ओवरी के लेवल तक जाएंगे फर्टिलाइजेशन करने के लिए या जो एग्स हैं वो खुद बाहर निकलेंगे ओवरी से और तब जाकर के फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी तो इसका जवाब ये है कि डेफिनेटली ये जो एग्स हैं ये जो ओवा हैं इनको बाहर निकलना पड़ेगा देखो मैं आपको पहले ही बता देती हूं ये चीज कहने में तो बड़ी आसान हमें लगती है कि जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल की बॉडी में एंटर कर चुके हैं लेकिन ये जो एंट्री हुई है ना स्पर्म्स की ये इतनी आसान होती नहीं है क्यों क्योंकि स्पर्म्स को जो है ना काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है फीमेल की बॉडी के अंदर आने के लिए एंट्री लेने के लिए तो थोड़ी सी मेहनत तो हम बोलते हैं कि एग्स और ओवा को भी करनी चाहिए ना कि वो क्या करें भाई स्पर्म्स तो इतने अंदर आ चुके हैं तो थोड़ा सा हम बोलते हैं कि एग्स और ओवा भी कॉपरेट करें वो भी जो है ना ओवरी से बाहर करके आए तो हम बोलते हैं कि कि ओवरीज ओवरीज में में जो जो भी या जो भी ओवा का फॉर्मेशन हुआ है से से वो बाहर बाहर निकलते हैं बाहर जाएंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि दोनों ही ओवरीज, दो डक्ट से आपस कनेक्टेड देखो ये वाली जो ओवरी है ये इस डक्ट इन दोनों ही डक्ट को हम क्या बोलते है? हम कहते हैं फैलोपीयन ट्यूब्स या फेलोपियन डक्ट्स भी बोल सकते हैं ठीक है तो हर एक ओवरी से अटैच एक फेलोपियन ट्यूब होगी इस ओवरी के पास इसकी वाली फेलोपियन ट्यूब और इस ओवरी के पास इसकी वाली फेलोपियन ट्यूब खास बात क्या है इस फेलोपियन ट्यूब की कि ये कर क्या रही है ये दोनों ही ओवरीज को मतलब जो फेलोपियन डक्ट्स है ना ये कर क्या रही हैं दोनों ही ओवरीज को कनेक्ट कर रही हैं किसके साथ कनेक्ट कर रही हैं तो ये स्ट्रक्चर के साथ ये क्या है ये है यूट्रस ये क्या है भाई ये है यूट्रस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फीमेल की बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है क्या यूट्रस फीमेल की बॉडी का तो यहाँ पे हुआ क्या ये जो फेलोपियन ट्यूब क्या है ओवरीज को कनेक्ट कर रही किसके साथ यूट्रस के साथ चलो ठीक है लेकिन जरा आप ये बताओ कि यहाँ पे जो आपको एक अटैचमेंट दिखाई दे रहा होगा ओवरी और फेलोपियन ट्यूब के बीच का लेकिन इस अटैचमेंट में आपको क्या दिखाई दे रहा है कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे होंगे कुछ इस तरीके के है ना ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या है भाई इन्हें हम बोलते हैं फिमरे क्या बोलते हैं फिमरे बोलते हैं तो माना कि फेलोपियन ट्यूब्स के साथ जो रिस्पेक्टिव ओवरीज हैं वो अटैच्ड हैं लेकिन कैसे अटैच्ड हैं तो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के थ्रू यहाँ भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन्हें हम क्या बोलते हैं फिमरे कहते हैं इनका काम क्या होता है इनका काम होता है ओवरी से एग्स को या ओवा को लेना क्यों क्या जरूरत पड़ गई है इनकी तो ज़रूरत ये पड़ी है याद करो मैंने आपको ओवा और स्पर्म दोनों का स्ट्रक्चर समझाया है जो स्पर्म्स होते हैं ना वो तो फीमेल की बॉडी तक इसलिए आ पाए हैं क्योंकि उनके पास टेल होती है तो उस टेल को वो मूव करके अपना मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन ज़रा ये ओवा या एक्स के बारे में सोचो इनके पास तो कोई टेल नहीं होती है इसका मतलब क्या कि जो स्पर्म्स है ना वो होते हैं मोटाइल यानी कि ये मूवमेंट शो कर सकते हैं किसके हेल्प से अपनी टेल की हेल्प से ये लेकिन ये जो एग और ओवा होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं ये अपनी जगह से हिल ही नहीं सकते हैं तो अगर ये खुद नहीं हिलेंगे तो किसी ना किसी को तो इनको जा के हिलाना पड़ेगा ना तो ये फिमरे यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का काम क्या होता है कि यही इस तरीके से ओवरी से ओवा को कलेक्ट करते हैं और कहाँ लेकर के जाते हैं इस फेलोपियन ट्यूब के लेवल तक लेकर के जाते हैं तो अब हुआ क्या ये जो फेलोपियन ट्यूब है ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसके पास पहुंच गया है क्या सपोज एक एग ये क्या पहुंच गया है एक एग पहुंच गया है किसके लेवल पर फेलोपियन ट्यूब के लेवल तक अब क्या होगा स्पर्म्स ऑलरेडी आ चुके हैं फीमेल की बॉडी में है ना ये जो स्पर्म्स होंगे ये और मेहनत करेंगे कैसे मेहनत करेंगे तो ये स्पर्म्स यूट्रस के लेवल तक नहीं रुकेंगे. ये और आगे जाएंगे कहां तक आगे जाएंगे तो ये जाएंगे फेलोपियन ट्यूब के लेवल तक क्योंकि बेचारे जो ओवा हैं वो तो नॉन मोटाइल हैं वो तो मूव कर नहीं सकते हैं ज्यादा लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उनने मूव किया है थैंक्स टू फिमरे इन्होंने क्या किया है कि ओवरी से ओवा को एटलीस्ट बाहर तो निकाला और बाहर कहाँ निकाला फेलोपियन ट्यूब तक लेकर के आ गए हैं अब फेलोपियन ट्यूब में जो एग या जो ओवा आया है उसके लेवल तक हम बोलते हैं कि स्पर्म्स आएंगे और रेस लगाएंगे वो वाला स्पर्म जो जीतेगा वो क्या करेगा एक ओवम को जाकर के एक एग को जाकर के फर्टिलाइज कर लेगा तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे देखो फेलोपियन ट्यूब्स का एक और सिग्निफिकेंस निकल करके आया है कि ना सिर्फ फेलोपियन ट्यूब्स या डग्स ओवरीज़ को कनेक्ट करती हैं यूट्रेस से प्लस हम बोलते हैं कि ये साइट है फर्टिलाइजेशन का हमको ये पता रहा था कि ह्यूमन बींग्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल की बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन लेकिन कहाँ हो रहा है ये तो अभी तक हमें पता ही नहीं था अब जाकर के पता चला है कि भाई फेलोपियन ट्यूब्स नाम की क्या होती हैं दो डक्ट्स होती हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं और यही फेलोपियन ट्यूब्स या डक्ट्स क्या होती हैं फर्टिलाइजेशन की साइट होती हैं यहीं पे आकर के मेल और फीमेल गैमेट यानी कि एग या स्पर्म का क्या होता है फ्यूजन होता है हम सबको पता है कि इस फ्यूजन से होने क्या वाला है इस फ्यूजन से हम बोलते हैं कि जायगोट जायगोट बनने वाला है अब क्या होगा जायगोट में हम बोलते हैं कि डिवीजन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और इस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से हम बोलते हैं कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और फिर इसके बाद में ये एम्ब्रियो एमरियो कहा जाएगा क्या ये यहीं बैठा रहेगा बिल्कुल भी नहीं ये एम्ब्रियो हम बोलते हैं कि कहा जाएगा यूट्रस के लेवल तक जाएगा और यूट्रस की जो अंदर वाली जो वॉल है ना उसमें जा कर के क्या हो जाएगा फिक्स हो जाएगा और फिक्स होने के बाद में हम बोलते हैं कि यहीं पे फिक्स रह करके उसमें फर्दर ग्रोथ होगी डेवलपमेंट होगी और ह्यूमन बेबी हम बोलते हैं कि यूट्रस में ही बनता है फिर इसके बाद में अब ये जो ह्यूमन बेबी बना है ह्यूमन बींग्स में प्रेगनेंसी का पीरियड कितने महीनों का होता है नौ महीने का होता है तो आफ्टर नाइन मंथ्स ये जो फुली ग्रोन बेबी होगा जिसको कि हम फीटस भी बोल सकते हैं ये बाहर निकलेगा मदर की बॉडी से बाहर निकलेगा अब सवाल ये है कि कैसे बाहर निकलेगा तो देखो इधर पे ये जो आपको यूट्रस दिखाई दे रहा है यूट्रस का एक माउथ होता है यानी कि एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सर्विक्स ठीक है जैसे कि ये यूट्रस के अंदर वाली वॉल्स हैं और ये अंदर वाली वॉल्स एक ओपनिंग पे जाकर के खुल रही हैं है ना और इसी ओपनिंग को हम बोलते हैं क्या सर्विक्स क्लियर है अब इसके बाद में क्या होगा ये जो सर्विक्स होगा ये फर्दर जाकर के और कहाँ खोलेगा तो ये खुलता है वेजाइना में कहाँ खुलता है वेजाइना में तो ये यूट्रस का जो माउथ है वो क्या हुआ सर्विक्स सर्विक्स आगे जाके खुलता है किसमें वेजाइना में तो ये सर्विक्स और वेजाइना ये दोनों ही क्या होते हैं ये मिलके बना देते हैं बर्थ कैनाल क्या बना देते हैं बर्थ कैनाल सर्विक्स एंड वेजाइना टुगेदर फॉर्म बर्थ कैनाल बर्थ कैनाल और इसी बर्थ कैनाल के थ्रू जो फुली ग्रोन डेवलप्ड फीटस होगा वो मदर बॉडी से बाहर निकल आता है यूट्रस के बाहर निकल आता है कितने महीनों बाद तो ना नाइन मंथ्स बाद ठीक है मतलब प्रेगनेंसी का पीरियड होने के बाद में बेबी की डिलीवरी हो जाती है कुछ इस तरीके से आई आपको बात समझ में ये जो स्पर्म्स की एंट्री मैंने आपको बताई थी ना कि स्पर्म्स की एंट्री हम बोलते हैं कि आ, यूट्रेस में हो चुकी है तो ये स्पर्म्स आए कहाँ से थे ये स्पर्म्स हम बोलते हैं कि वेजाइना के थ्रू ही आए थे बेसिकली जैसे कि मैंने हमने अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है उसमें हमने पीनिस की बात करी थी ना तो जो पीनिस होती है ये वेजाइना के अंदर बेसिकली इंसर्ट होती है और इंसर्शन के बाद में स्पर्म्स यहाँ पर रिलीज हो जाते हैं तो स्पर्म्स यहाँ पे आ चुके हैं स्पर्म्स आ चुके हैं स्पर्म्स हम बोलते हैं कि वेजाना के थ्रू कहाँ जाएंगे बेसिकली uh, जो सर्विक्स है यानी कि यूट्रस का जो माउथ है उसके थ्रू अंदर जाएंगे कहाँ जाएंगे यूट्रस के अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद कहाँ पहुँचेंगे यूट्रस में पहुँचेंगे फिर आगे कहाँ जाएंगे वो जाएंगे फेलोपियन ट्यूब के लेवल तक क्योंकि क्या करना है उनको एग को फर्टिलाइज़ करना है बिना एग के फर्टिलाइजेशन uh, के हम बोलते हैं कि यहाँ पर जायगोड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है ठीक है तो स्पर्म की एंट्री कहाँ से हो रही है वेजाइना से हो रही है वेजाइना से फिर, फिर वो जाता है सर्विक्स सर्विक्स से वो पहुंचते हैं कहाँ यूट्रस में यूट्रस से फिर वो पहुंचते हैं कहाँ फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ जायगोड बना जायगोड हम बोलते हैं कि फेलोपियन ट्यूब से बाहर निकला कहाँ पहुँचा यूट्रस के अंदर वाली लाइनिंग पे पहुंचा अंदर वाली लाइनिंग पे पहुंचने के बाद उसी से अटैच हो गया वहां पे उसकी ग्रोथ हुई एक फीटस का डेवलपमेंट हो गया जब नाइन मंथ्स का पीरियड हो जाता है इसके बाद में ये फीटस मदर की बॉडी से बाहर निकलता है यूट्रस से बाहर निकलता है कैसे निकलेगा तो सबसे पहले वो पहुंचेगा सर्विक्स में सर्विक्स के बाद वो पहुंचेगा वजाइना से तो वजाइना और सर्विक्स मिलकर क्या बनाते हैं बर्थ कैनाल बनाते हैं तो वजाइना हम बोलते हैं कि वजाइना और सर्विक्स स्पर्म की एंट्री का भी काम करते हैं वहीं से स्पर्म की एंट्री होती है प्लस हम बोलते हैं कि वो बर्थ कैनाल भी मिलकर बना देते हैं आई बात समझ में तो ये पूरा क्या है ये पूरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने दोनों सिस्टम पढ़ ली हैं मेल वाला भी और फीमेल वाला भी आपको क्या लगता है कि कॉम्प्लेक्स कौन सा होना चाहिए तो आप बोलोगे कि मैम शायद हमको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है जबकि ऐसा है नहीं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना ये एक कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है क्यों क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ गैमीज का फॉर्मेशन हो रहा है बल्कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया सक्सेसफुल रहा तो फिर यहाँ पे एक ह्यूमन बेबी का भी डेवलपमेंट होगा एक पूरा का पूरा बेबी हम बोलते हैं कि इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर यूट्रस के अंदर डेवलप होने वाला है उसकी ग्रोथ होने वाली है तो ये सिस्टम कैसा होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो हम बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है और कुछ मेल मेल जो है ना रिलीज हो जाएंगे वहाँ से वहाँ पे बन जाएंगे बस वहाँ पे गैमिट्स का फॉर्मेशन होने वाला है और कुछ नहीं होगा लेकिन यहाँ देखो यहाँ पे तो गैमिट्स का फॉर्मेशन भी हो रहा है है ना मेल uh, गैमिट्स अंदर भी आ रहे हैं उनका फ्यूजन भी हो रहा है फ़र्टिलाइजेशन भी हो रहा है फ़र्टिलाइजेशन के बाद में यहाँ पे एमरीओ uh, का फीटस का डेवलपमेंट भी हो रहा है बेबी का डेवलपमेंट भी हो रहा है तो यहाँ ये यह जो सिस्टम होता है ना फीमेल रिपोडक्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है आई बात समझ में चलो तो ये पूरा हमने समझ लिया है क्या मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या यहाँ पे बोला जा रहा है कि सबसे पहले होती है ओवरीज ओवरीज पेयर्ड होती हैं है ना दो ओवरी होती है लेफ्ट और राइट right वाली ओवल शेप की होती हैं और ये क्या होती है फीमेल की बॉडी में एबडोमिनल कैविटी में लोअर पार्ट में होती है नीचे वाले हिस्से में होती हैं इट प्रोड्यूस मेल गैमिट्स ओवा और एग एंड सेक्रीट फीमेल सेक्स हॉर्गन सेक्स हॉर्मोन्स इधर ऑफ द ओवरीज प्रोड्यूस ओवम वन ओवम एवरी मंथ तो बेसिकली होता क्या है हर मंथ ओवम का प्रोडक्शन होता है एक मंथ में ये वाली मतलब बारी बारी से दोनों ओवरीज एक एक ओवम प्रोड्यूस करती हैं हर मंथ एक मंथ में लेफ्ट वाली ओवरी ने प्रोड्यूस कर दिया ओवम सेकेंड मंथ में राइट right वाली ने कर दिया फिर थर्ड वाली थर्ड मंथ में लेफ्ट वाली ओवरी कर देगी ओवम को प्रोड्यूस और हम बोलते हैं कि फोर्थ मंथ में राइट right वाली ओवरी प्रोड्यूस कर देगी ओवम ठीक तो है तो टर्न वाइज चलती हैं ये दोनों एक महीने में अगर इसने ओवम प्रोड्यूस किया है तो उसके नेक्स्ट मंथ में ये वाली ओवरी ओवम प्रोड्यूस कर देगी ठीक है कई बार ऐसा होता है कि ओवरीज में जो है ना कभी कभी सिस्ट हो जाती है गाँठें पड़ जाती हैं और वो गाँठे हम बोलते हैं कि कैंसर कॉजिंग हो सकती हैं तो बेहतर ये होता है कि ओवरी को ही जो है ना बेसिकली रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से तो अब खुद सोचो आप कि अगर हमने एक ओवरी दो ओवरीज है ना यू वन फीमेल में तो अगर हमने एक ओवरी को रिमूव कर दिया तो अब केवल एक ही ओवरी बची है सिर्फ यही यही वाली ओवरी बची है तो ओवम या एग का फॉर्मेशन जो है सिर्फ इसी वाली ओवरी से होगा है ना और हमको ये अभी, अभी मैंने आपको सिखाया कि दोनों टर्न वाइज चलती हैं ओवरीज Uh, एक मंथ में अगर ये प्रोड्यूस करेगी ओवम तो नेक्स्ट मंथ में ये प्रोड्यूस करेगी तो अगर एक ओवरी uh, हम बोलते हैं कि चलो एग्जाम्पल के लिए हम बोलते हैं कि एक लाइफ में एक लाइफ में जो ह्यूमन फीमेल है वो करीबन हंड्रेड एग्स कितने एग्स तो हंड्रेड एग्स प्रोड्यूस कर रही है एक लाइफ में जो एक ह्यूमन फीमेल है वो अगर हंड्रेड एग्स प्रोड्यूस कर रही है तो फिफ्टी एग्स आ रहे हैं यहाँ से और फिफ्टी एग्स आ रहे हैं कौन से वाली ओवरी से दूसरी वाली ओवरी से तो 50 इसने बना दिए, 50 इसने बना दिए। लेकिन हुआ क्या कि हमने ये वाली ओवरी रिमूव कर दी तो अब कितनी ओवरी बची एक ही ओवरी बची तो यहाँ पे नंबर ऑफ एक्स का प्रोडक्शन भी तो कम हो जाएगा ना और अगर नंबर ऑफ़ एक्स का प्रोडक्शन कम हुआ तो फिर क्या होगा फ़र्टिलाइजेशन के चांसेस भी कम हो जाएंगे और अगर फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हुए इसका मतलब क्या प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम हो जाएंगे तो कई बार आपने सुना होगा कि ओवरीज को जो है ना दो में से एक ओवरी को रिमूव कर दिया है तो कंसीव करने में यानी कि प्रेगनेंसी में दिक्कत हो रही है दिक्कत क्यों हो रही है क्योंकि देखो ना दोनों ही ओवरीज़ क्या करती हैं एक बार ये बनाएगी एग एक, एक बार ये बनाएगी एग तो अगर एक ह्यूमन फीमेल एग्जाम्पल लिया है अपनी पूरी लाइफ में हंड्रेड एग्स प्रोड्यूस कर रही है वैसे तो इससे ज़्यादा होती है तो फिफ्टी uh, यहाँ से आने वाले हैं फिफ्टी इस ओवरी से आने वाले हैं और अगर हमने ये वाली ओवरी हटा दी है तो अब सिर्फ इसी ओवरी के थ्रू एग का प्रोडक्शन होगा तो एग का जो बेसिकली uh, जो नंबर है वो कम हो जाएगा और अगर नंबर कम हो रहा है इसका मतलब फ़र्टिलाइजेशन के चांसेज भी कम हो रहे हैं प्रेगनेंसी के चांसेज भी कम हो ही जाएंगे एनी anyway, वे फिर इसके बाद में ये हुई बात किसकी ओवरी की कि एग भी रिलीज करती है बनाती है और फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स भी ये बनाती है फिर नेक्स्ट क्या है ओवा या एग तो ये तो फीमेल गैमिट होता है यहाँ पे एम लगा लेना इट इज़ माइक्रोस्कोपिक राउंड होता है सिंगल सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन सब होता है ओविडक्ट की अगर हम बात करें तो ये फेलोपियन ट्यूब्स जो हैं अच्छा हाँ इनको हम बोलते हैं कि ये फनल शेप्ड की होती हैं ठीक है ओविडक्ट्स को हम फेलोपियन ट्यूब्स का ही दूसरा नाम होता है क्या ओवीडक्ट ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया था ना कि दोनों ओवरीज को कनेक्ट करने वाली एक ट्यूब होती है जिसको हम बोलते हैं क्या फेलोपियन ट्यूब और इसी फेलोपियन ट्यूब का नाम होता है क्या दूसरा ओवीडक्ट क्या नाम है ओवीडक्ट दो है तो ओवी डक्ट्स बोलेंगे इसको हम ठीक है इनका शेप हम बोलते हैं कि फनल शेप होता है फनल मतलब कि वो जो पिपड़ी होती है ना वो वाला है ना पिपड़ी कैसी होती है कुछ इस तरह की और नीचे जा कर के ये पतली हो जाती है तो हम बोल रहे हैं कि इन ओवी डक्ट्स का फेलोपियन ट्यूब का भी शेप कैसा होता है ऐसे ही होता है ऐसा होता है क्या हाँ ना ऐसे ही तो होता है देखो पे फिर से मैं बना देती हूँ यहाँ पे यहाँ से आ रही है क्या ओवीडक्ट और यहाँ पे इसका जो शेप है वो फनल जैसा हो गया क्यों हुआ है फनल जैसा क्योंकि यहाँ पे आ गई है क्या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यानी कि फिमरे फिमरे का अपना एक सिग्निफिकेंस है फिमरे नहीं होंगी तो फिर एग को ओवरी से बाहर लेकर के आएगा कौन ओविडक्ट में फिर इनका शेप कैसा होगा फनल शेप होगा ट्यूब नियर द ओवरी दैट कैरीज ओवा फ्रॉम ओवरी टू यूटरस अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स आर प्रेजेंट इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन और यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है नेक्स्ट क्या है यूट्रस जिसको हम वूम भी बोलते हैं ये हॉलो होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है वेयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस टेक्स प्लेस इट लोअर्स इट लोअर नैरोअर एंड सर्विक्स ओपन इन टू वेजाइना अच्छा तो बेसिकली इसका जो नेरो uh, एंड होता है यूट्रस का उसको हम बोलते हैं सर्विक्स जो कि कहाँ जाके खुलता है वेजाइना में जाकर के खुलता है वेजाइना ये क्या करता है स्पर्म को रिसीव करने का काम करता है फ्रॉम द मेल बॉडी और बर्थ कैनाल की तरह हम बोलते हैं कि काम भी करता है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पीनस है वो कहाँ आके इंसर्ट होती है वेजाइना में वहीं पर वजाइना में ही स्पर्म्स की एंट्री होती है तो वजाइना क्या करेगी स्पर्म्स की एंट्री को भी अलाउ कर रही है प्लस हम बोल रहे हैं कि ये बर्थ कैनाल की तरह भी सर्व करती है ठीक है चलो तो ये हुआ क्या अच्छा अभी और बाकी है द स्पर्म्स एंटर्स इन टू वजाइना पास थ्रू द यूट्रस एंड गो इन टू द ओविडक्स द टेल ऑफ द स्पर्म्स अब देखो स्पर्म्स इतनी मेहनत कर रहे हैं चलो स्पर्म्स हम बोलते हैं कि वजाइना में तो आ गए हैं लेकिन हम बोल रहे हैं कि वजाइना से उनको बहुत आगे जाना है स्पर्म्स यहाँ पे आए हैं और यहाँ से फिर उनको जाना है कहाँ सर्विक्स के थ्रू होते हुए यूट्रस में यूट्रस को पूरा वहाँ बोलते हैं कि क्रॉस करके उन्हें पहुँचना है फेलोपियन ट्यूब में कुछ इस लेवल तक तो इतना उनको मूव करना पड़ेगा तो इस मूवमेंट में किसकी ज़रूरत पड़ेगी भाई इस मूवमेंट में ज़रूरत पड़ती है स्पर्म की जो टेल होती है ना उसकी तो टेल के हेल्प से ही स्पर्म्स मूव कर पाते हैं और इसीलिए वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके फीमेल गैमिट एग तक पहुंचते हैं अब अगर आपको याद हो तो हमने जो अभी अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है उसमें मैंने आपको बताया है सीमेंट के बारे में सीमेंट क्या है फ्लूइड जो कि कैरी करता है क्या स्पर्म्स ये फ्लुइड कहाँ से आता है तो तीन ग्लैंड समाइनल वेसाइकल प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कूपर्स ग्लैंड ये तीनों ही तीनों ग्लैंड क्या करते हैं अपने अपने सेक्रेशन रिलीज करते हैं और इन्हीं ग्लैंड के सेक्रेशन को हम बोलते हैं फ्लूड ये फ्लूइड क्या करता है स्पर्म्स को नरिश करने का काम भी करता है प्लस एसिडिक पीएच से भी बचाता है अब सवाल यह है कि ये एसिडिक पीएच या कंडीशन कहां आने वाली है तो जिस समय वेजाइन वजाइना में स्पर्म्स की एंट्री होती है ना तो वजाइना का जो पीएच है वो कैसा होता है स्लाइटली एसिडिक होता है कैसा होता है स्लाइटली एसिडिक तो पता चले कि अगर सिर्फ क्या आए हैं वजाइना में स्पर्म्स आए हैं तो स्पर्म्स जैसे ही इस वजाइना में अंदर घुसेंगे और उनका सामना होगा वजाइना के एसिडिक पीएच से तो बेचारे वहीं के वहीं वो मर जाएंगे इसीलिए स्पर्म्स को कौन कवर करता है कौन प्रोटेक्ट करता है फ्लूइड कवर uh, करता है तो भले ही वेजाइना में कितना भी एसिडिक पीएच वगैरह क्यों कुछ ना हो जो स्पर्म्स हैं उनकी डेथ नहीं होती है भाई स्पर्म्स के है सेली तो है ना तो उनके ऊपर कोई कवरिंग तो होती नहीं है स्पर्म्स के ऊपर है ना तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो फ्लूइड वही प्रोटेक्शन का काम करता है तो वजाइना में चाहे पीएच कितना भी एसिडिक क्यों ना हो स्पर्म्स की यहाँ पे डेथ नहीं होती है स्पर्म्स जो है ना दौड़ते 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 अपनी टेल के थ्रू कहाँ पहुँचते हैं सर्विक्स सर्विक्स से कहाँ पहुँचते हैं यूट्रस और यूट्रस से कहाँ पहुँच जाते हैं फेलोपियन ट्यूब के लेवल तक पहुँच जाते हैं इतनी मेहनत करनी है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी तो एनर्जी कहाँ से मिलती है स्पर्म्स को माइटोकॉन्ड्रिया याद होगा आपको मैंने आपको बताया था कि स्पर्म का जो मिडिल पीस होता है वहां पे स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है स्पाइरल शेप का ठीक है तो उस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है तो ये सारी चीजें अपनी हो चुकी हैं ओके द टेल ऑफ द स्पर्म हेल्प्स इन मूविंग एंड रीच द ओवीडक् इफ एट द सेम टाइम द ओवरी ऑफ अ वमेन रिलीज ओवम या एग देन दिस एग ऑल्सो गोज इन टू द ओवीडक्ट अब देखो स्पर्म्स तो आ चुके हैं फेलोपियन ट्यूब के लेवल तक डक तक लेकिन अगर सेम टाइम पे एग भी रिलीज हो चुका है ओवरी से तो, तो हम बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा अब जरा ये सोचो कि बेचारे जो स्पर्म्स हैं वो तो आ गए हैं कहाँ तक फेलोपियन ट्यूब के लेवल तक लेकिन ये जो ओवरी है इसने अभी तक ओवम रिलीज किया ही नहीं तो क्या होगा कि स्पर्म्स यहाँ पे कुछ घंटों तक रहेंगे इसके बाद में इनकी डेथ हो जाएगी ठीक है क्यों क्योंकि हमेशा के लिए थोड़ी ना स्पर्म्स आए हैं फीमेल बॉडी में कभी ना कभी तो इनकी डेथ होगी देखो क्या होता है ना कि हमारी बॉडी क्या करती है किसी भी फ़ॉरेन बॉडी को या किसी भी फॉरेन सेल को जो है ना वो अपना दुश्मन समझती है और समझना भी चाहिए इसी को तो हम बोलते हैं क्या अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम कि अगर कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो हमारी बॉडी क्या करेगी उसको एनालाइज़ करेगी कि अरे ये तो अपना जाना पहचाना नहीं लग रहा है ये तो बाहर से आया है यानी कि पक्के में इन्फेक्शन कॉज करेगा चाक करके इसको मार डालते हैं वरना इन्फेक्शन हो जाएगा और बीमारी हो जाएगी और फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या होता है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है न, uh, है ना सेल्स को एनालाइज करता कि कौन से बॉडी वाले मैंने कि और कौन से, बाहर से आए हैं इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं तो देखा जाए, जो आए है, ये भी तो दूसरी बॉडी से ही आए हैं ना तो होगा क्या कि ये भी बहुत टाइम तक फीमेल की बॉडी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे जब ये फेलोपियन ट्यूब के लेवल तक आए हैं उसी समय अगर ओवरी से ओवम भी रिलीज हो जाता है एक ओवरी से एक बार रिलीज होगा दूसरी ओवरी से दूसरी बार रिलीज होगा है ना तो अगर उसी समय एक ओवरी से क्या हो रहा है ओवम रिलीज हो जा रहा है तो दोनों मेल और फीमेल गैमिट्स का फ्यूजन हो जाएगा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा लेकिन अगर स्पर्म्स आ गए हैं लेकिन अभी तक ओवा रिलीज नहीं हुआ है तो क्या होगा ये जो स्पर्म्स हैं वो मर जाएंगे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी या ऐसा भी हुआ कि ओवम तो देखो ओवम तो हम बोलते हैं कि हर महीने रिलीज होता है जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक महीने में इस वाली ओवरी से दूसरे महीने में इस वाली ओवरी से तो एग तो हम बोलते हैं कि हर महीने रिलीज हो रहा है और फेलोपियन ट्यूब के लेवल तक पहुंच रहा है लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि जिस समय ओवम फेलोपियन ट्यूब के लेवल तक पहुंचा है उसी समय हम बोलते हैं कि स्पर्म्स भी पहुंच जाए अगर स्पर्म्स नहीं पहुंचेंगे उस समय तक तो ये जो ओवा होगा ये भी हम बोलते हैं कि यूट्रस में चला जाएगा और यूट्रस में जाने के बाद हम बोलते हैं कि वजना के थ्रू बाहर निकल आएगा तो यहां पे भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा तो फर्टिलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब स्पर्म्स और ओवम दोनों ही साइमल्टेनियसली एक ही समय कहाँ मिले फेलोपियन ट्यूब में मिल जाए अगर मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा वरना नहीं होगा चलो आ, अब हम बात करते हैं अच्छा आगे किसकी वन ऑफ द स्पर्म्स एंटर्स द एग सारे स्पर्म्स में से मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में से केवल एक ही एग Uh, एक ही स्पर्म एग के अंदर एंटर करता है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन ये तो हमें पता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द ऑफ स्पर्म फ्यूज न्यूक्लियस ऑफ एक्सेल टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस ये भी हमको पता है कि दोनों ही सेल्स के न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं This results in the formation of a fertilized egg called zygote. Thus, sperm combines with the egg in the oviduct and fertilizes it to form a zygote. यानी yani कि जो sperm है, वो egg cell को कहाँ fertilize करता है? Oviduct में, यानी कि fallopian tube में ही, और zygote का formation हो जाता है. The zygote या fertilized egg is the beginning of the formation of a new baby or a new individual. और ये जो zygote का formation हुआ है, fertilized egg का formation हुआ है, ये क्या है? Beginning है. किस चीज़ की beginning है? तो एक new baby या एक new individual बनने की बिगनिंग है शुरुआत है ठीक है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रोसेस को समझाया गया है इस डायग्राम से आप देख सकते हो कि ओवरी में ओवरी हम बोलते हैं कि एग का फॉर्मेशन हुआ फिमरे ने जो कि फेलोपियन ट्यूब में हम बोलते हैं कि फिंगर लाइक -like प्रोजेक्शंस होते हैं इन फिमरे ने क्या किया है ओवम को ले लिया है और कहाँ आ गए हैं फेलोपियन ट्यूब में ये आ चुके हैं ठीक है ना फेलोपियन ट्यूब में हम बोलते हैं कि स्पर्म्स की भी एंट्री हो चुकी है तो फ्यूजन हो गया फ्यूजन के बाद हम बोलते हैं कि जायगोट बना अब जायगोट में हम बोलते हैं कि कंटिन्यूसली रिपीटेडली डिविजन होते ही जाएंगे और इन डिवीजन से क्या होगा नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जाएंगे तो देखो यहाँ पे सिंगल सेल था अब देखो यहाँ पे दो सेल हो गए हैं चार हो गए हैं सेल्स का हम बोलते हैं कि एक बड़ा सा ग्रुप बन गया है फिर ये जो ग्रुप है धीरे 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 देखो कहाँ जा रहा है यूट्रस के अंदर जाता जा रहा है, है ना तो ये जो सेल्स का जो पूरा यू नो बॉल आपको दिखाई दे रही होगी देखो यहाँ पे कितने सारे सेल्स हैं तो ये क्या है सेल की एक पूरी मतलब कई सारे सेल्स की एक बॉल है ये जो बॉल है इसमें नंबर ऑफ डिविजन आगे जाकर के कंटिन्यू होते ही रहेंगे ऐसा नहीं होगा कि बॉल बन गई है बहुत सारे सेल आ गए तो अब डिविजन नहीं होगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स बन जाएंगे और फिर ये मिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं वो एक न्यू ह्यूमन बेबी को फॉर्म कर देंगे तो शुरुआत हुई थी कहाँ से जायगोड से फिर जायगोड में डिवीजन हुआ दो सेल बने दो से चार बने चार से आठ सोलह बत्तीस बहुत सारे सेल बनते गए और ये जो सेल्स की बॉल बनती जा रही है ये बॉल धीरे धीरे हम बोलते हैं कि फेलोपियन ट्यूब से कहाँ शिफ्ट हो जाएगी यूट्रस में शिफ्ट हो जाएगी आई आपको बात समझ में कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो बॉल है ना ये यूट्रस में शिफ्ट नहीं हो पाती है और हम बोलते हैं कि ओवीडक्ट में फेलोपियन ट्यूब में ही चिपक करके रह जाती है यानी कि जो जायगोर्ड का जो हम बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट है ह्यूमन बेबी में वो कहाँ हो जाता है फेलोपियन ट्यूब में ही होने लगता है इसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी और ये प्रेगनेंसी लास्ट नहीं कर पाती है क्यों नहीं कर पाती है क्योंकि भाई प्रेगनेंसी की जगह कहाँ है यूट्रस में यहाँ थोड़ी ना है तो इतनी जगह होती नहीं फेलोपियन ट्यूब में तो क्या होगा प्रेगनेंसी यहाँ पे अनसक्सेसफुल हो जाएगी बच्चा अबॉउट हो जाएगा इतना क्लियर है चलो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और यू कैन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूम्स को करेंगे कंटिन्यू प्रीवियस सेशन में हमने इसी टॉपिक के फर्स्ट टू सब टॉपिक्स को डिस्कस किया था दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आज के इस सेशन में हम सेम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे लेकिन इस टॉपिक के नेक्स्ट टू सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड डिफरेंसेस बिटवीन जायगोड एम्ब्रियो एंड फीटस तो आई होप आज के सेशन का टारगेट सभी बच्चों को है एकदम क्रिस्टल क्लियर तो काम करते हैं जल्दी से आज के सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं सो दिस इज़ विभूति खरे वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैग्नेट ब्रेन आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन जहाँ पे हम सबसे पहले तो बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ़ एम्ब्रियो की इसके बाद में हम जाएंगे किसके ऊपर डिफरेंसेस बिटवीन जाइकोट एम्ब्रियो एंड फीटस पर तो देखो प्रीवियस सेशन में जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया था इस सेशन को पढ़ने के पहले मतलब कि प्रीवियस सेशन को पढ़ने के पहले हमें बस ये पता था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं एक मेल पेरेंट होता है एक फीमेल पेरेंट होता है ना सिर्फ दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं बल्कि गैमिट्स का इन्वॉल्वमेंट भी होता है कहाँ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ये गैमिट्स कैसे होते हैं दो टाइप के होते हैं एक मेल और एक फीमेल गैमिट मेल गैमिट को हम बोलते हैं क्या स्पर्म और फीमेल गैमिट को हम बोलते हैं ओवम या फिर एग अब ये हमें पता था कि जो मेल पेरेंट बॉडी है उस मेल पेरेंट बॉडी में प्रोड्यूस होता है क्या मेल गैमेट दैट इज पम्प और जो फीमेल पेरेंट बॉडी है उसकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है क्या फीमेल गैमेट यानी कि ओवम लेकिन जब हमने प्रीवियस सेशन पढ़ा तब जा करके के हमको एकदम डिटेल में समझ में आया कि मेल पेरेंट बॉडी और फीमेल पेरेंट बॉडी में एग्जैक्टली exactly कहाँ उनके रिस्पेक्टिव गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो ज़रा याद करो मैंने आपको बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि मेल्स के पास ह्यूमन मेल्स के पास क्या होती है एक पेयर होता है किसका टेस्टीज़ का है ना ओवल शेप्ड के ये स्ट्रक्चर्स होते हैं दो टेस्टिस होती हैं दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं पेयर ऑफ टेस्टिकल्स या पेयर ऑफ टेस्टीज तो इन्हीं टेस्टीज में क्या होता है स्पर्म्स का यानी कि मेल गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है फिर इसके बाद में अब हम सबको पता है कि ह्यूमन वीग्स में फर्टिलाइजेशन कैसा होगा वो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि जो ह्यूमन फीमेल बॉडी होगी उस ह्यूमन फीमेल बॉडी के अंदर ही मेल और फीमेल गैमिट्स का फ्यूजन होने वाला है फर्टिलाइजेशन ह्यूमन फीमेल बॉडी के अंदर ही होगा तो ह्यूमन फीमेल बॉडी के पास उसका अपना गैमिट होगा फीमेल गैमिट होगा लेकिन जो मेल गैमिट है यानी कि जो स्पर्म है उसको पहुंचना पड़ेगा कहाँ फीमेल बॉडी के अंदर तो टेस्टीज में स्पर्म्स का प्रोडक्शन तो हो गया फॉर्मेशन तो हो गया लेकिन अब हम बोलते हैं कि जो स्पर्म्स होंगे ना ये मेल बॉडी से बाहर निकलेंगे तो बाहर तो निकलेंगे कैसे निकलेंगे तो यूरेथ्रा के थ्रू निकलेंगे ये हमको बात पता है प्रीवियस सेशन में मैंने आपको समझाई थी लेकिन आप बताओ क्या ये अकेले निकलेंगे नहीं एक फ्लूड के साथ निकलेंगे तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना फ्लूड का और स्पर्म का इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते थे सीमेन बोलते हैं क्या बोलते हैं सीमेन बोलते हैं लिख दू क्या चलो लिख ही देती हूं इसको हम बोलते हैं क्या सीमेन ठीक है ये फ्लूड कहाँ से आता था तो तीन टाइप की ग्लैंड मैंने आपको बताई थी समाइनल वेसाइकल्स इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड इसके अलावा हम बोलते हैं कि कूपर्स ग्लैंड ठीक है तो कूपर्स ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड और समाइनल वेसाइकल्स ये तीनों की तीनों क्या करते हैं अपने अपने सेक्रेशन निकालते हैं इनके सेक्रेशन से क्या बन जाता है एक फ्लूड बन जाता है और इसी फ्लूड में स्पर्म्स तैरते हुए यूरित्र के थ्रू मेल बॉडी से बाहर निकल जाते हैं आई बात समझ में तो हम बोलते हैं कि जो एक मेल हम बोलते हैं कि बॉडी का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पीनस इस पूरी पीनस की लेंथ के अलोंग यूरिथ्रा रन करता है और एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि जो यूरिथ्रा है वो क्या होता है एक कॉमन पैसेज होता है यूरिन का और स्पर्म्स का दोनों यानी कि उसी यूरिथ्रा से पीनस के थ्रू यूरिन भी बाहर निकलेगी मेल की बॉडी में और स्पर्म्स भी बाहर निकलेंगे तो होता क्या है कि तीनों ही ग्लैंड ने अपना अपना सेक्रेशन बना दिया इस सेक्रेशन को हम बोलते हैं क्या फ्लूइड इस फ्लूइड में हम बोलते हैं कि स्पर्म्स आकर के मिक्स हो जाते हैं तो इित्रा के थ्रू ये पूरा का पूरा जो फ्लूड है वो अलॉन्ग विद द स्पर्म्स बाहर आ जाता है तो फ्लूइड और स्पर्म्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं यानी कि आप ये भी बोल सकते हो कि फ्लूइड कैरिंग स्पर्म्स इज नोन एज वॉट सीमेन क्लियर है क्या ज़रूरत पड़ गई इस फ्लूड की तो जरूरत ये पड़ गई कि स्पर्म्स को क्या चाहिए है नरिशमेंट चाहिए है शमेंट उनको कहाँ से मिलता है इसी फ्लूड से मिलता है प्लस स्पर्म्स के रास्ते में आने वाली हैं कुछ एसिडिक कंडीशन तो उस एसिडिक कंडीशन से स्पर्म्स को क्या करना है अपने आप को बचाना है कैसे बचाएंगे बेचारे स्पर्म्स उनके पास कोई जैसे मुर्गी के अंडों के ऊपर वो छिलका होता है जो शेल होता है वैसे छिलके तो है नहीं स्पर्म्स के पास तो क्या होगा ये जो फ्लूड है ना यही स्पर्म्स को एसिडिक कंडीशन से बचाने वाला है तो कुल मिलाकर के सीमेन का कहानी ये हो गई अब इसके बाद में जो सीमेंट है ये कहां आता है वजाइना में आता है वजाइना क्या है एक हिस्सा होता है एक पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कैसे आता है तो सीधी सी बात है जो पीनस होगी वो इंसर्ट की जाती है वेजाइना में और वहां पे जाकर के स्पर्म्स रिलीज हो जाते हैं अब स्पर्म्स आ गए हैं किसके साथ फ्लूड के साथ, साथ? यानी कि सीमेंट पहुंच चुका है वजायना में क्या होगा स्पर्म्स तो हमारे मोटाइल होते हैं उनके पास टेल होती है तो अपनी टेल के थ्रू वो मूव करते करते कहाँ पहुंचेंगे यूट्रस के माउथ तक पहुंचेंगे वजाइना से होते हुए कहाँ जाएंगे यूट्रस के माउथ यानी कि सर्विक्स सर्विक्स से कहा जाएंगे यूट्रस में यूट्रस से फीवर कहाँ जाएंगे वो फेलोपियन ट्यूब्स या जिनको हम क्या बोलते हैं ओवीडक्स कहते हैं तो ओवीडक् के, के लेवल तक फेलोपियन ट्यूब के लेवल तक स्पर्म्स पहुंच चुके हैं अब क्या होगा अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो कि है क्या ओवरीज पेयर ऑफ ओवरीज जैसे मेल की बॉडी में पेयर ऑफ टेस्टीज प्रेजेंट होता है वैसे ही फीमेल की बॉडी में पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती है एक लेफ्ट वाली ओवरी एक राइट right वाली ओवरी ठीक है फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि हर एक महीने में क्या होता है टर्नवाइज ओवरी जो है एक एक ओवा को प्रोड्यूस करती है एक महीने में लेफ्ट वाली ओवरी ने ओवम प्रोड्यूस कर दिया और दूसरे मंथ में दूसरे वाली ओवरी ने एग प्रोड्यूस कर दिया तो हुआ क्या कि स्पर्म्स तो फेलोपियन ट्यूब के लेवल तक पहुंच गए किसी तरीके से मेहनत करके अपनी टेल के थ्रू मूव करते करते अब उसी समय साइमल्टेनियसली जो ओवम जो ओवरी होगी वो भी क्या करेगी कि एक ओवा को रिलीज कर देगी अब ये बताओ स्पर्म्स तो आ गए मेहनत करके ऊपर कैसे आ गए उनके पास टेल थी लेकिन जब हमने ओवम का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो क्या उसमें उसके पास टेल थी नहीं थी इसका मतलब क्या ओवम क्या होता है नॉन मोटाइल मूव नहीं कर सकता इसीलिए क्या होता है कि जो फेलोपियन ट्यूब है ना फेलोपियन ट्यूब बेसिकली इसका काम क्या होता है ओवरीज को कनेक्ट करना यूट्रस के साथ तो ओवरीडक्ट्स का वो वाला एंड जो कि ओवरीज के कॉन्टेक्ट में होता है उस वाले एंड में हम बोलते हैं कि वो एंड कैसा होता है फनल शेप का होता है क्यों होता है फनल शेट में क्योंकि वहाँ पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ठीक है जिन्हें हम फिमरे कहते हैं तो ये फिमरे क्या करते हैं जैसे ये ओवरी ने एग बना दिया है अब फिमरे क्या करेंगे इस एग को पकड़ेंगे और पकड़ के इसको कहाँ ले आएंगे फेलोपियन ट्यूब तक लेकर आ जाएंगे तो फेलोपियन ट्यूब में पहले से ही स्पर्म्स हैं और वहाँ पर अब ओवम भी आ गया है तो इतने सारे स्पर्म्स में से जो एक स्पर्म होगा वो जाकर के ओवम को फर्टिलाइज कर देगा और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद हम सबको पता है कि क्या होता है बन जाता है जायकोड तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस सेशन में कि ह्यूमन बेबी की लाइफ की जो शुरुआत होती है है ना वो कहाँ से होती है जायगोट से ही होती है क्यों होती है जायगोट से क्योंकि हम बोलते हैं कि जायगोट में ही फर्दर और उसकी ग्रोथ होती है और हम बोलते हैं कि उसका यू you नो know, डेवलपमेंट होता है तब जाकर के क्या बनता है एक फुली ग्रोन या डेवलप्ड ह्यूमन बेबी बनता है जो कि फाइनली वजाइना के थ्रू ही होते हुए मदर की बॉडी से बाहर निकल आता है फीमेल पेरेंट की बॉडी से बाहर निकल आता है ठीक है तो वजाइना हम बोलते हैं कि स्पर्म्स की एंट्री भी करवाती है और एक वो बर्थ कैनाल की तरह भी काम करती है क्योंकि उसी वजाइना के थ्रू बेबी बाहर आता है आफ्टर क्या नाइन मंथ्स ठीक है तो यहाँ पे हमने बोला कि जो बेसिकली uh, जायगोड है, है ना वो क्या है ह्यूमन बेबी की लाइफ की शुरुआत है उसकी शुरुआत वहीं से हुई है जायगोट से तो जायगोट या फर्टिलाइज एग डिवाइड्स रिपीटेडली टू मेक अ बॉल ऑफ हंड्रेड ऑफ सेल्स जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जयगोड क्या है एक फर्टिलाइज एग है एक सिंगल सेल होता है बकायदा इस सिंगल सेल के पास न्यूक्लियस होगा ये न्यूक्लियस कहाँ से मिला है इसको तो हम बोलते हैं कि मेल और फीमेल गैमिट के पास पर्म और ओवम के पास जो उनका उनका रिस्पेक्टिव न्यूक्लियस था उन दोनों ही न्यूक्लिया का फ्यूजन हुआ है और फ्यूजन के बाद में क्या बना है न्यूक्लियस बना है ये न्यूक्लियस किस चीज़ का है भाई तो ये है न्यूक्लियस जायगोड का तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि इस जयगोड में रिपिड क्या होता है डिविजन होते हैं ये जाइकोड कंटिन्यूसली डिविजन करता ही रहता है मल्टीप्लीकेशन होता ही रहता है जिसके कारण हम बोलते हैं कि एक बॉल बन जाती है एक हम बोलते हैं कि बॉल बन जाती है कुछ इस तरीके से और इस बॉल में इस बॉल की खास बात क्या है इस बॉल की खास बात यह है कि इस बॉल में प्रेजेंट होते हैं हंड्रेड ऑफ सेल बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं क्या एम्ब्रियो दिस इज कॉल्ड व्हाट अन एम्ब्रियो The zygote or fertilized egg divides repeatedly to make a ball of hundreds of cells and this ball is known as what an embryo. Or isi ball ko ham kya kehte hain? Embryo kehte hain. Is that clear? The embryo moves down the oviduct into the uterus. Ab obvious si baat hai. Ham bol rahe hain ki ye jo embryo bana hai. इस एम्ब्रियो का अब क्या होने वाला है डेवलपमेंट होने वाला क्योंकि जब तक embryo का development नहीं होगा तब तक बच्चा नहीं बनने वाला तो embryo को development चाहिए है मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना है सवाल ये है कि इस डेवलपमेंट में इसको चाहिए क्या है इसको खाना भी चाहिए यानी कि न्यूट्रिशन भी चाहिए है इसको गैशस एक्सचेंज भी करना है इसको हम बोलते हैं कि एक्सक्रीशन भी करना है तो सवाल ये है कि न्यूट्रिशन एक्सक्रीशन रेस्पिरेटरी मतलब या बोल सकते हो कि गैशस एक्सचेंज ये सभी के सभी एक्टिविटीज़ होंगी कब कैसे करेगा एम्ब्रियो तो इसके लिए एम्ब्रियो को आना पड़ता है कहाँ यूट्रस के लेवल तक और यूट्रस के लेवल तक आ कर के यूट्रस की जो अंदर वाली वॉल्स होती हैं यूट्रस की अंदर वाली जो वॉल्स होती हैं वहां पे आकर के जो एम्ब्रियो है वो फिक्स हो जाता है हुआ क्या कि जो फेलोपियन ट्यूब थी जो फेलोपियन ट्यूब थी यहाँ पे जायगोट बन चुका था अब इस जायगोट में क्या हो रहा था डिविजन हो रहा था मल्टीप्लीकेशन हो रहा था एक बड़ी सी बॉल बन गई थी ये वाली है ना इस बॉल में बहुत सारे सेल्स थे हंड्रेड ऑफ सेल्स थे इसी को तो हम बोल रहे हैं क्या एम्ब्रियो तो एम्ब्रियो हम बोलते हैं कि कहाँ बन चुका है ट्यूब में बन चुका है कैसे बना है मल्टीप्लीकेशन के कारण बना, बना है अब ये जो एम्ब्रियो है इसको और डेवलप होना है डेवलपमेंट के लिए इसको खाना चाहिए इसको न्यूट्रिशन चाहिए तो ये न्यूट्रिशन उसको कहाँ से मिलेगा क्या एम्ब्रियो अपना खाना खुद बना लेगा अरे नहीं बना पाएगा जब एक ह्यूमन एडल्ट अपना खाना खुद नहीं बना पाता है वो बाहर किसी पे डिपेंडेंट होता है अपने खाने के लिए तो फिर एक छोटा सा एम्ब्रियो क्या ही कर लेगा अपने लिए तो उसको ये न्यूट्रिशन मिलेगा कहाँ से उसको ये न्यूट्रिशन मिलने वाला है मदर की बॉडी से भाई मदर की बॉडी में ही तो है एम्ब्रियो फीमेल बॉडी में ही तो है एम्ब्रियो तो न्यूट्रिशन भी उसको कहाँ से मिलेगा मदर की बॉडी से ही मिलेगा कैसे मिलेगा तो अब फेलोपियन ट्यूब में रहने से काम नहीं चले नहीं चलेगा अब एम्ब्रियो को जो है कहाँ आना पड़ेगा यूट्रस के लेवल तक आना पड़ेगा तो यूट्रस की जो अंदर वाली वॉल है यहाँ पे आकर के जो एम्ब्रियो है वो फिक्स हो जाएगा और ये जो आकर के एम्ब्रियो एम्बेड हुआ है इन टू द सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इसी को हम बोलते हैं क्या इम्प्लांटेशन की प्रोसेस क्या बोलते हैं इम्प्लांटेशन की प्रोसेस आई बात समझ में तो यहाँ पे हमने बोला कि जायगोट बना जायगोट में क्या हुए डिवीजन हुए मल्टीप्लिकेशन हुए एक बड़ी सी बॉल बन गई उसमें बहुत सारे सेल्स थे उसको हमने बोला एम्ब्रियो इस एम्ब्रियो को क्या चाहिए है अपना डेवलपमेंट करवाना है ताकि एक ह्यूमन बेबी को ये बना सके डेवलपमेंट के लिए इसको चाहिए न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा खुद अपना खाना नहीं बना सकता तो मदर की बॉडी से ही डिराइव करेगा कैसे डिराइव करेगा मदर की बॉडी से तो मदर की बॉडी का जो यूट्रस होगा ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भाई फेलोपियन ट्यूब के बाद तो क्या यूट्रस ही तो आता है ना तो कहीं ऐसा थोड़ी ना कि किसी और ऑर्गन में जाना है उसको ट्रांसपोर्ट होकर के कहीं नहीं जाना है ये जो फेलोपियन ट्यूब है ना उसी से उसको नीचे उतर आना है तो क्या आ जाएगा यूट्रस आ जाएगा यूट्रस भी बहुत काम की चीज़ होती है यूट्रस की पता है वॉल्स क्या करती हैं उसको पता होता है कि कभी ना कभी किसी ना किसी मंथ में या आप ये बोल सकते हो कि हर एक मंथ में जो है ना एम्ब्रियो आ सकता है है ना तो यूट्रस की जो वॉल्स होती है ना वो हर महीने हर महीने अपने आप को एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए अपने आप को तैयार करती हैं जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था अभी अभी मैंने आपको फिर से बताया कि हर एक महीने ओवरी जो है ना एक एक ओवम रिलीज करती है एक महीने लेफ्ट वाली ओवरी ने रिलीज कर दिया नेक्स्ट मंथ राइट वाली ओवरी ने रिलीज कर दिया एक ओवम फिर उसके नेक्स्ट मंथ फिर लेफ्ट वाली ने कर दिया उसके नेक्स्ट मंथ फिर एक राइट वाली ओवरी ने रिलीज कर दिया तो ये मैनर में पैटर्न में एक एक ओवरी क्या करती रहेगी ओवम को रिलीज करती ही रहेगी समझे तो हर महीने हम बोलते हैं कि एक एक ओवन तो रिलीज हो ही रहा है बॉडी में अब अगर उस ओवम के कॉन्टेक्ट में कोई स्पम आ गया फर्टिलाइजेशन हो गया बन जाएगा एमर्रियो तो अब इस एमरियो को रिसीव करने के लिए यूट्रस की जो वॉल्स होती है ना वो अपने आप को प्रिपेयर करती हैं कैसे प्रिपेयर करती हैं तो यूट्रस की जो वॉल्स होती है ना वहाँ पे खूब अच्छी थिक ब्लड सप्लाई हो जाती है यूट्रस की जो अंदर वाली वॉल्स है वो थिक हो जाती है थिक कैसे होती है बहुत सारा खून आकर के ब्लड आकर के डिपॉजिट हो जाता है कि जैसे ही एमरीओ आएगा उसको हम फच से क्या करेंगे पकड़ लेंगे उसको कहीं जाने नहीं देंगे है ना और इसके बाद में एमरियो को न्यूट्रिशन चाहिए होगा तो ब्लड में जितना भी न्यूट्रिशन होगा वो दे देंगे एमरियो को ब्लड एम्ब्रियो को जो भी गैसेस चाहिए होंगी रेस्पिरेटरी जो भी गैसेस एक्सचेंज उसको करना होगा वो जो ब्लड होगा वो करवा देगा एम्ब्रियो में जो भी एक्सक्रीशन होगा जो भी वेस्ट निकलेगा वो क्या करेगा ब्लड अपने पास ले लेगा तो यूट्रस की जो वॉल्स होती है ना वो अपने आप को थिक कर लेती है कैसे थिक कर लेती है तो वहां पे खूब अच्छा खासा ब्लड डिपॉजिट हो जाता है इसीलिए यहाँ पे बोला गया है सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अब अगर कभी हम बोलते हैं कि सपोज देखो यूट्रस ने अपने आप को प्रिपेयर तो कर लिया एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए है ना अब जरूरी तो नहीं है कि हर महीने एम्ब्रियो आए ही आए क्यों ये भी तो हो सकता है ना कि ओवम तो रिलीज हुआ लेकिन उस समय जिस समय ओवम था फेलोपियन ट्यूब में उस समय स्पर्म्स नहीं पहुंचे तो स्पर्म्स नहीं पहुंचेंगे तो फर्टिलाइजेशन क्या कहाँ से होगा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जायगोड कहां से बनेगा नहीं बनेगा तो एम्बरीओ कहां से बनेगा लेकिन यूट्रस की वॉल्स ने तो क्या किया था ब्लड को डिपॉजिट कर अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था एमब्रियो को पकड़ने के लिए लेकिन एम्ब्रियो तो आया नहीं कौन आ गया अनफर्टिलाइज ओवन या अनफर्टिलाइज एग आ गया यूट्रस के कॉन्टेक्ट में फिर क्या होगा यूट्रस की वॉल्स हो जाएंगी परेशान वो जाएंगे अपसेट की, अरे यार ये क्या हो गया हम तो एम्ब्रियो को पकड़ने के लिए बैठे थे एम्ब्रियो आया ही नहीं आया क्या बना ही नहीं क्यों नहीं बना क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ उसकी जगह पे कौन आ गया अनफर्टिलाइज एग आ गया अब क्या होगा ये अनफर्टिलाइज एग और यूट्रस की वॉल्स ने जो अपने आप को प्रिपेयर किया था ब्लड को बेसिकली डिपॉजिट करके ये पूरा का पूरा जो है ना ये बाहर निकल जाता है वजाइना के थ्रू तो अनफर्टिलाइज एग अलोंग विद द ब्लड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस वो पूरा का पूरा हम बोलते हैं कि बाहर निकल आता है कैसे वजाइना से और ये प्रोसेस हर महीने होती है क्यों हो रही है हर महीने क्योंकि हर महीने जब भी ओवम फेलोपियन ट्यूब में आ रहा है तब उसका सामना स्पर्म से नहीं हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो हर महीने यूट्रस अपने आप को तैयार करता है फर्टिलाइजेशन या बोल सकते हो कि एम्ब्रियो को पकड़ने के लिए और हर महीने एक एक ओवरी क्या करती है एक एक ओवम रिलीज करती है तो यह प्रोसेस चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी अब अचानक से क्या हुआ एक दिन ओवम रिलीज हुआ और ओवम की रिलीज होते ही उसका सामना किससे हो गया वहां पर फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म्स के साथ तो ओवम ने बोला कि अरे आज तो तुम लोग प्रेजेंट हो एक काम करो, कर चलो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हम कर ही डालते हैं फर्टिलाइजेशन हो गया जयगोड बन गया जायगोट बन गया फिर इसके बाद में उसमें डिविजन हुए मल्टीप्लीकेशन हुए एम्ब्रियो बन गया एमरीयो को अब चाहिए है क्या न्यूट्रिशन अब उसको चाहिए है गैसेस अब उसको करना है एक्सक्रीशन तो इसलिए वो क्या करेगा फेलोपियन ट्यूब में रहने से उसका काम नहीं चलेगा वो आ जाएगा यूट्रस के पास क्यों क्योंकि यूट्रस की वॉल्स ने तो खुद को प्रिपेयर करा ही हुआ था ना वो तो चाह ही रहे थे कि एक ना एक दिन एम्ब्रियो आए और हमारी वॉल्स में आकर के एम्बेड हो जाए फंस जाए तो एग्जैक्टली exactly यही होगा और जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस की सॉफ्ट और थिक लाइनिंग के ऊपर आकर के एम्बेड हो जाएगा फंस जाएगा और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं इम्प्लांटेशन कहते हैं यानी कि जो एम्ब्रियो है ना वो यूट्रस की वॉल्स में आकर के क्या हो गया है फिक्स हो गया है, इम्प्लांट हो गया है इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन और इम्प्लांटेशन होने के बाद ही हम बोलते हैं कि, कि किसी ह्यूमन फीमेल ने क्या करा है कंसीव कर लिया है कि व्हेन द एम्ब्रियो सेटल्स डाउन इन द यूट्रस दुम इज सेट टू हैव बिकम प्रेग्नेंट और सेट टू हैव कंसीव बोला जाता है कि अब वुमेन ने क्या करा है कंसीव कर लिया है या अब वुमेन क्या हो गई है प्रेग्नेंट हो गई है कब जब एम्ब्रियो आकर के यूट्रस की वॉल से चिपक जाता है तो जिस चीज का यूट्रस की वॉल्स को इंतजार था कि कब आएगा वो शुभ दिन कब आएगा कोई एम्ब्रियो जो आकर के हमारी वॉल से चिपकेगा ताकि हमने जो तैयारी करके रखी है वो क्या हो जाएगी वो सक्सेसफुल हो जाएगी वो दिन आ जाता है और उस दिन को हम क्या बोलते हैं इम्प्लांटेशन उस दिन को हम बोलते हैं कि हाँ भाई इस ह्यूमन फीमेल ने कंसीव कर लिया है नाउ शी इज प्रेगनेंट ठीक है चलो द एम्ब्रियो स्टार्ट ग्रोइंग इन टू अ बेबी अब एम्ब्रियो जो है उसमें अब क्योंकि वो आ चुका है यूट्रस में एम्बेड हो चुका है तो अब जो है उसको जो भी चाहिए है कंडीशंस अपनी डेवलपमेंट के लिए वो उसको मिलती रहेगी न्यूट्रिशन मिलेगा गैसेस मिलेगी एक्सन होगा सब होगा तो एम्ब्रियो जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है उसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है द एम्ब्रियो गेट्स फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूट्रस की वॉल्स क्या करती हैं अपने आप को प्रिपेयर करती है कैसे तो अच्छा खासा ब्लड वो डिपॉजिट करके रखती हैं ब्लड कैसे डिपॉजिट होगा भाई वहाँ पर हम बोलते हैं कि यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं वहाँ पे अच्छी ब्लड वेसल्स होती हैं ठीक है थीके? तो इन ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होगा ब्लड होगा तो यू, एम्ब्रियो को जो भी चाहिए है खाना चाहिए है ऑक्सीजन चाहिए है तो यूटरस की वॉल्स के पास जो ब्लड वेसल्स हैं ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड डिपॉजिट है जो ब्लड प्रेजेंट है उसी ब्लड से एम्ब्रियो को क्योंकि अब एम्ब्रियो तो भाई यूटरस में जाकर के चिपक ही गया ना उसकी वॉल में तो अब जो भी चाहिए एम्ब्रियो को वो सब उस ब्लड से मिल जाएगा द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो बिगिन टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बेबी एम्ब्रियो इज़ एन अर्ली स्टेज इन अ डेवलपमेंट इन अ डेवलपिंग बेबी अब देखो हुआ क्या थोड़ा सा हम एक नेक्स्ट स्टेप आगे जा रहे हैं घबराना बाद बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनते जाना कि मैं क्या बोल रही हूँ जब जायोट आया था तो जाएगोट हम बोलते हैं कि एक सिंगल सेल का था।, था ना एक सिंगल सेल का अब इसमें मैंने बोला कि इसमें रिपीटेड डिविजन हो रहे हैं इसमें इतने रिपीटेड डिविजन हुए कि अब जो है ना एक नई बॉल बन गई इसी जायगोट से हम बोलते हैं कि एक नई बॉल बन गई और इस बॉल में हम बोलते हैं कि कितने नंबर ऑफ सेल हैं तो मैंने बोला कि भाई यहाँ पे सिक्सटीन नंबर ऑफ सेल्स हैं अब पता नहीं बने कि नहीं बने मान लो कि यहाँ पे जो बॉल बनी है उसमें कितने सेल्स आ चुके हैं सिक्सटीन सेल्स आ चुके हैं देखो जैसे ही जायगोट में डिविजन और मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे अब उसे हम बोलेंगे एम्ब्रियो है ना क्या होता है एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है लेकिन जिसमें हंड्रेड सेल्स होते हैं और इसी बॉल को जिसमें एमरियो है, बोलते हैं ठीक है, है. तो जैसे ही में शुरू हुआ तो उसे हमने बोल दिया क्या कि अब वो बन चुका है एमब्रियो तो एक स्टेज आती है एम्ब्रियो की जिसमें कि उसके बॉल के पास कितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं सिक्सटीन नंबर ऑफ सेल्स होते हैं तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं इस स्टेज को हम बोलते हैं मोरूला क्या बोलते हैं मोरूला आप बोलोगे कि मैम ये क्या पढ़ा रहे हो एक स्टेप हम और आगे जा रहे हैं और कुछ नहीं बस पेशेंस के साथ सुनते जाना कि जब एम्ब्रियो में 16 सेल्स वाली स्टेज आई तो उस स्टेज को हमने बोला क्या मोरूला ठीक है अब इसके बाद में क्या हुआ एक और स्टेज आई इस स्टेज में हुआ क्या इस स्टेज में हम बोलते हैं कि ये जितने भी सेल्स आ चुके थे ना ये सभी के सभी सेल्स खुद को क्या करने में लग जाते हैं अलाइन करने में लग जाते हैं है ना सेल्स तो आ गए अब सेल्स ने सोचा कि यार ऐसे एक समान एक जैसे जो है ना एक दूसरे में घुसे रहने का को कोई मतलब नहीं है अरेंजमेंट अलाइनमेंट होनी चाहिए तो अरेंजमेंट और जो अलाइनमेंट हुआ है सेल्स का एम्ब्रियो में सेल्स का तो जिस समय वो अलाइन हो गए हैं और बीच में हम बोलते हैं कि एक कैिटी बन गई है इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं इस स्टेज को हम बोलेंगे बेसिकली अच्छा चलो छोड़ो स्टेज का नाम मत याद रखो वरना आप और जो है ना कंफ्यूज होते जाओगे बस एक स्टेज आप यहाँ पे याद रख लो क्या बोलते हैं इसको हम मोरूला बोलते हैं ठीक है चलो अब इसके बाद में क्या हुआ कि जो नेक्स्ट स्टेज आई जिसमें हमने बोला कि जितने भी सेल्स आ चुके थे उन सेल्स ने बोला कि हम क्या करेंगे खुद को अलाइन करेंगे चलो ठीक है कर लिया अलाइन फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि एक और स्टेज आई एक और स्टेज में हम बोलते हैं कि अब उस एम्ब्रियो में जितने भी सेल थे बहुत सारे सेल्स हो जाएंगे एम्ब्रियो में भाई डिवीजन रुकेगा थोड़ी ना कि आपने बोला कि मैं मुरुला में तो 16 सेल थे तो क्या हुआ अब इन सेल्स का नंबर और बढ़ता जाएगा जैसे जैसे सेल का नंबर बढ़ेगा ये सेल क्या करेंगे अपने आप को अलाइन करते जाएंगे फिर इसके बाद में एक और स्टेज आएगी इस एम्ब्रियो एम्ब्रियो की जहां पे जाकर के सेल्स बोलेंगे कि सुनो अब हम क्या हो रहे हैं अब हम हो रहे हैं डिफ्रेंशिएट क्या हो रहे हैं डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं डिफ्रेंशिएट होने का मतलब क्या है कि अब जितने भी सेल्स बने हैं ना एमरियो में वो सब ये डिसाइड कर लेंगे कि आगे जाकर के हमको बनाना क्या है तो उस हिसाब से हमारी बॉडी में ना तीन जर्म लेयर्स होती हैं क्या होती हैं तीन जर्म लेयर्स तीन जर्म लेयर्स नाम याद मैं आपको मतलब बता देती हूँ अगर याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो आगे जाके तो पढ़ना ही पड़ेगा एक्टोडम एंडोडम एंड मीजोडम एक्टो बाहर वाली एंडो अंदर वाली मीजो बीच वाली एक्टो एंडो मीजो एक्टो एंडो मीजो ठीक है तो तीन जर्म्स लेयर होती हैं और इन्हीं जर्म लेयर से हमारी बॉडी में आपको जो भी ऑर्गन्स जो भी आपको चीज़ें दिखाई देती हैं ना वो सब की सब चीज़ें कैसे बनती हैं इन्हीं तीनों जर्म लेयर से बनती हैं तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में मतलब ये जो एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट चल रहा था तो उस स्टेज में एक ऐसी स्टेज आई कि सभी सेल्स ने क्या बोला कि हम जा के अब हो रहे हैं डिफ्रेंशिएट यानी कि अब हम जा के डिवाइड हो जाएंगे तीन लेयर्स में एंडो और मिजोडम में और फिर इसके बाद में हम क्या हो जाएंगे स्पेशलाइज हो जाएंगे कि अब हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है आई बात समझ में तो शुरुआत हुई थी एक जायगोट के साथ फिर इसके बाद में जायगोट में शुरू हो गया डिविजन मल्टीप्लीकेशन तो हम बोलते हैं कि एमरियो का फॉर्मेशन हो गया है ना एम्ब्रियो में हम बोलते हैं कि एक बीच में स्टेज आती है जिसमें कि हम बोलते हैं कि बॉल के पास 16 सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं मोरूला स्टेज फिर इसके बाद में एक और स्टेज आती है एम्ब्रियोनिक ये पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ही चल रहा है ठीक है इस पूरे को हम क्या बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ही बोलते हैं देखो ना एम्ब्रियो डेवलप हो तो रहा है पहले सोलह सेल थे इसके बाद में और नंबर ऑफ सेल्स बने उन नंबर ऑफ सेल्स ने बोला कि नहीं अब हम क्या होंगे ना एडवांसमेंट की तरफ जाएंगे कैसे जाएंगे एडवांसमेंट की तरफ तो अब हम खुद को अलाइन करने में लग जाएंगे फिर इसके बाद में और नंबर ऑफ सेल्स बढ़े यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यहाँ पे कंटिन्यूअली चली रहा है ऐसा नहीं होगा कि सौ या दो सौ सेल के बाद जो है ना वो रोक जाएगा कि अरे अब हम कुछ नहीं करेंगे आगे नहीं चलता ही रहेगा फिर एक और स्टेज जाएगी जहाँ पे जाके हम बोलते हैं कि सेल्स क्या हो जाएंगे स्पेशलाइज हो जाएंगे डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे कि अब हम क्या करेंगे मतलब अब हम और एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं कि अब हमें हमने डिसाइड कर लिया है अपने मन में कि हमको कौन सी लेयर में जाके शामिल होना है एक्टो बनाना है एंडो बनाना है या मीजो बनाना है क्योंकि यही एक्टो एंडो क्या करती है आगे जाकर के बॉडी की सभी चीज़ें बनाती हैं हार्ट यही बनाएंगी किडनीज यही बनाएंगी सब कुछ यही बनाती हैं ठीक है तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता जाता है एग्जैक्टली यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है द सेल्स ऑफ एमबरीओ बिगेन टू फॉर्म स्पेशलाइज ग्रुप दैट डेवलप इन टू डिफरेंट टिश्यूज अब ये जो एमरियो के जो सेल्स होते हैं ये स्पेशलाइज ग्रुप बनाने में लग जाते हैं डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं डिफरेंट टिश्यूज में ये टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं और ये ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाता है बेबी बनाता है तो एम्बरियो हम बोलते हैं कि एक अर्ली स्टेज होती है इन अ डेवलपिंग बेबी एक जब बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस डेवलपमेंट की अर्ली स्टेज क्या होती है एम्ब्रियो होती है एम्ब्रियो में ही डेवलपमेंट होता है तो क्या ये जो एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हो रहा है कि एम्ब्रियो के सेल्स क्या हो रहे हैं नंबर में बढ़ रहे हैं अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अपने आप को यू नो स्पेशइज ग्रुप्स बना रहे हैं टिश्यूज बना रहे हैं ऑर्गन्स बना रहे हैं क्या इस पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस का कोई नाम नहीं है बिल्कुल है नाम क्या है उसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस ये जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है ना इसी को हम बोलते हैं क्या एम्ब्रियोजेनेसिस क्या बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस ये पूरा मैंने आपको मतलब ये पूरा इसलिए समझाया था क्योंकि मुझे आपको ये वाले सेंटेंस का मतलब समझाना था आई बात समझ में तो अगर आपको स्टेजेस के नाम याद नहीं हो रहे हो तो चिंता की बात नहीं है मैंने आपको प्रोसेस समझाई है कि कैसे ये चीज़ें जो है ना आगे जाती हैं ठीक है चलो अब इसके बाद में देखो ये यहाँ पे एक टिपिकल एम्ब्रियो का आपके पास स्ट्रक्चर है ये क्या है छोटा सा एम्ब्रियो है इनफैक्ट ये छोटा नहीं थोड़ा बड़ा ही हो गया है है ना इस एम्ब्रियो का आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एक हेड लाइक रीजन दिखाई दे रहा है टेल लाइक लाइक हम बोलते हैं कि एक रीजन दिखाई दे रहा है ये क्या है एक ह्यूमन एम्ब्रियो है ये सच का एम्ब्रियो है ऐसे ही दिखता है ठीक है चलो फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि दस अन अनबॉर्न बेबी एट एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन द यूट्रस इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो और इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि एक अनबोर्न बेबी Uh, उसका जो उसकी जो अर्ली स्टेज होती है उसके डेवलपमेंट की यूट्रस के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं एम्ब्रियो बोलते हैं अच्छा अब नेक्स्ट क्या है द बॉडी फीचर्स ऑफ द अनबॉर्न बेबी आर नॉट मच डेवलप एट द एम्ब्रियो स्टेज ठीक है एम्ब्रियो स्टेज पे हम बोलते हैं कि जो अनबॉर्न बेबी के जो फीचर्स होते हैं ना वो पूरे डेवलप नहीं होते हैं देखो इधर पे ये जो एम्ब्रियो का मैंने आपको डायग्राम दिखाया था कहाँ गया ये वाला इसमें क्या आपको उसके हाथ पाँव दिखाई दे रहे हैं क्या आपको उसकी उंगलियाँ दिखाई दे रही हैं लिप्स आँखें कान नाक क्या कुछ भी दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है तो यही चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है जो एम्ब्रियो वाली स्टेज होती है अनबॉर्न बेबी की तो वहाँ पे जो फीचर्स वगैरह हैं बॉडी फ़ीचर्स वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं होते द अनबॉर्न बेबी रिमेन्स अन एम्ब्रियो इन द फर्स्ट एट वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अब यहाँ पे क्या बोला गया है इनने टाइम भी बता दिया है कि प्रेगनेंसी के आठवें हफ्ते तक हम बोलते हैं कि वो जो स्टेज कहलाएगी ना अनबॉर्न बेबी की उसे हम क्या बोलेंगे एम्ब्रियो बोलेंगे क्या बोला मैंने कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि प्रेगनेंसी की जो एट वीक तक प्रेगनेंसी हुआ इसके बाद में उसका जो एट्थ वीक तक जो टाइम होगा ना उस टाइम के पहले पहले जो स्टेज होगी आ, हम बोल सकते हैं कि अनबॉर्न बेबी की वो क्या कहलाएगी एम्ब्रियो के लाएगी कैसे देखो होता क्या है कि ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है जैसे कि मैंने आपको बताया ह्यूमन वीक्स में वो कितना होता है नाइन मंथ्स का होता है ठीक है उसमें भी हम बोलते हैं कि वन मंथ में कितने हफ्ते होते हैं वन मंथ में हम बोलते हैं कि चार वीक्स uh, हो जाते हैं फोर वीक्स हो जाते हैं ठीक है तो अगर हम इन नौ महीनों को पूरे वीक्स में कैलकुलेट करें तो यहाँ पे जो है ना ऑन एन एवरेज निकल के आएगा थर्टी एट वीक्स कि नौ महीने की प्रेगनेंसी हो रही है तो उसमें आप हफ्ते कितने काउंट करोगे थर्टी एट वीक्स काउंट करोगे एक महीने में चार हफ्ते होते हैं कभी कभी उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं ना तो हम ये मान के चलते हैं कि नौ महीने की अगर प्रेगनेंसी है ह्यूमन बींग्स में प्रेगनेंसी का जो पीरियड है वो कितना है नौ महीने का है तो वीक्स में आप उसको कितना बोल सकते हो थर्टी एट वीक्स आराम से बोल सकते हो कभी कभी तो कुछ कुछ केसेस में ये जो प्रेगनेंसी का पीरियड है ये थर्टी एट वीक्स से भी ज़्यादा आगे बढ़ जाता है थर्टी नाइन या फोर्टी नाइन वीक्स तक चला जाता है ठीक है तो प्रेगनेंसी हुई प्रेगनेंसी कब होती है यहाँ पर हमने अभी सीखा था ना कि जैसे ही एम्ब्रियो uh, सेटल हो जाता है यूट्रस में आकर के तो हम बोलते हैं कि वुमेन क्या हो गई है प्रेग्नेंट हो गई है उसने कंसीव कर लिया है तो जैसे ही प्रेगनेंसी हुई कंसीव किया गया इसके बाद में हम लेते हैं क्या उसका एक हफ़्ता फिर लेंगे दूसरा हफ़्ता फिर लेंगे हम तीसरा हफ़्ता फिर हम लेंगे फोर्थ हफ़्ता है ना तो उस हिसाब से एक महीना हो गया फिर इसके बाद में नेक्स्ट वीक लेंगे यानी कि फिफ्थ हफ्ता उसके नेक्स्ट वीक सिक्स वीक उसके उसका नेक्स्ट वीक सेवन्थ वीक और उसका भी नेक्स्ट वीक यानी कि एट्थ वीक तो कितने महीने हो जाएंगे टोटल तो दो महीने हो जाएंगे तो प्रेगनेंसी यानी कि कंसीव करने के बाद जो दो महीने का जो टाइम पीरियड होगा उस दो महीने के टाइम पीरियड तक जो हम बोलते हैं कि अनबॉर्न बेबी होगा अनबॉर्न बेबी मतलब कि अभी पैदा नहीं हुआ है हाँ ये पूरी कहानी किसकी चल रही है अभी उस बच्चे की जो कि अभी पैदा नहीं हुआ है वो यूट्रस के अंदर ही है मदर बॉडी में अनबॉर्न का मतलब है कि अभी पैदा नहीं हुआ है तो प्रेगनेंसी के सेकेंड हम बोलते हैं कि मंथ तक या आप उसको सिंपल वर्ड में बोल सकते हो एट वीक्स तक जो स्टेज होगी अनबॉर्न बेबी की उसको हम बोलेंगे क्या एम्ब्रियो ठीक है चलो इतना समझ में आया होगा सभी को नेक्स्ट क्या है वी कैन नॉट आइडेंटिफाई एनी बॉडी फीचर्स हाथ पाँव हेड आंखें कान वगैरह कुछ भी हमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किसी भी बॉडी फीचर को ऑफ द डेवलपिंग बेबी इन दिस एमरी द एम्ब्रियो कंटिन्यूस टू ग्रो एंड डेवलप इन द यूट्रस टू फॉर्म बेबी और एम्ब्रियो में हम बोलते हैं फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट चलती रहती है यूट्रस में ताकि वो क्या बना लें बेबी बना लें द एम्ब्रियो ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स लेग्स आइज ईयर्स एक्सेट्रा फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली देखो एकदम से नहीं होता है ना देखो यहाँ पे नौ महीने लग जाते हैं कि नहीं लग जाते हैं पूरे के पूरे ह्यूमन बेबी को डेवलप होने में फुली डेवलप होने में आ, कितने महीने लगते हैं नौ महीने लगते हैं और नौ महीने के बाद भी जब बच्चा बाहर आता है तो वो कितना सा होता है बिल्कुल इतना सा होता है है ना उसके एकदम छोटे छोटे से हाथ पाँव होते हैं आँखें छोटी छोटी सी होंगी पूरा ही छोटा होता है ना वो तो इतने को भी बनने में इतने छोटे से बेबी को बनने में भी कितना टाइम लगता है नौ महीने लगता ही है और लगना ही चाहिए है ना क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना ग्रेजुअली होती हैं धीरे धीरे होती हैं एकदम से इतना बड़ा ह्यूमन बेबी तैयार नहीं हो सकता कि उसके हार्ट भी आ जाए किडनीज भी 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 आ भी आ जाए लंग्स भाई जो ह्यूमन बेबी बाहर निकलता है ना तो उसके पास ऑलरेडी सारे ऑर्गन्स होते हैं ब्रेन होता है हार्ट होता है लंग्स होती है, सब कुछ होता है है उसके पास ठीक तो तो इतना बनने में टाइम तो लगेगा और टाइम भी कैसा लग रहा है पे नौ महीने का लग रहा है वीक्स में हम बोल सकते हैं कि थर्टी एट वीक्स तक लग ही जाता है थर्टी एट वीक्स भी हम बोलते हैं कि वो जो कंसीव करने वाली जो प्रोसेस होती है ना उसको भी साथ में काउंट कर ही लिया जाता है फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि ग्रेजुअली धीरे 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 उसके हाथ पाँव वगैरह सब बनना जो है ना शुरू हो जाते हैं अच्छा एक चीज़ और है एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई है कि जैसे ही एम्ब्रियो अपने अपने आप को ग्रो और डेवलप करवाने के लिए यूट्रस में आता है यूट्रस की वॉल में एम्बेड होने के लिए तो एम्बेड तो वो हो जाता है यूट्रस की वॉल से लेकिन कैसे हो जाता है तो एक ऑर्गन के थ्रू हम बोलते हैं कि यूट्रस की वॉल में वो एम्बेड होता है और उसे हम कहते हैं क्या प्लेजेंटा क्या कहते हैं प्लेजेंटा कहते हैं इस प्लेजेंटा के थ्रू ही जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस की वॉल में क्या होता है एम्बेड होता है घुसता है उसकी वॉल में ठीक है तो प्लेजेंटा हम बोलते हैं कि एक तरह का बैरियर हो जाता है ये बैरियर हम बोलते हैं कि अच्छा खासा ब्लड सप्लाई से रिच होता है तो सपोज़ जो भी न्यूट्रिशन चाहिए हेमरीओ को वो इसी प्लाजेंटा से ऑप्टेन करता है प्लाजेंटा में कहाँ से आ रहा है न्यूट्रिशन की तो मदर की बॉडी से आ रहा है माँ जो भी खाना पीना खा रही है उसका डाइजेशन हो रहा है अब्जॉर्बशन हो रहा है अब्जॉर्प्शन होने के बाद में जो भी न्यूट्रेन वगैरह हैं वो उसके ब्लड में जा रहे हैं है, है ना मदर की ब्लड में जा रहे हैं और यही मदर का जो ब्लड है वो कहाँ जा रहा है ब्लड वेसल्स के थ्रू प्लाजेंटा में जा रहा है और प्लाजेंटा से कहाँ जा रहा है फिर बच्चे में जा रहा है इसीलिए बोलते हैं कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है जब उसको बच्चा होने वाला होता है यानी कि पूरे प्रेगनेंसी के पीरियड के दौरान अच्छा खाना पीना बहुत ज़रूरी है क्यों क्योंकि आप खुद समझ सकते हो कि यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस चल रही है, है कि नहीं एक पूरा का पूरा ह्यूमन बेबी हम बोल रहे हैं कि डेवलप हो रहा है अभी उसकी आंख नाक कान हार्ट लंग्स किडनी सब कुछ बनना अभी बाकी है उसकी हड्डियां बनना अभी बाकी हैं तो अगर इतनी सारी चीज़ें बन रही हैं तो अच्छा खासा न्यूट्रिशन चाहिए होगा और न्यूट्रिशन अगर चाहिए बच्चे को तो वो कहाँ से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेगा भाई मदर से ही डिराइव करेगा तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मदर का अच्छा पीना अच्छा खाना पीना उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी होता है तभी सारे न्यूट्रिएंट्स बच्चे को मिलते हैं और अगर न्यूट्रिय प्रॉपरली बच्चे को मिलेंगे तभी वो हेल्दी तरीके से ग्रो करेगा डेवलप करेगा ठीक है चलो तो प्लाजेंटा आपको समझ में आ गया कि ये एक बैरियर होता है जो कि मदर के ब्लड सप्लाई में काफ़ी रिच होता है तो जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए हैं बच्चे को वो सब उसको वहीं से मिल जाते हैं बच्चे ने हम बोलते हैं कि कोई भी अब उसकी बॉडी में प्रोसेसेस तो चल ही रही हैं कुछ ना कुछ एक्सक्रीशन भी हम बोलते हैं ज़रूर होगा कुछ वेस्ट जरूर जनरेट होगा ये वेस्ट वो कहाँ से निकालेगा अपनी बॉडी से तो अपनी बॉडी से निकाल करके वो दे, दे देता है किसको प्लेजेंटा को ठीक है और प्लेजेंटा जो है उस वेस्ट को लेकर के जाता है मदर बॉडी में मदर की बॉडी से हम बोलते हैं कि सब चीज़ें जो है फिल्टर होती हैं मदर की किडनीज़ वगैरह के थ्रू और फिर हम बोलते हैं की मदर की बॉडी से ही वो चीज़ें बाहर निकल आती हैं तो वेस्ट जनरेट हुआ था कहाँ बच्चे में लेकिन निकला किसकी बॉडी से वो मदर की बॉडी से तो ये पूरा कनेक्शन बनता है ठीक है अगर हम बोलते हैं कि फीटस को बेबी को क्या चाहिए अनबॉर्न बेबी को क्या चाहिए ऑक्सीजन चाहिए है तो वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी तो मदर के ब्लड से मिलेगी तो कहाँ से प्लेजेंटा के थ्रू तो हम बोलते हैं कि प्लेजेंटा है में जो मदर ब्लड होता है उस ब्लड में होता है ऑक्सीजन और वो पूरा का पूरा ऑक्सीजन कहाँ जाता है तो ह्यूमन जो अनबॉर्न बेबी है उसमें चला जाता है ठीक है जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करी गई है बच्चे द्वारा वो कहा जाएगा प्लेजेंटा में प्लेजेंटा से कहा जाएगा बच्चे माँ के ब्लड में माँ के ब्लड से फिर हम बोलते हैं कि वो बॉडी के बाहर चला जाता है ठीक है अच्छा तो फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है द अनबॉर्न बेबी इन द यूट्रस एट द स्टेज वेन ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड अ फीटस अब क्या बोला गया कि जो अनबॉर्न बेबी है यूट्रस uh, में जब उसके सभी बॉडी पार्ट जो हैं आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो ऐसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं फीटस कहते हैं और इस वर्ड को हम प्रनाउंस किसे करते हैं फीटस हालांकि इस वर्ड की जो वो है स्पेलिंग है उसमें ओ लेटर आ रहा है लेकिन ओ को हम रखते हैं साइलेंट और इसलिए इसको हम प्रनाउंस करते हैं क्या फ़ीटस एफ ई टी यू एस फीटस अन एम्ब्रियो ह्यूमन एम्ब्रियो बिकम्स अ फीटस आफ्टर अबाउट 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी का के 8 हफ्ते निकल जाते हैं 2 महीने का पीरियड हम बोलते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली निकल जाता है उसके बाद में जो स्टेज है ना अनबॉर्न बेबी की उसको हम बोलते हैं क्या फीटस और कब तक बोलेंगे जब तक कि वो बाहर नहीं आ जाता यानी कि जब तक कि डिलीवरी नहीं हो जाती तो हम बोल सकते हैं कि नाइन्थ मंथ से नाइन्थ वीक से लेकर के है ना प्रेगनेंसी के नाइन्थ वीक से लेकर के जब तक कि बच्चा बाहर नहीं आ जाता है डिलीवर नहीं हो जाता है तब तक जो पीरियड होता है अनबॉर्न बेबी का जो स्टेज होती है उसको हम बोलेंगे क्या फीटस अबाउट एट फ्रॉम अबाउट एट वीक्स अनटिल बर्थ द अनबॉर्न बेबी इज कॉल्ड फीटस फिर इट टेक्स अबाउट थर्टी एट वीक्स अबाउट नाइन मंथ्स फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फुली डेवलप्ड बेबी तो हम बोलते हैं कि जब से एग फर्टिलाइज हुआ है इसीलिए मैंने कहा था कि देखा जाए तो नौ महीने का पीरियड होता है एक महीने में हम बोलते हैं कि कितने हफ्ते हैं चार हफ्ते हैं कुछ कुछ महीनों में एक दो हफ्ते हम बोलते हैं कि और बढ़ जाते हैं तो नौ महीने मिलाकर के हम बोल सकते हैं कि 36 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है लेकिन फिर भी हम हमने यहाँ पे क्या लिखा है 38 वीक्स तो 38 वीक्स कैसे हुआ है तो किसी एक महीने में एक आध हफ़्ता हम बोलते हैं कि और ऐड हो गया प्लस हम बोलते हैं कि जो फ़र्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस हुई है वहाँ से काउंट करना हम शुरू करते हैं तो थर्टी वीक्स की हम बोलते हैं कि अबाउट प्रेगनेंसी होती है Uh, या आप ये भी बोल सकते हो कि 38 वीक्स लग जाते हैं कब से लेके कब तक तो एग के फर्टिलाइजेशन से एक फुली डेवलप बेबी के फॉर्मेशन तक व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इनटू अ बेबी इज़ कंप्लीट द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी और जब डेवलपमेंट हो जाता है पूरा फीटस का तो फिर क्या फिर तो उसको बाहर ही निकलना है तो जो मदर है वो अपने बच्चे को बाहर बेसिकली uh, बर्थ हो जाता है बेबी का द फुली फॉर्म बेबी कम्स आउट ऑफ द मदर मदर्स बॉडी थ्रू वजाइना तो ये सब ये तो हमको पता है न कि वजाइना क्या करता है एक बर्थ कैनल बनाता है और इसी के थ्रू बच्चा बाहर आता है एन वी से दैट अ बेबी इज़ बॉर्न और हम बोलते हैं कि अब बच्चा पैदा हो गया है दिस इज़ हाउ ह्यूमन्स प्रोड्यूस बाई गिविंग रिप्रोड्यूस बाई गिविंग बर्थ टू बेबीज और कुछ इस तरीके से ह्यूमन वीग्स में जो है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है और बच्चे पैदा होते हैं चलो और इसी के साथ में हमारे इस मेन टॉपिक का जो थर्ड सब टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो वो होता है कंप्लीट और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं इस चीज़ को ध्यान रखना चलो अब इसके बाद में हम एक फोर्थ सब टॉपिक की बात कर लेते हैं जो कि क्या है डिफरेंसेस बिटवीन जाइगोड एम्ब्रियो एंड फीटस अजाइगोड फॉर्म्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइकोड कब बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनता है ऑफकोर्स जायगोट से ही बनता है एम्ब्रियो एंड फाइनली एम्ब्रियो से ही बनता है क्या फीटस तो so, ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट हुआ जायगोट जायगोट से बना एम्ब्रियो एम्ब्रियो से बना फीटस अब डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं इनमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जायगोट की तो जायगोट इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स स्पर्म एंड एग जायगोट कैसे बनेगा मेल और फीमेल गैमिट स्पर्म और एक्स के फ्यूजन से बनेगा एम्ब्रियो कब बनेगा सो एन एम्ब्रियो इज फॉन्ड बाय द रिपीटेड सेल डिवीजन ऑफ जायगोट और जैसे ही जायगोट अपना सेल डिवीजन स्टार्ट करने लगेगा तो हम बोलते हैं कि एमरियो बन जाएगा फीटस कैसे बनेगा अ फीटस इज फॉर्म बाय द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ एमरियो और जब ये एमरियो आकर के यूट्रस की वॉल से अटैच होता है उसमें जाके इम्प्लांट होता है किस चीज के लिए अपने ग्रोथ के लिए अपने डेवलपमेंट के लिए तो हम बोलते हैं कि क्या बन जाएगा फीटस बन जाएगा अगोट इज द बिगनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ बेबी बेबी के फॉर्मेशन की शुरुआत क्या है जायगोट है लेकिन अगर हम बात करेंगे अपने एम्ब्रियो की तो एम्ब्रियो क्या है अन एम्ब्रियो इज़ एन अनबॉर्न बेबी इन द यूट्रस इज द इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट अप टू एट वीक्स तो बोला गया है कि जब बच्चा माँ के पेट में ही होता है यूट्रस में ही होता है अनबॉर्न बेबी होता है तो अनबॉर्न बेबी की जो अर्ली स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की कब तक तो आठवें वीक तक उस अर्ली स्टेज को हम क्या बोलते हैं एम्ब्रियो बोलते हैं फिर इसके बाद में आठवें हफ्ते के बाद जो डेवलपमेंट की जो लेटर स्टेजेस आएंगी अनबॉर्न बेबी की उसे हम बोलेंगे क्या फीटस सो अ फीटस इज एन अनबॉर्न बेबी इन द यूट्रस इन द लेटर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर एट वीक्स टिल बर्थ और कब तक बेसिकली uh, बर्थ के टाइम तक अ जायगोट इज अ सिंगल सेल इट इज़ स्मॉलर बॉडी ऑब्वियसली बात है जायगोट हम बोलते हैं कि सिंगल सेल होता है एक ही न्यूक्लियस होता है और अगर उसको हम एम्ब्रियो से और फीटस से कंपेयर करेंगे तो उसका साइज तो छोटा ही आएगा एम्ब्रियो की अगर हम बात करें तो ये बेशक कैसा होता है मल्टी सेलुलर होता है लेकिन यहाँ पे अभी जो फ़ीचर्स वगैरह हैं वो डेवलप नहीं होते हैं लेकिन अगर हम बात करेंगे कि इसकी फ़ीटस की फ़ीटस का शायद मैंने आपको फ़ोटो नहीं दिखाया क्या देखो ये रहा इस फीटस में हम बोल रहे हैं कि इसका सर दिख रहा है बाल दिख रहे हैं कान नाक आँख हाथ पाँव सब दिखाई दे रहा है है ना तो फ़ीटस में हम बोलते हैं कि आ, ये भी मल्टी सेलुलर होता है और इसमें सारे बॉडी फ़ीचर्स आँख नाक कान आँख वगैरह सब डेवलप हो जाते हैं आप आसानी से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो ठीक है तो ये मेन डिफ्रेंसेज हुए किस किस के बीच में जयगोड uh, एम्ब्रियो और फीटस के बीच में तो आप आई होप इन सभी चीज़ों को याद रखोगे तो आज के सेशन में हमने क्या किया है आज के सेशन में हमने ये जो पूरा अपना मेन टॉपिक है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और यू कैन से ह्यूमन बींग्स वो हमने कर लिया है कम्प्लीट शुरुआत हुई थी किसके साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने के साथ क्योंकि हमने अपने प्रीवियस सेशंस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो तो हमने समझ ही लिया था कि भाई दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं मेल भी और फीमेल भी मेल की बॉडी में मेल गैमेज बनते हैं फीमेल की बॉडी में फीमेल गैमेज बनते हैं और उन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है इन्वॉल्वमेंट भी कैसा होता है दोनों का फ्यूजन होता है और इसी फ्यूजन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है ना तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है मेथड क्या होता है वो हम ऑलरेडी समझ चुके थे लेकिन जब बात आती है ह्यूमन बींग्स की कि ह्यूमन बींग्स में स्पेसिफिकली कैसे होता है तो उसे समझने के लिए सबसे पहले हमने बात करी थी कि इसकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ठीक है ना कि गैमिज बन तो रहे हैं मेल और फीमेल पेरेंट बॉडी में लेकिन कहाँ बन रहे हैं वो हमने समझ लिया फिर इसके बाद में फर्टिलाइजेशन हो गया फर्टिलाइजेशन के बाद में शुरुआत से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जायोर्ड बनता है लेकिन जायोड से फिर एक ह्यूमन बेबी कैसे बनता है बीच की क्या स्टेजेस होती हैं वो तो हमने पढ़ी नहीं थी तो इस सेशन में हमने वो भी कवर कर लिया कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे होता है कि जयबोर्ड तो बन गया इसके बाद में एम्ब्रियो कैसे बनेगा एम्ब्रियो के बाद में हम बोलते हैं कि फ़ीटस कैसे बनेगा कौन सी स्टेज में कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती हैं कौन सी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं कब तक कौन सी वाली स्टेज तक आप एम्ब्रियो बोलोगे और कौन सी वाली स्टेज को आप फीटस बोलोगे ये सारी बातें हमने आज के सेशन में कर ली हैं तो आई होप आई होप आज का सेशन आप प्रीवियस सेशंस में हमने हमारे इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस वो हमने कवर किया था क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी हमने उस मेन टॉपिक में सबसे पहले तो हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था हमने देखा था कि कैसे मेल पेरेंट की बॉडी में जो टेस्टीज़ हैं वो मेल गैमिट्स यानी कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन करती हैं फिर इसके बाद में फीमेल पेरेंट बॉडी में जो ओवरीज हैं वो फीमेल गैमिट्स यानी कि एक्स का फॉर्मेशन करती हैं ओवा का फॉर्मेशन करती हैं फिर मैंने आपको ये समझाया था कि मेल पेरेंट बॉडी से जो स्पर्म्स हैं जो मेल गैमिट्स हैं वो बाहर निकलते हैं बाहर निकल के कहाँ जाते हैं तो फीमेल पेरेंट बॉडी में जाते हैं किसके थ्रू तो वजाइना के थ्रू वजाइना के थ्रू वो कहाँ पहुँचते हैं यूट्रस में पहुँचते हैं और यूट्रस से फिर वो और आगे कहाँ जाते हैं तो फनल शेप की ट्यूब्स यानी कि फेलोपियन डक्ट्स में फेलोपियन ट्यूब्स में या ओवी डक्ट्स में जिस समय स्पर्म्स मेल पेरेंट बॉडी से निकल करके फीमेल पेरेंट बॉडी में पहुंचते हैं और कहाँ पहुंचते हैं फेलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं एट द सेम टाइम फीमेल पेरेंट बॉडी में जो ओवरीज हैं बेसिकली दो ओवरीज होती है ना फीमेल पेरेंट बॉडी में तो दोनों में से कोई एक ओवरी क्या करती है उसी समय ओवम या एग रिलीज़ करती है और ये एग कहाँ जाता है ये एग भी जाता है फेलोपियन ट्यूब में ही तो हुआ क्या कि फीमेल पेरेंट बॉडी में जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं वहाँ पे अब स्पर्म्स भी आ चुके हैं और ओवम भी आ चुका है तो होगा क्या इतने सारे स्पर्म्स में से कोई एक स्पर्म जाएगा और उस ओवम को जाकर के फर्टिलाइज़ कर देगा यानी कि क्या हुआ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई और कहाँ हुई तो फेलोपियन ट्यूब्स में ही हुई तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं ओविडक्स हैं इनका काम ना सिर्फ ओवरीज को यूट्रस से कनेक्ट करने का होता है बल्कि ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी होती है यहीं पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है अब फर्टिलाइजेशन हुआ है तो ऑब्वियसली बात है जयगोड बनेगा अब जयगोड में हम बोलते हैं कि रिपीटेड डिविजन्स होते हैं और मल्टीप्लीकेशन होते हैं जिसके कारण नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं यानी कि अब हो क्या बन गया है जाइगोड से एम्ब्रियो बन चुका है अब इस एम्ब्रियो की हम बोलते हैं कि रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि इसको न्यूट्रिशन भी चाहिए है इसको गैसट एक्सचेंज भी करना है इसको हम बोलते हैं कि एक्सक्रीशन भी करना है तो क्योंकि अब इस एम्ब्रियो की इतनी डिमांड बढ़ चुकी है कि ऑब्वियसली बात है फेलोपेन ट्यूब में तो ये रहेगा नहीं है ना ओविडक्ट्स में नहीं रहेगा ये कहाँ जाएगा तो यूट्रस की फीमेल पेरेंट बॉडी में जो यूट्रस है उसकी जो अंदर वाली वॉल्स है वहाँ पे जाकर के ये चिपक जाएगा कैसे चिपकेगा तो प्लेजेंटा के थ्रू चिपक जाएगा ठीक है फिर इसके बाद में ये जो एम्ब्रियो है ये अपनी ग्रोथ अपना डेवलपमेंट वगैरह जो है स्टार्ट करेगा और ग्रो करते करते डेवलप होते होते ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा फ़ीटस में हो जाएगा फ़ीटस में भी जब हम बोलते हैं कि पूरी अच्छी तरीके से ग्रोथ हो जाती है इसके बाद में ये जो फ़ीटस है ये नाइन मंथ्स की प्रेगनेंसी के बाद जो फीमेल पेरेंट बॉडी है उससे बाहर निकल आता है ठीक है अब देखो इस ये पूरी जो हमने कहानी पढ़ी है ये कहाँ पढ़ी है अपने प्रीवियस सेशंस में पढ़ी है तो आज की सेशन में हम इस स्टोरी को फिर से यू नो रिवाइज़ क्यों कर रहे हैं या रिपीट क्यों कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें याद है ना तभी जा कर के आप क्या कर सकते हो इसके कंटेन्यूशन में ये टेक्निक आई टेक्निक समझ सकते हो अब अगर मैं आपसे पूछूँ रिवाइज हमने कर लिया ना अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई ये जो प्रेगनेंसी हुई ये एग्जैक्टली exactly क्यों हुई क्योंकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई थी है ना फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्यों हुई थी क्योंकि जिस समय ओवरीडक्स में स्पर्म्स पहुंचे थे उसी समय ओवरी ने क्या किया था ओवम को रिलीज किया था तो क्योंकि स्पर्म्स एंड ओवम एक दूसरे के कांटेक्ट में आए थे इसीलिए फर्टिलाइजेशन हुआ फर्टिलाइजेशन हुआ इसीलिए जयगोड बना ड बना इसीलिए एम्ब्रीओ बना एमब्रियो बना इसीलिए क्या बना फीटस बना और फीटस बना मतलब क्या कि वो पूरी जो नाइन मंथ्स की जो प्रेगनेंसी है वो क्या हुई कंप्लीट हुई आई बात आपको समझ में लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि कुछ ऐसे रीजन्स हुए जिसके कारण स्पर्म्स एंड ओवम का जो कॉन्टेक्ट है जो एनकाउंटर है वो हुआ ही नहीं तो क्या होगा इसके ऊपर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ प्रीवियस uh, सेशन में कि देखो फीमेल पेरेंट बॉडी में क्या होता है कि जो यूट्रस है ना वो हर महीने अपने आप को एम्ब्रियो को कैच करने के लिए या उसको एम्बेड करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है कैसे तो अच्छी खासी जो ब्लड की सप्लाई है वो कहाँ होती है यूट्रस में होती है यूट्रस की जो वॉल्स है वो अंदर से थिक हो जाती है ब्लड का उसमें हम बोलते हैं कि डिपोजिशन हो जाता है ताकि जैसे ही एम्ब्रियो आए उसको फट से क्या करा जाए पकड़ लिया जाए कैप्चर कर लिया जाए अपने अंदर एम्बेड कर लिया जाए किसमें यूट्रस की इनर वॉल्स में तो हर महीने यूट्रस की वॉल्स क्या करती हैं अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए या कंसीव करने के लिए प्रिपेयर करती हैं लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि हर मंथ जो है एम्ब्रियो आकर के एम्बेड हो जाए कैसे भाई देखो ये जो स्पर्म्स आते हैं फेलोपियन ट्यूब्स में अगर सेम टाइम पे, जिस समय वो आए हैं उसी टाइम पे अगर ओवम पहुंच जाता है तो तो एनकाउंटर होगा तो तो फर्टिलाइजेशन होगा अदरवाइज़ क्या होगा अगर हम बोलते हैं कि ओवम देर से आया तो स्पर्म्स अगर एक बार आ चुके हैं फेलोपियन ट्यूब में फीमेल पेरेंट बॉडी में तो वो हमेशा के लिए वहाँ नहीं रहेंगे वो कुछ घंटों बाद वहाँ से गायब हो जाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं ठीक है तो जिस समय वो है फेलोपियन ट्यूब में अगर उसी समय ओवम आ गया तो तो एनकाउंटर होगा तो तो फर्टिलाइजेशन होगा अदरवाइज नहीं होगा या हम बोलते हैं कि ओवम पहले आ गया और जिस समय वो आया उस समय स्पर्म्स नहीं आए थे तो क्या होगा ओवम भी जो है ना ज्यादा देर तक मतलब फेलोपियन ट्यूब में नहीं रहेगा इसके बाद में जो है वो यूटरस में उतरेगा और यूटरस से उतरने के बाद वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा तो जब तक सेम टाइम पे दोनों नहीं आएंगे फेलोपियन ट्यूब में तब तक हम बोलते हैं कि एनकाउंटर नहीं होगा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ये बात मैंने आपको प्रीवियस सेशन में समझाई थी लेकिन आज के इस सेशन में मैं आपको एक और बात बता रही हूँ जहाँ पे हो क्या रहा है कि साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे ओवे डक में या फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म्स भी आ रहे हैं और ओवरी से जो ओवम है वो रिलीज भी हो रहा है लेकिन फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा क्यों नहीं हो रहा क्योंकि कुछ रीजन्स के कारण ये जो फेलोपियन ट्यूब है ना इसमें क्या आ गया है ब्लॉकेज आ गया है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ रीजन के कारण ये जो ट्यूब है पे पे हम बोलते हैं कि कि जा रहा रहा है 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 का ही आपको एक दिखाया ये ये क्या है? ये ट्यूब है और यहाँ पे देखो क्या है ब्लॉकेज है तो ऐसा नहीं है कि ओवरीज फंक्शनल नहीं है ओवरी ने अपना काम किया था उसका काम है एग को प्रोड्यूस करना है ना तो ओवन तो यहाँ से रिलीज हुआ ओवरी में बना और वो बाहर निकला भी जो फिमरे थे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो थे उनने बाहर निकाला ओवम को और वो कहाँ तक लेके गए बेसिकली फेलोपियन ट्यूब के लेवल तक लेकर के भी गए लेकिन उसके आगे जहाँ पे स्पर्म्स थे वहाँ पे जो ओवम है वो नहीं पहुँच पाया क्यों नहीं पहुँच पाया क्योंकि देखो ना बीच में हम बोलते हैं कि ब्लॉकेज आ गया है तो सपोज ओवम कहाँ है यहाँ है और स्पर्म्स हम बोल रहे हैं कि कहाँ है यहाँ है तो यहाँ पे हमने बोला कि साइमल्टेनियसली पे फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म्स भी हैं और ओवम भी है लेकिन इनका फिर भी एनकाउंटर नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि बीच में हम बोलते हैं कि ब्लॉकेज है तो ओवम जो है वो स्पर्म्स के पास पहुंच ही नहीं पा रहे हैं और अगर पहुंचेंगे नहीं तो कैसे फर्टिलाइजेशन होगा और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा मतलब क्या कोई जायगोट नहीं बनेगा जायगोट नहीं बनेगा मतलब क्या कोई एम्ब्रियो नहीं बनेगा एम्ब्रियो के ना बनने का मतलब क्या है कि कोई फीटस नहीं बनेगा यानी कि वो जो पूरी नाइन मंथ्स की जो प्रेगनेंसी की जो वो पूरी साइकिल है ना वो पॉसिबल ही नहीं होगी तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चीज़ें हुई नहीं थी बाकायदा ओवरी ने अपना काम किया स्पर्म्स भी जो है ना इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके कहाँ पहुँचे फेलोपियन ट्यूब तक पहुँचे लेकिन फिर भी एनकाउंटर नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ क्योंकि ये जो ब्लॉकेज है ये वहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में हम बोलते हैं कि है जिसके कारण एनकाउंटर नहीं हो पा रहा है तो अब अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो अब आपके लिए आई को समझना होगा काफ़ी ज़्यादा आसान कि इन अ हेल्दी वुमेन द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय द स्पर्म टेक्स प्लेस इन द ओविडक एक हेल्दी ह्यूमन फीमेल में जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होता है फेलोपियन ट्यूब में या ओविडक में होता है द ओविडक्स ऑफ द सम वुमेन आर ब्लॉक्ड ड्यू टू सम रीजन कुछ औरतों में ये जो ओविडक्स हैं ये कुछ रीजंस के कारण ब्लॉक हो जाती हैं अब देखो ये जो ब्लॉकेज है ना जरूरी नहीं है कि ये हमेशा कैसी हो परमानेंट ही हो कुछ अब क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं इतनी एडवांसमेंट हो गई है तो कभी कभी हम बोलते हैं कि ये जो ब्लॉकेज आया है ओविडक्ट्स में इसको क्लियर भी कर दिया जाता है जैसे कि हार्ट की ब्लॉकेज होती है ना हार्ट की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें हम बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह फैट्स वगैरह का डिपोजिशन हो जाता है तो जो ब्लड वेसल्स हैं हार्ट की वो हम बोलते हैं कि पतली हो जाती है तो जितना ब्लड हमारे हार्ट को पंप करना चाहिए उतना वो कर नहीं पाता है है ना तो हार्ट की ब्लॉकेज को भी जो है ना खोला जा सकता है आसानी से सिमिलरली आज के टाइम पे हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि ओवी डक्स या फिलोपियन ट्यूब में जो भी ब्लॉकेज हुई है उस ब्लॉकेज को हम क्या करें खोल दें लेकिन कुछ बार ऐसा भी होता है कुछ समय ऐसा भी होता है कि ये जो ब्लॉकेज है ना इसको ठीक नहीं किया जा सकता इस ब्लॉकेज को रिमूव नहीं किया जा सकता तो सच वुमेन कैन नॉट प्रोड्यूस बेबीज़ इन द नॉर्मल वे क्या बोला गया है कि ऐसी औरतें जिनकी जो ओवीडग्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और ब्लॉकेज क्लियर नहीं हो पाता है खुल नहीं पाता है ऐसी औरतों को बेबीज नहीं होते हैं बेबीज नहीं होने के आगे क्या लिखा है इन द नॉर्मल वे जिस तरीके से जिस नॉर्मल तरीके से होने चाहिए ना उस नॉर्मल तरीके से नहीं होते ऐसा नहीं कि होते ही नहीं है होंगे कैसे होंगे आई से ही होंगे लेकिन नॉर्मल वे में नहीं हो पाते क्योंकि ये प्रोसेस तो हम बोलते हैं कि नेचुरली हो रही है ना लेकिन जब हम बात करते हैं कि ओवी में ब्लॉकेज आ गया है तो उस ब्लॉकेज के कारण जो है तरीके से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है बेबीज नहीं हो पाते हैं। तो बेसिकली हम बोलते हैं कि ओविडक्स क्योंकि ब्लॉक हो चुकी है तो ओवरी से जो एग्स निकले हैं वो स्पर्म्स से जाकर के मिल नहीं पाते हैं। और मिलेंगे नहीं तो ऑब्वियस बातें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होने वाला है सच अ वुमेन सच वुमेन विच हु कैन नॉट प्रोड्यूस बेबीज आर कॉल्ड स्टराइल और ऐसी वमेन uh, जिनको की बेबीज नहीं हो पाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं स्टराइल कहते हैं जिनको होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे फर्टाइल बोलेंगे है ना तो फर्टाइल का अपोजिट क्या होता है स्टराइल होता है इवन स्टराइल वुमेन कैन हैव बेबीज बाई यूजिंग द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक तो अब हम बोलते हैं कि ऐसी स्टराइल वमेन के लिए आई टेक्निक क्या है एक हम बोलते हैं कि मेरेकल है एक ब्लेसिंग है जिसके थ्रू वो उनको बेबीज जो है ना हो सकते हैं कैसे इन इनविट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स इन ग्लास फर्टिलाइजेशन देखो नेचुरली फीमेल पेरेंट बॉडी की ओवीड में तो फर्टिलाइजेशन होने से रहा क्यों क्योंकि ब्लॉकेज है तो अब फर्टिलाइजेशन तो होगा क्योंकि देखो जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ना तब तक जायगोट नहीं बनेगा और अगर जायगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा और आगे की प्रोसेस नहीं हो पाएगी तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है जायगोट बनाना है कैसे बनेगा वो तो मेल और फीमेल गैमिट के फ्यूजन से ही बनेगा तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है ना वो फीमेल पेरेंट बॉडी के अंदर नहीं करवाई जाती क्योंकि नेचुरली नहीं हो रही है ना तो वो वहाँ नहीं करवाई जाती है बल्कि ग्लास फर्टिलाइजेशन होता है मतलब इन दिस टेक्निक फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग विध स्पर्म इज कैरीड आउट इन अ ग्लास डिश या ग्लास ट्यूब ठीक है ना कांच की बनी हुई डिश या का बनी हुई जो ट्यूब होती है इसमें हम बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है ओवम और स्पर्म्स का जो है फर्टिलाइजेशन उनका जो फ्यूजन है वो करवाया जाता है तो होना कहाँ चाहिए था नेचुरली नॉर्मली फीमेल पेरेंट बॉडी की ओविडक्ट्स में लेकिन क्योंकि वहां पर ब्लॉकेज है वहां पर एनकाउंटर नहीं हो पा रहा है दोनों ही गैमेट्स का इसीलिए हम ग्लास की बनी हुई ट्यूब या ग्लास का बना हुआ जो डिश है इसमें फर्टिलाइजेशन करवाते हैं बेसिकली इन दिस टेक्निक फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग विद स्पर्म इज कैरीड आउट इन अ ग्लास डिश और अ ग्लास ट्यूब रादर देन इन द बॉडी ऑफ अ वमेन दिस इज कॉमनली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी हो सकता है कि आपने आई ना सुना हो लेकिन आपने टेस्ट ट्यूब बेबी जरूर सुना होगा है ना तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये होता है कि पूरा का पूरा जो बेबी है वो इस छोटी सी टेस्ट ट्यूब में बन जाता है नहीं बेबी तो अभी भी फीमेल पेरेंट बॉडी के अंदर ही बनेगा लेकिन बेबी को बनाने के जो इनिशियल स्टेजेस है ना वो फीमेल पेरेंट बॉडी के अंदर नहीं होगी वो कहाँ होगी टेस्ट ट्यूब में होगी कैसे तो टेस्ट ट्यूब में ही हम मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन कराते हैं फर्टिलाइजेशन करवाते हैं और जायगोट हम बोलते हैं कि इसी टेस्ट ट्यूब में या इस ग्लास की बनी हुई डिश में होता है मनलीन एज टेस्ट बेबी टेक्निक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज नोन एज आईवीएफ इन शॉर्ट तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं आई वी एफ बोलते हैं ठीक है तो ये दोनों वर्ड आप याद रखेंगे टेस्ट्यो बेबी एंड आई वी एफ चलो अब क्या होता है ये प्रोसेस एग्जैक्टली exactly होती कैसे है प्रोसीजर क्या होता है

ट्यूब इज़ इंसर्टेड इनटू हर बॉडी सो दैट द डॉक्टर कैन सी द ओवरी एंड टेक आउट द टाइनी एग्स बेसिकली होता क्या है कि जैसे एबडोमन में यूट्रस हम बोलते हैं कि फीमेल पेरेंट बॉडी में कहां होता है एब्डोमिनल रीजन में होता है नीचे ही होता है तो वहां पे हम बोलते हैं कि डॉक्टर क्या करता है एक छोटा सा कट या इंसिजन लगाता है साइड में ठीक है जिसके कारण क्या होता है फिर वहाँ पर वो जो कट और जो इंसिजन लगाया गया है वहाँ पर क्या करा जाता है एक ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब डाली जाती है जो कि डॉक्टर को देखने में हेल्प करती है कि एग्जैक्टली exactly, ओवरीज uh, के अंदर हम बोलते हैं कि जो फीमेल गैमिट है जो ओवम है वो कहाँ है ठीक है तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि छोटा सा चीरा लगाया जाता है इंसिजन बनाया जाता है ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब डाली जाती है वहाँ से डॉक्टर हम बोलते हैं कि ऊपर से देखता जाता है कि भाई ओवरी के अंदर हम जा तो रहे हैं एबडोमिन में जा तो रहे हैं लेकिन एग्जैक्टली हमको कहाँ जाना है और ओवरी में कौन से हमें सेल्स वहाँ से निकालने हैं तो कुछ इस तरीके से हम बोलते हैं कि इसको लेप्रोस्कोपी बोलते हैं और लैप्रोस्कोपी से एक्स को जो है बाहर निकाल लिया जाता है ये एक तरीका हुआ लेप्रोस्कोपी और आजकल हम बोलते हैं कि एक और कन्वीनियंट मेथड होता है जिसमें हम बोलते हैं कि थोड़ा बहुत NST से देना पड़ता है और वेजाइना के रास्ते से ठीक है वेजाइना के रास्ते से हम बोलते हैं कि देखो ये एक ट्यूब डाली जाती है और ये जो ट्यूब जो है वो कहाँ जाती है ओवरी में जाती है ओवरी से जो ओवम है ये जो एग्स हैं वो बाहर निकाले जाते हैं और इसमें फिल कर लिए जाते हैं तो ये एक दूसरा मेथड है तो लेप्रोस्कोपी भी हो सकती है और ये वाला मेथड भी हो सकता है जहाँ पे हम बोलते हैं कि वेजाइना के थ्रू एंट्री हो रही है वेजाइना के थ्रू हम बोलते हैं कि ट्यूब डाली जाती है और ओवरी से जो ओवम है या जो एग्स हैं वो बाहर निकाल लिए जाते हैं इस ट्यूब में आकर के भर दिए जाते हैं ठीक है दोनों तरीके हम बोलते हैं कि पॉसिबल है आज के डेट में द वुमेंस हस्बेंड प्रोवाइड द स्पर्म इन द फॉर्म ऑफ सीमेंट और हम बोलते हैं कि मेल पेरेंट बॉडी से क्योंकि हमको पता है कि सीमेंट क्या है एक ऐसा फ्लूइड जिसमें कि हम बोलते हैं कि क्या होता है स्पर्म्स होते हैं है ना तो मेल पेरेंट बॉडी से हम बोलते हैं कि सीमन यूरित्रा के थ्रू बाहर निकल आता है और इसी सीमन में हम बोलते हैं कि फ्लूइड भी होता है और स्पम्स भी होते हैं तो मेल पेरेंट क्या करेगा अपनी बॉडी से स्पर्म्स प्रोवाइड करेगा द स्पर्म्स आर मिक्स विद द एग्स इन अ ग्लास डिश या ग्लास टेस्ट ट्यूब टू कैरी आउट फर्टिलाइजेशन और हम बोलते हैं कि कुछ इस तरीके की एक ग्लास की हम डिश लेते हैं फीमेल पेरेंट बॉडी से एग्स तो निकाल ही चुके हैं एग्स को भी हम कहाँ डालेंगे यहाँ डाल देंगे है ना फिर इसके बाद में जो मेल पेरेंट बॉडी है वहाँ से स्पर्म्स भी आ चुके हैं तो स्पर्म्स को भी हम क्या करेंगे इसी आ, ग्लास ग्लास की जो डिश है इसमें डाल देंगे एग्स के साथ तो क्या होगा स्पर्म्स का बेसिकली आ, फ्यूजन हो जाएगा किसके साथ ओवम के साथ द फर्टिलाइज एग अब फर्टिलाइजेशन हो चुका है फ्यूजन हो चुका है तो अब जो फर्टिलाइज एग बना है यानी कि जो जायोड बना है डेवलप इन टू एम्ब्रियो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा आफ्टर अबाउट अ वीक वन और मोर एम्ब्रिय क्योंकि देखो यहाँ पे तो क्या हुआ है कई सारे एक अकेले ओवम तो निकाला नहीं जाता है कई सारे निकाले जाते हैं ना तो कई सारे यहाँ पे ओवा है कई सारे यहाँ पे स्पर्म्स हैं तो हो सकता है कि एम्ब्रियो भी क्या हो एक से ज़्यादा बने तो इसके बाद में ये देखा जाता है कि कौन सा वाला एम्ब्रियो बेस्ट है बेस्ट मतलब कि किसका हम बोलते हैं कि कौन सा एम्ब्रियो ज़्यादा हेल्दी तरीके से ग्रो कर रहा है अगर आपको याद होगा तो हमने अपने फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में सीड ट्रांसप्लांटेशन का एक टॉपिक पढ़ा था है ना जहाँ पे हम बोलते हैं कि जैसे कि चावल की खेती करनी है तो चावल की खेती करने के दौरान हम सीधे से जा के जो उसके बीज होते हैं चावल के वो एज़ इट इज़ जो है ना हम मेन जो खेत होता है वहाँ पे नहीं गाड़ते हैं हम क्या करते हैं सबसे पहले तो एक नर्सरी जिसको हम सीड बेड कहते हैं वहाँ पे चावल के जो सीड होते हैं उनको ग्रो करवाते हैं है ना इसके बाद में क्या होता है सीडलिंग्स बन जाती हैं अब उन सभी सीडलिंग्स में से हम वो वाली सीडलिंग्स चुनते हैं जो कि काफ़ी हेल्दी होती है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है फिर उन सीडलिंग्स को अच्छी वाली सीडलिंग्स को उठा करके हम क्या करते हैं मेन जो खेत है वहाँ पे बो देते हैं इससे क्या होगा कि एक अश्योरिटी मिल जाती है कि आपने जो सीडलिंग्स सिलेक्ट करी हैं वो अच्छी क्वालिटी की हैं और हेल्दी हैं तो ये आगे जाकर के क्या कहूँगी हेल्दी तरीके से ही ग्रो करेंगी और इनसे जो ईल्ड है वो भी इनसे जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छा मिलेगा ईल्ड भी क्या होगी अच्छी होगी तो यहाँ पर एक आपको अश्योरेंस मिला था ना सिमिलरली यहाँ पर भी यही होता है ठीक है तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि एक से ज़्यादा एम्बरीओज जो बन जाते हैं उन सभी में से छांटे जाते हैं कि भाई कौन सा वाला एम्ब्रियो जो है वो हेल्दी है तो जो अच्छा वाला हेल्दी वाला एम्ब्रियो होगा उसको लिया जाएगा और दोबारा से हम बोलते हैं कि फीमेल पेरेंट बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा तो एक स्टेप जो कि नहीं हो पा रही थी ऐसा नहीं है कि अगर ओवीडग्ड्स ब्लॉक्ड हैं तो इसका मतलब उस फीमेल के अंदर ऐसी कंडीशंस है ही नहीं कि जिसके कारण वो जो है ना बेबी प्रोड्यूस कर पाए ऐसा नहीं है वो कंडीशन उसके अंदर थी लेकिन जस्ट बिकॉज वो जो फेलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक्ड है जिसके कारण आ, हम बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है गैमेट्स का तो होगा क्या सिर्फ एक वो जो स्टेप होगी ना वो बॉडी के बाहर परफॉर्म की जाएगी बाकी की जो स्टेप्स होंगी जो स्टेजेस होंगी प्रेगनेंसी की वो फीमेल पेरेंट बॉडी के अंदर ही होंगी ठीक है तो एक हफ्ते बाद एक या उससे ज़्यादा एम्ब्रियोस हम बोलते हैं कि प्लेस किए जाते हैं कहाँ विमेंस यूट्रस में या उसके वूम में ठीक है सीधे सीधे हम बोलते हैं कि यूट्रस में ही डाल दिया जाता है फिर इसके बाद में इफ़ द एम्ब्रियो गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूट्रस सक्सेसफुली देन नॉर्मल प्रेगनेंसी अकर्स एंड अ बेबी इज़ बॉर्न अबाउट आफ्टर अबाउट नाइन मंथ्स और अगर ये जो हमने एम्बेड किया है एम्ब्रियोज यूट्रस के अंदर ये अगर इम्प्लांटेशन कैसा हुआ सक्सेसफुल रहा तो एम्ब्रियो जो है जा कर के चिपक जाएगा अच्छी तरीके से यूट्रस की वॉल्स के साथ और हम बोलते हैं कि प्लेजेंटा का फॉर्मेशन हो जाएगा तो यूट्रस की वॉल्स हैं और उस वॉल से कनेक्टेड है एम्ब्रियो कैसे प्रजेंटा के थ्रू तो फिर हम बोलते हैं कि वो नॉर्मली जो एम्ब्रियो है वो ग्रो करेगा डेवलप करेगा और वो जो नाइन मंथ्स की जो प्रेगनेंसी है वो पॉसिबल हो पाएगी और इसके बाद में बच्चा जो है नौ महीने बाद बाहर आ जाएगा इन इन विट्रोफर्ट इन इट आई वी एफ में क्या होता है इज़ यूज टू हेल्प दोज कपल्स हजबैंड एंड वाइफ इन हैविंग बेबीज़ हु कैन प्रोड्यूस पर्म्स एंड एग्स बट फर्टिलाइजेशन कैन नॉट टेक्स प्लेस इन साइड द वीमेंस बॉडी ड्यू टू ब्लॉग्ड ओवीडक्स और ब्लॉकड फेलोपियन ट्यूब्स सो बेसिकली ये टेक्निक वहीं होती है जहाँ पे फीमेल की बॉडी में जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं वो कैसी हैं ब्लॉक्ड है, है ना बाकी जो कंडीशन हैं प्रेग्नेंसी की वो है फीमेल बॉडी के अंदर उसके लिए मतलब जो भी प्रेग्नेंसी की स्टेप्स होती हैं वो स्टेप्स उस फीमेल पेरेंट के अंदर हो सकती हैं ऐसा नहीं है कि वो कैबेबल ही नहीं है प्रेगनेंसी के लिए वो है लेकिन बस वो एक सिंगल स्टेप जो है ना वो बीच में आ रही है तो उसको बॉडी के बाहर किया जाता है परफॉर्म द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक्स वॉज इनिशियली डेवलप्ड फॉर कैरिंग आउट द रिप्रोडक्शन इन फार्म एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलोज इन नाइनटीन तो देखो ये तो हम सबको पता है कि जब भी किसी चीज़ को यू नो इन्वेंट किया जाना है डिस्कवरी की जाती है तो वो सबसे पहला जो हम बोलते हैं ना एक्सपेरिमेंट वो जानवरों पे ही परफॉर्म किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि ये जो इन्वेट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक है ये आज की ही बेसिकली आज ही डिस्कवर हुई है या एक दो साल पहले नहीं ये नाइनटीन से चली आ रही है नाइनटीन में हम बोलते हैं कि जानवरों के ऊपर गाय भैंसों के ऊपर जो है ये टेक्निक प्रैक्टिस की जाती थी एक्सपेरिमेंट किया जाता था दिस टेक्निक वॉज सक्सेसफुल वॉज यूज सक्सेसफुल फॉर रीप्रोडक्शन इन ह्यूम इन नाइनटीन सेवेंटी एट और नाइनटीन सेवेंटी एट में जाकर के हम बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स में ये जो टेक्निक है रीप्रोडक्शन की ये क्या हुई सक्सेसफुल रही अ लार्ज नंबर ऑफ बेबीज आर नाउ बॉर्ड इन आर कंट्री बाई यूजिंग द आई वी एफ टेक्निक तो पहले जो समस्या होती थी ना कि बेबीज़ नहीं हो रहे हैं लेकिन आज के टाइम पे क्योंकि वही बात है ना कि टेक्नोलॉजीज़ इतनी ज़्यादा आ चुकी हैं एडवांसमेंट इतनी हो गई है कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि फ़र्टिलाइजेशन जो है ना बाहर हो सकता है बॉडी के अंदर ह्यूमन बींग्स में लेकिन आज के टाइम पे ये भी पॉसिबल है फर्टिलाइजेशन हुआ एम्ब्रियो बना और ये जो एम्बरीओज़ हैं एक से ज़्यादा एम्बरीओज़ बेसिकली आ, फीमेल पेरेंट बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं अगर इम्प्लान्टशन सक्सेसफुल हुआ तो हम बोलेंगे कि प्रेगनेंसी हो जाएगी ठीक है अब आप बोलोगे कि मैम एक से ज़्यादा एम्ब्रियोस को एम्बेड करने की क्या ज़रूरत थी जरूरत ये थी क्योंकि ये ना हिट एंड ट्रायल मेथड होता है कि करके देख लेते हैं अगर सक्सेसफुल हुआ तो बहुत अच्छी बात है है ना प्लस हम बोलते हैं कि ये जो टेक्निक है ये काफ़ी महंगी भी होती है बहुत दवाइयाँ चलती हैं बहुत सारे हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं तब जा कर के ये जो टेक्निक है ये सक्सेसफुल हो सकती है तो फिफ्टी फिफ्टी परसेंट चांसेज होते हैं ठीक है थीके? तो क्योंकि कई सारे एग्स निकाले गए थे बॉडी से है ना कई सारे स्पम्प्स तो वैसे भी आते हैं मेल पेरेंट बॉडी से तो एम्ब्रियोज़ भी हम बोलते हैं कि एक से ज़्यादा बनी जाते हैं तो सपोज़ हम बोलते हैं कि दो एम्ब्रियोज़ जो हैं इंट्रोड्यूस कराए गए हैं फीमेल बॉडी में यूट्रस में है ना तो अगर एक इम्प्लांट नहीं हो पाया तो हो सकता है कि उसके साथ में जो दूसरा हमने रखा है इंट्रोड्यूस करवाया है शायद वो इम्प्लांट हो जाए तो कभी कभी हम बोलते हैं कि दोनों ही इम्प्लांट नहीं हो पाते कभी कभी एक हो पाता है दूसरा नहीं हो पाता और कभी कभी ये भी पॉसिबल है कि दोनों जा करके इम्प्लांट हो जाते हैं तो उस केस में हम बोलते हैं कि ट्विंस पैदा होते हैं ठीक है तो आईवीएफ टेक्निक में आपने कई बार सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी में कि ट्विन्स हुए हैं ट्रिपलेट्स हुए हैं तो ये ट्विन्स और ट्रिपलेट्स क्यों हो रहे हैं क्योंकि एक साथ दो या तीन एम्ब्रियो को यानी कि एक से ज्यादा एम्ब्रियो को तो रखा ही जाता है ताकि अगर एक नहीं हो रहा है इम्प्लांट तो कम से कम दूसरा हो जाए दूसरा नहीं हो रहा तो कम से कम तीसरा हो जाए क्योंकि बार बार ये जो टेक्निक है ना ये हम नहीं कर सकते क्योंकि एक बार हमने आई किया नहीं हुआ इम्प्लांटेशन तो हम दूसरी बार करेंगे दूसरी बार नहीं होती तो हम तीसरी बार करेंगे बार बार नहीं हो सकता है ना इसकी भी एक लिमिट होती है प्लस हम बोलते हैं कि सबके बस की बात नहीं होती यानी कि सब इसको अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये काफी महंगा प्रोसीजर होता है आई होप इतना सबको समझ में आया होगा चलो नंबर ऑफ बॉर्न इन कंट्री बाई यूजिंग सबसे पहले कब ये आया था 1950 में गाय और भैंसों पे एनिमल्स इसको एक्सपेरिमेंट किया जाता था और 1978 में सबसे पहले ये जो टेक्निक है वो सक्सेसफुल रही थी किसमें ह्यूमन बीइंग्स में नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द सक्सेस रेट ऑफ दिस टेक्निक इज़ ओनली अबाउट थर्टी टू फोर्टी परसेंट मैंने तो आपको फिर भी फिफ्टी परसेंट बताई थी है ना कि फ़िफ्टी परसेंट चांसेज होते हैं लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि इस टेक्निक का जो सक्सेस रेट है वो कितना होता है थर्टी टू फोर्टी ही हो जाता है क्यों क्योंकि देखो हम जो भी चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी तो आ गई है है ना हमारे पास ऐसी मशीन्स है कि हम बाहर फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं है ना मेल और फीमेल गायमिट्स को हम बाहर निकाल सकते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में उनको हम फर्टिलाइज़ करवा सकते हैं लेकिन हम ये जो भी चीज़ कर रहे हैं ये नेचर के अगेंस्ट है तो सीधी सी बात है कि चांसेस जो होते हैं जो सक्सेस रेट है इसका वो काफ़ी कम होता है कि अगर हो पाया तो हो पाया वरना एक हद के बाद जो है ना टेक्नोलॉजी भी काम नहीं आती है द बेबीज़ बॉर्न थ्रू इन थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट्यूब बेबीज बिकॉज ऑफ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ग्लास डिश और ग्लास टेस्ट्यूब तो इनको मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से जो बच्चे पैदा होते हैं उनको हम टेस्ट्यूब बेबीज़ कहते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई है वो फीमेल पेरेंट बॉडी में तो हुई नहीं है वो कहाँ हुई है ग्लास की बनी हुई डिश या ग्लास टेस्ट्यूब में होती है दिस इज हाउ एवर बेसिकली एक रॉन्ग नेम है यहाँ पे बिकॉज एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू ब्रीफ पीरियड ऑफ अबाउट वन वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड एवरी अर्ली डेवलपमेंट फोर्ट विच इज स्पेंड इन अ टेस्ट ट्यूब ऑलमोस्ट द एंटायर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस इन साइड द यूट्रस ऑफ द वुमेन एज इन नॉर्मल प्रेगनेंसी तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तो फिर भी ये टर्म सही है है ना कि फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है ग्लास की ट्यूब में हो रहा है ग्लास की डिश में हो रहा है लेकिन ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी है ये वाला वर्ड थोड़ा सा गलत है है ना क्योंकि जब हम पहली बार सुनते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी तो क्लियरली हमारे दिमाग में सबसे पहले तो यही इमेज आती है कि अच्छा बेबी जो कि टेस्ट ट्यूब में हुआ है जबकि बेबी तो एग्जैक्टली exactly हम बोलते हैं कि पूरा का पूरा फीमेल पेरेंट बॉडी में ही बनेगा बस जो इनिशियल स्टेज है जो अर्ली स्टेज है फर्टिलाइजेशन की सिर्फ वही बाहर होती है बाकी एक बार एमरियो आ गया फर्टिलाइजेशन हो गया आ, वो उस टेस्ट ट्यूब में इसके बाद में जो एम्ब्रियो होगा वो तो फीमेल पेरेंट बॉडी में ही इंसर्ट किया जाएगा पूरी की पूरी जो ग्रोथ होगी एम्ब्रियो की पूरी की पूरी जो डेवलपमेंट होगी एम्ब्रियो की वो कहाँ होगी वो फीमेल पेरेंट बॉडी में ही होगी यूट्रस में ही होगी तो टेस्ट ट्यूब बेबी बोलना थोड़ा सा गलत हो जाता है, है ना क्योंकि केवल टेस्ट ट्यूब में क्या हो रही है इनिशियल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है बाकी पूरी ग्रोथ बेबी का जो डेवलपमेंट है वो तो यूट्रस में ही होगा नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ठीक है तो ये पूरी कहानी है किसकी भाई आई की वी वी पेरस एनिमल्स एंड ओ वी पेरस एनिमल्स तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं सो दिस इज़ विभूति खरे वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन जहाँ पे हम बात करेंगे वी वी पेरस एंड ओ वी पेरस एनिमल्स की अब अगर आपको याद हो तो प्रीवियस सेशंस में हमने बात करी है फ़र्टिलाइजेशन की प्रोसेस जहाँ पे हमने ये सीखा था कि मेल और फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है उसी को हम बोलते हैं क्या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हमने इस प्रोसेस के दो टाइप्स भी पढ़े हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है यानी कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है ये कहाँ होती है ये फीमेल पेरेंट बॉडी में ही होती है कैसे तो जो मेल पेरेंट uh, है उसकी बॉडी से गैमिट्स बाहर निकलते हैं यानी कि मेल गैमिट्स बाहर निकलते हैं और कहाँ एंटर करते हैं फीमेल पेरेंट बॉडी में एंटर करते हैं तो फीमेल पेरेंट बॉडी में उसके गैमिट्स तो होंगे यानी कि फ़ीमेल गैमिट्स तो होंगे ही तो फीमेल पेरेंट बॉडी के अंदर ही मेल और फीमेल गैमिट्स का uh, हम बोलते हैं कि जो फ्यूजन है वो हो जाता है यानी कि फ़र्टिलाइजेशन फीमेल पेरेंट बॉडी के अंदर होता है इसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है ना ये एक्सटर्नल एनवायरमेंट में होता है किसी मेल या फीमेल पेरेंट बॉडी के अंदर नहीं होता है मेल पेरेंट बॉडी से मेल गैमिट्स बाहर आ जाएंगे एनवायरमेंट में और फीमेल पेरेंट बॉडी से भी जो फीमेल गैमिट्स है वो भी बाहर आ जाएंगे एन्वायरमेंट में और बाहर ही फर्टिलाइजेशन होगा फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमिट्स का इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी ओवी पेरस और वी वी पेरिस एनिमल्स की तो यहाँ पे हम अब ये देखेंगे कि ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है यानी कि एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो एग्जैक्टली exactly कहाँ हो रहा है क्या वो फीमेल पेरेंट बॉडी के अंदर हो रहा है या बाहर हो रहा है उसके बेसिस पर ही हम डिसाइड करेंगे कि ओ वी पेरस एनिमल्स क्या होते हैं या वी वी पेरस एनिमल्स क्या होते हैं देखो यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है कि सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस दोज एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस और बेबी एनिमल्स आर कॉल्ड वी वी पेरस एनिमल्स ठीक है वी वी पेरस एनिमल्स क्या होते हैं वो एनिमल्स जो कि सीधे क्या करते हैं बच्चे पैदा करते हैं यानी कि अंडा देने वाला जो कंडीशन uh, है वो इनके साथ नहीं आती है ठीक है वी वी का मतलब क्या होता है अलाइव और पेरस का मतलब क्या होता है बियरिंग इन वी वी पेर एनिमल्स द यंग वंस डेवलप इन द यूटरस इन साइड द बॉडी ऑफ दी मदर और यू कैन से फीमेल पेरेंट तो जैसे कि हमने अपने प्रीवियस सेशन में अपने चैप्टर का जो एक मेन टॉपिक था सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स वहाँ पर हमने देखा था कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स में नाइन मंथ की प्रेग्नेंसी है और उस प्रेग्नेंसी पीरियड में जो फीटस है और यू कैन से जो एम्ब्रियो है वो कहाँ डेवलप होता है यूटरस के अंदर यानी कि फ़ीमेल पेरेंट बॉडी के यूटरस में ही डेवलप होता है है ना और जब डेवलपमेंट हो जाता है पूरा कंप्लीट और तो वो जो फीटस है वो मदर बॉडी के बाहर निकल आता है यानी कि बेबी की डिलीवरी हो जाती है तो वी वी पेरिस एनिमल्स में हम बोलते हैं कि जो यंग वन है वो मदर की बॉडी में यूट्रस uh, में हम बोलते हैं कि वहाँ पर वो क्या करता है डेवलप करता है और ग्रो करता है वेन द यंग वन इज़ फुली डेवलप्ड देन द मदर गिव्स बर्थ ड्यू टू विच द लाइव यंग वन या बेबी एनिमल कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द मदर और जब उस यंग वन की जो ग्रोथ है जो फीटस की जो ग्रोथ है वो कम्प्लीट हो जाती है फिर इसके बाद में वो बच्चा जो है बाहर आ जाता है और वो बच्चा भी कैसा होता है जिंदा होता है कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द मदर चलो फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है द वी पेरस एनिमल्स डू नॉट ले एग्स आउटसाइड देयर बॉडी लाइक द बर्ड्स एंड द रेप्टाइल्स जैसे कि बर्ड्स होती हैं हमारी चिड़िया होती हैं या जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं सांप वगैरह है ना क्रोकोडाइल्स वगैरह तो उनके सामान ये सब क्या करते हैं बर्ड्स और रेप्टाइल्स ये तो अंडे देते हैं ना लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी वी वी एनिमल्स की तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंडा देने वाली जो सिचुएशन है जो कंडीशन है वो इनके साथ नहीं होती है ये सीधे के सीधे क्या करते हैं जिंदा बच्चे पैदा करते हैं इन द वी वी पेरासिमल्स द बर्ड द the द मदर फीमेल पेरेंट गिव्स बर्थ टू अ फुली डेवलप्ड बेबी एनिमल जिसको कि हम यंग वन बोलते हैं वी वी एनिमल्स में क्या होता है कि जब बच्चा डिलीवर होता है ना तो वो फुली डेवलप्ड होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब ये एक जो ह्यूमन बेबी डेवलप हो रहा है माना कि वो साइज़ में बहुत छोटा सा होता है लेकिन उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं जो ऑर्गन्स हैं वो कम्प्लीटली डेवलप्ड होते हैं उसमें हार्ट भी होगा उसमें लंग्स भी होगा किडनीज भी होंगे है ना फेस होता है फेशियल फीचर्स होते हैं आंखें दिखाई देती हैं नाक दिखाई देती है कान दिखाई देते हैं हाथ पाँव सब दिखाई देते हैं ना तो वो कम्प्लीटली डेवलप्ड होता है हाँ छोटा है लेकिन आगे जा के समय के साथ में उसकी ग्रोथ हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बींग्स द मदर गिव्स बर्थ टू अ बेबी सो ह्यूमन्स आर वी वी पेरस एनिमल्स तो ह्यूमन बींग्स में भी हम बोलते हैं कि सीधे इस तरीके से बच्चा जो है यूटरस से बाहर निकलता है आफ्टर द पीरियड ऑफ नाइन मंथ्स तो ह्यूमन बींग्स भी क्या होते हैं वी वी पेरस एनिमल्स ही होते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ वी वी पेरस एनिमल्स आर अब अकेले ऐसा थोड़ी है कि ह्यूमन बींग्स ही वी वी पेरस एनिमल्स होते हैं कुछ और भी होते हैं जैसे कि हमारी काउज डॉग्स कैट्स लॉयंस टाइगर हॉर्स रैबिट रैट एलिफेंट कैमिल ये सब क्या हैं वी वी एनिमल्स के ही एग्जाम्पल हैं यानी कि ये सीधे के सीधे एनिमल्स क्या करते हैं एक बच्चा ही पैदा करते हैं अंडा देने वाली सिचुएशन इनके साथ नहीं होती है ठीक है फुली डेवलप्ड बेबी को ये बेसिकली uh, बर्थ देते हैं इनफैक्ट ऑल द मेम्बल्स आर वी वी पेरस एनिमल्स सभी मेमल्स क्या होते हैं वी वी पेरस एनिमल्स होते हैं सम एनिमल्स ले एग्स विच लेटर ऑन डेवलप इन टू यंग अब इसके बाद में कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि अंडे देते हैं और यही अंडे हम बोलते हैं कि आगे जा कर के एक एनिमल में डेवलप हो जाते हैं दोज एनिमल्स विच ले एग्स फ्रॉम विच यंग वंस या बेबी एनिमल्स आर हेज लेटर ऑन आर कॉल्ड ओ पेरस एनिमल्स ठीक है अब उन जानवरों की बात हो रही है उन पक्षियों की बात हो रही है जो कि अंडे देते हैं और इनके ये अंडे हम बोलते हैं कि इनके अंडों में से हम बोलते हैं कि आगे जाकर के यंग वंस या हम बोलते हैं कि बेबी एनिमल्स डेवलप हो जाते हैं तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं ओवी पेरस एनिमल्स कहते हैं इन ओवी पेरस एनिमल्स द मदर या फीमेल पेरेंट लेज एग्स आउटसाइड इट्स बॉडी ठीक है जो अंडे होते हैं वो फीमेल पेरेंट क्या करती है अपने बॉडी के बाहर ले आती है द यंग वन ऑफ द एनिमल डेवलप्स इनसाइड द एग और जो यंग वन होगा ना वो कहाँ डेवलप होगा वो एग के अंदर ही डेवलप होगा वी वी में क्या हो रहा था कि फीमेल पेरेंट बॉडी के अंदर जो बेबी है वो डेवलप हो रहा था लेकिन ओवी वी में क्या होता है कि फ़ीमेल पेरेंट ने क्या करा है अपनी बॉडी से एग बाहर दे दिए हैं अब उन्हीं अंडों में उन्हीं एग्स में क्या होगा बेबी या यंग या वन डेवलप होगा वेन द डेवलपमेंट ऑफ द यंग वन इनसाइड द एग इज़ कम्प्लीट द एग शेल ब्रेक्स ओपन एंड अन अलाइव यंग वन या बेबी एनिमल कम्स आउट ऑफ इट और जब हम बोलते हैं कि अंडा uh, अंडे के अंदर जो बेसिकली uh, बेबी है जब वो फुली डेवलप हो जाएगा इसके बाद में वो अंडा तोड़ करके उसका शेल तोड़ करके बाहर आ जाएगा है ना तो एक जिंदा अलाइव यंग वन जो है निकल के आता है कहाँ से uh, अंडे से दिस इज़ कॉल्ड हैचिंग और ये जो अंडे को तोड़ने वाली जो प्रोसेस है ना कि बच्चा अंदर का पूरा डेवलप हो चुका है जब अंडा दिया जाता है ना जब एग ले किया जाता है ओ वी एनिमल्स द्वारा उस समय हम बोलते हैं कि आ, उस अंडे के अंदर बच्चा नहीं होता है धीरे धीरे एग के अंदर का जो भी कंटेंट है जो भी योग वगैरह है उससे हम बोलते हैं कि धीरे धीरे बेबी डेवलप होता है और जब डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा तब एग शेल तोड़ करके वो बच्चा बाहर निकले आए निकल के आएगा और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या हैचिंग फॉर एग्जाम्पल द hen लेज eggs, मुर्गी जो है अंडे देती है द यंगन ऑफ द हैंन और चिक मुर्गी के बच्चे को हम क्या बोलते हैं चिक बोलते हैं डेवलप्स इन साइड द एग ठीक है मुर्गी का जो बच्चा होता है वो एग के अंदर ही डेवलप होता है वेन द डेवलपमेंट ऑफ द चिक इन साइड द हैंड एग इज कम्प्लीट द एग शेल ब्रेक्स ओपन एंड अन अफ चिक कम्स आउट ऑफ इट तो जैसे कि यहाँ पे आपको इमेज में भी दिखाई दे रहा होगा कि अंडे के अंदर जो है ये पूरा का पूरा मुर्गी का जो बच्चा है जिसको हम चिक बोलते हैं वो डेवलप होता है जब इसका डेवलपमेंट पूरा हो जाता है जब ये बाहर आने लायक हो जाता है है ना तो फिर हम बोलते हैं कि ये एक्श को तोड़ के बाहर निकल आता है ठीक है इनिशियल स्टेजेस में तो हम ये बोलेंगे कि अभी जो मुर्गी का बच्चा निकला है ये अभी भी हम बोलते हैं कि ये छोटा ही है और अपने न्यूट्रिशन वगैरह के लिए अपनी मदर के ऊपर ही डिपेंड करता है ना आपने देखा होगा चिड़ियों के जो छोटे छोटे से चूजे होते हैं चिड़िया आती है ममा बर्ड और वो क्या करती है अपने चोच में दाना लेकर के आती है और बच्चों के मुंह में आकर के डालती है है ना तो इनिशियल स्टेजेस में हैचिंग होने के बाद भी इनिशियल स्टेजेस में हम बोलते हैं कि जो यंग वंस होते हैं वो अपने न्यूट्रिशन की प्रोसेस के लिए अपनी मदर पे ही डिपेंडेंट होते हैं फिर धीरे धीरे हम बोलते हैं कि समय के साथ में इनकी फर्दर डेवलपमेंट होती है इनके पंख वगैरह जो है ना प्रॉपरली आ जाते हैं इनको दिखाई देने लगता है प्रॉपरली फिर इसके बाद में ये अपने घोंसले से उड़ जाते हैं और फिर इसके बाद में ये अपनी मदर पर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं होते हैं चलो नेक्स्ट क्या है सिंस अ हैन लेज एग्स फ्रॉम विच इट्स यंग वंस या चिक्स आर हैच्ड हैन इज एन ओवी पेरस एनिमल तो क्योंकि मुर्गी जो है अंडे देती है और इन अंडों से ही एक आ, हम बोलते हैं कि नए बच्चे निकल के आते हैं प्रोड्यूस होते हैं इसीलिए मुर्गी भी क्या है एक ओवी पेरस एनिमल है सम अदर एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं ओवी पेरस एनिमल्स के स्पैरो चिड़िया है ना गौराइये जिसको हम बोलते हैं क्रो कौआ बटरफ्लाई हाउस फ्लाई फ्रॉग्स फिशेज लिजर्ट स्नैक ऑस्ट्रिच एंड क्रोकोडाइज तो हमारे जित जितने भी बर्ड्स हैं है ना सब बर्ड्स ही तो हैं स्पेरो क्रो ऑस्ट्रिच ये सब क्या है? हैं बर्ड्स हैं आ हम बोलते हैं कि रेप्टाइल्स में कौन आते हैं क्रोकोडाइल्स आते हैं स्नेक वगैरह आते हैं इसके अलावा कुछ छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं हमारे बटरफ्लाई हाउस फ्लाई वगैरह है ना फिशेस भी हम बोलते हैं कि अंडे ही देती हैं फ्रॉग्स भी हम बोलते हैं कि अंडे ही देते हैं लेजर्ट वगैरह लेजर्ट भी हम बोलते हैं कि रेप्टाइल्स में ही आते हैं तो ये सब क्या होते हैं ओवी पैरस एनिमल्स होते हैं तो ओ पैरस एनिमल्स का ना कोई साइज़ नहीं होता है क्या आप बोलोगे कि सिर्फ जो छोटे एनिमल्स होते हैं जैसे कि बटरफ्लाई हो गई या चिड़िया हो गई सिर्फ यही अंडे देंगे ऐसा नहीं है Uh, बड़े बड़े एनिमल्स जैसे कि स्नेक्स हो गया ऑस्ट्रिच हो गई सबसे बड़ी बर्ड इसके अलावा क्रोकोडाइल ये सब भी हम बोलते हैं कि अंडे देते हैं तो ओवीपेरस एनिमल्स या अंडे देने का आप ये नहीं बोल सकते कि कोई साइज़ होगा कि छोटे वाले एनिमल्स ही अंडे देंगे या बड़े वाले एनिमल्स दे सकते हैं कोई भी दे सकता है इनफैक्ट ऑल द इंसेक्ट्स बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर ओवी पेरस एनिमल्स सभी बर्ड्स सभी इंसेक्ट्स और सभी रेप्टाइल्स जिसमें कि हम बोलते हैं कि क्रोकोडाइल आते हैं है ना स्नेक्स आते हैं लिजर्ड आती हैं ये सब के सब कैसे होते हैं ओवी होते हैं सभी के सभी अंडे देते हैं और इन्हीं अंडों से हम बोलते हैं कि इनके यंग वंस निकलते हैं तो ये मुर्गी के अंडे हैं आपके सामने ठीक है और फिर इसके बाद में यहाँ से एक छोटा सा मुर्गी का बच्चा जो है निकल के आया है चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास इट इज़ ईजी टू कलेक्ट द एग्स ऑफ ओवी एनिमल्स बिकॉज दे ले द एग्स आउटसाइड देयर बॉडीज ओवी एनिमल्स के जो अंडे होते हैं उनको बाहर मतलब उनको कलेक्ट करना आसान होता है क्यों क्योंकि वो तो अपने बॉडी से अंडे बाहर ही दे रहे हैं ना प्लस उनके जो अंडे होते हैं ना वो मतलब इतने तो छोटे नहीं होते हैं कि उनको देखने के लिए हमें आ, किसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े है ना इतने बड़े होते हैं कि हम उनको आसानी से देख पाते हैं सो इफ इट वी कैन कलेक्ट द एग्स ऑफ एन एनिमल ईजिली दैन इट विल बी अन ओ वी पेरस एनिमल्स है ना तो जो ओ वी पेरस एनिमल्स होते हैं वो अपने बॉडी के बाहर निकाल देते हैं अंडों को और उनको हम आसानी से कलेक्ट भी कर सकते हैं वी कैन हाउ एवर नॉट कलेक्ट द एग्स फ्राम वी वी पेरस एनिमल्स लाइक ह्यूमन बींग्स काउ कैट डॉग एक्सेट्रा बिकॉज दे डो नॉट ले एग्स आउटसाइड देयर बॉडी और हम बोलते हैं कि जो हमारे वी वी पैरस एनिमल्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गया कैट डॉग वगैरह इनके एग्स को हम कलेक्ट नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि इनके जो एग्स हैं वो तो बाहर आते ही नहीं ना बॉडी के तो फर्टिलाइजेशन जो भी होता है वो बॉडी के अंदर हो होगा फर्टिलाइजेशन के बाद में जो जायगोर्ड बना है वो भी कहाँ होगा फ़ीमेल पेरेंट बॉडी के अंदर ही होगा इस जयगोर्ड से जो एम्ब्रियो बना है वो भी फीमेल पेरेंट बॉडी के अंदर ही होगा प्लस इस एम्ब्रियो का जो पूरा डेवलपमेंट है एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट है वो भी कहाँ हो रही है फीमेल पेरेंट बॉडी के अंदर ही हो रही है तो जब सारी चीज़ें अंदर हो रही हैं बाहर कुछ आ ही नहीं रहा है बाहर चीजें क्या आता है बच्चा जन्म लेता है उसके पहले तो सब चीज़ें अंदर ही होती हैं तो वी वी पैलेस एनिमल्स के हम बोलते हैं कि अंडों को हम कलेक्ट नहीं कर सकते हैं देयर एग्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल प्लस हम बोलते हैं कि उनका जो जो एग्स हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं विच रिमेन इनसाइड देयर बॉडीज जो कि उनकी बॉडी के अंदर ही रहते हैं चलो नेक्स्ट क्या है अब हम बात करते हैं एक मुर्गी के, के केस की कि द हैन इज़ अ बर्ड मुर्गी क्या है चिड़िया ही तो होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हैंन ऑल्सो और फर्टिलाइजेशन हम बोलते हैं कि कैसा होता है मुर्गी में इंटरनली होता है यानी कि मेल गैमिट कहाँ जाते हैं फीमेल पेरेंट बॉडी के अंदर जाते हैं और बॉडी के अंदर ही फीमेल पेरेंट बॉडी के अंदर ही गैमिट्स का फ्यूजन होता है जिसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं बट अ हैंड डज़ नॉट गिव बर्थ टू चिक्स लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी इस चीज़ की गारंटी नहीं होती है कि फ़र्टिलाइजेशन इंटरनल हुआ है तो वो क्या होगा वहाँ पर सीधे बच्चा ही बॉडी के बाहर निकलेगा ऐसा नहीं है फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुआ था लेकिन जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है ना वो कहाँ होगी फीमेल पेरेंट बॉडी के बाहर होगी बट अ हैन डज नॉट गिव बर्थ टू चिक्स लाइक ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू बेबीज जैसे इंसान अपने बच्चों को जन्म देते हैं वैसे मुर्गी अपने बच्चों को जन्म नहीं देती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन साइड द बॉडी ऑफ द हैन द फर्टिलाइज एग या जो जायगोट होगा वो डिवाइड करेगा रिपीटेडली टू फॉर्म एम्ब्रियो विच ट्रेवल्स डाउन द uh, ओविडक्ट फिर इसके बाद में जो जायगोट है उसमें वही रिपीटेड डिविजन्स होंगे मल्टीप्लीकेशन होगा नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे बढ़ जाएंगे एम्ब्रियो बन जाएगा और ये जो एम्ब्रियो है ये हम बोलते हैं कि ओविडक्ट से नीचे उतर आएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है एज इट ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड द एम्ब्रियो जिस समय ये ओविडक्ट से एम्ब्रियो uh, नीचे उतर रहा होगा उस दौरान एम्ब्रियो के आसपास काफ़ी सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स बन जाएंगी द हार्ट शेल

जयगोड बन गया उसके बाद में एम्ब्रियो बन गया जब ये एम्ब्रियो ओविडेट से नीचे उतर रहा था उस दौरान उसके आसपास काफ़ी सारी प्रोटेक्टिव कवरिंग बन गई थी सबसे बाहर वाली जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो क्या है एक्शेल है और उसके अंदर बाकी की सारी कवरिंग होती है, है ना तो जब हम बोलते हैं कि अंडे के या बोल सकते हो कि डेवलपिंग एमब्रियो के आसपास अच्छा खासा जब प्रोटेक्टिव शेल बन जाता है उस समय क्या होता है कि जो मुर्गी है वो अंडा अपने बॉडी से बाहर निकाल देती है अंडे दे देती है वो आफ्टर द हार्ड एग्सल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो द हैन फाइनली ले द एग दैट इज द देंस एग कम्स आउट ऑफ इट्स बॉडी और कुछ इस तरीके से मुर्गी का जो अंडा है वो उसकी बॉडी के बाहर आता है द हैंन दैन हैन दैन सिट्स ऑन द एग्स टू प्रोवाइड सफिशियंट टू द एग्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इन साइड द चिक्स फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि जो मुर्गी है आपने देखा होगा कुछ कुछ कार्टून मूवीज़ में भी आपने देखा होगा है ना सच में अगर आपने कभी कोई पोल्ट्री फार्म विजिट किया हो तो आपने ज़रूर देखा होगा कि जो मुर्गी है वो अपने अंडों के ऊपर कुछ इस तरीके से बैठी रहती है क्यों बैठी रहती है ताकि एक सफिशेंट गर्माहट एक वार्म जो है अंडे को मिले क्योंकि ऑब्वियसली बात है एग के अंदर का जो भी कंटेंट है जो भी योग कंटेंट है उसी से क्या हो रहा है एक चिक जो है डेवलप हो रहा है तो जब ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती ना बेसिकली वो जो एग है वो क्या है मुर्गी का जो अंडा है ये क्या है एक फर्टिलाइज एग ही तो है है ना योग अंदर का जो भी कंटेंट है मतलब बेसिकली एम्ब्रियो बन चुका है इस हम बोलते हैं कि एग के अंदर क्या है एम्ब्रियो आ चुका है अब यही एम्ब्रियो हम बोलते हैं कि इसकी ग्रोथ होगी इसकी डेवलपमेंट होगी तो देखो ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है ये कहाँ हो रही है ये मदर की बॉडी के बाहर हो रही है फीमेल पेरेंट बॉडी ने तो फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बॉडी के अंदर लेकिन इसके बाद में जब एम्ब्रियो के ऊपर जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो के ऊपर शेल बन चुका है इसके बाद में उसने तो अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया फिर इसके बाद में ये जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है ये कहाँ पूरा होगा फीमेल पेरेंट बॉडी के बाहर होगा और अंदर एग के अंदर का जो भी कंटेंट है योग वगैरह वो हम बोलते हैं कि उस डेवलपिंग एम्ब्रियो uh, के न्यूट्रिशन में हेल्पफुल होता है जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया है कि फ़ीमेल uh, जैसे अगर हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स की है ना तो जो भी डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत है उसको गैशस एक्सचेंज भी करना है उसको हम बोलते हैं कि कुछ वेस्ट भी जनरेट हुआ है जो कि उसको बाहर निकालना है तो ये सब चीज़ें कैसे होती हैं तो सीधी सी बात है अगर न्यूट्रिशन भी डराइव करना है ना तो वो मदर की बॉडी से ही न्यूट्रिशन डिराइव करेगा क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अभी तो वो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ना? ना, वो अपना खाना खुद तो बना नहीं सकता है तो इसीलिए क्या करेगा वो जो मदर की बॉडी है उसका जो ब्लड है है ना, उसी से अपने सारे न्यूट्रिएंट्स वो डिराइव करेगा और जो भी वेस्ट जनरेट हुआ है वो उसी ब्लड में जो है रिलीज कर देगा प्लस जो भी गैसेस चाहिए हैं उसको अपने सर्वाइवल के लिए फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन चाहिए तो ये ओटू वहां से आएगी तो मदर के ब्लड से ही आएगी लेकिन यहाँ पे एस सच केस आपको देखने को नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे तो मदर ने अपनी बॉडी से हटा ही दिया है डेवलपिंग एम्ब्रियो को तो अब जो भी करना है एम्ब्रियो को अपने दम पर करना है कैसे करना है तो एग के अंदर का जो भी योग कंटेंट होता है वो योग कंटेंट ही हम बोलते हैं कि डेवलपिंग एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन का काम करता है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो भी अपने ग्रोथ के दौरान पे न्यूट्रिशन चाहिए है वो कहाँ से मिलेगा योग से ही मिलेगा ठीक है चलो द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट थ्री uh, वीक्स या 21 दिन टू डेवलप इन टू अ कम्प्लीट चिक और एक जो एम्ब्रियो होता है वो उसको तीन हफ्ते लग जाते हैं या 21 दिन लग जाते हैं एक कम्प्लीट चिक में डेवलप होने में द डेवलपमेंट ऑफ द चिक फ्रॉम द एग टेक्स प्लेस इन साइड देंस एग ड्यूरिंग दिस पीरियड और ये जो पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है ये कहाँ हो रहा है मुर्गी के अंडे के अंदर ही हो रहा है कुछ इस तरीके से देखो मुर्गी ने अपने अंडे दे दिए अंडों में देखो आपको एक येलो पार्ट देखेगा जिसको हम योग कहते हैं वाइट पार्ट आपको देखागा जिसको हम एल्बोमैन कहते हैं फिर इसके बाद में इसमें क्या है एम्ब्रियो भी है और यही एम्ब्रियो हम बोलते हैं कि धीरे धीरे क्या होगा डेवलप होगा जैसे जैसे ये डेवलप होगा तो आप देखोगे कि योग ये जो कंटेंट है एक, एक हम बोलते हैं कि अंडे के अंदर का ये कंटेंट धीरे धीरे कम होता जाएगा क्या कम क्यों होता जा रहा है क्योंकि जब ये जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है ना ये अपने डेवलपमेंट के टाइम पे इस पूरे के पूरे योग को कंज्यूम करता जा रहा है क्योंकि भाई न्यूट्रिशन तो चाहिए है ना मदर से तो मिल नहीं रहा है तो अंडे के अंदर जो न्यूट्रिशन है कम से कम वो ही ले लिया जाए तो जैसे जैसे हम बोलते हैं कि ग्रोथ होगी डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियोनिक वैसे वैसे जो योग कंटेंट है वो कम होता जाएगा और फाइनली देखो तीन हफ्ते बाद या इक्कीस दिन बाद हम बोलते हैं कि एक चिक डेवलप हो जाती है कहाँ इस एक छोटे से अंडे से इतना क्लियर है चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आफ्टर द चिक इज़ कम्प्लीटली डेवलप्ड द एग शेल ब्रेक्स ओपन ऑटोमेटिकली एंड द चिक कम्स आउट ऑफ इट और जब हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट हो जाती है पूरी चिक हम बोलते हैं कि इतना यू नो डेवलप हो जाता है कि वो बाहर आ सकता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तो एग शेल टूटता है और चिक बाहर आ जाता है दिस इज़ हाउ अ चिक बॉन्ड कुछ इस तरीके से चिक यानी कि मुर्गी का uh, जो बच्चा है वो पैदा होता है या बनता है ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट इन टू चेक द एम्ब्रियो गेट्स ऑल इट्स फूड फ्रॉम द एग योग जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से फुलफिल होगी डेवलपिंग एम्ब्रियो की एग योग से ही होगी द एल्ब्यूमिन प्रेजेंट इन द एग हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो फ्रॉम द डैमेज और जो एल्ब्यूमिन होता है एग के अंदर का वो क्या करेगा एम्ब्रियो को डैमेज से प्रोटेक्ट करेगा नेक्स्ट क्या है द एम्ब्रियो ऑप्टेन्स ऑक्सीजन बाय द डिफ्यूजन ऑफ एयर थ्रू द एग शेल एंड अदर मेम्रीन्स तो ये जो एक्सल है या जो अदर प्रोटेक्टिव कवरिंग है ये हम बोलते हैं कि डेफिनेटली डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या कर रही है प्रोटेक्ट कर रही है लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसको आइसोलेट नहीं करती है क्यों क्योंकि भाई डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या चाहिए है गैश एक्सचेंज करना है तो मदर की बॉडी में तो वो है नहीं कि प्रजेंटर के थ्रू जो है ना मदर की बॉडी से वो ओ टू ले लेगा ले और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक देगा ये तो हो नहीं रहा तो क्या होगा कि वो जो एक्स है ना एक्सल और जो प्रोडक्टिव कवरिंग है उनमें हम बोलते हैं कि कुछ स्पेसिस होती हैं और उन स्पेसिस से जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करेगा uh, जो भी नेसेसरी गैशे एक्सचेंज है वो परफॉर्म कर लेगा तो एम्ब्रियो जो है ऑक्सीजन कहाँ से ऑप्टेन करता है बाय द डिफ्यूजन ऑफ एयर थ्रू द एक्स शेल एंड अदर मेमरीज द एम्ब्रियोज ऑफ ऑल द बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स एक्सेट्रा डेवलप इन द सेम वे लाइक दैट ऑफ हैन इनसाइड देयर शेल्ड एक्स तो जितने भी हमारी चिड़ियाँ हैं जितने भी हमारे रेप्टाइल्स uh, हैं इनके जो एम्ब्रियो हैं वो कुछ इसी तरीके से uh, अंडे के अंदर डेवलप होते हैं जैसे कि मुर्गी के अंडे में डेवलपमेंट हो रही है वैसे ही बाकी की बर्ड्स और रेप्टाइल्स में भी उनके अंडों में कुछ इसी तरह की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है इन एनिमल्स सच एज फ्रॉग्स फिशेज एक्सेट्रा विच अंडर गो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ़ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इन द एग्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी और जो हमारे फिशेज़ हैं जो फ्रॉग्स हैं इनमें तो फर्टिलाइजेशन भी कैसा होता है एक्सटर्नली होता है ना और जो डेवलपमेंट होगा इमरियो का वो कहाँ होगा अंडे के अंदर ही होगा प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी ओवी पेरस एंड वीवी पेरस एनिमल्स की और आज के इस सेशन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली exactly ये मेटामोरफोसिस की प्रोसेस क्या है और कहाँ कहाँ ये पाई जाती है सो आई होप आज के सेशन का टारगेट सभी बच्चों का है एकदम क्लियर तो एक काम करते हैं जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं सो दिस इज़ विभूति खरे वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मैग्नेट ब्रेन में आपको दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज

यंग वंस बाहर निकल करके आते हैं बेसिकली उन अंडों में हैचिंग की प्रोसेस होती है सो अ नंबर ऑफ एनिमल्स सच एज बर्ड्स फ्रॉग्स इंसेक्ट्स एक्सेट्रा आर हैच्ड फ्रॉम एग्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जितनी भी बर्ड्स हैं जो भी हमारी चिड़िया होती हैं वो सब क्या करती हैं अंडे देती हैं उन अंडों की क्या होती है हैचिंग होती है और नई नई चिड़ियाँ उन अंडों से निकल करके आती हैं फ्रॉग्स की अगर हम बात करेंगे मेंढकों की तो मेंढक भी क्या करते हैं अंडे देते हैं अगर हम बात करेंगे इंसेक्ट्स की तो इंसेक्ट्स भी अंडे देते हैं ना सिर्फ बर्ड्स फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स बल्कि हमारे जो रेप्टाइल्स हैं जैसे कि सांप हो गया है ना कछुए हो गए और चिपकली वगैरह हो गए ये लोग भी क्या करते हैं अंडे देते हैं फॉर एग्जाम्पल चिक्स आर हेच्ड फ्राम द एग्स ऑफ हैंड्स अगर मैं बात करूँ चिक्स की चिक्स मतलब कि चूजे चूजे कहाँ से निकल करके आते हैं मुर्गी के अंडों से सिमिलरली द फ्रॉग्स एंड द सिल्क मॉथ्स आर ऑल्सो हैच्ड फ्राम देअर एग्स तो फ्रॉग्स तो हम सबको पता है कि भाई फ्रॉग्स मतलब क्या मेढा लेकिन ये सिल्क मौत क्या है सिल्क मॉथ हम बोलते हैं बेसिकली एक इंसेक्ट ही होता है और बटरफ्लाई जैसा दिखता है और इस सिल्क मौत की खास बात क्या होती है कि भाई ये हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोवाइड करता है और जिसे हम बोलते हैं क्या सिल्क ठीक है याद होगा आपको प्रीवियस चैप्टर में क्लास एट साइंस के प्रीवियस चैप्टर में आ, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स में हमने सिल्क मौत के ऊपर मतलब सिल्क के ऊपर तो बात करी थी ही वहां पे मैंने आपको बताया था कि सिल्क क्या है एक नेचुरल फाइबर है नेचुरल फाइबर मतलब कि वो वाले फाइबर जो कि प्लांट्स और एनिमल से डिराइव होते हैं तो जो सिल्क फाइबर्स है वो कहाँ से निकलते हैं यही सिल्क मौत से निकलते हैं ये क्या है एक इंसेक्ट है बटरफ्लाई जैसा तो देखा जाए तो हमारे जो फ्रॉग्स और सिल्क मौत हैं ये भी क्या करते हैं अपने मतलब उनके जो अंडे होते हैं उन्हीं अंडों से निकल करके ये आते हैं सो नाउ वेन चिक कम्स आउट ऑफ द एग ऑफ अ हैन इट्स ओवरऑल अपीयरेंस इज ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ एन एडल्ट हैन एक्सेप्ट दैट इट इज मच स्मॉलर देन द हैन सीधी सी बात है देखो Uh, अभी मुर्गी को तो आप छोड़ ही दो अगर हम अपनी बात करें ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जब आप एक न्यूबॉर्न बेबी को देखते हो तो न्यूबॉर्न बेबी को देख करके कर आपको समझ में आता है कि ये किसका बच्चा है है ना ये एक इंसान का बच्चा है सिमिलरली जब हम एक पपी को देखते हैं यानी कि डॉग के बेबी को देखते हैं उसके यंग वन को देखते हैं तो उसको देख के हमें समझ में आता है कि भाई ये किसका बच्चा है ये एक डॉग का बेबी है ये एक पपी है है ना अगर हम एक किटन को देखेंगे यानी कि बिल्ली के बच्चे को देखेंगे तो उसको देख के समझ में आएगा कि हाँ ये किसका बच्चा है ये एक बिल्ली का बच्चा है सिमिलरली मुर्गी के जो अंडे होते हैं उन अंडों की जब हैचिंग होती है उनसे जब चिक्स निकल करके आते हैं तो उन चिक्स को देख करके समझ में आता है कि ये किसके बच्चे हैं ये मुर्गी के बच्चे हैं क्यों क्योंकि हम बोलते हैं कि उनकी जो ओवरऑल अपीयरेंस जो होती है ओवरऑल अपीयरेंस वो हम बोलते हैं कि एक एडल्ट हैन या कॉक मुर्गा ठीक है ना उससे मिलती जुलती है डिफरेंस क्या होता है डिफरेंस ये होता है कि जो चिक uh, है यानी कि जो चूजे हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं इत इतने से होते हैं और जो हैन uh, है या जो कॉक है वो तो साइज़ में बहुत बड़ा होता है तो साइज का फ़र्क होता है जो चिक्स हैं जो चूजे हैं वो छोटे होते हैं और जो हैन हैं वो बड़ी होती है सीधी सी बात है लेकिन हाँ देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसका बच्चा है ये मुर्गी का बच्चा है सो वेन आर स्मॉल चेक ग्रोस एंड डेवलप्स टू बिकम एन एडल्टन या कॉक देन देयर इज नॉट मच चेंज इन इट्स बॉडी अपीयरेंस और जब एक चूजा एक हेन में या कॉक में ट्रांसफॉर्म होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है उसकी बॉडी में तो ऐसा ज़ बहुत ज्यादा यू नो ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी uh, एक एडल्ट हेन या एक एडल्ट कॉक के फीचर्स उसके पास हैं चूजे के पास ठीक है अब क्या होगा समय के साथ साथ वो ग्रो करेगा डेवलप करेगा हाइट वगैरह बढ़ जाएगी बॉडी साइज वगैरह बढ़ जाएगा लेकिन ऑलरेडी उसके पास एक एडल्ट या एडल्ट कॉक के फीचर्स हैं ठीक है वो देखने से समझ में आता है चूजे को कि हाँ, ये किसका बच्चा हो सकता है कुछ इस तरीके से तो यहां पे बोला गया है कि बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है उसके बॉडी अपियरेंस में चलो दैट इज द यंग वन ऑफ हैंन या च हैच्ड फ्रॉम द एग एंड द एडल्टन लुक अलाइक यानी कि मुर्गी के अंडे से जो चेक निकला है जो यंग वन निकला है वो किसका लोक अलाइक होता है एक एडल्टन का लोक अलाइक होता है दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं बट देयर इज नॉट सो इन द केस बट दिस इज नॉट सो इन द केस ऑफ एनिमल्स सच एज फ्रॉक्स एंड सिल्क मॉथ्स लेकिन ऐसा जो केस है ना ये हमारे फ्रॉक्स और सिल्क मॉथ के साथ नहीं होता है क्यों नहीं होता चलो देखते हैं द प्रेजेंट इन द एग्स ऑफ सम एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स लाइक सिल्क मॉथ फ्रो इन टू लार हमने सीखा था कि हमारे जो ओवीपेरस एनिमल्स होते हैं ठीक है ओवीपेरस एनिमल्स जो अंडे देते हैं वो अंडे क्या होते हैं बेसिकली फर्टिलाइज एग होते हैं यानी कि वो बेसिकली आप बोल सकते हो कि जायगोट होता है, है ना उनके ऊपर एक हम बोलते हैं कि कैल्शियम की कवरिंग होती है जिसको कि हम शेल बोलते हैं तो सीधी सी बात है हमारे जो ओवी वी एनिमल्स होते हैं जो अंडे वो देते हैं वो अंडे कैसे होते हैं वो फर्टिलाइज एग होते हैं फिर इसके बाद में उनमें जो है ना एम्ब्रियो डेवलप होता है एम्ब्रियो जो है ग्रो करेगा डेवलप करेगा तो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो भी उसको न्यूट्रिशन चाहिए वो उसको कहाँ से मिलता है तो अंडों के अंदर जो योग प्रेजेंट होता है उसी योग से जो डेवलपिंग एम्ब्रियोज़ हैं वो अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं और अल्टीमेटली ये जो एम्ब्रियोज हैं वो एक यंग वन में डेवलप हो जाते हैं और जब ये यंग वन बाहर निकलने के यू नो कैपेबल होता है कि बाहर की एक्सटर्नल uh, जो सराउंडिंग है उसमें सरवाइव कर सकता है तो फिर ये यंग वन जो है अंडे को तोड़ करके उसके शेल को तोड़ करके बाहर निकल करके आ जाता है ठीक है तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एम्ब्रियोज होते हैं जो कि एग्स में प्रेजेंट होंगे कुछ एम्फीबियंस के जैसे कि फ्रॉग्स और इंसेक्ट्स लाइक सिल्क मोथ फर्स्ट ग्रो इनटू लार्वे तो इनके जो अंडों में एम्ब्रियोज होते हैं सबसे पहले ये किस में कन्वर्ट होंगे लार्वे में कन्वर्ट होंगे लार्वा क्या है एक इमेच्योर फॉर्म होता है एनिमल का लाइक like फ्रॉग और सिल्क मॉथ द हैचिंग ऑफ इट्स एग्स तो कहने को तो हम बोलते हैं कि अंडे टूट चुके हैं उनकी हैचिंग हो चुकी है अगर हम बात करेंगे सपोज फ्रॉक की तो फ्रॉक के जो अंडे होते हैं वो उनकी हैचिंग हो जाती है वो टूट के टूट जाते हैं ठीक है ठीके? लेकिन टूटने के बाद हम बोलते हैं कि एक यंग वन निकल करके नहीं आता यानी कि मेंढक का बच्चा निकल करके नहीं आएगा जैसे मुर्गी का अंडा जब हैच होता है तो उससे मुर्गी का बच्चा निकल के आता है चूजा निकल के आता है लेकिन अगर हम बात करेंगे फ्रॉक्स की तो फ्रॉक्स के जो अंडों की हैचिंग होती है ना उन अंडों की हैचिंग के बाद फ्रॉक का बच्चा निकल करके नहीं आता है क्या निकल करके आता है तो लार्वा निकल करके आता है फिर इसके बाद में यही लार्वा ये लार्वा है क्या एक इमेच्योर फॉर्म है किसका आ, एनिमल का अभी हम बात कर रहे हैं फ्रॉक की तो जो लार्वा है वो क्या होगा एक इमेच्योर फॉर्म होगा मेंढक का फ्रॉक का फिर इसके बाद में ये जो लार्वा होगा ये फिर धीरे 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 हम बोलते हैं कि एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होगा या ट्रांसफॉर्म होगा तो यहाँ पे आपको फ्रॉग्स में और सिल्क मौत में एक ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलती है कि अंडा था उसके अंदर डेवलपिंग एम्ब्रियो था एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था लेकिन ये जो एम्ब्रियो है ये डायरेक्टली यंग वन में डेवलप नहीं हुआ ये बीच की एक स्टेज है जिसको हम बोलते हैं लार्वा ये उस लार्वा स्टेज तक आया ये लार्वा अंडो के बाहर आता है और फिर इसके बाद में ये लार्वा हम बोलते हैं कि एक एडल्ट एनिमल में फ्रॉग में या सिल्क मौत में जो है कन्वर्ट होता है ट्रांसफॉर्म होता है ठीक है फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है द लार्वा ऑफ एन एनिमल इज वेरी डिफरेंट इन अपियरेंस फ्रॉम दैट ऑफ द एडल्ट एनिमल अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर हम ये लार्वल स्टेज पढ़ ही क्यों रहे हैं है ना ये हम ट्रांजिशन स्टेट बीच की पढ़ ही क्यों रहे पढ़ इसलिए रहें क्योंकि ये जो लार्वा निकल करके आता है ना ये जो आ, अपना जो ओरिजिनल एनिमल है ना उससे काफी ज्यादा डिफरेंट होता है अपीयरेंस में जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया कि इंसान का जो बच्चा होगा वो इंसान जैसा दिखाई देता है न्यूबॉर्न बेबी पता चलता है देखने पर कि ये किसका बच्चा है इंसान का बच्चा है है ना किटन या पपीज उनको भी देख करके हमें समझ में आता है कि ये डॉग के बेबीज हैं और ये कैट के बेबीज हैं सिमिलरली uh, जब हम बात करते हैं किसकी हैन की तो चूज़ों को देख करके समझ में आता है कि मुर्गी के बच्चे हैं लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी टेटपोल की मैंने कि लार्वे की है ना लार्वा की तो ये जो लार्वा होते हैं ना ये अपने एनिमल से काफ़ी ज़्यादा मतलब जो ओरिजिनल एनिमल्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं अपियरेंस में द लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ इज़ कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क मॉथ का जो लार्वा है उसको हम क्या बोलते हैं कैटरपिलर बोलते हैं सिमिलरली फ्रॉक का जो लार्वा है उसको हम क्या बोलते हैं टेडपोल बोलते हैं टेडपोल हमने इसी सेशन में अपने प्रीवियस तो मतलब इसी चैप्टर में हमने अपने प्रीवियस सेशन में इसके ऊपर बात करी है तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि टेडपोल के ऊपर हम एकदम डिटेल में जाकर के बात करेंगे तो कहाँ बात करेंगे इसी सेशन में बात करेंगे द लार्वा चेंज इन टू एडल्ट लेटर ऑन और यही जो लार्वे होते हैं ये फिर एडल्ट में चेंज हो जाते हैं बाद में द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन इमेच्योर फॉर्म ऑफ एन एन एनिमल लाइक लार्वा टू इट्स एडल्ट फॉर्म इन टू और मोर डिस्टिंक्ट स्टेजेस इज कॉल्ड मेटामोरफोसिस तो यहाँ पर अब आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है किसकी मेटामोरफोसिस की कि ये एक प्रोसेस होता है किसका ट्रांसफॉर्मेशन का जिसमें कि जो लार्वा है वो अपने एडल्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है इन टू और मोर डिस्टिंक्ट स्टेजेस और इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं मेटामोफोसिस बोलते हैं सीधी सी बात है मैंने आपको बताया ना कि एक बीच की ट्रांजिशन स्टेट आती है किसमें फ्रॉग्स में और सिल्क मॉथ में जहाँ पे उनके अंडों से अंडों के अंदर जो डेवलपिंग एम्ब्रियोज होते हैं वो डेवलपिंग एम्ब्रियोज डायरेक्टली उनके यंग वंस में ग्रो uh, नहीं करते हैं डेवलप नहीं होते हैं सबसे पहले वो आते हैं कहाँ अपने अपने रिस्पेक्टिव लार्वल स्टेज में लार्वा बनता है और फिर इसके बाद में ये लार्वा जाता है कहाँ यंग वंस में डेवलप होने के लिए तो ये जो बीज की प्रोसेस आई है इसी को हम क्या बोलते हैं बेसिकली मेटामॉर्फोसिस uh, की प्रोसेस बोलते हैं यानी कि जो लार्वल स्टेज है वो किस तरीके से जो लार्वा है वो एक एडल्ट एनिमल में ट्रांसफॉर्म होता है उसे हम कहते हैं मेटामोरफोसिस ठीक है चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास कि मेटामॉर्फोसिस अकर्स इन एम्फीबियंस लाइक फ्रॉक्स एंड इंसेक्ट्स लाइक सिल्क मॉथ बटरफ्लाई हाउस फ्लाई एंड मस्किटो एक्सेट्रा आपने कई बार सुना होगा कि बारिश के मौसम में अपने घर के आसपास जो है ना पानी इकट्ठा नहीं रखना चाहिए क्यों नहीं रखना चाहिए क्योंकि हमारे जो जो मस्किटोज होते हैं ना वो अपने जो अंडे हैं वो वाटर यानी कि ठहरे हुए पानी में ही अपने अंडे देते हैं अंडे देने के बाद में क्या होगा कि अंडे अंडों की हैचिंग होगी बेसिकली उन अंडों के अंदर होगा क्या डेवलपिंग एम्ब्रियो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो हम बोलते हैं कि जब लार्वा में डेवलप हो जाता है इसके बाद में ये अंडे टूटते हैं उनकी हैचिंग होती है और हैचिंग होने के बाद में ये जो लार्वे हैं उसी पानी में जाकर के रहने लगते हैं और पानी में ही उनको रहना पसंद है और पानी में रहते हुए वो एडल्ट मस्कीटोज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ठीक है तो ऐसा अक्सर बोला जाता है कि बारिश के मौसम में अपने घर के आसपास रुका हुआ पानी जो है ना मतलब पानी को कलेक्ट नहीं करना चाहिए जैसे कि क्योंकि बारिश के मौसम के पहले हम बोलते हैं कि गर्मियों का मौसम चलता है तो लोगों के घर में कूलर वगैरह निकले रहते हैं ना तो कूलर का पानी भी हम बोलते हैं कि रेगुलर बेसिस पे जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो कूलर के पानी को हटा देना चाहिए कूलर को खाली कर देना चाहिए क्यों क्योंकि उसका जो ठहरा हुआ पानी होगा स्टेगनेंट वाटर जो होगा वहाँ पे मच्छर अपने अंडे दे देंगे उन अंडों से लार्वे निकल करके आ जाएंगे वो वहीं पानी में ग्रो करेंगे और पानी में ग्रो करते करते वो अडल्ट मस्कीटोज में डेवलप हो जाएंगे ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे तो होगा क्या कि मस्कीटोज़ का नंबर आप, आपके घर के आसपास बढ़ जाएगा और मस्कीटोज तो हम सबको पता है कि कितने ज़्यादा यू नो डिसीज़ज़ के कैरियर्स होते हैं मस्कीटो uh, uh, हम बोलते हैं कि मलेरिया वो फैलाएं मस्कीटोज है, है ना डेंगू वो फैलाएं तो इससे अच्छा है कि यू you नो know, ये बीमारियाँ फैलें डेंगू मलेरिया टाइप की बीमारियाँ फैलें इससे अच्छा है कि हम अपने घर के आसपास uh, पानी को इकट्ठा होने ही ना दें सीधी सी बात है पानी इकट्ठा नहीं होगा तो फिर जो मस्कीटोज हैं वो अपने अंडे नहीं दे पाएंगे और अगर अंडे नहीं देंगे इसका मतलब क्या कि उनसे लार्वा नहीं निकलेंगे लार्वे अगर नहीं निकले इसका मतलब क्या कि मस्कीटोज की पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी खैर अब हम बात करते हैं कि इसकी इन फ्रॉक्स की प्रॉपर्ली आज के सेशन में हमें फ्रॉक्स में मेटामॉरफोसिस कैसे होता है वो देखना है और सिल्क मॉथ में कैसे होता है वो देखना है ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटामॉरफोसिस इन फ्रॉक्स की तो हैचिंग ऑफ अ फर्टिलाइज एग ऑफ फ्रॉग प्रोड्यूस अ वेरी इमेच्योर यंग वन कॉल्ड टेटपोल फ्रॉक का जो फर्टिलाइज एग है uh, उसकी जब हैचिंग होती है तो हम बोलते हैं कि क्या प्रोड्यूस होता है एक बहुत ही इम यानी कि वो अभी ठीक से मेच्योर हुआ ही नहीं है ठीक है ना इम यंग वन प्रोड्यूस होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं टेडपोल बोलते हैं जो कि फ्रॉक का लार्वा है द टेटपोल और लार्वा ऑफ अ फ्रॉग डेवलप्स ग्रेजुअली एंड अंडर गोज मैनी ड्रास्टिक चेंजेस इन अपियर इन अपीयरेंस बिफोर इट फॉर्म्स एन एडल्ट फ्रॉग और फिर इसके बाद में ये जो टेटपोल होता है ये जो लार्वा होता है ये बहुत ही ग्रेजुअली क्या करेगा डेवलप करेगा और इसमें हम बोलते हैं कि कई सारे ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं और मतलब अपियरेंस में अपेयरेंस वाइज और इसके बाद में मतलब बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस आए और इसके बाद में उन चेंजेस के आने के बाद में ये एक एडल्ट फ्रॉग में ट्रांसफॉर्म होता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि, कि सपोज हमारे पास क्या है एक ह्यूमन बेबी है है ना ह्यूमन बेबी में हम बोलते हैं कि जब वो पैदा होता है एक न्यू बॉर्न बेबी तो हमें उसके आसानी से दो आंखें दिखाई देती हैं दो कान दिखाई देते हैं नाक दिखाई देती है लिप्स दिखाई देते हैं हेड है दिखाई देगा है ना एबडोमेंट दिखाई देगा हाथ पाँव दिखाई देंगे फिंगर्स दिखाई देंगी तो ये सब चीज़ें हमें दिखाई देती हैं इन्हीं सब फीचर्स को देख करके हमें समझ में आता है कि ये exactly एग्जैक्टली किसका बेबी है है ना ये एक ह्यूमन बेबी है फिर इसके बाद में जब ऑब्वियसली बात है समय के साथ में ये जो बच्चा होगा ये भी ग्रो करेगा डेवलप करेगा तो समय के साथ में जब इसकी ग्रोथ होगी है ना तो इसके जो बॉडी पार्ट्स होंगे ना वो बड़े बड़े हो जाएंगे भाई हड्डियाँ मजबूत होंगी हड्डियाँ लंबी होंगी है ना हाथ लंबे हो जाए हो जाएंगे पैर लंबे हो जाएंगे लेकिन ये जो चेंजेस होते हैं ये कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ कि न्यूबॉर्न बेबी पहले कुछ अलग ही दिखता था कि उसको देख करके हमें समझ में आते ही नहीं था कि ये एक इंसान का बच्चा है और जैसे 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 समय गुजरा इसकी ग्रोथ हुई इसकी डेवलपमेंट हुई तो अचानक से हम बोलते हैं कि इसमें ह्यूमन बींग्स के जो है ना फीचर्स आने लगे इसके हाथ पाव डेवलप हो गए इसकी आंखें दिखाई देने लगी ऐसा नहीं होता है जब वो बच्चा पैदा होता है तो ऑलरेडी उसके पास वो सारे Uh, इंसानों वाले फ़ीचर्स होते हैं और जब ग्रोथ होगी डेवलपमेंट होगी तो यही सारे फीचर्स हम बोलते हैं कि और एनहेंस हो जाते हैं बॉडी हम बोलते हैं कि ग्रो करेगी हाइट हाइट लंबी हो जाएगी है ना बच्चा थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा ये सारे चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं लेकिन ये चेंजेस ड्रास्टिक नहीं होते हैं हम सभी को पता है कि ये जो चेंजेस होते हैं पहली बात तो ये स्लोली होते हैं धीरे धीरे होते हैं और आपको कोई ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिलेगा कि अरे बाप रे ये वाला फीचर तो पहले था ही नहीं इसमें लेकिन अब देखो जैसे जैसे इसकी ग्रोथ हो रही है इसके पैर बनने लगे ऐसा नहीं होगा ऑलरेडी उस बच्चे के पास पैर होंगे ठीक है तो देखो यहाँ पे फ्रॉग के मेटामोफोसिस को समझाया गया है सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं कहाँ से तो अंडों के साथ ठीक है ये क्या है फ्रॉग के एग्स हैं और कैसे एग हैं ये है फर्टिलाइज्ड एग फर्टिलाइज्ड एग हैं ये ठीक है फिर इसके बाद में इन फर्टिलाइज एग के अंदर क्या है भाई डेवलपिंग एम्ब्रियो है अब ये जो एम्ब्रियो है तो ये क्या हो रहा है डेवलप हो रहा है फिर इसके बाद में इन एम्ब्रियो से क्या निकल करके आ रहे हैं भाई आ, एग के अंदर जो एम्ब्रियो होगा वो डेवलप हो रहा होगा वो कहाँ तक डेवलप हो चुका है वो टेटपोल यानी कि नार्वल स्टेज तक डेवलप हो चुका है जब टेटपोल आ चुका है अंडों के अंदर अब क्या होगा इन अंडों की हैचिंग होगी ये अंडे टूटेंगे और टूटने के बाद अंदर जो टेटपोल है वो बाहर निकल करके आ जाएगा सवाल ये है कि आखिर ये टेटपोल जाएगा कहाँ तो हमारे जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं यानी कि वो वाले पौधे जो कि पानी में पाए जाते हैं उनके ऊपर जाकर के ये चिपक जाएगा ठीक है so, सो टेटपोल्स क्लिंगिंग टू वाटर प्लांट्स यानी कि एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर जाकर के ये चिपक जाते हैं फिर इसके बाद में अब माना कि ये एडल्ट फ्रॉग नहीं है है ना ये जो हमारा टेटफोल है ये एक एडल्ट फ्रॉग नहीं है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जिंदा नहीं होगा जिंदा तो ये भी है अभी इसका अपियरेंस फ्रॉग जैसे दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन ये तो अभी भी क्या है जिंदा ही है माना इन मेचोर फॉर्म है एनिमल का लेकिन ये जिंदा है तो जिंदा रहने के लिए हम बोलते हैं कि इसको सांस लेनी पड़ेगी तो ये सांस कैसे लेगा तो हम बोलते हैं कि हमारे जो फ्रॉग्स होते हैं ना इनके पास तो लंग्स होती जैसे हमारे पास लंग्स हैं वैसे ही हमारे मेंढकों के पास भी लंग्स होती हैं और इन लंग्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं ना सिर्फ लंग्स बल्कि ये तो अपनी स्किन के थ्रू ये अपनी स्किन के थ्रू भी क्या करते हैं रेस्पिरेशन करते हैं यानी कि गैशेस एक्सचेंज करते हैं देख जब आप क्लास नाइन्थ में जाओगे ना तो वहाँ पे आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे एनिमल किंगडम में आप एम्फीबिया क्लास पढ़ोगे जहाँ पे आपको आ, ये फीचर मिलेगा कि हमारे जो फ्रॉग्स होते हैं उनकी जो स्किन है वो बहुत ही पतली होती है और हाईली वेस्कुलर होती है यानी कि अच्छी खासी ब्लड सप्लाई होती है इनकी स्किन के पास तो पतली होती है तो आसानी से जो गैसेज हैं वो स्किन के आर पार जो है चली जाती हैं तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो हमारे फ्रॉग्स हैं उनके पास लंग्स भी होती हैं रेस्पिरेशन के लिए स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन करते हैं जिसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं और इनकी जो बकल कैविटी होती है ठीक है इनकी जो बकल कैविटी होती है उसके थ्रू भी ये क्या करते हैं रेस्पिरेशन करते हैं तो बकल कैविटी के थ्रू स्किन के थ्रू और लंग्स के थ्रू इनका रेस्पिरेशन होता है लेकिन अगर हम बात करेंगे अपने टेटपोल की तो टेटपोल के बारे में हमने अभी अभी क्या सीखा है लार्वे के बारे में क्या सीखा है कि ये इमेच्योर फॉर्म है एनिमल का तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है ये इतना एडवांस तो नहीं होगा इसके पास भी होंगे फीचर्स होंगे लेकिन बहुत ही बेसिक फीचर्स होंगे तो बेसिक फीचर्स का मतलब क्या है कि इनके पास प्रेजेंट होंगे क्या एक्सटर्नल गिल्स क्या प्रेजेंट होंगी गिल्स प्रेजेंट होंगी ठीक है ना और इन गिल्स के थ्रू बेसिकली गिल्स क्या होती हैं तो बेसिकली uh, ये ना स्लिट्स होते हैं जैसे कि आपके पास क्या है ये एक टेटपोल है तो इस टेटपोल के हम बोलते हैं बॉडी पे आप क्या करो स्लिट बना दो है ना काट दो तो वो हम बोलते हैं कि कुछ स्लिट uh, मतलब कि आपने देखा होगा ना कि जैसे हमारे पास एक पेपर है पेपर में हम क्या करें एक पेपर कटर से uh, इसको हम क्या करें फाड़ दें तो यहाँ पे हमने क्या किया है पेपर को पीसेज में डिवाइड नहीं किया है हमने बस क्या करा है उसमें एक छेद बनाया और उस छेद को हमें थोड़ा सा लंबा कर दिया है ना तो एक गैप आ गया तो ऐसे गैप को हम क्या बोलते हैं स्लिट बोलते हैं तो हमारे जो मतलब फ्रॉक्स के जो लार्वे होते हैं जो टेटपोल है उनमें क्या प्रेजेंट होता है गिल्स स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं और इन स्लिट्स के थ्रू गैशेस एक्सचेंज ये करते हैं यानी कि अभी तो ये पानी में है ना तो पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन हम बोलते हैं कि टेटपोल के अंदर कहाँ से जाएगी इन स्लिट्स के थ्रू ही जाएगी और इनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन स्लिट्स के बाहर ही के थ्रू ही बॉडी के बाहर आ जाएगी ठीक है फिर इसके बाद में देखो टेटपोल के पास जो उसकी पूछ है वो लंबी होती जाती है ये देखो टेटपोल की जो पूछ है ये क्या हो रही है कंटिन्यूसली डेवलप हो ही रही है फिर धीरे धीरे हम बोलते हैं कि हाइंड लेग्स यानी कि जो पीछे वाले पाव होते हैं वो यहाँ पे दिखना शुरू हो गए हैं फिर इसके बाद में क्या हुआ लिव्स फ्रॉम फूड स्टोर्ड इन द टेल अब आप बोलोगे कि मैम ये जो उसकी टेल है ये आखिर क्यों लंबी होती जा रही है और ऐसी लंबी हुई कि जब एडल्ट फ्रॉग बना तो उसकी टेल हम बोलते हैं कि गायब हो गई ऐसा क्यों हुआ क्योंकि देखो ये जो इसकी टेल डेवलप हो रही है ना ये कर क्या रहा है उसमें अभी अपने लिए खाना स्टोर कर रहा है तो जैसे जैसे हम बोलते हैं कि ये लार्वा ग्रो करेगा समय के साथ ट्रांसफॉर्म होगा एक एडल्ट फॉर्म में आ, इसकी टेल में जो स्टोर्ड खाना होगा ना उसी खाने को ये क्या करता जाएगा यूज करता जाएगा तो ऑब्वियसली बात है जब टेल के अंदर जो खाना स्टोर्ड है वो धीरे धीरे खत्म होगा तो टेल का साइज अपने आप रिड्यूस हो जाएगा फिर इसके बाद में अब देखो अब धीरे से आगे वाले पैर यानी कि जो फ्रंट लेग्स हैं वो भी अपियर हो गए सबसे पहले तो पीछे वाले पैर आए थे है ना अभी तो ये मछली जैसा दिखाई दे रहा है टेटपोल कोई इसको देखकर बोल नहीं सकता कि ये टेटपोल क्या होने वाला है कुछ इस तरीके के एनिमल में यानी कि फ्रॉग में ट्रांसफॉर्म होने वाला है मछली भी इससे बेटर दिखती है क्यों क्योंकि उसके पास तो फिन्स होते हैं ना यहाँ तो फिन्स भी नहीं है खैर तो टेल डेवलप हो गई फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि जो हाइंड लाइम से पीछे वाले पैर वो भी डेवलप हो गए टेल हम बोलते हैं कि अभी तक लंबी हो ही रही है फिर जैसे जैसे ये आगे ग्रो करेगा तो टेल में जो खाना स्टोर होगा वो धीरे धीरे ये यूज़ करेगा टेल का जो साइज है वो रिड्यूस होता जाएगा छोटा होता जाएगा फिर हम बोलते हैं कि आगे वाला आगे वाले जो पैर हैं वो भी डेवलप हो जाएंगे टेल देखो बिकम्स शॉर्टर फिर इसके बारे में देखो यहाँ पे क्या बन गया है अब फाइनली एक यंग फ्रॉग बन गया है यानी कि मेढा का एक बच्चा बन गया है अब यही यंग फ्रॉग जो है फिर आगे जाकर के एक एडल्ट फ्रॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा बाकायदा आपको इसकी आंखें दिखाई देंगी पक्कल कैविटी दिखाई देंगे दोनों आपको उसके पैर दिखाई देंगे है ना एबडोम रीजन दिखाई देगा ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी तो कोई भी इस लार्वे को देख करके इस फॉर्म को देख करके नहीं बोल सकता था कि ये फॉर्म क्या होने वाला है अल्टीमेटली जाकर के ट्रांसफॉर्म होने वाला है एक एडल्ट फ्रॉग में क्यों क्योंकि इसके जो अपियरेंस है ना वो बिल्कुल भी एक एडल्ट फ्रॉग से मिलती जुलती नहीं है एडल्ट फ्रॉग के पास बकायदा हम बोलते हैं कि दो आ, पीछे वाले पैर होते हैं दो आगे वाले पैर होते हैं लेकिन अगर हम बात करेंगे टेटपोल की तो टेटपोल में तो ऐसा कुछ था ही नहीं उसके पास तो क्या थी एक लंबी सी टेल थी और जैसे जैसे वो ग्रो कर रहा था उसकी जो टेल है वो लंबी होती जा रही थी प्लस हम बोलते हैं कि हमारी जो मेंढक होते हैं उनके पास तो एक लंबी सी उनकी टंग भी होती है जो कि क्या करती है कीड़े मकोड़ों को पकड़ करके लेके आती है जिसको हम प्रोट्रोसेबल टंग कहते हैं तो ऐसी टंग तो हमारे जो टेटपोल है उसके पास थी ही नहीं तो बेसिक फीचर्स का यहाँ पे डिफरेंस है कि टेटपोल में जो फीचर्स होने चाहिए थे एडल्ट फ्रॉग के वो नहीं थे वो क्यों नहीं थे क्योंकि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ना वो डायरेक्टली यंग वन में कन्वर्ट नहीं हुआ वो आया एक बीच वाली स्टेट में जिसको हम बोलते हैं क्या लार्वा और फिर इसके बाद में जब इस लार्वा की ग्रोथ हुई डेवलपमेंट हुई तब जाकर के इसके पास एडल्ट फ्रॉग वाले फीचर्स आए हैं तब जा कर के हम बोलते हैं कि हमें देखने को मिला है क्या एक नया फ्रॉग वरना इसको देख करके कर तो कोई नहीं बोल सकता था कि ये आगे जा कर के फ्रॉक में ट्रांसफॉर्म होने वाला है तो ये जो पूरी प्रोसेस है ना कि किस तरीके से फर्टिलाइज एग के अंदर हम बोलते हैं कि एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो रहे थे इन एम्ब्रियो से टेटपोल बाहर निकल करके आए हैं ये टेटपोल धीरे 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 हम बोलते हैं कि आ, किस में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं एक एडल्ट फ्रॉग में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं क्लियर आप सभी को चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास कि अ टेटपोल एंड द एडल्ट फ्रॉग लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनादर दिख रहा है हमको है ना कि टेटपोल अलग दिखता है और एक एडल्ट फ्रॉग अलग दिखता है द बॉडी फीचर्स विच आर प्रेजेंट इन एन एडल्ट फ्रॉग आर नॉट प्रेजेंट इन इट्स इम मेच्योर फॉर्म कॉल्ड टेटपोल वो वाले बॉडी फीचर्स जो कि एक एडल्ट फ्रॉग के पास प्रेजेंट होते हैं वो वाले फीचर्स आपको उसके लार्वा में यानी कि उसके टेटपोल में दिखाई नहीं देंगे टेटपोल इज एडॉप्टेड टू लिव लाइफ इन वॉटर ओनली मैंने आपको बताया था कि हमारे जो एम्फीबियंस होते हैं एम्फी मतलब की दो है ना तो हमारे जो एम्फीबियंस होते हैं जैसे कि हमारे जो मेंढक होते हैं वो डू वन लाइफ जीते हैं क्यों जीते हैं क्योंकि वो पानी पे भी मतलब पानी के अंदर भी रह सकते हैं और वो लैंड पर भी रह सकते हैं तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम जाकर के मेंढकों से पूछेंगे कि ये अलग अलग मतलब डुबल लाइफ जीने का क्या फ़ायदा है या तो आप पूरे तरीके से पानी में ही रह लो या पूरे तरीके से जो है ना लैंड पर ही रह लो तो फिर मेंढक बोलते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है लैंड पर रहने पर हमारे पास तो वो वाले फीचर्स आ गए कि हम लैंड पर रह सकते हैं ना हम टेरेस्ट्रियल एनिमल बन सकते हैं कंप्लीटली लेकिन क्या होता है ना कि जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करनी होती है तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होता है पानी चाहिए होता है क्योंकि पानी में ही जाकर के हमारे जो मेल गैमेट्स हैं वो स्विम करके कहां पहुंचते हैं फीमेल कैमिट्स तक पहुंचते हैं और तब जाकर के फर्टिलाइजेशन होता है और इस फर्टिलाइजेशन से नए फ्रॉग जो है ना वो डेवलप होते हैं ग्रो करते हैं तो क्योंकि हमें रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए है पानी चाहिए है इसीलिए हमको पानी में उतरना पड़ता है अदरवाइज क्या है हम तो रहे लैंड पर क्योंकि हमारे पास तो बढ़िया लंग्स भी हैं उन लंग्स के हम से हम क्या कर सकते हैं रेस्पिरेशन कर सकते हैं अपनी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर सकते हैं अपनी बक्ल कैविटी के थ्रू कर सकते हैं रेस्पिरेशन तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो टेटपोल होता है ना ये लैंड पर नहीं रह सकता ये सिर्फ़ और सिर्फ पानी में रहने के लिए ही क्या होता है अडाप्टेड होता है टेटपोल हैज़ अ लॉन्ग टेल विच हेल्प्स इट टू स्विम ईजिली इन वाटर अब ऑब्वियसली बात है उसको खाना पीना भी तो खाना रहेगा ना टेटपोल को तो इसके लिए कुछ उसके पास मूवमेंट के लिए कुछ होना चाहिए क्योंकि उसको यहाँ वहाँ जाना है उसको मूवमेंट परफॉर्म करना है तो मूवमेंट के लिए हम बोलते हैं कि हाथ पाँव नहीं होते हैं उसके पास एक टेल uh, होती है जिसके थ्रू वो स्विम करता हुआ पानी में मूवमेंट uh, परफॉर्म करता है और अपने खाने पीने को जो है वो कंज्यूम करता है टेटपोल ब्रीथ थ्रू थ्रू द गिल्स लाइक फिश जैसे फिशिज़ के पास हमारी जो मछलियाँ होती हैं उनको तो हमेशा पानी में रहना होता है ना तो उनके पास रेस्पिरेशन के लिए क्या होती हैं गिल्सलेट्स होते हैं जब हम बात करते हैं हमारे टेटपोल की तो टेटपोल के लिए देखो हमने क्या बोला है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ पानी में रहने के लिए ही अडाप्टेड होते हैं इनके पास वो सारे फीचर्स नहीं आए हैं जो कि एक एडल्ट फ्रॉक के पास हैं एडल्ट फ्रॉक के पास तो उनके लंग्स होते हैं लेकिन टेटपोल के पास उनके अभी लंग्स नहीं आए हैं लेकिन रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज तो करना पड़ेगा ना गैसेस एक्सचेंज तो होना पड़ेगा तो इसके लिए हम बोलते हैं कि जैसे फिशेस के पास गिल्स होती हैं वैसे ही उनके पास भी गिल्सलेट्स होते हैं इट ईट्स ओनली टाइनी वाटर प्लांट्स एंड स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स छोटे छोटे जो टाइनी वाटर प्लांट्स होते हैं और जो एक्वेटिक एनिमल्स है ये उसी के ऊपर फीड करता है कौन टेटपोल The tadpole gradually transforms into an adult frog by losing many old features of its body and developing new body features in many stages. फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि जो tadpole है वो gradually यानी कि धीरे 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 हम बोलते हैं कि transform होता है एक adult frog में कैसे तो अपने पुराने features को features को पीछे छोड़ करके और नए body features को develop करके जैसे कि उसके पास टेल होती है उसके पास गिल स्लिट्स होती हैं तो जब वो एडल्ट फ्रॉग में ट्रांसफॉर्म होगा डेवलप होगा तो उसको अपने गिल स्लिट्स और अपने जो टेल है वो पीछे छोड़ना पड़ेगा और नए नए बॉडी फीचर्स डेवलप करने पड़ेंगे जैसे कि हाथ पांव का डेवलपमेंट हो गया है ना एन एडल्ट फ्रॉग इज एडाप्टेड टू लिव लाइफ इन वाटर एज वेल एज ऑन द लैंड तो और एक एडल्ट फ्रॉग जो होगा वो पानी में भी रह सकता है लैंड में भी रह सकता है द एडल्ट फ्रॉग डेवलप्स वेब्ड फीड विच हेल्प इट टू स्विम इन वाटर एंड also टू हॉप ऑन land. इट हैज नो टेल Adult frog के पास कोई भी पूछ नहीं होती है और इसके जो बेसिकली uh, फीट जो होते हैं वो कैसे होते हैं वैब्ड होते हैं जैसे हमारे अगर डिजिट्स की बात करें फिंगर्स की बात करें तो ये इनमें वैब्ड नहीं होते हैं ना कोई भी आपको जाले नज़र नहीं आते हैं लेकिन जब हम बात करते हैं मेंढकों के फीट की तो उनके जो डिजिट्स होते हैं फीट में उनके बीच में क्या होता है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ठीक है कुछ ऐसा तो इसको हम बोलते हैं वैब्ड डिजिट तो ये एक डिजिट हो गया यानी कि डिजिट मतलब क्या एक फिंगर समझ लो कि ये क्या है मेंढक का एक पैर है या उसका एक हाथ है तो एक हाथ की क्या है ये वाली उंगली है ये दूसरी वाली उंगली है ये तीसरी वाली उंगली है और ये फोर्थ वाली उंगली है तो ये दोनों देखो दोनों ही मतलब सभी के सभी जो उंगलियां हैं उनके बीच में क्या होती है एक बहुत ही फाइन मेम्रेन होती है जो कि उन सभी फिंगर्स को क्या करती है एक साथ हम बोलते हैं कि बांध के रखती है तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं वेब्ड फीट बोलते हैं कि एक क्या लगा हुआ है जाला बना हुआ है ठीक है तो आई होप इतना सभी को समझ में आएगा देखो यहाँ पे इमेज में भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो कछुआ मतलब ये जो मेंढक है मेंढक के जो पैर हैं आगे वाले पैर हैं इसकी आ, एक डिजिट ये है दूसरी ये है तीसरी ये है और देखो दोनों ही डिजिट्स के बीच में दोनों ही डिजिट्स के, डिजिट के बीच में देखो आपको यहाँ पे एक पतली सी मेमरेन दिखाई देगी ये मेमरेन क्या कर रही है डिजिट्स को एक साथ रख रही है एक जाल जैसा यू नो अपीयरेंस दे रही है इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या वेब्ड फीट तो जो एडल्ट फ्रॉग है वो डेवलप होता है मतलब वो डेवलप करता है क्या वेब्ड फीट विच हेल्प्स इट टू स्विम इन वाटर ये वेब्ड फीट जो हैं वो पानी में तैरने में हेल्पफुल होते हैं प्लस उनको लैंड पे क्या कर, करवाते हैं हॉपिंग भी करवा सकते हैं फिर इसके बाद में द एडल्ट फ्रॉग हैज़ लंग्स फॉर ब्रीदिंग इन एयर ऑन लैंड इट हैज़ नो गिल्स और जो एडल्ट फ्रॉग है उसके पास लंग्स आ जाते हैं जिसके थ्रू वो लैंड पर सांस लेता है रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है लेकिन उसके पास गिल्स नहीं होते तो जब एक टेटपोल एडल्ट फ्रॉग में जाएगा ना तो सबसे पहले तो उसको अपने गिल्स हटाने पड़ेंगे गिल्स तभी हट सकते हैं जब उसके पास लंग्स आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि नए बॉडी फीचर्स डेवलप होने चाहिए और पुराने वाले पीछे छूटने चाहिए द एडल्ट फ्रॉक कैन ऑल्सो ब्रीद थ्रू इट्स स्किन थ्रू इट्स थिन एंड मॉइस्ट स्किन ठीक है तो वो अपनी पतली और मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी क्या कर सकता है रेस्पायर कर सकता है द फ्रॉग इज अ लॉन्ग एंड फॉकड टेल सॉरी टंग विच कैन बी फ्लिक्ड आउट टू कैच इंसेक्ट्स एज फूड तो हमारे जो फ्रॉग्स होते हैं वो तो वो तो तो पानी मतलब लैंड पर रहता है ना तो लैंड पर रहने के लिए उनको खाना पीना भी तो खाना पड़ेगा ना तो उनका खाना क्या होता है मेंढकों का कीड़े मकोड़े तो जैसे कि हवा में कीड़ा उड़ रहा है तो हमारा मेंढक क्या करेगा मेंढक हम बोलते हैं कि अपनी टंग को ऐसे बाहर की तरफ फेंकता है ठीक है बाहर की तरफ फेंकता है और फिर इसके बाद में अपनी जीभ से अपनी टंग से उस इंसेक्ट को पकड़ता है और फिर इसके बाद में उसको अंदर ले लेता है कुछ इस तरीके से

आई होप इतना सभी को अभी तक समझ में आ रहा होगा दिस चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस और इसी चेंज को हम क्या बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस चेंज इज द एक्वेटिक टेटपोल वाटर लिविंग टेटपोल इन टू एन एम्फीबियन फ्रॉग विच कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड तो मेटामॉर्फोसिस ही क्या करता है एक एक्वेटिक टेटपोल को जो कि पानी में रहता है उसको वो चेंज कर देता है किसमें एक एम्फीबियन फ्रॉग में जो कि पानी और लैंड दोनों पर ही रह सकता है आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा तो जब हमने मेटामोर्फोसिस ऑफ फ्रॉग पढ़ ही लिया है तो अब हम मेटामोर्फोसिस इन सिल्क मॉथ भी देख लेते हैं कि कैसे होता है तो सिल्क मॉथ है क्या बेसिकली एक इंसेक्ट है बटरफ्लाई देखो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है बटरफ्लाई जैसा ठीक है Which undergoes metamorphosis during its life cycle. और जब हम सबको पता है ना कि हर एक ऑर्गेनिज्म की क्या होती है एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होती है तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो सिल्क मौत है वो अपनी लाइफ स्पैन या लाइफ साइकिल के दौरान मेटामोरफोसिस उसमें होता है एग एंड forms एन एडल्ट सिल्क moth. क्या बोला जा रहा है कि जो सिल्क moth है वो सबसे पहले तो हम बोलते हैं कि अपनी larva स्टेज में जाएगा फिर इसके बाद में अपनी प्यूपा स्टेज में जाएगा और प्यूपा स्टेज के बाद में हम बोलते हैं कि एक एडल्ट सिल्क मौत में डेवलप होता है आफ्टर हैचिंग फ्रॉम द एग मतलब कि एग से एग के अंदर जो भी डेवलपिंग एम्ब्रियो था ठीक है वो हम बोलते हैं कि लार्वा में डेवलप हो गया अभी अभी मैंने आपको बताया था कि सिल्क मौत का जो लार्वा है उसको क्या बोलते हैं कैटरपिलर बोलते हैं तो सपोज जो एक एडल्ट सिल्क मौत है उसने अंडे दे दिए फर्टिलाइज एग और इन फर्टिलाइज एग के अंदर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो डेवलप हो रहा है कहां तक डेवलप हुआ तो कैटरपिलर यानी कि लार्वल स्टेज तक डेवलप हुआ अब ये जो कैटरपिलर होगा वो एग को तोड़ करके क्या होगा बाहर निकल के आएगा और ये जो कैटरपिलर लार्वा है ये सबसे पहले जाएगा कहा अपनी प्यूपा स्टेज में और फिर प्यूपा स्टेज से हम बोलते हैं कि एक एडल्ट सिल्क मौत में ये ट्रांसफॉर्म होगा develop होगा डेवलप द वेरियस स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ अ सिल्क कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो अब हम थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं कि, कि किस तरीके से एग्जैक्टली exactly मेटामोसिस होता है कहा सिल्क मौत में तो यहां हम बोलते हैं कि शुरुआत कहां से हुई है तो पत्ती है पत्ती के ऊपर क्या करा है इस सिल्क मौथ ने अपने आ, अंडे दे दिए हैं फर्टिलाइज हो है, फर्टिलाइजर इनके अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है अब एम्ब्रियो हम बोलते हैं कि कहाँ तक डेवलप हो गया है तो बेसिकली लार्वल स्टेज तक आ चुका है यानी कि कैटरपिलर में ये डेवलप हो चुका है अब क्या होगा अंडों की हैचिंग होगी हैचिंग के बाद में हम बोलते हैं कि जो कैटरपिलर है वो बाहर निकल करके आ जाएगा अब ये जो कैटरपिलर होगा ना इसको अब देखो इसको और इसको देखने पर क्या आपको लग रहा है कि ये किसका बच्चा हो सकता है ये तो अर्थवॉर्म जैसा दिखाई दे रहा है बारिश के मौसम में जो नहीं मिलीपीड्स और सेंटीपीड्स निकल कर के आ जाते हैं मिट्टी से ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है लेकिन असली में ये तो एक यू नो बटरफ्लाई जैसा एक इंसेक्ट सिल्क मौत उसका बेबी है ये तो आगे जाकर के हम बोलते हैं कि इसमें ट्रांसफॉर्म होने वाला है कैसे ट्रांसफॉर्म होगा हम वो देखते हैं कैटरपिलर आ गया है ना अब इसके बाद में ये क्या करेगा इसको क्योंकि और अभी ग्रो करना है डेवलप करना है अभी ये एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है ना ये इम मेच्योर है सीधी सी बात है ये कैसा है ये इम मेच्योर है तो मेच्योरिटी अटेन करने के लिए क्या करेगा अपने आप को सबसे पहले तो ये एक कोकून के अंदर या एक कवरिंग के अंदर आ, कवर कर लेगा और एनक्लोज कर लेगा और उसी कवरिंग को हम क्या बोलते हैं कोकून बोलते हैं तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स वाले चैप्टर में कि किस तरीके से कोकून से हम सिल्क फाइबर्स को ऑप्टेन करते हैं बेसिकली होता क्या कि ये जो कैटरपिलर लार्वा होता है ना ये अपना थूक निकाल करके अपना सलाइवा निकाल करके अपने चारों तरफ क्या करता है एक कवर कवर हम बोलते हैं कि प्रोड्यूस कर लेता है और इसी कवर को हम बोलते हैं क्या कोकून तो अगर सिल्क बनाना है तो हम क्या करते हैं बेसिकली बहुत सारे जब कोकूं इकट्ठा हो जाते हैं इन कोकूं को हम बॉयल करते हैं बॉयल करने से क्या होता है अंदर जो लार्वा है ना जो कैटरपिलर है ये मर जाता है है ना और इसके बाद में जब ये मर जाएगा फिर इसके बाद में जो कोकून है उनसे एक एक करके धीरे 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 जो सिल्क फाइबर्स हैं वो उससे निकाले जाएंगे तो कुछ इस तरीके से जो सिल्क मौत है वो हमें क्या करता है सिल्क प्रोवाइड करता है सिल्क फाइबर्स प्रोवाइड करता है तो अब हुआ क्या कि ये जो इमेच्योर कैटरपिलर है ना ये अपने अराउंड कोकून का फॉर्मेशन कर लेगा और इसी कोकून के अंदर ये जो कैटरपिलर है ये सबसे पहले मतलब कैटरपिलर तो क्या है लार्वल स्टेज है ना ये तो लार्वा है फिर इसके बाद में इसी कोकून के अंदर क्या आएगी एक प्यूपा स्टेज आएगी क्या आएगी एक प्यूपा स्टेज आएगी और फिर इसके बाद में जब ये प्यूपा एक एडल्ट सिल्क मौथ में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद में हम बोलते हैं कि वो क्या करेगा बाहर निकल करके आ जाएगा अपने कोकून से ठीक है और कोकून से जब बाहर निकलेगा तो आपके सामने क्या आ जाएगा एक एडल्ट सिल्क मौथ आ जाएगा तो कुछ इस तरीके से सिल्क मौथ में मेटामोटफोसिस की प्रोसेस होती है कि इसने क्या करा है एक एडल्ट सिल्क मौथ ने अंडे दिए हैं फर्टिलाइज एग दिए हैं इन फर्टिलाइज एग के अंदर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा सबसे पहले तो वो किसमें कन्वर्ट होगा आ, लार्वा में यानी कि कैटरपिलर में फिर ये जो कैटरपिलर लार्वा होगा ये अंडों से बाहर निकल करके आएगा और अपने अराउंड जो है एक हार्ड कवर बना लेगा जिसको हम कहते हैं कोकून इस कोकून के अंदर हम बोलते हैं कि प्यूपा वाली स्टेज भी आ जाती है फिर इसके बाद में ये प्यूपा स्टेज से Uh, कहाँ ट्रांसफॉर्म होगा एक एडल्ट सिल्क मॉथ में ट्रांसफॉर्म होगा तो बेसिकली होगा क्या कि ये जो अः uh, है ना इसको तोड़ करके जो सिल्क मॉथ है वो बाहर निकल आएगा और जब वो बाहर निकलेगा तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा यानी कि एडल्ट सिल्क मॉथ जैसा दिखाई देगा ठीक है तो यहाँ पे भी हम बोलते हैं कि बीच की आपको एक ट्रांजिशन स्टेट दिखाई दी होगी कि डायरेक्टली जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो सिल्क मॉथ में नहीं कन्वर्ट हो गया ट्रांसफॉर्म हो गया वो गया था सबसे पहले अपनी लार्वल स्टेज में ठीक है इसके बाद में वो अपनी प्यूपा स्टेज में आया और फिर जा करके वो एक सिल्क मौथ में कन्वर्ट हुआ है अब सवाल यह आएगा आपके मन में कि मैम जब सिल्क बनाते हैं तो कोकून को बॉयल करने की ज़रूरत क्या पड़ती है क्यों उसके अंदर का कैटरपिलर जो है वो मारना पड़ता है अगर हम कैटरपिलर लार्वा को मारेंगे नहीं तो क्या होगा वो ग्रो कर जाएगा ग्रो करने के बाद में वो कोकून से बाहर निकलेगा तो जब वो कोकून से बाहर निकलेगा ना तो कोकून को तोड़ के बाहर निकलेगा तो जब कोकुन टूटता है ना तो जो सिल्क फाइबर्स है ना वो भी ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है जो पूरा का पूरा जो कोकून है वो किसका बना है सिल्क फाइबर्स का ही बना हुआ है तो अगर उसने वो तोड़ के बाहर निकल आया तो कोकून बीच में से टूट जाएगा और अगर वो टूटा इसका मतलब क्या कि सिल्क फाइबर्स भी क्या हो जाएंगे टूट जाएंगे और सिल्क फाइबर्स की जो लेंथ है वो छोटी हो जाएगी तो ऐसी छोटी लेंथ वाले जो सिल्क फाइबर्स होते हैं वो किसी काम के नहीं होते हैं जो सिल्क फाइबर्स हैं वो जितने लंबे हो उतना बढ़िया होता है तो इसीलिए कोकून से सिल्क फाइबर को ऑप्टेन करने के लिए अंदर जो लार्वा है कैटरपिलर उसको मारना पड़ता है अदरवाइज वो बाहर आ जाएगा और अगर बाहर आ गया तो सिल्क फाइबर्स मतलब जो कोकून है वो टूटेगा जिसके कारण जो सिल्क फाइबर्स है उनकी जो लेंथ है वो छोटी हो जाएगी तो वो चीज फेवरेबल नहीं है तो यहां पे आपको दिखाया जा रहा है कि ये एग है मतलब कि सिल्क मौत का जो एग है उसमें हैचिंग हुई कैटरपिलर आया कैटरपिलर हम बोलते हैं कि मेटामोरफोसिस uh, होता है उसका किसमें प्यूपा में और जो प्यूपल स्टेज है सिल्क मौत की उसको हम क्या बोलते हैं क्राइसलिस कहते हैं फिर इसके बाद में फिर से मेटामोफोसिस होगा और तब जाकर के क्या मिलेगा सिल्क मौत मिलेगा एडल्ट सिल्क मौत मिलेगा आई बात आपको समझ में चलो नेक्स्ट क्या है द द कैटरपिलर लार्वा एंड प्यूपा स्टेजेस इन द डेवलपमेंट लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट सिल्क मॉथ ठीक है जो यानी कि जो स्टेज है और जो प्यूपा स्टेज है वो जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो काफी एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं एक दूसरे से तो अलग होंगे ही साथ ही साथ जो एडल्ट सिल्क मॉथ है उससे भी अलग दिखाई देते हैं सो देयर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैटरपिलर इनटू एडल्ट सिल्क मॉथ तो ऑब्वियसली बात है जब ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होगा तो बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे अब देखो ना जो कैटरपिलर था उसके पास तो हम बोलते हैं कि पंख ही नहीं थे और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो सिल्क मौत है वो तो एक इंसेक्ट है बटरफ्लाई जैसा यानी कि उसके पास विंग्स होंगे उसके पंख होंगे लेकिन कैटरपिलर के पास तो पंख ही नहीं इसका मतलब क्या कि जब ये ट्रांसफॉर्म होगा इसकी जब मेटामोर्फोसिस होगी किसमें एक एडल्ट सिल्क मौत में तो इसमें विंग्स जैसे फीचर्स भी डेवलप होंगे दस द चेंज फ्रॉम कैटरपिलर टू अ सिल्क मॉथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामोरफोसिस तो हम बोलते हैं कि जो चेंज हो रहा है कैटरपिलर से कहाँ सिल्क मॉथ में ये क्या है एक एग्जाम्पल है मेटामोरफोसिस का आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा तो ये देखो ये कोकून है ये जो कैटरपिलर है ना ये अपने आसपास कुछ इस तरीके का कॉटनी ग्रोथ बेसिकली फॉर्म कर लेता है है ना और दिखने में ऐसा लगता है कि ये कॉटन का है जबकि ये किसका है ये सिल्क फाइबर्स का बना हुआ है अपने ही सलाइवा को निकाल निकाल के निकाल निकाल के अपने अराउंड एक हार्ड कवर या शेल बना लेता है जिसको हम कोकून कहते हैं वी ह्यूमन beings also ऑब्जर्व चेंजेस इन our बॉडी अपीयरेंस एज वी ग्रो बट these चेंजेस आर नॉट ड्रास्टिक चेंजेस जब हम बड़े होते हैं तो हमारी बॉडी में भी कई तरह के चेंजेस आते हैं अपीयरेंस वाइज लेकिन ये सभी चेंजेस जो है ना वो ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होते हैं कि ऐसा नहीं है कि अरे जब ये पैदा हुआ था तो तब इसकी एक आंख नहीं थी लेकिन जब ये बड़ा हो रहा है तो इसकी आंख क्या हो रही है वो डेवलप हो रही है जब ये पैदा हुआ था तो नाक नहीं थी लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है इसकी नाक डेवलप हो रही है ऐसा नहीं एक फुली डेवलप्ड बेबी जो है ना बाहर निकल करके आएगा इन ह्यूमन बींग्स बॉडी पार्ट्स इन एडल्ट आर सिमिलर टू दो विच आर प्रेजेंट इन द बेबीज फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ क्या बोला जा रहा है कि ह्यूमन बींग्स में एडल्ट में जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं किससे सिमिलर होते हैं uh, उन बॉडी पार्ट्स से जो कि बेबीज में प्रेजेंट होते हैं जन्म के समय एट द टाइम ऑफ द बर्थ सो ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट अंडरगो गो मतलब क्या कि हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है डेवलपमेंट होती है हमारी बॉडी में मेटामॉरफोसिस नहीं होता है द कॉमन एनिमल सचेज कैट्स डॉग्स हैंड्स टाइगर लॉय डियर हॉर्स काउ एक्सेट्रा ऑल्सो डू नॉट अंडर गो मेटामोरफोसिस ज्यूरिंग देअर लाइफ साइकिल और हम बोलते हैं कि कुछ कॉमन एनिमल्स हमारे डॉग्स कैट्स हैं टाइगर वगैरह इन सब में भी मेटामोफोसिस नहीं होता है डायरेक्टली जो डेवलपिंग एमरियो है वो हम बोलते हैं कि यंग वन में डेवलप हो जाता है ठीक है अब यहाँ पर क्या लिखा गया है कि क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन एनिमल क्या बोला जा रहा है कि है क्या एग्जैक्टली exactly क्लोनिंग तो इस प्रोसेस में क्लोनिंग की प्रोसेस में हम एनिमल की क्या बनाते हैं एक एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं अब आप बोलोगे कि मैम इसी चैप्टर में हमने प्रीवियस सेशंस में दो मेथड पढ़े हैं रिप्रोडक्शन के एक पढ़ा है ए सेक्शुअल रिपोडक्शन और एक पढ़ा है हमने सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ठीक है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हम बोलते हैं कि दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं मेल पेरेंट भी फीमेल पेरेंट भी मेल पेरेंट की बॉडी से आता है मेल गैमेट फीमेल पेरेंट की बॉडी से आता है फीमेल गैमेट और दोनों ही मेल और फीमेल गैमेट्स का क्या होता है फ्यूजन होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है इस फर्टिलाइजेशन से जयगोड बनता है जयगोड डेवलप होता है एमरियो में और ये एमरियो आगे जा कर के डेवलप होता है कि एक यंग एनिमल में ठीक है तो ये पूरी कहानी है किसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं मेल और फीमेल और दोनों ही मेल uh, और फीमेल गैमिट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है यानी कि मेल और फीमेल गैमिट्स का बकायदा प्रॉपर्ली फ्यूजन होता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स में भी होता है जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया है कि कई बार यू you नो know, लोग एक बच्चे को देख करके बोलते हैं कि ये बच्चा तो बिल्कुल अपने पापा पे गया है या ये बच्चा बिल्कुल अपनी मम्मा पे गया है तो पापा या मम्मा पे जाने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा जो है ना एकदम एग्जैक्ट कॉपी है अपने पापा की कि ये रहा फादर और ये रहा उसका बच्चा और दोनों क्या है एक दूसरे की फोटो ऐसा नहीं होता पापा के ऊपर जाने का मतलब है या मम्मा जैसा देखने का मतलब क्या है कि उस बच्चे के अंदर जो भी उसके फीचर्स है ना तो मेजोरिटी फीचर्स किससे मिलते जुलते हैं पापा जैसे हैं इसीलिए बोला गया है कि बच्चा किस पे गया है पापा पे गया है या मेजोरिटी फीचर्स हम बोलते हैं कि मामा जैसे इसलिए बोला जाता है कि ये बच्चा बिल्कुल अपनी मामा पे गया है लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है बच्चा

और एफ जी मतलब कि फीमेल गैमिट तो जो मेल गैमिट है ये है क्या बेसिकली ये भी तो एक सेल ही है फीमेल गैमिट भी क्या है एक सेल ही तो है तो इस सेल में क्या होगा इस सेल में हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस होगा न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा क्रोमोजोम्स होंगे क्रोजोम्स किसके बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन्स के डीएनए के ऊपर क्या होगा जींस जींस क्या होती हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि जींस ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आती हैं और ये जीन्स इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि ये जीन्स डिसाइड करती हैं कि बॉडी फीचर कैसा होने वाला है कि आंखों का कलर तो होना है आई कलर तो होना है लेकिन वो आई कलर ब्लैक होगा ब्लू होगा ये कौन डिसाइड करेगा जींस ही कोई ना कोई टेक्सचर हो तो होना है किली होंगे फीमेल गैमेट्स दोनों क्या है एक एक सेल ही तो है यह भी एक सेल है ये भी एक सेल है इसके पास भी न्यूक्लियस है इसके पास भी न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस के अंदर हम बोलते हैं कि जीन्स होंगे लेकिन वो जीन्स किसके कि होंगे वो होंगे मेल पेरेंट के किसके होंगे मेल पेरेंट के ठीक है और ये जो फीमेल गैमिट है इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा इस न्यूक्लियस के अंदर जो जीन्स होंगे वो जीन्स किसके होंगे वो होंगे फीमेल पेरेंट के ठीक है फीमेल पेरेंट के होंगे अब क्या हुआ कि दोनों ही गैमिट्स का क्या हुआ फ्यूजन हुआ फर्टिलाइजेशन हो गया और क्या बन गया जायगोट बन गया जायगोट हम बोलते हैं कि एक सेल ही तो होता है सिंगल सेल है और इसके अंदर भी क्या है न्यूक्लियस है अब इस न्यूक्लियस की खास बात क्या होती है इस न्यूक्लियस की खास बात यह है कि इसमें जीन्स हैं जैसे इसमें न्यूक्लियस है इसमें न्यूक्लियस है दोनों में ही क्या है न्यूक्लियस में जीन्स हैं इस जायगोर्ड में भी भाई जायगोर्ड क्या होता है एक सिंगल सेल ही तो है जो कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बना है तो इसलिए इसको हम फर्टिलाइज एग भी कहते हैं इस फर्टिलाइज एग के अंदर भी क्या होगा एक न्यूक्लियस होगा लेकिन खास बात क्या होती है इस न्यूक्लियस की कि इस न्यूक्लियस के अंदर जो जीन्स होंगे ना वो कहाँ से आए हैं वो आए हैं मेल पेरेंट्स से और वो आए हैं फीमेल पेरेंट से तो मेल और फीमेल पेरेंट बॉडीज के जीन्स ही कहाँ आए हैं इस जायगोट के न्यूक्लियस में आए हैं अब जीन्स भी हम बोलते हैं कि दो टाइप के होते हैं एक डोमिनेंट होता है एक हम बोलते हैं कि रेसेसिव होता है जो डोमिनेंट वाला होगा वो ऊपर आकर के खुद को एक्सप्रेस कर लेगा और जो रेसेसिव वाला होगा वो बेचारा दब के रह जाएगा वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा अब सपोज हम बोलते हैं कि जो मेल पेरेंट है पापा की आंखों का जो कलर है वो सपोज कैसा है ब्राउन है आई कलर कैसा है ब्राउन है और मामा की आंखों का कलर कैसा है सपोज ब्लैक है तो ये ब्राउन और ब्लैक कलर की जो आंखों का जो की जो जीन्स है ठीक है ये दोनों ही जीन्स किस में आए इस जायोट में आए और जायगोट ही आगे जाकर के एम्ब्रियो में डेवलप होगा एम्ब्रियो से हम बोलते हैं कि एक नया बच्चा बन जाएगा तो बच्चे में हम बोलते हैं कि दोनों ही टाइप के जो आई कलर हैं उन दोनों ही टाइप के जीन्स आए थे यानी कि ब्लैक कलर की आ, मतलब कि ब्लैक आई कलर का भी जीन आया था और ब्राउन आई कलर का भी जीन आया था लेकिन हुआ क्या कि ये जो ब्लैक आई कलर का जो जीन है वो क्या था डोमिनेंट था तो वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा जिसके कारण बच्चे की आंखों का कलर क्या हो जाएगा ब्लैक हो जाएगा इस चीज को ध्यान रखना कि जीन्स दोनों ही आए थे ब्लैक आई कलर का जीन भी आया था ब्राउन आई कलर का जीन भी आया था क्योंकि यहां पे दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व है लेकिन जो ब्लैक कलर की आई वाला जो जीन है ठीक है वो डोमिनेंट था इसलिए बच्चे की आंखों का कलर क्या हो गया ब्लैक हो गया और ये जो ब्राउन आई कलर का जीन है वो हम बोलते हैं कि रेसेसिव है वो बेचारा दब करके रह गया वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए इसलिए बच्चे की आंखों का कलर क्या हो गया ब्लैक हो गया तो हमने बोल दिया कि बच्चे बच्चे की जो आंखें हैं वो किस पे गई हैं मम्मा पे गई हैं क्यों क्योंकि मम्मा की आंखों का कलर ब्लैक है तो बेबी भी की आंखों का भी कलर क्या हो गया ब्लैक हो गया ब्राउन भी हो सकता था लेकिन वो हम बोलते हैं कि वो वाला जीन दब कर रह गया तो जीन्स तो दोनों टाइप के आए थे ब्राउन आई कलर का भी और ब्लैक आई कलर का भी लेकिन एक्सप्रेस कौन सा हुआ डोमिनेंट वाला तो हमने बोल दिया कि बच्चे की आंखों का कलर कैसा है मामा जैसा है तो ये मम्मा पे ही गया है ना सिर्फ ये वाला मतलब ये बॉडी फीचर बहुत सारे इस तरह के बॉडी फीचर्स कि हम बोलते हैं कि पापा की जो हाइट है वो लंबी है मामा की हाइट कैसी है छोटी है तो हाइट के जीन्स दोनों कहाँ आए बच्चे में आए तो हमने बोला कि जो लंबी हाइट वाला जो जीन है उसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया तो बच्चे की हाइट लंबी होगी तो हमने बोला ये बच्चा तो पापा पे चला गया क्यों क्योंकि पापा की हाइट बड़ी थी मम्मा की हाइट छोटी थी बच्चा लंबा हो गया इसका मतलब क्या बच्चा गया है अपने पापा के ऊपर आई बात समझ में तो ये पापा के ऊपर जाना ये मम्मा जैसा देखना ये क्या होता है ये बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक रिजल्ट है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उन दोनों पेरेंट्स से हम बोलते हैं कि उनके रिस्पेक्टिव गैमिट्स आते हैं और उन गैमिट्स के अंदर क्या होते हैं उनके रिस्पेक्टिव जीन्स होते हैं और ये जीन्स ही आकर के डिसाइड करेंगे कि बच्चे के फीचर्स कैसे होने वाले हैं ना सिर्फ ये तो एक मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया है है ना कि हमारी आंखें कैसी है मम्मा जैसी हमारे फेस कट कैसा है पापा जैसा है तो लेकिन इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बोलते हैं कि ये तो लोगों ने आकर के जज कर लिया कि हाँ ये मम्मा जैसे पापा जैसे है दिखता है लेकिन फोटो कॉपीज तो नहीं होते ना एक दूसरे की क्यों नहीं होते हैं क्योंकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना तो कुछ कुछ वेरिएशन भी देखने को मिलते हैं कई बार ऐसा होता है कि पापा के हम बोलते हैं कि जो सपोज बालों का जो टेक्सचर है वो कैसा है स्ट्रेट uh, है ठीक है और मम्मी के बालों का जो टेक्सचर है वो भी कैसा है स्ट्रेट है लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ है उसके बाल कैसे हो गए कर्ली हो गए क्यों करली हो गए क्योंकि वेरिएशंस हो गए वेरिएशंस हुए हैं जिसके कारण कुछ अलग ही कैरेक्टर सामने आया है इस बॉडी फीचर का समझ में आई बात और ये वेरिएशन कहाँ पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ही पॉसिबल है ठीक है तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपीज प्रोड्यूस नहीं होती हैं लेकिन जब हम बात करते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कोई केस नहीं होता क्यों नहीं होता एक ही तो पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसमें और उसमें हम बोलते हैं कि गैमेट्स का कोई फ्यूजन ही नहीं होता तो अलग अलग जीन्स आने का मतलब एक ही कैरेक्टर के अलग अलग जीन्स आने का कोई मतलब ही नहीं रहता अलग अलग जीन्स कैसे आते हैं जब दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उन दोनों पेरेंट्स से उनके रिस्पेक्टिव गैमेट्स आते हैं लेकिन इस सेक्शन में तो हम बोलते हैं कि केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और कोई गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता कोई गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता यानी कि जो सिंगल पेरेंट है ना उसी की बॉडी से बच्चा बन करके रेडी हो जाता है तो उस सिंगल पेरेंट के अंदर जो भी उसके जीन्स होंगे ना वो सभी के सभी जींस का जाएंगे उसके बच्चे में आ जाएंगे तो जो बच्चा होगा वो तो देखेगा ही ना एग्जैक्ट कॉपी अपने पेरेंट की आई बात आपको समझ में तो आई होप इतना सबको समझ में आया होगा कि कैसे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपीज बनती हैं एनिमल्स की और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि हम बोलते हैं कि सेम कैरेक्टर के लिए अलग अलग जीन्स आते हैं है ना ब्लैक कलर भी आता है ब्राउन कलर भी आता है आई कलर जैसे मैंने आपको बताया ठीक है फिर इसके बाद में तो जो डोमिनेंट वाला होगा जीन वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा जो नहीं कर सकता अपने आप को एक्सप्रेस वो बेचारा दब के रह जाएगा इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बोलते हैं कि वेरिएशन भी होते हैं तो कुछ फीचर्स बच्चे में ऐसे भी डेवलप हो जाते हैं जो कि मम्मी पापा दोनों में ही नहीं होते जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मम्मी पापा दोनों के ही बाल कैसे थे स्ट्रेट थे लेकिन बच्चा जो पैदा हुआ उसके कर्ली हो गए तो एक अलग ही नई चीज़ सामने निकल करके आई है तो हम बोल रहे थे कि बच्चे का फेस कट बिल्कुल अपने पापा जैसा है आंखें बिल्कुल पापा जैसी हैं हाइट भी बिल्कुल पापा जैसी है लेकिन बालों का टेक्सचर कैसा हो गया कर्ली हो गया जो कि पापा जैसा था ही नहीं तो इसीलिए मैंने बोला कि एग्जैक्ट कॉपीज फोटो कॉपीज नहीं होने वाली कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेज रहेंगे ही रहेंगे तो यहां पे हम बोल रहे हैं कि क्लोनिंग की प्रोसेस में भी एनिमल की एक एग्जैक्ट एक कॉपी बनती है और एग्जैक्ट कॉपी तभी बनेगी जब क्या होगा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्लोनिंग में हम बोलते हैं क्या करते हैं बड़े एनिमल्स में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं प्रीवियस सेशंस में जब हमने ए सेक्शुअल रिपोडक्शन पढ़ा था तो वहाँ पे हमने हाइड्रा देखा था अमीबा देखा था ये यूज सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना अमीबा तो बेचारा हमारा यूनसेलुलर ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा मल्टी सेलूलर है लेकिन फिर भी कैसा है सिंपल ऑर्गेनिज्म ही है तो अभी तक हमने ए सेक्शुअल रिपोडक्शन सिंपल ऑर्गेनिजम्स में देखा है लेकिन आज के इस सेशन में हम बड़े एनिमल्स में आ, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से बड़े एनिमल्स से जो उनके यंग वंस निकल के आते हैं वो एकदम एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं ठीक है चलो तो एनी टू एनिमल्स विच कंटेन एग्जैक्टली द सेम जीन्स आर कॉल्ड जेनेटिकली आइडेंटिकल आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है मिलता जुलता एक जैसा जेनेटिकली आइडेंटिकल मतलब क्या कि हमारे वो दो एनिमल्स जिनके पास सेम जीन्स हैं है ना एग्जैक्टली exactly एक जैसे जीन्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं आइडेंटिकली या जेनेटिकली आइडेंटिकल एनिमल्स और ऑब्वियसली बात है ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा एज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी मिलेगा है ना कि जो सिंगल पेरेंट है उसकी बॉडी में जो भी जीन्स थे और वो सभी के सभी जीन्स कहाँ आ गए हैं उसके बच्चे में आ गए हैं तो उस बच्चे के पास भी कौन से वाले जीन्स आए हैं जो कि उसके पेरेंट में थे तो दोनों ही एनिमल्स कैसे हो गए जेनेटिकली आइडेंटिकल हो गए कि नहीं हो गए क्योंकि दोनों के अंदर सेम जीन्स हैं अन एनिमल विच इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट इज कॉल्ड क्लोन और वो वाला एनिमल जो कि अपने पेरेंट से जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है उसे हम क्या बोलते हैं क्लोन बोलते हैं तो क्लोन क्या होगा ही बात है एकदम एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट की नेक्स्ट पॉइंट द क्लोनिंग ऑफ अ लार्ज एनिमल वॉज सक्सेसफुली डन फॉर द फर्स्ट टाइम बाय आई एम इसको आप लोग ठीक कर लेना विलमट ठीक है ना ये ओ नहीं ये यू होगा आई एन विलमट तो आयन एन विलमट ने सबसे पहले हम बोलते हैं कि लार्ज एनिमल पर क्लोनिंग uh, को सक्सेसफुली परफॉर्म किया था वो भी शामिल थे और हम बोलते हैं कि उनके कलीग्स भी शामिल थे और ये कहाँ हुआ था ईडनबर्ग स्कॉटलैंड में हुआ था दे क्लोन अ शीप नेम्ड डॉली आज हमको डॉली के ऊपर ही बात करनी है ठीक है uh, उन्होंने क्या करा था एक शीप को क्लोन किया था और उसका जो मतलब क्लोनिंग से जो निकल करके आई थी शीप उसको उन्होंने क्या नाम दिया था डॉली नाम दिया था from its parent sheep called fin dorset sheep a female sheep ठीक है इसके बाद में हम बोलते हैं कि जो डॉली की जो मम्मा थी डॉली की मम्मा कौन थी अ फिन डोरसेट शीप ये एक फीमेल शीप थी ठीक है डोली द क्लोन शीप वाज बोर्न ऑन 5th जुलाई 1996 कब पैदा हुई थी डॉली? पाँच जुलाई नाइनटीन नाइनटी सिक्स में तो जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि अभी तक हमने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सिंपल ऑर्गेनिजम्स में ही देखा था लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि सेक्शुअल ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है ना परफॉर्म किया गया है कि उसमें बड़े एनिमल्स में बड़े एनिमल्स में हम बोलते हैं कि यूजअली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही होता है लेकिन अब हम क्या पढ़ने वाले हैं एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे आ, नेचर के अगेंस्ट जाकर के नेचर के अगेंस्ट जाकर के हमने मतलब कि साइंटिस्ट ने क्या करा था आ, बड़े एनिमल में ए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस परफॉर्म करवाई थी और कहाँ हुआ था ईडनबर्ग स्कॉटलैंड में यह परफॉर्म किया गया था और जो क्लोन्ड शीप निकल करके आई थी आ, उसको हमने नाम दिया था क्या डॉली और उसकी ममा का नाम क्या था फिन डॉटीप कब हुई थी पैदा 5 जुलाई नाइनटीन को डॉली शीप वॉज देंड तो और डॉली शीप हम बोलते हैं कि फर्स्ट मेम्बर थी जिसको कि क्लोन किया गया था चलो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है द क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मेथड जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई एग्जैक्ट कॉपी बनवानी है ना अपने पेरेंट की तो बिना ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के तो वो होने से रहा द क्लोनिंग इन एनिमल्स इज डन बाय द ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ अ सेल अब बेसिकली हम क्लोनिंग की प्रोसेस को पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली exactly इस प्रोसेस की मेरा टेक्निक क्या है तो द न्यूक्लियस ऑफ अ नॉर्मल बॉडी सेल ऑफ़ द एनिमल विच वी यू विच वी विश टू क्लोन इज ट्रांसफर्ड इन टू एन एंटी एक्सेल हुज न्यूक्लियस हैज़ बीन रिमूव्ड तो जिस एनिमल को हम क्लोन करना चाहते हैं उस एनिमल का हम बोलते हैं कि एक नॉर्मल बॉडी सेल हम ले लेते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी बॉडी में तो कई तरह के सेल्स होते हैं ना और वो सेल्स कैसे होते हैं स्पेशलाइज्ड होते हैं कि कुछ सेल्स हो गए जो कि हार्ट को बनाएंगे और ब्लड हम बोलते हैं कि हार्ट की पंपिंग करवाएंगे जिनको हम कार्डियक सेल्स बोलते हैं कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे लंग्स को बनाते हैं हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाते हैं तो उनका काम क्या होगा रेस्पिरेशन परफॉर्म करना है ना सिमिलरली मैंने आपको बताता था कि देर आर सर्टेन सेल्स जो कि स्पेशलाइज होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है ना तो उन्हें हम क्या कहते हैं बेसिकली जर्म सेल्स कहते हैं और यही जर्म सेल्स क्या करते हैं यही जर्म सेल्स हम बोलते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं तो यहां पे बोला गया है कि जिस एनिमल को आपको क्लोन करवाना है ना उसका एक नॉर्मल बॉडी सेल आपको चूज करना है नॉर्मल बॉडी सेल मतलब क्या जर्म सेल नहीं वो वाले सेल नहीं जो कर कि, जो कि मेल और फीमेल गैमेट बना रहे हैं नॉर्मल बॉडी सेल यानी कि जर्म सेल को छोड़ करके बाकी के जो सेल्स होते हैं ना हमारी बॉडी के उन्हें हम कहते हैं नॉर्मल बॉडी सेल्स तो जिस भी एनिमल का आपको क्लोन बनवाना है उस एनिमल का आप क्या करते हो नॉर्मल बॉडी सेल उठाते हो फिर इसके बाद में आ, अच्छा आपने उसका सेल बेसिकली क्या करा है उठा लिया है अब इस सेल का जो न्यूक्लियस है वो आप सेपरेट करते हो ना कि सेल अलग हो गया नॉर्मल बॉडी सेल का आ, और हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस वाला पार्ट अलग हो गया ठीक है नाउ द ये जो न्यूक्लियस है ना इसको ट्रांसफर किया जाता है कि इसमें एक एम टी एग सेल में एक दूसरे एनिमल का दूसरे एनिमल का हम बोलते हैं कि एक्सेल लिया जाता है ऑब्वियस ही बात है एग है यानी कि फीमेल गाइमिट है तो सेल तो मतलब वो भी सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा उस वाले न्यूक्लियस को हटा दिया जाता है ठीक है इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे पास एक एनिमल वन है और दूसरा हम बोलते हैं कि एनिमल टू है तो एनिमल वन की बॉडी से हम क्या करते हैं एक नॉर्मल सेल निकालते हैं और उसका जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस को हम क्या करते हैं सेपरेट कर देते हैं तो एग अलग हो गया और उसका न्यूक्लियस अलग हो गया फिर इसके बाद में जो दूसरा एनिमल है दूसरे एनिमल का हम क्या लेते हैं एग सेल लेते हैं और इस एग सेल का जो न्यूक्लियस है उसको हम हटा ही देते हैं बाहरी कर देते हैं यानी कि जो एक्सेल है ये एम हो जाता है अब इस खाली पड़े एक्सेल में हम क्या करेंगे पहले वाले एनिमल का जो न्यूक्लियस है ना मतलब पहले वाले एनिमल का जो हमने नॉर्मल बॉडी सेल निकाला है उस बॉडी सेल का जो न्यूक्लियस है वो भी हमने सेपरेट कर दिया था तो अब ये वाला न्यूक्लियस इसको मैं अगर दूसरे कलर से फिल करूँ तो सही रहेगा है ना तो ये वाला जो आ, दूसरे एनिमल का जो बॉडी नॉर्मल बॉडी सेल का जो न्यूक्लियस होगा इस न्यूक्लियस को हम शिफ्ट कर देंगे कहाँ एनिमल टू के एम टी एग सेल में एम टी रहेगा याद रखना ठीक है तो एग सेल लिया था दूसरे एनिमल का उसका न्यूक्लियस हटा दिया है ना और एनिमल वन का जो नॉर्मल बॉडी सेल था उसके सेल में से न्यूक्लियस हमने निकाल लिया और ये न्यूक्लियस डाल दिया कहाँ दूसरे वाले एनिमल के एम एग सेल में कुछ इस तरीके से अब क्या होगा ये जो आ, सेल होगा ना इसको हम नेचुरली छोड़ देंगे ग्रो करने के लिए इस सेल में क्या होगा बेसिकली डिविजन होगा डेवलपमेंट होगा कई सारे हम बोलते हैं कि नए नए सेल्स इससे डेवलप हो जाएंगे कई सारे नए नए सेल्स इससे डेवलप हो जाएंगे तो जब ये अपनी एम्ब्रियो वाली स्टेज में पहुंचेगा यानी कि एक ऐसी बॉल बन जाएगी जिसमें बहुत सारे क्या होंगे सेल्स होंगे तो इस एम्ब्रियोनिक स्टेज को हम क्या करेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज को हम बोलेंगे कि इस एनिमल टू के बॉडी में डाल देंगे उसके यूट्रस में जाकर के हम एम्बेड कर देंगे और छोड़ देंगे मतलब कि जो एनिमल टू है फिर वो क्या हो जाएगा प्रेग्नेंट हो जाएगा क्यों क्योंकि यूट्रस में जाकर के जो एम्ब्रियो है वो एम्बेड हो गया है यानी कि एनिमल टू ने कंसीव कर लिया है और इसका मतलब क्या है कि प्रेग्नेंसी हो गई है अब इस प्रेग्नेंसी को हम नेचुरली होने के लिए छोड़ देंगे फिर इसके बाद में इस प्रेग्नेंसी के बाद जो रिजल्ट निकलेगा ठीक है जो रिजल्ट निकलेगा यानी कि जो नया एनिमल बनेगा ये नया एनिमल आपको क्या लगता है किससे मिलता जुलता होगा ये एनिमल मिलता जुलता होगा इससे एनिमल वन से क्यों क्योंकि यहां पे जो एनिमल हालांकि पैदा इस बच्चे को किसने किया है एनिमल टू ने ही किया है लेकिन आ, इस बेसिकली जो आपने एक्सेल लिया था ये जो एक्सेल है इसका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस किसका था एनिमल वन का था याद करो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि ये जो एक्सेल है वो कैसा है एम टी है एम टी क्यों है क्योंकि इस एनिमल टू से जो एग सेल हमने निकाला था ना उसका न्यूक्लियस हमने निकाल करके फेंक ही दिया था हमने क्या किया था एनिमल वन के नॉर्मल बॉडी सेल का न्यूक्लियस निकाला था और उसका न्यूक्लियस निकाल करके हमने इस एम टी एग सेल में डाला था तो माना कि इस बच्चे को इस एनिमल को एनिमल टू नहीं पैदा करा है लेकिन ये दिखने में कैसा होगा ये किसका बच्चा होगा कि दरअसल एनिम, एनिमल वन का ही बच्चा होगा ये दिखेगा एनिमल वन जैसा ही क्यों देखेगा एनिमल वन जैसा क्योंकि इसके अंदर जो बेसिकली न्यूक्लियस uh, था वो किसका था एनिमल वन का ही था एनिमल वन की बॉडी से ही न्यूक्लियस निकल करके कहाँ गया था इस खाली पड़े हुए एक्सेल में गया था बस हमने करा क्या है कि इस सेल को ला कर के एनिमल टू में जा करके एम्बेड करवा दिया कि भैया ये आपका एक्सेल है थोड़ा सा हमने इसका न्यूक्लियस हटा दिया है चेंज कर दिया है लेकिन अब जो है नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी आप ही के अंदर तो यहाँ पे हमने बोला कि एक एग्जैक्ट कॉपी निकल करके आई है कहने को तो ये क्या है Uh, बड़े एनिमल की बात हो रही है यहाँ पे लेकिन बड़े एनिमल में हमने क्या करा है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करवा दिया है कैसे करवा दिया है तो कुछ इस तरीके से और कुछ ऐसे ही डॉली शीप जो है uh, प्रोड्यूस हुई थी कब फिफ्थ जुलाई 1996 में तो अब थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि एग्जैक्टली exactly हुआ क्या था ठीक है A newly formed cell is allowed, अच्छा यहाँ से हम पढ़ लेते हैं द न्यूक्लियस ऑफ अ नॉर्मल बॉडी सेल ऑफ द एनिमल वी विश टू क्लोन इज ट्रांसफोर्ड इन हैज बीन रिमूव जिसकी न्यूक्लियस को आप रिमूव कर चुके हो द न्यूली फॉर्म्ड एक्स सेल इज अलाउड टू डेवलप नॉर्मली उसको हम छोड़ देते हैं नॉर्मली डेवलप होने के लिए फिर इसके बाद में अन एक्ट कॉपी ऑफ द एनिमल और अ क्लोन इज प्रोड्यूस्ड ज अ फीमेल शीप ठीक है ना यहां पर लिखा होगा ई डब्ल्यू ई तो ई डब्ल्यू ई क्या होता है इसको हम प्रोनाउंस करते हैं यू की तरह तो यू इज अ फीमेल शीप द टू शीप विच आर इन्वॉल्व इन द क्लोनिंग ऑफ डॉली शीप वर फिन डॉर्सेट यू एंड स्कॉटिश ब्लैक फेस यू ठीक है तो डॉली को बनाने के लिए उसको उसकी क्लोनिंग करवाने के लिए मतलब उसको क्लोन तैयार करने के लिए हम बोलते हैं कि दो फीमेल शीप इन्वॉल्व थी एक थी क्या फिन डॉरसेट ये भी फीमेल शीप थी और एक थी स्कॉटिश ब्लैक फेस यू तो ब्लैक फेस से ना समझ में आ रहा है कि उसका जो मुँह था वो कैसा था ब्लैक कलर का था और ये जो फिन डॉर्सेट थी ना इसका फेस ब्लैक नहीं था इसका फेस कैसा था वाइट ही था ठीक है तो दो फीमेल शीप्स को यूज किया गया था फिन डॉरसेट और स्कॉटिश ब्लैक फेस ब्लैक फेस ठीक है सो वी कैन ऑल्सो कॉल देम फीमेल फीमेल फिन डॉर्सेट शीप एंड फीमेल स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप ठीक है एज द नेम सजेस्ट द जो स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप थी उसका फेस कैसा था ब्लैक कलर का था चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्लोनिंग कैसे की गई तो नॉर्मल बॉडी सेल वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड ऑफ अ फीमेल फिन डॉर्सेट शीप विच वॉज टू बी क्लोन अब हम कर क्या करना क्या चाह रहे थे कि जो फीमेल फिन डॉर्सेट शीप है ना उसको हम क्लोन करवाना चाह रहे थे यानी कि उसकी हम एकदम एग्जैक्ट कॉपी बनवाना चाह रहे थे तो इसके लिए हमने क्या करा उसका एक नॉर्मल बॉडी सेल उठाया कौन सा बॉडी सेल तो हम बोलते हैं कि मेमोरी ग्लैंड से उसका एक सेल उठाया गया फिर इसके बाद में उस सेल को उठाने के बाद क्या किया गया उसका न्यूक्लियस हटा दिया गया An unfertilized egg cell was taken from a female Scottish black face sheep and its nucleus containing chromosomes was removed leaving the egg cell empty having no nucleus. Ab kya hua? Wo jo black face wali jo sheep thi, Scottish black face sheep, usko bhi uthaya gaya. और उसका जो है ना एक अनफर्टिलाइज्ड एक्सेल fertilization नहीं हुआ है हाँ अनफर्टिलाइज्ड एक्सेल उठाया गया और उसका जो न्यूक्लियस है वो हटा दिया गया तो अपने पास क्या आ गया था एक एम टी एग सेल आ गया था किसका एम टी एग सेल आ गया था तो स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप का फिर इसके बाद में जो हमने फिन डॉसेट शीप से जो उसका मेमोरी ग्लैंड से जो नॉर्मल बॉडी सेल निकाला था उसका जो न्यूक्लियस हमने सेपरेट किया था वो वाला न्यूक्लियस हमने कहाँ डाला स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप के एम टी एग एक्सेल में हमने डाला क्या आप इस चीज को समझे एनिमल वन एनिमल टू वाली ही बात चल रही है यहाँ पे एनिमल वन कौन है भाई हैसेट शीप है जिसको हम क्लोन करवाना चाह रहे हैं जिसकी हम एग्जैक्ट कॉपी बनवाना चाह रहे हैं और एनिमल टू कौन है एनिमल टू है स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप तो हमने क्या करा कि फिन डॉर्सेट शीप जो है उसके मेमोरी ग्लैंड से एक बॉडी सेल निकाल लिया उसका और उसके सेल से न्यूक्लियस हमने अपने पास रख लिया फिर इसके बाद में जो स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप है उसका अनफर्टिलाइज एग लिया अनफर्टिलाइज एग का भी जो बेसिकली uh, न्यूक्लियस है वो हमने निकाल करके फेंक ही दिया सीधे और जो फिन डॉरसेट शीप का जो न्यूक्लियस है नॉर्मल बॉडी सेल का जो न्यूक्लियस है वो हमने कहाँ डाल दिया स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप के एक्सेल के अंदर डाल दिया नाउ इन दिस वे अ न्यू एक्सेल वॉज ऑप्टेन और इस हिसाब से हम बोलते हैं कि हमारे पास एक नया एक्सेल आ गया था नया एक्सेल क्यों क्योंकि था तो वो किसका एक्सेल स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप का लेकिन उसके अंदर जो न्यूक्लियस था वो उसका नहीं था वो किसका था वो तो फिन डोर्सेट का था तो इस हिसाब से हम बोलते हैं कि एक नया एक्सेल आ चुका है हमारे पास जिसके पास जिसके अंदर हम बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस किसका है फिन डोर्सेट शीप की बॉडी का है ठीक है नेक्स्ट अच्छा ये आपके पास कुछ इमेज है इस इमेज से भी आप समझ सकते हो कि ये क्या है बेसिकली uh, हमारे पास डोनर डोनर सेल इज टेकन फ्राम अ शीप्स अडर ठीक है तो ये बेसिकली ब्लैक फेस शीप है स्कॉटिश वाली फिर इसके बाद में आ, हमने क्या करा फिर दूसरी वाली शीप भी है ये भी फीमेल शीप है और ये भी हम बोलते हैं कि फीमेल शीप ही है अनएक्सेल इज टेकन फ्राम एडल्ट फीमेल शीप और ये वाली कौन सी है ये वो है आ, कौन सी फिन डॉर्सेट वाली ठीक है ना तो फिन डॉर्सेट का हम बोलते हैं कि नहीं रुको ये वाली हम बोल रहे हैं कि क्या है अ डोनर सेल इज़ टेकन फ्रॉम द शीप अडर हाँ तो ये हमारी वो है फिन डोरसेट है ये फिन डॉर्सेट है ठीक है और ये क्या है हमारी ब्लैक फेस वाली है स्कॉटिश वाली ब्लैक फेस तो हुआ क्या इसका हमने एक्सेल ले लिया इस वाली का हमने फिन डॉर्सेट का न्यूक्लियस ले लिया और इस एक्सेल के अंदर हमने क्या किया है फिन डॉर्सेट का न्यूक्लियस लगा दिया है अब हमारे पास एक नया एक्सेल आ गया है जिसके अंदर सेल जिसका है वो किसका है ब्लैक फेस का है और न्यूक्लियस किसका है फिनडोर्सेट का है फिर इसके बाद में इसको नॉर्मली ग्रो करने के लिए छोड़ दिया देखो एक बॉल बन के रेडी है जिसमें कि बहुत सारे सेल्स हैं यानी कि अभी एम्ब्रियो बन चुका है इस एम्ब्रियो को जो है इसी वाली में ब्लैक फेस स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप के अंदर हमने डाल दिया और नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए छोड़ दिया जब बच्चा बाहर निकल करके आया तो देखो ये बच्चा किसका था ये बच्चा हम बोलते हैं कि फिन डॉर्सेट जैसा ही था भाई इसका मुंह तो काला था ना तो बच्चे का मुंह भी काला होना चाहिए था क्यों क्योंकि इसी ने इसको पैदा किया लेकिन फिर भी नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ क्योंकि जो न्यूक्लियस था ना जायगोट के अंदर या एक्सेल के अंदर वो न्यूक्लियस इसका था इसका था फिन डॉर्सेट का था जिसका मुंह काला नहीं था तो ऑब्वियसली बात है जो बच्चा पैदा हुआ उसका भी मुंह काला नहीं हुआ आई बात समझ में चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द न्यू एग्स सेल वॉज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस ऑफ अनदर फीमेल स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप मेकिंग इट प्रेगनेंट आफ्टर 148 फोर्टी एट डेज इतने दिनों बाद दिस प्रेगनेंट स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप शीप बर्थ टू डॉली और 148 डेज बाद हम बोलते हैं कि प्रेगनेंट स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप ने क्या किया डॉली को जन्म दिया दो डॉली शीप बाई गिवन बाय गिवन बर्थ बाय अ स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप इट वॉज फाउंड टू बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द दिजिनल फिंड शीप फ्रॉम हुज सेल न्यूक्लियस वॉज टेकन हालांकि पैदा उसने किया था ब्लैक फेस शीप ने लेकिन वो थी किसकी ओरिजिनल कॉपी वो फिन डॉसेट शीप की ही कॉपी थी क्यों क्योंकि उसका जो न्यूक्लियस है ना किसका बेसिकली uh, uh, जो नया एक्सेल बना था उस एक्सेल में जो न्यूक्लियस आया था वो किसका था वो तो फिन डॉरसेट का ही था ना और वो जो एक्सेल आया था उसी में फिर फर्दर डिवीजन हुए उसमें हम बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हुए तो उससे जो नए सेल्स बने उस नए सेल में भी देखो हुआ क्या अभी अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि उसके अंदर होते हैं क्रोमोजोम्स क्रोमोजोम्स क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके अंदर होती है जीन्स ठीक है तो हम बोल रहे हैं कि जो फिन डॉरसेट शीप है उसके मुंह का कलर कैसा था व्हाइट था डॉली का मुंह का कलर भी कैसा था व्हाइट कलर का था

उसका मुंह का कलर भी कैसा हुआ व्हाइट ही हुआ और ना सिर्फ मुंह का कलर ये तो बस एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ पूरी की पूरी जो डॉली है ना वो एकदम एग्जैक्ट एक कॉपी थी किसकी फिन डॉर्सेट शीप की पैदा उसको स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप ने शीप ने किया था लेकिन वो दिखती कैसी थी बिल्कुल फिन डॉरसेट शीप जैसी दिखती थी नेक्स्ट पॉइंट क्या है सो डॉली वॉज अ क्लोन ऑफ फिन डॉर्सेट शीप हुपिंग इट तो डॉली क्या है डॉली हम बोलते हैं कि फिन डोरसेट शीप की क्लोन थी all the body cells of dolly sheep contain the same set of chromosomes having exactly the same genes as the fin dorset sheep cells to yahan pe kya bola ja raha hai ki dolly sheep ke jo jitne bhi body cells the unke paas kya tha same set of chromosomes the aur exactly वही genes थी जो कि isme present थे fin dorset sheep के cells में present थे। so uh, so the though dolly was given birth by स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप बट इट्स रियल मदर वॉज फिन डॉर्सेट शीप तो पैदा तो उसने किया था ब्लैक फेस वाली ने लेकिन असली मदर उसकी कौन थी फिन डॉर्सेट शीप ही थी क्योंकि जो जीन्स उसके पास थे, वही कि वही सारे जीन्स कहाँ आ गए थे डॉली में आ गए थे डॉली was a क्लोन ऑफ फिन Dorset sheep एंड प्रोड्यूस्ड सेवरल offsprings of ऑफ हर ओन थ्रू means in इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम और अच्छा ऐसा नहीं है कि हमने नेचर के अगेंस्ट जाकर के एक बड़े एनिमल में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करवाया है तो जो रिजल्ट आएगा वो कैसा होगा स्टेराइल होगा ऐसा नहीं जो डॉली थी वो कैसी थी वो फर्टाइल थी और उसने आगे जाकर के अपने खुद के बच्चे दिए कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही सो डॉलीड एग्जैक्टली द सेम जेनेटिक मटेरियल एज हर रियर मदर फिन डॉर्सेट शीप डॉली डाइड इन फोर्टीन फैव टू थाउजेंड थ्री ड्यू टू लंग डिसीज लंग डिसीज हो गया था फोर्टीन फैव टू थाउजेंड थ्री में जिसके कारण वो उसकी डेथ हो गई सिंस डॉली द क्लोन शीप हु वॉज बॉर्न इन नाइनटीन नाइनटी सिक्स काउज एंड पिगज है क्योंकि डॉली को हमने क्लोन करवा दिया था फिर इसके हिसाब से हम बोलते हैं कि बाकी बड़े जानवरों पर एनिमल काउज पे और पिग्स पे भी जो है ना क्लोनिंग की प्रोसेस uh, का एक्सपेरिमेंट किया गया द क्लोनिंग ऑफ सुपीरियर काउस गेव हाई मिल्क हैज़ बिकम पॉसिबल नाउ अब आपने सोचा होगा कि भाई ये आखिर इतनी मेहनत करने की जरूरत पड़ ही क्या रही है कि चलो ठीक है करके देखना था कि बड़े एनिमल्स में एग्जैक्ट कॉपीज़ बन सकती है या नहीं बन सकती है क्लोनिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती वो आपने करके देख लिया एक्सपेरिमेंट के लिए लेकिन अब उसको प्रैक्टिस करने की क्या, क्या जरूरत पड़ गई काउस के ऊपर तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो सुपीरियर काउस होती हैं उनकी जब हम क्लोनिंग कराते हैं तो विच सुपीरियर काउस मतलब क्या कि वो वाली गाय जो इनका जो मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो कैसा होता है ज़्यादा होता है तो ऐसी सुपीरियर काउस की जो क्लोनिंग है वो आज के टाइम पे पॉसिबल है इफ़ हाई शन रिजल्टिंग ऑफ स्प्रिंग काउ मे और मे नॉट बी ऑफ हाई मिल्क ईल्डिंग ब्रीड बिकॉज ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द जीन्स ऑफ द पेरेंट बुल एंड द मदर काउ सीधी सी बात है अगर हमने नॉर्मल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करवाया है किसके बीच में एक ऐसी काउ और एक ऐसे बुल के बीच में गाय कैसी है जिसकी खुद की मिल्क ईल्डिंग की जो पावर है वो कैसी है अच्छी है स्ट्रांग है तो जब उसका हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं किसके साथ बुल के साथ तो जो बच्चा पैदा होगा जो होगी जरूरी नहीं है कि उसकी मिल्क भी क्या हो अच्छी हो बुरी भी हो सकती है भी हो सकती है बुरी भी हो सकती। क्यों हो सकती है क्योंकि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना तो जी बोलते हैं कि इंटरमिक्सिंग हो सकती है कुछ भी वेरिएशन पॉसिबल है तो इस बात का कोई अशोरेंस नहीं होता है कि जो ऑस्प्रिंग काउ आएगी उसकी जो मिल्क ईल्डिंग पावर होगी वो कैसी होगी अच्छी ही होगी बुरी भी हो सकती है मीडियम लेवल की भी हो सकती है ऑन दी अदर हैंड अ काउ विच इज क्लोन फ्रॉम अ पेरेंट काउ

काओ के अंदर क्या करवाएं क्लोनिंग करवाएं और उसका हम क्लोन बनवाएं। तो क्लोन क्योंकि क्या है एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट की और जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं पेरेंट में वो सभी के सभी जीन्स कहाँ आ जाते हैं आ, बच्चे में भी आ जाते हैं ऑफ यानी कि क्लोन में भी आ जाते हैं तो अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास एक ऐसी गाय है जिसकी जो मिल्क इल्डिंग है वो कैसी है अच्छी है तो अच्छी क्यों है क्योंकि उसके पास वो वाले जीन्स हैं तो अगर हम उस गाय की क्लोनिंग करवा दें तो जो क्लोन निकलेगा जो गाय आएगी उस गाय के अंदर भी क्या होंगे वही वाले जीन्स होंगे यानी कि वो वाली जो गाय होगी आगे जाकर के उसकी मिल्क ईल्डिंग भी कैसी होगी अच्छी होगी ठीक है तो यहां पे हम बोलते हैं कि एक अश्योरेंस मिल गया है कि हां हमने क्लोनिंग करवाई है तो क्लोनिंग से जो रिजल्ट आएगा जो बच्चा आएगा उसमें एक्जैक्टली exactly वही वाले जीन्स होंगे जो कि पेरेंट में होंगे तो ये क्या होगा फायदा वाली बात हो जाएगी फिर एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं क्लोनिंग के कि द टेक्निक ऑफ क्लोनिंग एनेबल्स अस टू प्रोड्यूस एग्जैक्टली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स हैविंग फेवरेबल कैरेक्टर्स लाइक हाई मिल्क है और गुड क्वालिटी वूल ऑफ द पेरेंट एनिमल फॉर फ्यूचर जनरेशन तो सीधी सी बात है क्लोनिंग इंटेंशनल होती है है ना ऐसा तो नहीं कि अपने आप नेचुरली हो गई है क्लोनिंग इंटेंशनल होती है तो इंटेंशन क्या होता है कि भाई अच्छे जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हैं ना वो फ्यूचर जनरेशन में आगे आते जाए आते जाएं। जैसे कि आपके पास क्या है एक भेड़ है है ना उसकी जो वूल की जो क्वालिटी है यानी कि उससे निकलने वाली जो वूल है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है अब अगर आप उसको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने के लिए छोड़ दोगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो बच्चे पैदा करेगी वो उन बच्चों से जो वूल मिलेगी वो भी क्या होगी अच्छी क्वालिटी की होगी हो सकता है ख़राब क्वालिटी की भी मिले या मीडियम क्वालिटी की मिले तो इसलिए हम क्या करते हैं डिजायरेबल कैरेक्टर्स या Uh, हम बोलते हैं कि ट्रेड्स वाली जो डोमेस्टिक uh, एनिमल्स जो होते हैं उनमें क्लोनिंग करवाते हैं ताकि उनसे जो बच्चे मिले उन बच्चों के पास भी एग्जैक्टली exactly वही डिजायरेबल कैरेक्टर्स हों ताकि कहीं से भी कहीं तक कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े फिर विदाउट द रिस्क ऑफ लूजिंग सम ऑफ द बेनिफिशियल जीन्स और इंट्रोड्यूसिंग अनवॉन्टेड जीन्स थ्रू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्या है फॉर एग्जाम्पल अ काउ विच गिव हाई मिल्क ईल्ड कैन बी क्लोन्ड टू प्रोड्यूस एग्जैक्टली आइडेंटिकल काउस जो कि क्या करेंगी uh, जिनका हम बोलते हैं कि मिल्क ईल्ड कैसा होगा अच्छा ही होगा शीप विच गिव हाई ऑफ सुपीरियर क्वालिटी वूल कैन बी क्लोन टू प्रोड्यूस एग्जैक्टली आइडेंटिकल शीप विच विल गिव विच विल गिव हाई ऑफ सुपीरियर क्वालिटी वूल तो मदर अच्छी क्वालिटी की वूल दे रही थी तो जो उससे बच्चा निकलेगा क्लोनिंग से वो भी क्या होगा अच्छी क्वालिटी की वूल ही देगा सीधी सी बात है क्योंकि जींस तो वही वाले आ जाएंगे ना लेकिन हम बोलते हैं कि कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं द क्लोनिंग ऑफ मेमल्स ऑल्सो हैज सम डिसएडवांटेजेस मैनी क्लोन मेमल्स डाई बिफोर बर्थ और डाई सून आफ्टर बर्थ तो क्लोनिंग तो हमने करवा दी मेमल्स की लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जन्म देने के पहले जन्म देने के ठीक बाद वो मर जाते हैं मेनी टाइम्स द क्लोन मेमल्स आर फाउंड टू बी बॉन्ड विथ सीवियर एबनॉर्मिलिटीज़ और जो क्लोन बनता है वो हम बोलते हैं कि कई बार ऐसा केस ऐसे केसेस सामने आए हैं कि जो क्लोन बना है उसमें क्या है कई सारी सिवियर अपनॉर्मिलिटीज़ हैं क्योंकि ही बात है भाई नेचर के अगेंस्ट जाके आप कुछ करोगे तो कहीं ना कहीं आपको उसके डिसएडवांटेजेस कुछ ना कुछ अपनॉर्मिलिटीज़ आपको दिखाई देंगी ही देंगी ठीक है तो ये हम बोलते हैं कि क्लोनिंग के कुछ डिसएडवाटेजेस हैं एडवांटेजेस वही हैं कि अच्छे वाले जीन्स जो कि पेरेंट में हैं पेरेंट जनरेशन में है वही वाले जीन्स अगर आपको फ्यूचर जनरेशन में चाहिए हैं तो क्लोनिंग जो है ना बेस्ट ऑप्शन है और डिसएडवांटेजेस क्या है कि कुछ अब नॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं कभी कभी बच्चों में या जो मैमल पेरेंट है वो जन्म के पहले या जन्म के बाद जो है ना मतलब बच्चे के जन्म के पहले या बच्चे के जन्म के बाद आ, कभी कभी मर जाते हैं ठीक है तो ये पूरी हो गई क्या क्लोनिंग की प्रोसेस आई होप सबको समझ में आई होगी तो डॉली हम बोलते हैं कि फर्स्ट मैमल है जिसको कि क्लोन किया गया था आ, जो कि क्लोनिंग से बेसिकली प्रोड्यूस हुई थी पाँच जुलाई नाइनटीन को ठीक है और इसमें हम बोलते हैं कि दो फीमेल शीप्स या आप बोल सकते हो कि दो फीमेल शी, पेरेंट शीप इन्वॉल्व थी एक तो फिन डॉर्सेट शीप और दूसरी स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप जो फिन डॉसेट है उसका मुंह वाइट था और जो स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप है नाम से समझ में आ रहा है कि उसका फेस कैसा था ब्लैक कलर का था ठीक है हुआ क्या था कि जो आ, फिन डॉर्सेट शीप थी उसके मेमोरी ग्लैंड से एक नॉर्मल उसका बॉडी सेल निकाला गया था ठीक है बॉडी सेल को निकाल करके उसका न्यूक्लियस संभाल के रख लिया गया था फिर जो स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप है आ, उसका हम बोलते हैं कि एक अनफर्टिलाइज एक्सेल लिया गया था सेल है न्यूक्लियस तो होगा लेकिन उसका न्यूक्लियस हटा दिया गया था है ना जो स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप है उसका एक अनफर्टिलाइज एक्ससेल लेकर के उसका न्यूक्लियस हटा दिया गया था लेकिन ये जो सेल है बिना न्यूक्लियस के तो रह नहीं पाएगा तो न्यूक्लियस हम किसका डालते हैं न्यूक्लियस हमने डाला फिन डॉर्सेड शीप का है ना उसका जो नॉर्मल बॉडी सेल था सेल हटा दो उसका न्यूक्लियस ले लो और उसका न्यूक्लियस हमने क्या करा था ब्लैक फेस स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप के एक्सेल में डाला था एम टी एक्सेल में डाला था फिर क्या हुआ ये जो सेल है इसको नॉर्मली ग्रो करने के लिए छोड़ दिया था और हम बोलते हैं कि बेसिकली नए नए सेल्स इस नए एग्स से जो है ना नए एक्सेल से डेवलप होने लगे जब एम्ब्रियो बन गया इस एम्ब्रियो को फिर हम बोलते हैं कि यही वाली स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप के अंदर एम्बेड करवा दिया प्रेगनेंसी हुई जो बच्चा निकला बच्चे का नाम रखा हमने क्या डॉली और जो डॉली थी कहने को तो स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप ने इसको जन्म दिया था लेकिन ये थी कैसी ये एकदम एग्जैक्ट कॉपी थी किसकी फिन डॉर्सेड शीप की क्यों क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है वही न्यूक्लियस हम बोलते हैं कि एक्सेल के अंदर डाला गया था इसका जो एक्सेल का न्यूक्लियस था ब्लैक फेस शेप का जो एक्सेल का जो न्यूक्लियस था वो तो हटा दिया गया था ना तो इसके एक्सेल में इसका न्यूक्लियस डाला था तो सारे जीन्स किसके थे फिनडोरसेट के ही थे इसलिए जो डॉली निकली उसके अंदर वो सभी के सभी कैरेक्टर्स आ गए जो कि किसके अंदर थे फिनडोरसेट के अंदर थे क्योंकि सभी के सभी जीन्स यहाँ से यहाँ पहुँच गए तो इसे हम बोलते हैं क्या क्लोनिंग की प्रोसेस और इस टॉपिक के साथ में ये चैप्टर होता है क्या हमारा कंप्लीट प्रीवियस सेशंस में हमने इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को एकदम डिटेल में जा के डिस्कस कर लिया है तो अब फाइनली बारी आती है इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तो आज के सेशन में ना सिर्फ हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे साथ ही साथ इस चैप्टर में जितनी भी इन टेक्स्ट एक्टिविटीज़ दी गई हैं आपकी एन सी आर टेक्स्ट बुक में उनको भी हम करेंगे डिस्कस तो आई होप आज के इस सेशन का जो टारगेट है सभी बच्चों को है एकदम क्लियर तो एक काम करते हैं ना जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं सो दिस इज़ विभूति खरे वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन जहाँ पर हम सॉल्व करेंगे बहुत सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एक्सप्लेन द पासेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स आपको क्या करना है कि ऑर्गेनिजम्स में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है एक्सप्लेन करनी है तो देखो इस पूरे चैप्टर में ना हमने शुरुआत ही इस चैप्टर की हमने यहीं से करी थी कि एग्जैक्टली exactly रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है तो सीधी सी बात है रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे एक एनिमल अपने ही जैसे कुछ और नए एनिमल्स को प्रोड्यूस करता है मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल दिया था कि सपोज हमारे पास क्या है एक ग्रुप है हंड्रेड टाइगर्स का ठीक है और हम बोल रहे हैं कि इस पूरी दुनिया में इस पूरे प्लैनिट अर्थ पर इस ग्लोब पर सिर्फ और सिर्फ यही सौ टाइगर्स बचे हैं ठीक है सुनने में देखने में ऐसा लग रहा है कि अरे सौ टाइगर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन होगा क्या जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर एक ऑर्गेनिज्म की एक अपनी स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होती है और उस लाइफ स्पैन में जीने के बाद जो ऑर्गेनिज्म है जो एनिमल है उसकी डेथ हो जाती है तो हमारे पास इस पूरे प्लानट अर्थ पर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि सौ जो टाइगर्स हैं हमारे पास तो अभी तो उनका नंबर बहुत ज़्यादा लग रहा है लेकिन होगा क्या कि वो भी अपनी एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन तक जियेंगे इसके बाद में वो बूढ़े हो जाएंगे बीमार हो जाएंगे और इसके बाद में हम कि उनकी डेथ हो जाएगी डेथ के बाद में क्या होगा कि उस ग्रुप में से एक भी टाइगर नहीं बचेगा और एक भी टाइगर बचने का क्या मतलब है कि इस पूरे प्लानट अर्थ से जो टाइगर स्पीशीज है वो क्या हो जाएगी वैनिश हो जाएगी गायब हो जाएगी तो जैसे आज के टाइम पे हमारे लिए डायनासॉर्स है ना डायनासॉर्स को देखने के लिए हमें कॉमिक्स पढ़ना पड़ता है कार्टून देखने पड़ते हैं मूवीज देखनी पड़ती है या म्यूजियम जाना पड़ता है कुछ इस तरीके से टाइगर्स को देखने के लिए भी हमको कॉमिक्स मूवीज और म्यूजियम्स का ही हेल्प लेना पड़ेगा तो ये चीज़ तो बिल्कुल अच्छी नहीं है ना और सिर्फ ये बात जो है टाइगर्स तक ही यू नो लिमिटेड नहीं है कि हमने बोला कि टाइगर की जो स्पीशीज है वो वैनिश हो गई वैनिश क्यों हो गई क्योंकि वो जो 100 टाइगर प्रेजेंट थे ना उस ग्रुप में उन 100 टाइगर्स ने रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं करी जिससे क्या हुआ कि नए टाइगर्स नहीं बन पाए और जो जो नंबर था ना 100 टाइगर्स का वो नंबर बस उतना का उतना ही रहा वो नंबर आगे बढ़ ही नहीं पाया तो ऑब्वियस सी बात है ये जो सौ टाइगर्स होंगे ये अपनी लाइफ स्पेन के बाद मर मर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो जो ग्रुप होगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा वैनिश हो जाएगा तो क्योंकि उस ग्रुप के उस स्पीशीज के मेम्बर्स ने क्या नहीं किया था रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं करी थी जिसके कारण उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ नहीं पाई वो उतनी की उतनी ही रही इनफैक्ट जैसे जैसे समय बीतता गया ये पॉपुलेशन और कम होती गई पहले एक टाइगर मरा फिर दूसरा मरा फिर तीसरा मरा तो पॉपुलेशन उतनी की उतनी ही रही क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं हुआ था और जैसे सम, जैसे जैसे हम बोलते हैं कि समय आगे बढ़ा ये पॉपुलेशन और कम होती गई कम होती गई और इतनी कम हो गई कि पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो ही गायब हो गया तो सीधी सी बात है अगर कोई भी स्पीशीज़ अपना अपने अपना एग्जिस्टेंस चाहती है कि वो प्लैनेट अर्थ पर बना रहे तो इसके लिए स्पीशीज़ के मेंबर्स को क्या करना पड़ेगा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करनी ही पड़ेगी

अभी जितनी पॉपुलेशन है वो उतनी ही रहेगी लेकिन धीरे 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 ये पॉपुलेशन क्या होने लगेगी कम होने लगेगी और एक समय ऐसा आएगा कि प्लेनेट अर्थ पर एक भी इंसान नहीं बचेगा तो अगर सभी स्पीशीज़ के सभी मेंबर्स ये डिसाइड कर लें कि भाई आज के बाद तो नए बच्चे नहीं पैदा करने हैं रिप्रोडक्शन नहीं, नहीं करना है तो फिर क्या होगा उन सभी स्पीशीज के सभी मेंबर्स अपनी अपनी स्पेसिफिक लाइफ स्पैन को जीने के बाद मर जाएंगे और वो स्पीशीज हमेशा के लिए प्लैनेट अर्थ से गायब हो जाएगी वैनिश हो जाएगी एक्सटिंक्ट हो जाएगी पहले भी हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में ये बात करी है कि एंडेंजर्ड स्पीशीज को Uh, वापस लेकर के आना बहुत मतलब ये पॉसिबल है लेकिन अगर एक बार कोई स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई ना तो आप उसको दोबारा से प्लानिट अर्थ पर लेकर के नहीं आ सकते हो वो गायब मतलब हमेशा के लिए गायब तो प्लानिट अर्थ पर हम बोलते हैं कि स्पीशीज़ का एग्जिस्टेंस बना रहे लाइफ हम बोलते हैं कि चलती रहे इसके लिए बेसिकली uh, हम बोलते हैं कि न्यू मेम्बर्स का आना बहुत इंपॉर्टेंट है है ना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है आई बात समझ में आपको तो ये क्या हुआ ये सिग्निफिकेंस हुआ रिप्रोडक्शन की प्रोसेस का चलो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा सेकेंड की हम बात करते हैं कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स हमें बेसिकली ह्यूमन बींग्स के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को जो है डिस्क्राइब uh, करना है तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ह्यूमन बींग्स में हम बोलते हैं कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है यानी कि दोनों ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट ठीक है मेल पेरेंट की बॉडी से क्या आता है मेल गैमिट जिसको कि हम स्पर्म्स बोलते हैं बहुत सारे मेल गैमिट्स हैं यानी कि उनको हम स्पर्म्स बोलेंगे एक मेल गैमिट को स्पर्म और फीमेल पेरेंट की बॉडी से हम बोलते हैं कि फीमेल गैमिट्स आते हैं जिनको कि हम एग्स बोलते हैं या ओवा बोलते हैं या अगर केवल एक ही फीमेल गैमिट हो एक ही एग हो तो उसको हम बोलेंगे ओवम प्लूरल होता है ओवा सिंगुलर होता है ओवम ठीक है फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि यही दोनों मेल और फीमेल गैमिट्स का क्या होता है फ्यूजन होता है और इस फ्यूजन की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन बोलते हैं ख़ास बात क्या होती है कि ये जो मेल गैमेट है ये भी क्या है एक सेल ही तो है तो सेल के अंदर हम बोलते हैं कि जो नॉर्मल सेल कॉम्पोनेंट्स होते हैं साइटोप्लाजम प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस ये सब प्रेजेंट होगा तो स्पर्म के पास भी हम बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है साइटोप्लाजम होता है न्यूक्लियस होता है बाकायदा इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं क्रोमोसोम्स में डीएनए होते हैं डीएनए में जीन्स होते हैं तो ये जीन्स कौन से वाले हैं ये वो वाले जीस हैं जो कि मेल पेरेंट से निकल करके आए क्योंकि तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है मेल पेरेंट में अच्छा प्रीवियस सेशन्स में हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी की भी ऊपर है ना, ना हमने चर्चा कर ली है तो हमें पता है कि मेल पेरेंट की बॉडी में ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है ना तो मेल पेरेंट की बॉडी में जो टेस्टीज़ हैं वहाँ पे मेल गैमिट्स यानी कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है तो ऑब्वियस ही बात है इन स्पर्म्स में जो न्यूक्लियस होगा जो जीन्स होंगे वो जीन्स भी कहाँ से आएंगे मेल पेरेंट की बॉडी से ही आएंगे है ना फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे फीमेल पेरेंट की बॉडी की तो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम बोलते हैं कि पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं और हर मंथ कभी एक ओवरी उसके नेक्स्ट मंथ दूसरी ओवरी क्या करती है टाइम टू टाइम एक एग जो है ना वो रिलीज करती है यानी कि एक ओवम रिलीज़ करती है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने देखा था ह्यूमन बींग्स में कि जो ओवरी हैं वो क्या करती हैं एग का प्रोडक्शन करती हैं और फिर इसके बाद में ये जो एग है ये भी क्या है एक सेली तो है तो इसके अंदर भी क्या होगा न्यूक्लियस होगा साइटोप्लाजम होगा न्यूक्लियस में क्या होंगे जीन्स होंगे कौन से जीन्स जो कि फ़ीमेल पेरेंट बॉडी के हैं ठीक है तो मेल गैमिट में स्पर्म्स में मेल पेरेंट से आ, के जीन्स आते हैं और फीमेल गैमिट में यानी कि एग्स में फीमेल पेरेंट बॉडी के जीन्स आते हैं फिर क्या होगा इन दोनों ही गैमेट्स का फ्यूजन होगा जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन से हम बोलते हैं कि उसके रिजल्ट से क्या बनता है एक सिंगल सेल बनता है जिसको कि हम बोल देंगे जाइकोट इस जयकोट में हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस होता है ये न्यूक्लियस कहाँ से आया है तो मेल और फीमेल गैमिट्स uh, में जो उनका रिस्पेक्टिव न्यूक्लिया थे ना उन दोनों ही न्यूक्लिया का फ्यूजन हुआ है और मेल और फीमेल गैमिट्स के न्यूक्लियस के फ्यूजन के कारण ही जायगोट का न्यूक्लियस बनता है तो सी बात है इस जायगोट में हम बोलते हैं कि मेल पेरेंट के जीन्स भी आएंगे और फीमेल पेरेंट के जीन्स भी आएंगे क्योंकि मैंने आपको अभी अभी समझाया है कि जो दोनों ही टाइप के गैमिट्स होते हैं उनमें रिस्पेक्टिव पेरेंट बॉडी के जीन्स आते हैं अगर मेल गैमिट है तो मेल मेल पेरेंट बॉडी के जीन्स आएंगे फीमेल गैमिट है एग्स uh, हैं तो उसमें फीमेल पेरेंट बॉडी के जीन्स आएंगे तो दोनों ही न्यूक्लिया का जब फ्यूजन होता है तो जायगोड बनता है और जायगोड का जो न्यूक्लियस होता है उसमें दोनों ही पेरेंट्स के क्या आते हैं जीन्स आते हैं ठीक है ठीके? फिर इसके बाद में ये जो जायगोड है ये एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है फिर इसमें हम बोलते हैं कि फर्दर जाकर के और डिविजन्स होते हैं मल्टीप्लीकेशन होता है ताकि नंबर ऑफ सेल्स और इंक्रीज हो जाते हैं अब जब हमारे पास फाइनली एक बॉल रेडी हो जाती है जिसमें कि बहुत सारे सेल्स होते हैं तो इस बॉल को हम क्या कहते हैं एम्ब्रियो कहते हैं अब ये जो एम्ब्रियो है अच्छा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होती है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं मतलब रिवाइज नहीं किया पढ़ तो लिया ही है तो देखो आ, हम बोलते हैं कि ह्यूमन रिंग्स में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो होता है लेकिन कैसा फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वही फर्टिलाइजेशन के बारे में ही तो पूछा गया है तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ह्यूमन बींग्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि ये जो मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो, हो रहा है ये कहाँ हो रहा है फीमेल पेरेंट बॉडी के अंदर ही होता है वो तो फ्रॉग्स में होता है बाहर लेकिन ह्यूमन बींग्स में कहाँ होता है फीमेल पेरेंट बॉडी के अंदर ही होता है कैसे होता है तो मेल पेरेंट बॉडी से जो मेल गैमिट्स हैं वो फीमेल बॉडी uh, में जो है एंटर करते हैं कैसे एंटर करते हैं तो वेजाइना के थ्रू वजाइना से फिर इसके बारे में वो कहाँ जाते हैं वजाइना है वजाइना से हम बोलते हैं कि वो कहाँ जाते हैं आ, यूट्रस के लेवल तक पहुँचते हैं यूट्रस हम बोलते हैं कि कनेक्टेड होता है किससे दोनों ओवरी से कैसे कनेक्टेड होता है तो दो फनल शेप्ड की ट्यूब्स होती हैं जिनको हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब्स या जिनको हम ओवरीडक्ट्स भी कहते हैं ठीक है ना तो जो हमारा यूट्रस होता है ह्यूमन ंग्स में फीमेल बॉडी के अंदर तो ये यूट्रस कनेक्टेड होता है पेयर ऑफ ओवरी से ओवरी डग या फेलोपियन ट्यूब्स के थ्रू तो खास बात क्या होती है कि जैसे ये ओवरी है ओवरी के बिल्कुल साइड में आपको कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देंगे इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं फिमरे कहते हैं क्या कहते हैं फिमरे इनका काम क्या होता है क्योंकि स्पर्म का हमने स्ट्रक्चर समझा है तो स्पर्म के पास तो क्या होती है टेल होती है तो उस टेल के हेल्प से वो क्या करता है मूवमेंट शो करता है और इसी टेल के कारण तो हम बोलते हैं कि जो स्पर्म्स हैं वो वजाइना से होते हुए कहाँ आएंगे यूट्रस में जाएंगे और यूट्रस से होते हुए कहाँ जाएंगे फेलोपियन ट्यूब तक जाएंगे तो क्योंकि उनके पास स्पर्म्स आ, स्पर्म्स के पास टेल है तो इस टेल के थ्रू वो मूवमेंट शो कर पाते हैं इसका मतलब जो मेल गैमेट्स हैं जो स्पर्म्स हैं वो कैसे होते हैं मोटाइल होते हैं लेकिन अगर हम बात करेंगे ओवम की या एग्स की फीमेल गैमेट्स की तो ये तो इनके पास कोई टेल वगैरह कुछ नहीं होती है इसका मतलब ये नॉन मोटाइल होते हैं ये मूवमेंट तो नहीं करते हैं हैं मतलब खुद नहीं कर सकते हैं। तो तो क्या क्या करना पड़ेगा ये जो होते हैं न, फिंगर ये जो होते ना करते है? ओवरी में एग 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 प्रोडक्शन प्रोडक्शन का हो गया तो इस एग को पकड़ेंगे और उसको लेकर के जाएंगे इस फेलोपियन ट्यूब के के लेवल तक लेकर जाएंगे क्योंकि भाई ओवरी ने तो अपना काम कर दिया है न, तब जा कर के हम बोलते हैं कि स्पर्म्स का इनसे फ्यूजन हो सकेगा और फर्टिलाइजेशन हो सकेगा क्योंकि तो स्पर्म्स तो ऑलरेडी इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके आ चुके हैं अब उन बेचारों को ओवरीज के अंदर एंटर करना पड़ेगा ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है तो थोड़ा सा हम बोलते हैं कि जो मेहनत है वो किसको करनी पड़ेगी फीमेल गैमेट्स को भी करनी पड़ेगी कौन करवाएगा तो ये फिमरे कराते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस करवाते हैं ठीक है तो ये पकड़ेंगे ओवरी के एग को और इसके बाद में उसको फेलोपियन ट्यूब के लेवल तक लेकर के चले जाएंगे इतना क्लियर है तो फेलोपियन ट्यूब में हम बोलते हैं कि मेल गैमिट भी आ गया है फीमेल गैमिट भी आ गए हैं मेल गैमिट्स देखो बहुत सारे होते हैं बहुत सारे स्पर्म्स आते हैं मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आते हैं है ना और लेकिन ओवम जो होता है वो एक ही रिलीज होता है तो एक ओवम को केवल एक ही स्पर्म आकर के फर्टिलाइज करता है इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है चाहे जितने भी क्वांटिटी में स्पर्म्स आए लेकिन केवल एक ही स्पर्म आकर के ओवम को फर्टिलाइज करेगा जायगोट बन जाएगा फर्टिलाइजेशन से तो जायगोट से हम बोलते हैं कि फिर एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा अब ये जो एम्ब्रियो है अब इसको ग्रोथ करनी है इसको डेवलपमेंट करना है किस में कन्वर्ट होना है फीटस में कन्वर्ट होना है तो इसके लिए इसकी जो डिमांड्स हैं वो बढ़ेंगी न्यूट्रिशनल डिमांड बढ़ेगी गैशस एक्सचेंज करना होगा एक्सक्रीशन करना होगा तो बेचारा कब तक फेलोपियन ट्यूब में पड़ा रहेगा वो कहाँ जाता है इस फेलोपियन ट्यूब से खसकते खसकते आगे जाता है और यूट्रस की जो अंदर वाली वॉल्स होती हैं वहाँ पर जा के ये एम्बेड हो जाता है और वो भी कैसे तो प्लेजेंटा के थ्रू है ना तो यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं उसमें डेवलप होता है प्लेजेंटा तो प्लेजेंटा से ये जो एम्ब्रियो है ये कनेक्ट हो जाता है तो अब जो भी न्यूट्रिशन चाहिए है वो जो एम्ब्रियो है डेवलपिंग एम्ब्रियो वो मदर की बॉडी का जो ब्लड होता है वहीं से डिराइव करता है जो भी हम बोलते हैं कि गैसट्रेस एक्सचेंज करना है सपोज हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन चाहिए तो वो ये ओटू कहाँ से मिलेगी तो प्लेजेंटा के थ्रू ही मिलेगी मदर की बॉडी से तो कुल मिला करके हम बोलते हैं कि अब लेडी ने ह्यूमन फीमेल ने क्या करा है कंसीव कर लिया है प्रेगनेंसी उनमें हो चुकी है इतना क्लियर है तो यही सब बातें इस आपको पूरे क्वेश्चन में जो है ना एक्सप्लेन करनी है लिखनी है अपने शब्दों में कि इन दिस प्रोसेस इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन स्पर्म्स कम इन कॉन्टेक्ट विद एन ओवा या एग वन ऑफ द स्पर्म्स देखो केवल एक ही स्पर्म चाहे जितने भी क्यों ना हो लेकिन केवल एक ही स्पर्म आएगा मे फ्यूज विद द द एग विद्यूक्लिया ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज एग कॉल्ड कॉल्डोड तो खुद हम बोलते हैं कि एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है और मेल और फीमेल गैमिट्स के न्यूक्लियर न्यूक्लिया का जो फ्यूजन होता है ना उस फ्यूजन से भी हम बोलते हैं कि केवल एक ही न्यूक्लियस बनता है और वो न्यूक्लियस किसका होता है zygote का होता है in human beings the fertilization takes place inside the female body जिसको कि हम क्या बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं क्लियर है तो आई होप क्वेश्चन नंबर टू भी सभी को समझ में आया होगा हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें क्या करना है एक एप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है फर्स्ट हमारे पास सेंटेंस क्या है या वर्ड क्या है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ़र्टिलाइजेशन प्रोसेस भी दो टाइप्स की होती हैं इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरनल में हम बोलते हैं कि फ़र्टिलाइजेशन मतलब क्या मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन है ना तो अगर वो फीमेल पेरेंट बॉडी के अंदर हो रही है मतलब कि मेल और फीमेल गैमिट का जो तो फ्यूजन है वो कहाँ हो रहा है फीमेल पेरेंट बॉडी के अगर अंदर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो कि किस में होता है ह्यूमन बीग्स में होता है अभी अभी मैंने आपको बताया ना कि फेलोपियन ट्यूब्स आ, में हम बोलते हैं कि वो क्या होती हैं साइट होती हैं फर्टिलाइजेशन की सिमिलरली हम बोलते हैं कि जब हम बात करेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की तो यहाँ पे मेल और फीमेल गैमिट अपने अपने जो रिस्पेक्टिव पेरेंट बॉडीज हैं उनसे बाहर निकल आते हैं और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आकर के इनका फ्यूजन होता है यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है ना वो किसी फीमेल पेरेंट बॉडी के अंदर नहीं होता है बाहर ही होता है तो ऐसे टाइप को हम क्या बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं ठीक है थीके? तो आप कौन सा वाला ऑप्शन चूज करोगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स कहाँ इन फीमेल बॉडी ऑप्शन बी आउटसाइड फीमेल बॉडी ऑप्शन थ्री इन मेल बॉडी या ऑप्शन फोर आउटसाइड द मेल बॉडी सीधी सी बात है आपको यहां पे क्या करना होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा इन फीमेल बॉडी फीमेल बॉडी के अंदर ही होगा ठीक है तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा ऑप्शन वन चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास अ टेटपोल डेवलप्स इनटू वन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ देखो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में समझाया है कि हमारे पास कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अंडे देते हैं कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि सीधे अपने यंग वंस को पैदा करते हैं उन्हीं को बर्थ देते हैं ठीक है तो वो वाले एनिमल्स जो कि अंडे देते हैं उन्हें हम कहते हैं ओ पेरस एनिमल्स और वो वाले एनिमल्स जो कि डायरेक्टली अपने बच्चे को ही जन्म देते हैं उन्हें हम कहते हैं वी वी पेरस एनिमल्स ठीक है अब हमारे पास कुछ मतलब फ़र्क कहाँ होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का होता है कि अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहाँ हो रही है फीमेल पेरेंट बॉडी के बाहर हो रही है एग में हो रही है इसका मतलब वो ओ पेरस एनिमल्स हैं है ना और अगर हम बोलते हैं कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो कहाँ हो रही है फीमेल पेरेंट बॉडी के अंदर हो रही है इसका मतलब क्या कि वो पेरेंट कैसा है वी पेरस एनिमल है ठीक है अब इसके बाद में हम बोलते हैं कि हमारे पास कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं कि जिनका जो एम्ब्रियो है ना वो डायरेक्टली एक यंग एनिमल में डेवलप नहीं होता है

मेटामॉर्फोसिस होती है प्रोसेस वो हमने सीखी है ख़ास बात क्या होती है इन लार्वल लार्वे की कि इनके जो इनका जो बॉडी अपीयरेंस होता है ना ये बहुत ही डिफरेंट होता है मेल ओरिजिनल मतलब मेन जो ओरिजिनल एनिमल है उससे कि पहले भी मैंने आपको समझाया कि आपके पास अगर एक न्यूबॉर्न बेबी आएगा है ना तो उसको देख करके आप बता सकते हो कि ये एक, एक इंसान का बच्चा है या ये एक डॉगी का बेबी है या ये एक कैट का बेबी है क्यों क्योंकि जब वो न्यूबॉर्न बेबी आपके पास आएगा ना उसके ऑलरेडी फीचर्स जो होंगे ना आपको एकदम क्लियरली विजिबल होंगे है ना उस बेबी के जो फीचर्स होंगे ना उसके पेरेंट के साथ मैचिंग होंगे सिमिलर होंगे कि अगर इंसान का बच्चा है तो आपको उसके दो हाथ दो पाँव नाक आँख कान ये सब दिखाई देंगे अगर एक डॉगी का बेबी है तो उसके आपको पूछ दिखाई देंगे अलग से कान दिखाई देंगे नाक आँख सब दिखाई देगा तो क्योंकि जो बेबी आया है आपके पास उसके फीचर्स कैसे हैं अपने एडल्ट पेरेंट से मिलते जुलते हैं या एडल्ट एनिमल से मिलते जुलते हैं मैचिंग होते हैं इसीलिए आप उसको देख के बता सकते हो कि हाँ भाई ये बच्चा है किस चीज़ का फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अंडे हैं किसके मुर्गी के अंडे मुर्गी के अंडों से हम बोलते हैं कि उनके बच्चे निकल करके आते हैं चूजे निकल करके आते हैं तो चूज़ों को देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये किसके अंडे हैं तो ये मुर्गी के अंडे हैं क्यों क्योंकि जो अपेयरेंस होगी ना उन चूज़ों की वो किससे रिजम्बर करती होगी मुर्गी या जो मेल आ, बेसिकली जो कॉक होगा उससे मिलती जुलती होगी फ़र्क कहाँ होता है बॉडी साइज में होता है कि जो चूजे होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं ही बात है और जैसे जैसे वो समय आगे बढ़ेगा वो भी ग्रो करेंगे डेवलप होंगे और वो भी हम बोलते हैं कि एक एडल्ट में या एक एडल्ट कॉक में डेवलप हो जाएंगे बस डिफरेंस होता है किसका बॉडी साइज का बाकी जो बेसिक अपीयरेंस है ना बॉडी अपीयरेंस वो तो सिमिलर ही होती है ऐसा नहीं होगा कि देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये तोते का बच्चा है ये मेंढक का बच्चा है आकर के है किसका बच्चा लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी हमारे फ्रॉक्स की या सिल्क मौथ वगैरह की तो इनके जो लार्वे होते हैं ना इनके पास बहुत ही बेसिक फीचर्स होते हैं बॉडी फीचर्स होते हैं और ऐसे बेसिक बॉडी फ़ीचर्स हम बोलते हैं कि एडल्ट एनिमल के पास नहीं होते हैं तो लार्वा को देख के आप शायद पता ही ना कर पाओ कि आखिर ये है किस चीज़ का लार्वा ये किस में ट्रांसफॉर्म होने वाला है ठीक है तो लार्वे जब मेटामोफोसिस शो करके ट्रांसफॉर्म होते हैं एक एडल्ट एनिमल में तो जाहिर सी बात है उनके पास जो उनके ओल्ड बॉडी फ़ीचर्स होते हैं वो उनको पीछे छोड़ने पड़ते हैं और न्यू बॉडी फ़ीचर्स उनको डेवलप करने पड़ते हैं फॉर एग्जाम्पल जो हमारा टेटपोल होता है टेटपोल मतलब कि फ्रॉग का लार्वा ठीक है तो टेटपोल हम बोलते हैं कि पानी में ही रहना पसंद करता है वो वहीं रहने के लिए अडाप्टेड होता है और रेस्पिरेशन के लिए हम बोलते हैं कि टेडपोल के पास क्या होते हैं गिल्स गिल्स गिल्सलेट्स होते हैं है ना गिल्स के थ्रू ही वो क्या करता है रेस्पिरेशन करता है लेकिन जब हम बात करते हैं एक एडल्ट फ्रॉक की तो एक एडल्ट फ्रॉक के पास तो हम बोलते हैं कि प्रॉपर्ली लंग्स आ जाते हैं तो वो लंग्स के थ्रू क्या करेगा रेस्पायर करेगा या स्किन के थ्रू करता है या बकल कैविटी के थ्रू करता है लेकिन उसका जो लार्वा होता है वो तो गिल्स गिल्सलेट्स के थ्रू ही क्या करता है रेस्पायर करता है तो जब एक टेडपोल फ्रॉक का लार्वा एक एडल्ट फ्रॉक में ट्रांसफॉर्म होता है ना तो सबसे पहले तो उसको अपने गिल स्लिट्स पीछे छोड़ने पड़ते हैं गिल स्लिट्स तभी पीछे छूटेंगे जब उसके अंदर लंग्स डेवलप हो जाएंगे भाई ऑब्वियस सी बात है अगर एक बेटर ऑर्गन डेवलप हो रहा है रेस्परेशन का तो फिर गिल स्लिट्स की क्या ज़रूरत है ठीक है हम बोलते हैं कि टेटपोल की क्या होती है टेल भी होती है फ्रॉक की टेल देखो नहीं होती है उसके तो दो हाथ होते हैं दो पाँव होते हैं सिमिलरली जो टेटपोल है उसकी सिर्फ पूँछ होती है जिसके थ्रू वो क्या करता है मूवमेंट करता है पानी में तैरता है और तैरते हुए हम बोलते हैं कि छोटे छोटे से एकवेटिक प्लांट्स और एनिमल्स को वो फीड करता है जब एक टेटपोल कन्वर्ट होता है ट्रांसफॉर्म होता है किसमें एक एडल्ट फ्रॉग में तो उसकी जो पूछ है वो साइज़ में छोटी होने लगती है रिड्यूज़ हो जाती है और उसके दोनों मतलब हाइंड लिम्स और फोर लिम्स भी जो है ना डेवलप हो जाते हैं तो बात वही है कि जो ओल्ड बॉडी फीचर्स हैं उनको पीछे छोड़ना पड़ता है और नए बॉडी फीचर्स का हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट हो जाता है तब जा कर के एक लार्वा जो है वो एक एडल्ट एनिमल में ट्रांसफॉर्म होता है और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं मेटामोफोसिस बोलते हैं ठीक है ठीके? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा कि जो टेटपोल है वो डेवलप हो रहा है कि इसमें एक एडल्ट फ्रॉग में बाय द प्रोसेस ऑफ ऑप्शन बी मेटामॉर्फोसिस ठीक है बर्डिंग नहीं होगा एम्बेडिंग नहीं होगा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा द फिर इसके बाद में थर्ड क्या है कि द नंबर ऑफ न्यूक्लिया प्रेजेंट इन अ जायगोड इज अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी जायगोट बनता है तो कैसे बनेगा मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से ही बनता है मेल और फीमेल गायमिट है क्या दोनों सेल्स ही तो हैं तो मेल गैमेट के पास उसका न्यूक्लिया फीमेल गैमेट के पास उसका न्यूक्लिया न्यूक्लियस ठीक है तो ये दोनों ही न्यूक्लिया क्या करते हैं फ्यूज़ होते हैं और फ्यूज़ होने के बाद में केवल एक ही न्यूक्लियस बनता है तो जयगोड के पास हम बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होगा जायगोर्ड खुद सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होता है और उसके पास एक ही न्यूक्लियस होगा ठीक है तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा ऑप्शन बी यानी कि एक ही न्यूक्लियस होगा किसमें जाएकोट में नेक्स्ट पार्ट क्या है अच्छा तो ये तीन ही पार्ट थे इस क्वेश्चन के और तीनों पार्ट्स को हमने क्या करा है आंसर uh, कर दिया है सही ऑप्शन हमने चूज कर दिया है ठीक है अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फोर अब क्वेश्चन नंबर फोर हमसे क्या बोल रहा है कि इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स तो आपके सामने आने वाले हैं कुछ स्टेटमेंट्स और आपको बस इतना सा बताना है कि कौन सा वाला स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है कौन सा वाला एक फॉल्स स्टेटमेंट है तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि ओवी पेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि जो हमारे ओवी पेरस एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो ये तो भाई एकदम ही क्या है फॉल्स स्टेटमेंट है क्यों मैंने आपको समझाया है ना कि हमारे जो ओवी पेरस एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं अंडे देते हैं है ना और उन अंडों में क्या होती है हैचिंग होती है और हैचिंग के बाद उन्हीं अंडों से यंग वंस जो है बाहर निकल करके आते हैं तो वो तो हमारे वी, वी पेरस एनिमल्स होते हैं जो कि सीधे अपने बच्चों को जन्म देते हैं है ना जो फीमेल पेरेंट बॉडी है आ, उस बॉडी से सीधे के सीधे एक नया इंडिविजुअल जो है ना बाहर निकल करके आता है तो वो वी वी पेरस एनिमल्स होते हैं जो कि डायरेक्टली अपने बच्चों को जन्म देते हैं जो हमारे ओ वी पेरस एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं अंडे देते हैं फर्टिलाइज एग्स होते हैं और फिर इन्हीं एग्स के अंदर से मतलब उनमें हैचिंग होती है और उसके बाद में यंग वंस निकल करके आते हैं तो ये क्या है कैप्स्यूबली फॉल्स स्टेटमेंट है सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल तो हाँ इसके ऊपर भी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि मेल गैमेट भी क्या है एक इंडिविजुअल सेल है एक फीमेल कैमिट भी क्या है एक सिंगल सेल है है ना स्पर्म भी एक सेल है और ओवम भी एक क्या है सेल ही है तो सेल के पास जो इसके टिपिकल कॉम्पोनेंट्स होते हैं सेल मेम्रेन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस वगैरह ये सभी कॉम्पोनेंट स्पर्म में भी प्रेजेंट होते हैं है ना हर एक स्पर्म के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी साइटोप्लाज्म होगा न्यूक्लियस होगा जिसमें हम बोल रहे हैं कि मेल uh, पेरेंट के क्या होते हैं जीन्स होते हैं न्यूक्लियस में इसके अलावा हम बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि स्पर्म्स में क्या प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं वो भी कैसे शेप के तो डेफिनेटली ये क्या है एक ट्रू स्टेटमेंट है कि भाई जो स्पर्म है वो क्या है एक सिंगल सेल है चलो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग इस स्टेटमेंट में हमसे बोला जा रहा है कि फ्रॉग्स में क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है क्या ये बात सही है हाँ जी ये बात बिल्कुल सही है मैंने आपको समझाया है पढ़ाया है कि जब ही ब्रीडिंग सीजन सीजन होता है तो मेल फ्रॉग्स क्या करते हैं अपने मेल गैमेट्स पानी में रिलीज़ कर देते हैं जो फीमेल फ्रॉग्स हैं वो क्या करती हैं अपने जो फीमेल गैमेट्स हैं वो पानी में रिलीज़ कर देते हैं ठीक है इसके बाद में जो मेल गैमेट्स होंगे वो स्विम करते हुए कहाँ पहुँचेंगे फीमेल गैमेट्स तक पहुँचेंगे और वहाँ पे जाकर के उनको फ्यूज़ करेंगे मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो जाएगा और इसके बाद में हम बोलते हैं कि फ़र्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी फर्टिलाइजेशन के बाद में हम बोलते हैं कि जाइगोड बन जाता है लेकिन खास बात क्या है खास बात यह है कि ये फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है क्या ये फर्टिलाइजेशन फ़ीमेल फ्रॉग के अंदर हो रहा है बिल्कुल भी नहीं मेल फ्रॉग के अंदर तो वैसे भी नहीं होगा तो ये फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रहा है फीमेल पेरेंट बॉडी के बाहर हो रहा है फीमेल फ्रॉग के बाहर हो रहा है इसका मतलब क्या कि ये फर्टिलाइजेशन क्या होगा एक्सटर्नल टाइप का होगा तो डेफिनेटली हम बोलते हैं कि फ्रॉग्स में क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और इसीलिए क्या है ये एक स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है ठीक है चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गैमीट क्या बोला जा रहा है कि एक नया एक न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल सेल से डेवलप होता है और उसे हम क्या बोलते हैं गैमीट बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं उसे हम क्या बोलते हैं जायगोट बोलते हैं जायगोट हम बोलते हैं कि एक ऐसा सिंगल सेल होता है जिससे कि एक नया इंसान एक न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल जो है डेवलप होता है भाई ह्यूमन बींग्स के हम बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन के लिए डेफिनेटली मेल और फीमेल गार्मिट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है है ना एक स्पर्म का होना बहुत इंपॉर्टेंट है एक ओवम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स में हम बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है जहाँ पे मेल और फीमेल गार्मिट का फ्यूजन होता है फर्टिलाइजेशन होता है और इस फर्टिलाइजेशन के बाद में जयगोड बनता है और जयगोड ही आगे जाकर के एम्ब्रियो में डेवलप होता है एम्ब्रियो डेवलप होता है फीटस में और फिर हम बोलते हैं कि एक बेसिकली ह्यूमन बेबी जो है अच्छी तरीके से बन जाता है फुली डेवलप्ड ह्यूमन बेबी बन जाता है तो देखा जाए तो गैमिट का इम्पोर्टेंस तो है ह्यूमन बींग्स के रिप्रोडक्शन में गैमिट्स का इम्पॉर्टेंस तो है लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि गैमिट से ही एक नया ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है गैमिट हम बोलते हैं कि जब तक फ्यूज होकर के जयगोट नहीं बना देते तब तक नया ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप नहीं हो पाएगा तो वो जायगोट होता है वो सिंगल सेल कौन है भाई वो सिंगल सेल है गैमीट नहीं एक जायगोट जिससे कि एक नया इंडिविजुअल डेवलप होगा तो अगर यहां पे गैमीट की जगह जायगोट लिखा होता तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट हो जाता लेकिन जो कि यहाँ पे जायगोट की जगह पर गैमीट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा ये है एक फॉल्स स्टेटमेंट ठीक है चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल यानी कि वो वाले अंडे जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद दिए जाते हैं क्या वो बने होते हैं सिंगल सेल से हाँ बिल्कुल भाई फर्टिलाइजेशन के बाद हम बोलते हैं कि जो वो जो एग है वो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो क्या है जायगोट है और जयगोट ही क्या होता है भाई वो तो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या होगा आपका एक ट्रू स्टेटमेंट होगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो अंडे दिए जाते हैं वो किसके बने होते हैं सिंगल सेल के बने होते हैं ठीक है वो बेसिकली फर्टिलाइज एग होता ही क्या है जायगोट ही होता है और इस एग के अंदर हम बोलते हैं कि जायगोट होता है और इस जायगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो उसकी जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कहाँ से फुलफिल की जाती हैं तो एग के अंदर जो योग होता है उसी योग को वो धीरे 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 कंज्यूम करता जाएगा और एम्ब्रियो डेवलप होता जाएगा और अल्टीमेटली एक न्यू एनिमल में वो डेवलप हो जाएगा ठीक है चलो तो ये भी क्या होगा एक ट्रू स्टेटमेंट होगा फिफ्थ वाला क्लियर है चलो अब इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी अपने सिक्स स्टेटमेंट की कि अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग अमीबा क्या है हमारा एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है काफ़ी सिंपल टाइप का ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पे इसके बारे में बोला जा रहा है कि वो बडिंग से रिप्रोड्यूस होता है मैंने माना कि अमीबा के रिप्रोडक्शन का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अमीबा को बडिंग से जो है ना रिप्रोड्यूस करवाओगे नहीं वो बडिंग नहीं होता वो क्या होता है बाइनरी फिजन होता है क्या होता है बाइनरी फिजन फ्यूजन का मतलब क्या होता है कोई चीज़ जुड़ना और फिजन का मतलब हम बोल रहे हैं ना कि गैमिट्स का फ्यूजन होता है उसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं तो फ्यूजन मतलब क्या कोई चीज़ जुड़ रही है और फिजन मतलब क्या कि कोई चीज़ टूट रही है तो अमीबा जो पेरेंट अमीबा होता है वो अपनी बॉडी को बेसिकली डिवाइड करता है और इस डिविज़न से हम बोलते हैं कि न्यू डॉटर अमीबे फॉर्म हो जाते हैं तो हर एक पेरेंट अमीबा से दो डॉटर अमीबे बनते हैं इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है बाई और क्योंकि पेरेंट अमीबा खुद अपनी बॉडी को डिवाइड कर रहा है इसीलिए यहाँ पे वर्ड आ रहा है कौन सा फिजन तो बाइनरी फिजन से अमीबा रिप्रोड्यूस होता है ना कि बर्डिंग से तो ये भी क्या हो जाएगा ये एक हो जाएगा अपना फॉल्स स्टेटमेंट अगर बाइनरी फिजन लिखा होता तो ये ट्रू हो जाता लेकिन क्योंकि बर्डिंग लिखा है तो ये होगा एक फॉल्स स्टेटमेंट नेक्स्ट क्या है स्टेटमेंट कि फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कि भले ही ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन उसमें भी जरूरी है तो क्या ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल भी नहीं क्यों क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया है भाई फर्टिलाइजेशन मतलब क्या कि मेल और फीमेल गैमिट्स का फ्यूजन होना मेल और फीमेल गैमिट्स का कंबाइन होना उसी को हम बोलते हैं क्या फर्टिलाइजेशन और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में तो हमने पहले ही ये चीज़ समझ ली है कि भाई यहाँ पे तो दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो हम बोलते हैं कि उसमें सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है अब अगर पेरेंट ही एक हो रहा है तो मतलब दोनों पेरेंट्स अगर इन्वॉल्व नहीं है इसका मतलब क्या कि दोनों पेरेंट्स की बॉडी से जो मिलने वाले जो दोनों टाइप के गैमिट्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व नहीं है भाई जब दो पेरेंट्स ही इन्वॉल्व नहीं है तो उनके दो टाइप के गैमिट्स क्या ही कर लेंगे है ना तो ए सेक्शुअल रिपोडक्शन में ऑलरेडी हम ये बात समझ चुके हैं कि सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है और कोई भी गैमिट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है गैमिक्स इन्वॉल्व होते ही नहीं है उनका फ्यूजन होता ही नहीं है फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है अभी अभी मैंने आपको अमीबा के बारे में बताया ना कि अमीबा क्या करता है इसका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन थोड़ा सा अलग है ये क्या करता है बाइनरी फ्यूजन करता है तो बाइनरी फ्यूजन क्या है एक ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप होता है यहाँ पे देखो हमारे पास जो पेरेंट अमीबा होता है सपोज ये हमारे पास क्या है एक पेरेंट अमीबा है और ये पेरेंट अमीबा सबसे पहले क्या करेगा अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा है ना इसका न्यूक्लियस हम बोलते हैं कि कुछ इस तरीके से खींचेगा तो हमको लगता है कि न्यूक्लियस जो है ना दो न्यूक्लिया में डिवाइड होने वाला है और एग्जैक्टली exactly यही होता है कि जो न्यूक्लियस है वो दो न्यूक्लिया में डिवाइड हो जाता है दो डॉटर न्यूक्लिया में डिवाइड हो जाता है इसके बाद में अमीबा हम बोल रहे हैं कि यूनिसेलुलर यूकेटिक ऑर्गेनिज्म है ना तो इसकी पूरी बॉडी में एक ही सेल होगा तो न्यूक्लियस तो दो न्यूक्लिया में डिवाइड हो चुका है अल्टीमेटली हम बोलते हैं कि इस पेरेंट अमीबा का जो साइटोप्लाज्म होगा वो भी डिवाइड होगा और डिवाइड होकर के क्या हो जाएगा यहाँ पे दो डॉटर अमीबे बन जाएंगे कुछ इस तरीके से ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नए अमीबे आए हैं कैसे आए हैं तो अपने पेरेंट अमीबा से आए हैं तो क्या यहाँ पे दो पेरेंट अमीबा इन्वॉल्व हो रहे हैं बिल्कुल भी नहीं सिंगल पेरेंट से हम बोल रहे हैं कि नए अमीबे बन रहे हैं यानी कि रिप्रोडक्शन हो रहा है प्लस ये जो यहाँ पे सिंगल पेरेंट है जो सिंगल अमीबा है क्या यहाँ पे इसके गैमिट्स का फ्यूजन हो रहा है क्या इसके गैमिट्स इन्वॉल्व हैं बिल्कुल भी नहीं तो यहाँ पे बिना गैमिट्स के और बिना दो पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट के भी रिप्रोडक्शन हो रहा है तो नए डॉटर अमीवे बन रहे हैं इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हो रहा है ए रिप्रोडक्शन तो यहाँ पे बोला जा रहा है इस स्टेटमेंट में कि भाई अगर फर्टिलाई भले ही ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो लेकिन उसमें भी फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बिना फर्टिलाइजेशन के भी हो सकता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो ये क्या हो जाएगा एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि बाइनरी फिजन इज अ मेथड ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हाँ तो ये बिल्कुल सही है

अप ऑफ अ सिंगल सेल एक एम्ब्रियो क्या सिंगल सेल का बना होता है अरे बिल्कुल भी नहीं सिंगल सेल तो क्या होता है zygote होता है है ना अभी अभी मैंने आपको समझाया कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ मेल और फीमेल गैमेट मतलब क्या दो अलग अलग सेल्स वो कंबाइन हुए कंबाइन होकर के एक सिंगल सेल बनाते हैं उनके न्यूक्लिया भी फ्यूज होकर के एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं जायकोट बोलते हैं अब ये जायकोट हमेशा ऐसा तो रहेगा नहीं क्यों क्योंकि इस जयगोर्ड से तो एक नया इंडिविजुअल बनने वाला है ना तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा जायगोर्ड को अपने आप में डिविजन लाने पड़ेंगे मल्टीप्लीकेशन लाने पड़ेंगे जिसके कारण नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे तो जब आपके पास एक बॉल आ जाती है ना जिसमें कि बहुत सारे सेल्स हो जाते हैं बहुत सारे सेल्स क्यों हुए हैं क्योंकि जायगोर्ड में रिपीटेड डिविजन्स हुए हैं मल्टीप्लीकेशन हुए हैं तो जब हमारे पास एक बॉल आ जाती है जिसमें कि बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स होते हैं तो उस बॉल को हम क्या बोलते हैं एम्ब्रियो बोलते हैं अब जब ये एम्ब्रियो बन जाता है तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि इसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये अगर हम बात करेंगे अपनी ह्यूमन बींग्स की तो ह्यूमन बींग्स में हम बोलते हैं कि फीमेल पेरेंट बॉडी में ये जो यूट्रस से अटैच जो ओवीडक्ट्स होती हैं वहाँ पे ये एम्ब्रियो नहीं रह सकता है सीधी सी बात है ह्यूमन uh, फीमेल्स में हम बोलते हैं कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होती है फेलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्टी होती है तो जयगोड तो हम बोलते हैं कि वही बनता है लेकिन जायगोर्ड से जब एम्ब्रियो बनेगा अब जब इस एम्ब्रियो को डेवलप होना रहेगा ना तो फिर ये ओविडक्ट में नहीं रह पाएगा इसको आना पड़ेगा कहाँ नीचे यानी कि यूट्रस में ठीक है तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एम्ब्रियो क्या है क्या वो सिंगल सेल का बना होता है नहीं उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं जायगोर्ट होता है सिंगल सेल इसका मतलब क्या कि ये वाला स्टेटमेंट भी होने वाला है क्या एक फॉल्स स्टेटमेंट आई बात समझ में आपको तो कुछ दस स्टेटमेंट्स दिए गए थे आपको इस क्वेश्चन नंबर फोर में और सभी स्टेटमेंट्स में आपने ये बताना था कि कौन सा वाला ट्रू है कौन सा वाला फॉल्स है ठीक है तो यहाँ पे देखो आंसर कीज लिखी गई हैं वन से लेकर के टेन तक तो अगर आपको आंसर चाहिए है वैसे तो मैंने बता दिया है फिर भी अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज कर लेना और इस आंसर की का स्क्रीन ले लेना ठीक है चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि क्या बोल रहा है कि गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन अ जाइगोड एंड अ फीटस आपको जयगोड और फीटस के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं और ज़्यादा नहीं बस दो ही बताने हैं ठीक है तो जयगोड क्या होता है इट इज़ अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर दैट इज इट दैट इज इट कंटेन्स ओ ओनली वन सेल तो जायगोड क्या है सिंगल सेल स्ट्रक्चर है और इसके पास केवल एक ही सेल होता है अगर हम बात करेंगे किसकी फीटर्स की देखो जायगोड में ही मैंने आपको अब ये भी समझाया कि रिपीटेड डिविजन होते हैं मल्टीप्लीकेशन होते हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास बॉल आ जाती है जिसमें कि बहुत सारे सेल्स होते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं एम्ब्रियो कहते हैं अब ये एम्ब्रियो भी केवल अपनी इसी स्टेज में नहीं आने वाला है इस एम्ब्रियो में भी फर्दर और आप बोल सकते हो कि ग्रोथ होगी मल्टी डेवलपमेंट होगी जिसके कारण हम बोलते हैं कि फर्दर और नंबर ऑफ सेल्स क्या होते जाएंगे इंक्रीज होते जाएंगे और यही एम्ब्रियो आगे जा कर के डेवलप होता है किसमें फीटस में तो फीटस में आप दिल खोल करके ये बोल सकते हो कि फीटस में बहुत सारे सेल्स होते हैं भाई जायगोड के बाद वाली जो स्टेज है इमीडिएट स्टेज है वो क्या है एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो के बाद आता है क्या फीटस तो अगर हम एम्ब्रियो के लिए ही बोल रहे हैं कि ये मल्टी सेलुलर है इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये वाला स्टेटमेंट जो फॉल्स बोला था फॉल्स क्यों बोला था क्योंकि यहां पे बोला जा रहा था कि एम्ब्रियो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है जबकि ऐसा नहीं है वो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है तो जाएगोड के बाद वाली जो स्टेज है अगर उसको हम क्या बोल रहे हैं मल्टी सेलुलर बोल रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है एम्ब्रियो के बाद जो स्टेज आएगी वो भी तो कैसी होगी मल्टी सेलुलर ही होगी हो ना उसके पास भी तो बहुत सारे सेल्स होंगे कि नहीं होंगे सीधी सी बात है ठीक है तो मेन डिफरेंस तो ये हो गया पहला वाला सेकंड डिफरेंस क्या हो सकता है कि इट इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट और स्पर्म एंड फीमेल गैमेट और ओवम इसको ओवा नहीं इसको ओवम कर लेना ठीक है यहां पे हम बोल रहे हैं कि फीटस कैसे बनेगा इट इज फॉर्म बाय द रिपीटेड डिविजन ऑफ बन रहा है मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन से और फीटस कैसे बन रहा है कि जायगोट में ही रिपीटेड डिविजन हो रहे हैं मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं अगर जायगोट नहीं बनेगा तो फीटस नहीं बनेगा जायगोट को बनाने वाले कौन है मेल और फीमेल गैमिट्स हैं लेकिन अगर जायगोट ही नहीं बनेगा तो फीटस भी नहीं बनेगा ठीक है आई होप इतना सबको समझ में आया होगा तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस हैं किसके बीच में जायवोट और फीटस के बीच में उम्मीद है सबको समझ में आए होंगे चलो एक काम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन डिस्क्राइब टू मैथड्स ऑफ ए सेक्शुअल रीप्रोडक्शन इन एनिमल्स तो इसके ऊपर भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारे तरीके हो सकते हैं रिप्रोडक्शन के मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जहाँ पे एनिमल्स जो है ना आप बोल सकते हो कि अपने ही जैसे कुछ और एनिमल जो है ना प्रोड्यूस करें तो उन सभी तरीकों को हम दो

कि जो भी वेरिएशन हैं जैसे कि मैंने आपको ह्यूमन बींग्स से एग्जाम्पल दिया था कि ह्यूमन बींग्स का जो बेसिकली फॉर्मेशन है है ना वो कैसे होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही होता है कि एक मेल पेरेंट होता है एक फीमेल पेरेंट होता है मेल गैमिट होता है फीमेल गैमिट होता है, है ना और इन रिस्पेक्टिव गैमिट्स में क्या होता है दोनों ही पेरेंट्स के मतलब जैसे कि मेल गैमिट है तो इस मेल गैमिट में क्या होगा मेल पेरेंट के आ, जीन्स आ जाएंगे जो फीमेल गैमिट होगा उसमें क्या होगा फीमेल पेरेंट के जीन्स आ जाएंगे फिर इसके बाद में दोनों ही गैमिट्स का फ्यूजन होता है जायगोट बनता है अब इस जायगोट में जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर मेल पेरेंट के भी जीन्स हैं और फीमेल पेरेंट के भी जींस हैं इसी जागोर्ट से फिर फर्दर डेवलपमेंट होता है फीटस हो फीटस बनता है और फीटस के बाद में एक ह्यूमन बेबी बन जाता है तो बच्चे को देख करके हमें लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल अपने पापा पे गया है या ये बिल्कुल अपनी मामा पे गया है है ना तो पापा या मामा पे जाने का मतलब क्या है कि हमारे मेजोरिटी जो बॉडी फीचर वो किसके जैसे है? पापा जैसे हैं हैं पापा और या अगर हम बच्चा ममा भी जा रहा है इसका मतलब क्या कि बच्चे के मेजॉरिटी जो फीचर्स हैं वो कैसे हैं मामा जैसे हैं क्यों क्योंकि मामा की जो जींस है वो बच्चे में जाकर के एक्सप्रेस हो गए हैं या अगर बच्चा पापा जैसा है इसका मतलब क्या कि बच्चे में जो पापा के जीन्स हैं वो जाकर के एक्सप्रेस हो गए हैं तो जो एक्सप्रेस हो जाएगा जीन वही हम बोलते हैं कि डोमिनेंट होगा और वो जो है ना अपने कैरेक्टर्स बच्चे में दिखाएगा तो लेकिन पापा या मम्मा जैसे होने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा क्या है बिल्कुल एग्जैक्ट क्या है अपने पापा या मम्मा की कॉपी है कि ये पापा और ये बच्चा दोनों क्या है एक दूसरे की फोटो ऐसा नहीं होता है, है ना मेजोरिटी फीचर्स पापा जैसे मिलेंगे इसीलिए लोग उसको देख के बोलेंगे कि हाँ ये तो अपने पापा जैसा दिख रहा है पापा पे गया है लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ पे डिफरेंसेस जरूर आपको देखने को मिलेंगे कुछ ना कुछ वेरिएशंस आपको बहुत जरूर आ, कुछ देखने को मिलेंगे हम बोल रहे हैं कि बाल पापा जैसे हैं आंखें पापा जैसी हैं लेकिन हो सकता है कि नाक कैसी हो वो मामा जैसी हो तो ये जो वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है कभी कभी तो ये भी पॉसिबल है कि बच्चे में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं कुछ ऐसे फीचर्स आते हैं जो कि मामा पापा दोनों में ही नहीं होते हैं तो ये जो भी आपको वेरिएशन दिखाई दे रहा है ये जो आपको खिचड़ी दिखाई दे रही है ये क्यों दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है यहाँ पे दोनों ही पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं और दोनों ही पेरेंट्स के जीन्स इन्वॉल्व हैं लेकिन जब हम बात करते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की तो यहाँ पे तो दोनों पेरेंट्स का कोई रोल ही नहीं है केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो उस एक पेरेंट के अंदर जो भी जीन्स होंगे वो सभी के सभी जीन्स उसके ऑफ में आ जाएंगे और बेसिकली वो जो बच्चा है वो जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएशन हुआ ही नहीं है केवल एक ही जीन्स हम बोल रहे हैं कि एक मतलब सेम जीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आए हैं तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि बच्चा कैसा दिखाई देगा बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी दिखाई देगा अपने पेरेंट की अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है एक बार रीड भी कर लेते हैं द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड ए सेक्शुअल रिपोर्डक्शन इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्स सेल्स यानी कि गैमिट्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं मतलब हम बोल रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन तो छोड़ो फ्यूजन तो छोड़ो यहां पर हम बोल रहे हैं कि गैमिट्स का प्रोडक्शन ही नहीं होता है एंड नो फ्यूजन ऑफ गैमिट्स टेक्स प्लेस फॉर द प्रोडक्शन फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ द जयगोड और ऑफ स्प्रिंग ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन अमीबा हाइड्रा ईस्ट स्टाफिश स्पंजेस एक्सेट्रा तो कुछ एनिमल्स के नाम दिए हैं जहाँ पे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है अमीबा में हाइड्रा में ईस्ट में और स्टाफिश में स्पंजेस में एक्सेट्रा सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी आ, अच्छा यहाँ पे आपको सवाल में बोला क्या गया था कि डिफाइन तो आपको करना ही है साथ ही साथ आपको ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के दो मैथड्स भी डिस्क्राइब करने हैं तो इस चैप्टर में हमने दो ही तो मैथड्स पढ़े हैं एक हमने पढ़ा है बर्डिंग और एक हमने पढ़ा है क्या बाइनरी फिजन तो दोनों को ही हम डिस्क्राइब कर लेते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी फिजन की कि इन बाइनरी फिजन अ सिंगल पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल इंडिविजुअल सेल्स एज एन अमीबा इट डिवाइड इंटू टू बाई डिविजन ऑफ दियर बॉडीज इच ऑफ दम गेट्स वन न्यूक्लियस एंड डेवलप्स इंटू सेपरेट इंडिविजुअल द फिगर गिवन बिलो शोस हाउ बाइनरी फ्यूज अकर्स इन अदीबा तो देखो यहाँ पे ये क्या है एक पेरेंट अमीबा है इसका जो न्यूक्लियस है जैसे कि मैंने आपको बताया ये इलोंगेट होता है लंबा होता है तो हमें लगता है कहीं टूट ना जाए और एग्जैक्टली exactly ये टूट ही जाता है और दो डॉटर न्यूक्लिया में ये जा करके डिवाइड हो जाता है फिर इसके बाद में क्या होगा अमीबा के अंदर जो साइटोप्लाजम होगा वो भी डिवाइड होगा तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि डिविज़न से मतलब डिविजन ऑफ न्यूक्लियस इज़ फॉलोड बाई डिविज़न ऑफ साइट्रोप्लाजम और जिसके कारण हमारे पास दो डॉटर अमीबे या दो डॉटर सेल्स आ जाते हैं ठीक है तो ये हुआ क्या बाइनरी फिजन फिजन मतलब कि टूटना और एक पेरेंट से दो डॉटर या बोल सकते हो कि हाँ दो डॉटर सेल्स बन रहे हैं इसका मतलब क्या कि यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज होगा बाइनरी बाइनरी ठीक है है तो फिजन पे हो गया है कि इसमें अमीबा में अब इसके बाद में नेक्स्ट मेथड क्या है ए रिप्रोडक्शन का बडिंग है बडिंग में हम बोलते हैं कि इन बडिंग द ऑर्गेनिजम्स डेवलप अ बल्ज कॉल्ड बड या आप इसको यहाँ पे आउटग्रोथ भी लिख सकते हो कि जो पेरेंट बॉडी है उसके ऊपर एक आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है और इसी आउटग्रोथ को हम क्या बोलते हैं बड़ कहते हैं विच फर्दर डेवलप्स इन टू एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म एंड सेपरेट इट सेल्फ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज शोन इन हाइड्रा द फॉलोइंग फिगर शोज द बर्डिंग इन हाइड्रा तो देखो यहाँ पे ये क्या है एक पेरेंट हाइड्रा है है ना ये हम बोलते हैं कि कहने को तो ये मल्टी सेलुलर होता है हाइड्रा लेकिन फिर भी कैसा होता है सिंपल टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है ठीक है बकायदा इसका यहाँ पे हम बोलते हैं कि माउथ होते हैं टेंटिकल्स होते हैं फिर इसके बाद में क्या होगा ये जो पेरेंट हाइड्रा है ना इसके बॉडी के ऊपर इसके बॉडी के ऊपर एक छोटी सी ग्रोथ जो है ना डेवलप हो जाएगी और इसी ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं बड बोलते हैं क्या होते हैं क्या बोलते हैं बड बोलते हैं फिर इसके बाद में क्या होगा ये जो बड है ये ग्रो करने लगेगा डेवलप होने लगेगा और कैसे हो रहा है ग्रो कैसे हो रहा है डेवलप तो पेरेंट हाइड्रा की बॉडी के ऊपर अटैच होकर के ही ऐसा नहीं है कि ये बर्ड जो है ना डेवलप हो गया है और इस बर्ड से नया हाइड्रा बनने वाला है तो ये बर्ड जैसे ही डेवलप हुआ पेरेंट हाइड्रा से तुरंत जो है ना उसकी बॉडी से टूट करके अलग हो गया नहीं अभी ये जो बर्ड है ये पेरेंट हाइड्रा की बॉडी पर अटैच होकर के ही क्या करेगा ग्रो करेगा डेवलप होगा फिर इसके बाद में ऐसा क्यों हो रहा है वैसे क्योंकि अभी ये जो बर्ड डेवलप हो रहा है ना ये अभी इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए कैपेबल नहीं हुआ है ये अभी अपने न्यूट्रिशन वगैरह के लिए पेरेंट हाइड्रा पे ही आ, आप बोल सकते हो कि डिपेंडेंट है इसीलिए ये अपने पेरेंट के साथ अटैच रहेगा धीरे 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 हम बोलते हैं कि ये ग्रो करेगा डेवलप करेगा और एक आप बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर स्टेज पे आने के बाद जब ये इंडिविन जब ये इंडिपेंडेंट लाइफ के लिए क्या होगा कैपेबल होगा उस स्टेज के बाद ये अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा और डिटैच होकर के एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हाइड्रा की तरह सर्वाइव करेगा रहेगा आई बात समझ में तो इसे हम बोलते हैं क्या बडिंग कि हाइड्रा की जो पेरेंट बेसिकली जो पेरेंट हाइड्रा है उसकी बॉडी में एक बड डेवलप हो जाता है ये ग्रो करता है डेवलप करता है और जब ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए रेडी हो जाता है फिर इसके बाद में पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर के एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीता है इसे हम बोलते हैं क्या बडिंग तो देखो यहाँ पे दोनों ही जो हमने अभी मेथड्स पढ़े हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चाहे वो बर्डिंग हो चाहे वो बाइनरी uh, फिजन हो तो दोनों में ही हम बोल रहे हैं कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है प्लस हम बोल रहे हैं कि सिंगल पेरेंट तो इन्वॉल्व है इसमें भी कोई भी गैमेज का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है जो भी नया इंडिविजुअल चाहे वो हाइड्रा हो चाहे वो अमीबा हो जो भी नया इंडिविजुअल बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट से बन रहा है तो जो जीन्स इस पेरेंट के पास होंगे वही जीन्स कहाँ आ जाएंगे इस इंडिविजुअल के पास भी आ जाएंगे इसीलिए मैंने बोला कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं ना वो अपने पेरेंट के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं ठीक है चलो तो ये वाला क्वेश्चन भी अपना हो गया है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डस द एम्ब्रियो गेट इम्बेडेड यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन से ऑर्गन में जाकर के एम्ब्रियो एम्बेड होता है तो आपको बोलना पड़ेगा कि मैम वो है कौन यूट्रस तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन की साइट क्या होती है यूट्रस में जो ओवरी रक्ट्स अटैच होती हैं जो फिलोपियन ट्यूब्स अटैच होती हैं उनका काम क्या होता है कि वो ओवरी को कनेक्ट करती हैं किसके साथ यूट्रस के साथ ना सिर्फ ये कनेक्शन का काम करती हैं एट द सेम टाइम ये क्या होती हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि आप बोल सकते हो कि फेलोपियन ट्यूब में ही स्पर्म और आप बोल सकते हो कि ओवम का फ्यूजन होता है ठीक है फ्यूजन हुआ फर्टिलाइजेशन हुआ जाइगोड बना लेकिन अब ये जो जाइगोड है ये डिवाइड होगा मल्टीप्लाई होगा और क्या बना लेगा एम्ब्रियो बना लेगा अब इस एम्ब्रियो को आगे जा के फ़ीटस बनाना है फीटस से ही क्या होने वाला है एक नया इंडिविजुअल बनने वाला है तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है ग्रोथ तो करनी पड़ेगी डेवलपमेंट तो होना ही पड़ेगा तो इस ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है ना न्यूट्रिशन की रेस्पिरेशन की एक्सक्रीशन की ये रिक्वायरमेंट्स हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये रिक्वायरमेंट्स फेलोपियन ट्यूब में पूरी नहीं हो सकती है इसीलिए इस एम्ब्रियो के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है और ये एम्ब्रियो जाता है कहाँ नीचे यानी कि फेलोपियन ट्यूब से नीचे उतरता है और कहाँ पहुँचता है यूट्रस में पहुँचता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर महीने आ, यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं वो खुद को क्या करती हैं अपने आप को प्रिपेयर करती हैं कि हाँ हो सकता है कि इस मंथ क्या आ जाए एक एम्ब्रियो आ जाए तो अगर एम्ब्रियो आ जाएगा तो हम क्या करेंगे उसको पकड़ लेंगे और पकड़ करके उसकी ग्रोथ करवाएंगे डेवलपमेंट करवाएंगे और इससे क्या होगा एक फीटस बन जाएगा ठीक है तो इस पूरी प्रिपरेशन में होता क्या है कि जो यूटरस की जो होती है, बहुत सारा ब्लड आकर के डिपॉजिट हो जाता है ठीक है पूरा यहां पे हम बोलते हैं कि ब्लड आकर के डिपॉजिट हो जाता है फिर हम बोलते हैं कि जैसे ही एम्ब्रियो आया जैसे ही एम्ब्रियो आया इस एम्ब्रियो को जो यूट्रस की वॉल्स होती हैं वो अपने अंदर चिपका लेती हैं। प्लस कैसे चिपकाती हैं? तो देखो यहां पे एक होता है क्या प्लेजेंटा इस प्लेजेंटा के थ्रू चिपकाती है इस प्लेजेंटा में होता क्या है भाई देखो ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये मदर की बॉडी के अंदर ही हो रही हैं है ना तो ये जो प्लेजेंटा है ये इसके अंदर हम बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रिच होता है ब्लड सप्लाई में तो ब्लड भी किसका होता है मदर का ही होता है तो इसी प्लेजेंटा के थ्रू आकर के जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस की वॉल्स में आकर के एम्बेड हो जाता है अब सपोज डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या चाहिए है ऑक्सीजन चाहिए है तो अब सवाल ये ये है कि O2 कहाँ से आएगी तो देखो मदर ब्लड में जो O2 है ये O2 आप बोल सकते हो कि प्लेजेंटा के थ्रू ट्रैवल करेगी और कहां पहुंचेगी बच्चे तक पहुंचेगी ठीक है अब बच्चे ने क्या किया मतलब जो डेवलपिंग एमरियो है उसमें कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रही है जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इस एम्ब्रियो के लिए अच्छा तो है नहीं जैसे हमारे लिए अच्छा नहीं है वैसे इसके लिए भी अच्छा नहीं है तो अब क्या होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड एम्ब्रियो से बाहर निकलेगी बाहर कैसे निकलेगी तो जो प्रेजेंटा है ना इसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और वो कहाँ जा करके मिल जाएगी मदर के ब्लड में जा कर के मिल जाएगी तो मदर के ब्लड से ही न्यूट्रिशन को सिमिलरली न्यूट्रिशन भी जो है ना ऐसे ही डिराइव किया जाता है कि इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन चाहिए है तो कहाँ से मिलेगा मदर के ब्लड से मिलेगा कैसे आएगा तो प्लेजेंटा के थ्रू आएगा तो चाहे वो न्यूट्रिशन हो चाहे वो रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज हो चाहे वो एक्सक्रीशन ही क्यों ना हो सब कैसे होता है प्लेजेंटा के थ्रू ही होता है किसके बीच में एम्ब्रियो और मदर ब्लड के बीच में इतना क्लियर है चलो अब इसके बाद में हम आ जाते हैं कहाँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि वॉट इज मेटामोफोसिस और आपको इसके एग्जाम्पल्स भी देने हैं अब अभी तक हमने बात करी है ओवी पैरस एनिमल्स की और वी वी पैरस एनिमल्स की ओवी पेरस एनिमल्स मतलब कि जो कि अंडे देते हैं वी वी एनिमल्स मतलब कि जो डायरेक्टली अपने बच्चों को ही जन्म देते हैं एग्जाम्पल हम ह्यूमन बींग्स तो हम ह्यूमन बींग्स भी तो क्या होते हैं वी वी पर्स एनिमल्स ही तो हैं ह्यूमन बींग्स भी क्या करते हैं डायरेक्टली अपने बच्चों को ही जन्म देते हैं अब ये जो आपके पास एक न्यू बॉर्न बेबी आया है इसको देख करके आप ये बता पाओगे कि ये किसका बच्चा है एक इंसान का बच्चा है यानी कि ये एक ह्यूमन बेबी है कैसे उस न्यू बॉर्न बेबी के पास वो सारे बॉडी फीचर्स होंगे जो कि ये बता पाएँ कि भाई ये किसका बच्चा है ये एक इंसान का बच्चा है भाई उसके दो हाथ होंगे दो पैर होंगे पैरों की उंगलियां होंगी हाथों की उंगलियां होंगी एक नाक होगी दो आंखें होंगी दो कान होंगे हेड होगा नेक होगा एबडोमन होगा वो सभी बॉडी फीचर्स प्रेजेंट होने वाले हैं उस बच्चे में जो कि ये बता पाए कि भाई ये एक इंसान का बच्चा है ये एक ह्यूमन बेबी है चाहे वो बच्चा कितना भी छोटा क्यों ना हो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो जन्म के साथ ही उसके पास वो सभी बॉडी फीचर्स प्रेजेंट होंगे सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि इसकी हमारे पास सपोज़ न्यू बॉर्न पपीज़ आए हैं तो उन पपीज़ को देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि ये डॉग के बेबीज़ हैं क्यों क्योंकि जन्म के साथ ही उनके पास वो सभी फ़ीचर्स प्रेजेंट होंगे जिनको कि आप देख करके बता पाओ कि हाँ भाई ये तो इस डॉग का बेबी है सिमिलरली अगर आपके पास न्यू बॉर्न किटन्स आई हैं है ना तो उन किटन्स के पास भी वो सभी फ़ीचर्स प्रेजेंट होंगे जन्म से ही जिसको देख करके आप ये बता पाओ कि हाँ ये तो बिल्ली का बच्चा है अगर मैं बात करूँ किसकी मुर्गी की तो हम सबको पता है कि मुर्गी यानी कि हैन क्या करती है अंडे देती है मतलब कि वो क्या है एक ओवी पैरस एनिमल है बर्ड है बेसिकली ठीक है इन अंडों की क्या होती है हैचिंग होती है और हैचिंग के बाद में चूजे यानी कि चिक्स निकल करके आते हैं अब ये जो चूज़े निकल करके आए हैं इनको देख करके भी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये किसके बच्चे हैं ये एक मुर्गी के बच्चे हैं है ना क्यों क्योंकि जन्म के साथ ही उनके पास वो सभी बॉडी फीचर्स होंगे जिसको कि आप देख कि यू नो एक रिलेशन बिठा पाओ कि हाँ भाई ये क्या है एक मुर्गी का बच्चा है फर्क कहाँ होगा फ़र्क साइज में होगा कि चूजों की साइज बहुत छोटी होगी और एक जो एक एडल्ट मुर्गी या जो एक एडल्ट मुर्गा होता है उसका साइज बहुत बड़ा होता है तो समय के साथ साथ हम सबको पता है कि बॉडी में ग्रोथ होती है डेवलपमेंट होती है तो भले ही एक न्यू बॉर्न बेबी क्यों ना आया हो आपके पास ह्यूमन बेबी वो कितना ही छोटा क्यों ना हो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा उसकी ग्रोथ होगी डेवलपमेंट होगी है ना और वो एक बड़े बच्चे में आप बोल सकते हो कि ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सिमिलरली जो चूज़ा है छोटा सा चूजा है वो भी अभी साइज में बहुत छोटा है एक एडल्ट हैन या एक एडल्ट कॉक से कंपेयर करें तो उसका साइज अभी भी बहुत छोटा है लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ग्रोथ होगी डेवलपमेंट होगी और वो भी क्या करेगा ग्रो करेगा डेवलपमेंट उसकी भी डेवलपमेंट होगी और वो फाइनली जाकर के एक एडल्ट मुर्गी या एक एडल्ट में एडल्ट कॉक में जाकर के ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो अभी इस पूरी कहानी का कंक्लूजन क्या निकला कंक्लूजन ये निकला कि अभी हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे हैं उन सभी एग्जाम्पल्स को Uh, सुन करके हमें यही समझ में आया है कि हमारे पास कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके बच्चों को देख करके आप क्लियरली बता पाओ कि ये बच्चा कौन से वाले एनिमल को बिलोंग कर रहा है है ना ये यंग वन किस एनिमल को बिलोंग कर रहा है लेकिन हमारे पास कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें आप बोल सकते हो कि फर्टिलाइजेशन हो गया हम बोल रहे हैं कि जायगोट भी बन गया जायगोट से हम बोलते हैं कि एमरियो भी बन गया लेकिन एमरियो से क्या आता है एक बीच की ट्रांजिशन स्टेट आती है जिसको कि हम बोलते हैं क्या लार्वा अब ये जो लार्वा बना है ना, कहने को तो क्या हुआ है कि गैमिट्स का फ्यूजन हुआ था फर्टिलाइजेशन हुआ जायगोट बना है ना एमर्रयो बना एमरियो से ही क्या हुआ है लार्वा बना है तो कहने को तो ये लार्वा किससे बना है एमरियो से ही बना है लेकिन ये जो लार्वा होता है ना इसमें कुछ इतने अजीब से फीचर्स होते हैं कि लार्वा को देख के आप बता ही नहीं सकते हो कि ये जो लार्वा है ये कौन से वाले एनिमल को बिलोंग कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे क्या एक बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा डायग्राम कि ये क्या है एक एडल्ट फ्रॉग है हम सबको पता है कि फ्रॉग्स में क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल फ्रॉग्स अपने अपने ब्रीडिंग मतलब ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे अपने जो रिस्पेक्टिव गैमिट्स हैं वो पानी में रिलीज कर देते हैं और मेल गैमिट्स जो हैं तैर करके फीमेल गैमिट तक जाते हैं फ्यूजन होता है फर्टिलाइजेशन होता है, होता है बन जाता है से हम बोलते हैं कि क्या बन जाएगा एम्ब्रियो बन जाएगा अब इस एम्ब्रियो से कायदे से क्या होना चाहिए था जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स में पढ़ते हैं कि एम्ब्रियो बन गया इसके बाद में वो बना गया फीटस फीटस के बाद हम बोलते हैं एक बहुत ही बढ़िया तरीके से फुली डेवलप्ड ह्यूमन बेबी बन के रेडी हो जाता है और ये बेबी हम बोलते हैं कि

इस एम्ब्रियो से हमें ऐसा लग रहा था कि डायरेक्ट क्या बनने वाला है एक एडल्ट फ्रॉग बनने वाला है लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बनने के पहले बीच की एक से भी समझ में आ रहा है कि ये लार्वा अल्टीमेटली क्या होने वाला है ट्रांसफॉर्म होने वाला है एक यंग फ्रॉग में और उसके बाद में यंग किस में ट्रांसफॉर्म होगा एक एडल्ट फ्रॉग में बिल्कुल भी नहीं क्यों क्योंकि इस लार्वा के पास फीचर्स ही नहीं है ऐसे जो कि रिजेम्बर करें किसको एडल्ट या यंग फ्रॉक को हम फ्रॉक के लिए बोलते हैं कि उसके पास फोर लिम्स होते हैं हाइड लिम्स होते हैं उसके पास टेल नहीं होती है है ना रेस्पिरेशन के लिए भाई हमारे जो फ्रॉग्स होते हैं वो क्या है एम्फीबियंस हैं क्लास नाइन्थ में जा कर के जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो वहाँ पे आप एम्फीबिया क्लास को एकदम डिटेल में जा कर के पढ़ोगे है ना तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि एम्फीबियंस क्या होते हैं हमारे वो डूअल लाइफ जीते हैं हम मेंढकों से जाकर के बोलते हैं कि भाई ये क्या आपने लगा करके रखा है पानी में भी रहते हो और लैंड पर भी रहते हो एक जगह डिसाइड कर लो ना कि पानी में रहना है या लैंड पर रहना है तो फ्रॉग्स आपसे बोलेंगे कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है लैंड पर रहने में हम वेल well अडेप्टेड हैं कि हम लैंड पर टेरेस्ट्रियल लाइफ जो है ना जी सके लेकिन समस्या क्या है समस्या ये है कि अगर हमें रिप्रोडक्शन करना है अगर हमें अपनी स्पीशीज को बचाना है है ना कि हमारी स्पीशीज जो है ना एक्सटिंक्ट ना हो जाए वही सीधी सी बात है इस पूरे चैप्टर में हमने यही तो पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है और उसके भी पहले हमने ये पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट क्यों होता है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इसी सेशन में जो हमारे शुरुआत के क्वेश्चन थे वहां पर हमने यही चीज समझी है डिस्कस करी है कि रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर कोई स्पीशीज के मेंबर्स डिसाइड कर लेंगे कि आज के बाद हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा स्पीशीज के सभी के सभी मेंबर्स खत्म हो जाएंगे और वो जो स्पीशीज है ना वो क्या हो जाएगी एक्सटिंक्ट हो जाएगी वैनिश हो जाएगी हमारे प्लेनेट अर्थ से जो कि अच्छी चीज नहीं है तो हम फ्रॉक्स को जाकर के ये बोलते हैं कि या तो आप पानी में रह लो या लैंड पे रह लो ये क्या तरीका है कि कभी लैंड पे आ जाओगे कभी पानी में आ जाओगे तो फ्रॉग्स बोलेंगे कि भाई हम तो वेल well अडेप्टेड हैं लैंड पर रहने के लिए टेरेस्ट्रियल लाइफ जीने के लिए लेकिन समस्या है क्या हमारे रिप्रोडक्शन के मेथड के साथ कि हम करते हैं क्या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल फ्रॉग्स क्या करेंगे अपने अपने गैमिट्स रिलीज कर देंगे कहाँ करेंगे पानी में करेंगे अगर पानी नहीं होगा तो हम अपने गैमेट्स कहाँ रिलीज करेंगे अगर पानी नहीं होगा तो अगर हम सपोज बिना पानी के भी हमने गैमेट्स रिलीज कर भी दिए हैं तो बिना पानी के जो मेल गैमिट्स हैं वो स्विम कैसे करेंगे अगर वो स्विम नहीं करेंगे तो फीमेल गैमिट्स तक नहीं पहुंचेंगे अगर वो फीमेल गैमिट्स तक नहीं पहुंचे तो फ्यूजन नहीं होगा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा जयकोट नहीं होगा और आगे की प्रोसेस रिप्रोडक्शन की कंटिन्यू हो ही नहीं पाएगी तो क्योंकि हमें अपनी स्पीशीज़ को बचाना है एक्सटिंक्शन से हमें रिप्रोडक्शन करवाना है इसीलिए हमको पानी में जाना पड़ता है हमको कोई शौक नहीं है हम तो जी सकते हैं हम तो टेरेस्ट्रियल लाइफ आराम से जी सकते हैं लेकिन क्योंकि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ज़रूरी है इसलिए पानी में जाना पड़ता है तो ये जो एम्ब्रियो से लार्वा बना है फ्रॉग के लार्वा को हम क्या बोलते हैं टेडपोल बोलते हैं क्या बोलते हैं है, तो है, है, हम है है? है. जैसे हमारे है है? है. रेस्पायर करते हैं बल्कि इनकी जो स्किन है वो भी काफी मॉइस्ट होती है काफी ज्यादा वेस्कुलर होती है तो ये अपनी स्किन के थ्रू भी गैशर्स एक्सचेंज कर लेते हैं इनफैक्ट इनकी जो बकल कैविटी होती है ये अपनी बकल कैविटी के थ्रू भी रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारा जो

इसके बॉडी पे क्या होते हैं स्लिट्स होते हैं जिनके थ्रू ये रेस्पायर करता है अब आप खुद ही देखो कि कहाँ एडल्ट फ्रॉग या, या यंग फ्रॉग और कहाँ उसका लारवा टेटपोल कि इसके पास तो बकायदा क्या है लंग्स हैं इसके पास तो लंग्स छोड़ो स्किन छोड़ो कुछ है ही नहीं इसके पास तो गिल स्लिट्स हैं और गिल स्लिट्स के कारण ही क्या कर रहा है ये पानी में रेस्पायर कर रहा है ये पानी में ही रहता है और छोटे छोटे जो एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह जो होते हैं उनको जो है ना ये खाता है एक्वेटिक एनिमल्स को ये खाता है कीड़े मकोड़ों को ये खाता है आई बात समझ में फिर इसके बाद में की आपको टेल दिखाई दे रही है क्या नहीं लेकिन इस लार्वा को देखो इस लार्वा की आपको टेल दिखाई देगी इसका मतलब क्या मैंने आपको बताया ना कि लार्वा टेटपोल को देख करके आपको लगेगा ही नहीं कि आखिर ये है किसका यंग वन ये आखिर है किस चीज में जाकर के ट्रांसफॉर्म होने वाला है ये बड़ा होकर के डेवलप होकर के क्या बनेगा कोई कुछ नहीं बता सकता फिर इसके बाद में हम बोलेंगे कि इसकी जो टेल है ना वो लंबी होती जाती है क्यों होती जाती है क्योंकि देखो ऑब्वियस ही बात है लार्वा के पास तो टेल होनी चाहिए हमारे मेंढकों के पास हाथ पांव होते हैं उनसे वो हॉप 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 करके जो है ना यहाँ से वहां जा सकते हैं लैंड पर लेकिन अगर हम बात करेंगे अपने लार्वा की तो लार्वा को पानी में रहना है तो पौधों की तरह वो एक जगह तो खड़ा नहीं रहेगा हमेशा उसको मूव करना पड़ेगा मूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए अब इतना डेवलप तो है नहीं कि हाथ पाँव आ जाए क्या हो सकता है टेल आ सकती है अब यही टेल हम बोलते हैं कि क्या होती जाती है लंबी होती जाती है फिर इसके बाद में धीरे से जैसे जैसे टेटपोल हम बोलते हैं कि बड़ा होता जाएगा उसमें ग्रोथ होगी डेवलपमेंट होगी धीरे से हम बोलते हैं कि जो पीछे वाले पैर हैं वो डेवलप हो जाएंगे ठीक है फिर इसके बाद में टेल के अंदर जो भी खाना स्टोर्ड है अब वो धीरे धीरे उस स्टोर्ड फूड को क्या करेगा कंज्यूम करना शुरू करेगा फिर इसके बाद में धीरे से हम बोलते हैं कि जो आगे वाले पैर हैं वो भी डेवलप हो जाएंगे फिर टेल जो है वो छोटी होती जाती है क्यों क्योंकि बेसिकली uh, जो टेल के अंदर जो खाना स्टोर्ड है वो उसी पे सरवाइव करेगा तो अगर टेल के अंदर जो भी खाना स्टोर्ड है वो धीरे धीरे अगर कंज्यूम हो रहा है तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है ना टेल क्या होती जाएगी छोटी होती जाएगी फिर इसके बाद में फाइनली देखो टेडपोल से अब क्या बन चुका है एक यंग फ्रॉग बन चुका है हाथ पाँव आ चुके हैं पूछ जा चुकी है और यही यंग फ्रॉग हम बोलते हैं कि और जा कर के इसमें ग्रोथ होगी फुल साइज का क्या बन जाएगा एक एडल्ट फ्रॉग बन जाएगा बाकायदा आंखें आ जाएंगी लंग्स आ जाएंगी सब चीज़ें हो जाएंगी दोनों हाथ पांव आ जाएंगे टेल हम बोलते हैं कि छोटी हो जाएगी एकदम रिड्यूस हो जाएगी तो ये सब चीज़ें ये जो पूरी प्रोसेस है ना कि किस तरीके से जो लार्वा है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसमें एक एडल्ट एनिमल में इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं मेटामोरफोसिस कहते हैं ठीक है ना मेटा मैटामोरफोसिस कहते हैं ठीक है आई बात समझ में कि नहीं आई कि ये एक बीज की ट्रांजिशन स्टेट आ रही है जिसको हम बोलते हैं लार्वा इस लार्वा के पास ऐसे कोई भी फीचर नहीं होते जिससे कि आप बता सको कि किस में जाकर के ये ट्रांसफॉर्म होगा बाद में जाकर के ये अपने पुराने फीचर्स को पीछे छोड़ता है और नए फीचर्स को अडाप्ट करता है और तब जाकर के एक आ, यंग एनिमल में जो है ट्रांसफॉर्म होता है तो ये जो ट्रांजिशन की जो प्रोसेस होती है ना इसी को हम बोलते हैं क्या मेटामोफोसिस इतना क्लियर है चलो नेक्स्ट क्या है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इन टू एन एडल्ट इन्वॉल्विंग सडन एंड अरप्ट एब्रप्ट चेंजेस इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एन इनवर्टिब्रेट और एम्फीवियन एंड इट इज कॉल्ड वॉट मेटामोरफोसिस ठीक है मेटामोरफोसिस हम बोलते हैं कि फ्रॉग्स में भी होता है मैंने आपको सिल्क मॉथ में भी बताया था कि सिल्क मॉथ जो होता है बेसिकली वही वाला सिल्क मौत जो कि बटरफ्लाई जैसा दिखता है और उसी से हमको जो सिल्क फाइबर्स हैं वो ऑप्टेन होते हैं ठीक है तो बेसिकली अंडे दिए जाते हैं अंडों से हम बोलते हैं कि अंडे हैच होते हैं फिर इसके बाद में लार्वा बनते हैं फ्रॉग के लार्वा को हम बोलते हैं टेटपोल और सिल्क मौत के लार्वा को हम बोलते हैं क्या कैटरपिलर अब ये जो कैटरपिलर होता है ये क्या करता है अपने अराउंड Uh, आप बोल सकते हो कि एक कवरिंग बना लेता है काफ़ी हार्ड शेल बना लेता है और इस हार्ड शेल को हम क्या बोलते हैं कोकून बोलते हैं वो क्या करता है बेसिकली कर अपने ही थूक से अपने ही थूक को निकाल निकाल के निकाल निकाल के अपने चारों तरफ एक हार्ड शेल बना लेता है ठीक है और ये जो शेल है ये जिस चीज़ से बना है जिस फाइबर से बना है इसी फाइबर को हम बोलते हैं क्या सिल्क फाइबर तो प्रीवियस चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से हम कोकून से सिल्क फाइबर्स को ऑप्टेन करते हैं कि कोकून को हम क्या करते हैं जाकर के बॉईल कर देंगे ताकि उसके अंदर का जो भी कैटरपिलर है वो मर जाए और जब वो मर जाता है तो जो सिल्क फाइबर्स हैं वो कोकून से निकाल लिए जाते हैं ठीक है तो अब ये जो कैटरपिलर है वो क्या करेगा अपने अराउंड एक आप बोल सकते हो कि कवरिंग बना लेगा जिसको हम कोकून कहते हैं अब इस कोकून के अंदर क्या करेगा वो धीरे धीरे सबसे पहले तो अपनी प्यूपा स्टेज में आएगा है ना और प्यूपा स्टेज को हम क्या जैसे कि टेटपोल लार्वल स्टेज को हम क्या बोल रहे हैं सिल्क मौत की कैटरपिलर वैसे ही प्यूपा स्टेज को हम क्या बोलते हैं सिल्क मौत की क्राइसेलिस कहते हैं तो सबसे पहले तो जो आ, लार्वा है वो बनेगा किस में कन्वर्ट किस में होगा प्यूपा में होगा यानी कि जो कैटरपिलर है वो ट्रांसफॉर्म होगा किस में क्राइसेलिस में कहाँ उसी कोकून के अंदर अब इसके बाद में प्यूपा बन चुका है अब ये प्यूपा हम बोलते हैं कि फर्दर और ग्रो करेगा डेवलप करेगा और जब एक एडल्ट सिल्क मौत में ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इसके बाद में ये उस कोकून से बाहर निकलेगा को तोड़के बाहर निकल आएगा तो जब ये बाहर निकलेगा ना तो आपके पास एक एडल्ट एडल्टर तो अंडे दिए थे नहीं बना बीच की ट्रांजिशन स्टेट आई लार्वा बना कैटरपिलर बना ये कैटरपिलर आगे जाकर के बनाता है प्यूपा क्राइसिलिस और ये प्यूपा आगे जाकर डेवलप होता है किसमें एक एडल्ट सिल्क मौत में क्लियर है चलो ये चीज़ें हो गई हैं अपना क्वेश्चन नंबर एट हो गया है अब हम बात करते हैं किसकी अपने क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो इसके ऊपर तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं एक बार फिर से देख लेते हैं कि भाई इंटरनल uh, फर्टिलाइजेशन क्या होता है द फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट और स्पर्म एंड फीमेल गैमिट और ओवम ओवम कर लेना इसको ओवम अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल पेरेंट इसको पेरेंट कर लेना है ना फीमेल पेरेंट की बॉडी में क्या होता है मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है और इसी को हम बोलते हैं क्या इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बर्ड्स और मैमल्स में होता है इंटरनल वाला ठीक है एक्सटर्नल क्या होता है द फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट टेक पेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल पेरेंट सच एज फ्रॉग फिश एंड स्टार इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हम बोलते हैं कि जो फीमेल पेरेंट है लेज इधर फर्टिलाइज एग और अ फुली ग्रोन यंग वन ठीक है यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिन एनिमल्स में होता है देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि जिस एनिमल में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा वो हंड्रेड परसेंट क्या होने वाला है वो वी वी पेरस एनिमल ही होने वाला है क्या आपने सोचा कि भाई फीमेल पेरेंट के अंदर क्या हो रहा है फीमेल पेरेंट बॉडी के अंदर फीमेल गैमिट्स तो होंगे ही मेल गैमिट्स भी हम बोल रहे हैं कि फीमेल पेरेंट बॉडी के अंदर जा रहे हैं और फीमेल पेरेंट के अंदर ही क्या हो रहा है फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो डेफिनेटली वो क्या होगा उस फीमेल पेरेंट की बॉडी से डायरेक्टली एक बच्चा ही जन्म लेने वाला है ऐसा ज़रूरी नहीं है फॉर एग्जाम्पल हमने बात करी है किसकी मुर्गी की है ना मुर्गी का केस हमने इस चैप्टर में अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ा है अब कहने को तो मुर्गी में क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है जो मेल कैमिट है वो फीमेल जो हैन है उसकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं जो एग है उसको फर्टिलाइज करते हैं अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन मुर्गी में हो गया लेकिन उसके बावजूद मुर्गी क्या करती है अंडे देती है मुर्गी क्या है वो भी पैलेस बॉडी तो है तो मुर्गी अंडे देती है वो जो अंडे देती है वो कैसे होते हैं फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं क्योंकि फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी मुर्गी के बॉडी के अंदर हो चुका है फीमेल हैन के अंदर हो चुका है ठीक है लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद में अंडे कहाँ आए हैं बाहर आए हैं बॉडी के फर्टिलाइज एग बाहर आए हैं और इन फर्टिलाइज एग से अंडों से हैचिंग होती है और उसके बाद में अंडो से क्या होते हैं यंग वंस निकलते हैं तो ह्यूमन बींग्स में आपने बोला कि क्या हो रहा है कि फर्टिलाइजेशन अंदर हुआ फीमेल पेरेंट के बॉडी के अंदर हम बोल रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन हुआ और बच्चा हम बोल रहे हैं कि फीमेल पेरेंट बॉडी के डायरेक्टली बाहर निकल आता है लेकिन अगर हम बात करेंगे बाकी बर्ड्स के चिड़ियों की, की हैन की तो क्या हो रहा है फर्टिलाइजेशन तो अंदर हुआ लेकिन बच्चा कैसा हुआ अंडे से हुआ यानी कि वो कैसे होगा ओवी पेरस होगा तो ज़रूरी नहीं है कि अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है इसका मतलब क्या कि एनिमल वीवी पेरस ही होगा वो ओवी पेरस भी हो सकता है अगर हम बात करेंगे किसकी अपने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की तो जो फीमेल पेरेंट है वो अनफर्टिलाइज एग्स रिलीज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं ना कि हमारे फ्रॉग्स क्या करते हैं अभी बताया था मैंने आपको कि जब भी ब्रीडिंग सीजन आता है तो मेल फ्रॉग जो है वो तो अपने गैमेट्स रिलीज़ करेगा ही पानी में एट द सेम टाइम फीमेल फ्रॉग भी क्या करेगी अपने गैमेट्स को रिलीज करेगी लेकिन वो जो मतलब वो बेसिकली जो गैमेट्स हैं है ना वो जो अंडर रिलीज़ करेंगी वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं यानी कि वो गैमेट्स हैं जो मुर्गियाँ जो बर्ड्स रिलीज करती हैं जो बर्ड्स एग ले करती हैं वो एग्स कैसे होते हैं फर्टिलाइज होते हैं उन एग के अंदर जायगोट होता है वो जायगोट एम्ब्रियो में डेवलप होने वाला होता है लेकिन जब हम बात करेंगे फिशेस की फ्रॉक्स की तो फीमेल यहाँ पे फ्रॉक वगैरह जो बेसिकली अंडे रिलीज करती है ना वो अनफर्टिलाइज होते हैं वो बेसिकली गैमिट्स होते हैं ठीक है चलो फिर लास्ट क्या है कि ऑफ स्प्रिंग्स हैव अ हाई चांस ऑफ सर्वाइवल इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हम बोलते हैं कि ऑफ स्प्रिंग के सर्वाइवल uh, के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं और अगर हम बात करेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की तो यहाँ पे चांसेस थोड़े से कम होते हैं पहली बात तो ये कि खुद भी अगर हम बात करेंगे किसकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ गैमेज जो रिलीज़ होते हैं ना पानी में पहली बात तो वही बहुत ज़्यादा होते हैं क्यों क्योंकि मैंने आपको समझाया था ना कि जो भी कुछ हो रहा है वो पानी यानी कि पेरेंट बॉडी के बाहर हो रहा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो रहा है पानी में हो रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि मेल और फीमेल गैमिड जो है ना आपस में फ्यूज़ ही ना हो पाए अगर कम कम मेल और फीमेल गैमिज रिलीज़ करे जाएंगे तो कुछ पानी में बह जाएंगे कुछ गैमिट्स को आकर के जो बड़े दूसरे एक्वाटिक एनिमल्स वग़ैरह हैं वो आकर के खा जाएंगे तो अगर कम कम गैमिट्स रिलीज़ किए तो क्या होगा कि चांसेस जो होंगे फर्टिलाइजेशन के वो बहुत ही कम होंगे अगर फर्टिलाइजेशन सपोज़ हो भी गया फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा जो भी जायकोड से लार्वा वगैरह निकलेगा वो भी कहाँ रहेगा पानी में ही रहेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी हैं कि उस डेवलपिंग लार्वे को आकर के कोई दूसरे एनिमल्स खा कर के चले जाएँ तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि क्योंकि जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है तो चांसेस जो होते हैं ना यंग वंस के सर्वाइवल के वो ज़्यादा होते हैं एज़ कंपेयर टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्योंकि यहाँ पे जो भी हो रहा है वो सब कुछ बॉडी के बाहर ही हो रहा है है ना तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली किसी के पास नहीं होती है अगर हम बात करेंगे मुर्गी की कि आप बोलोगे कि मैम ऐसे तो बर्ड्स भी क्या करती हैं अपने अंडे दे देती हैं और उन वो अंडे कहाँ होते हैं उनकी बॉडी के बाहर होते हैं है ना तो जो भी डेवलपमेंट हो रहा होता है जो भी यंग बर्स निकलते हैं वो तो ऑलरेडी फीमेल पेरेंट के बॉडी के बाहर ही होते हैं तो फिर यहाँ पे आप क्यों बोल रहे हो कि यहाँ पे चांसेस जो होते हैं सर्वाइवल के वो ज्यादा होते हैं मुर्गी का केस हमने देखा था कि नहीं देखा था कि मुर्गी ने अपने अंडे दे तो दिए लेकिन फिर उसको वो छोड़ नहीं देती है बकायदा उसके ऊपर वो बैठती है सुटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करती है और जब तक उसमें से चूज़े नहीं निकल जाते तब तक वो उसकी देखभाल करती है लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की तो यहाँ पे तो आ, जो भी मेल और फीमेल पेरेंट हैं उनका काम क्या होगा बस अपने गैमेज रिलीज़ कर देना अब उनका फर्टिलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है लार्वे बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं उसकी जवाबदारी किसी की नहीं होती है तो यहाँ पे यंग वंस के जो सर्वाइवल के जो चांसेस हैं वो थोड़े से कम होते हैं क्लियर है आप सभी को चलो अब क्या है हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस सेशन का क्रॉस कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल यूजिंग द हिंस गिवन बिलो तो आपको ये पजल पूरी जो है ना सॉल्व करनी है हिंड्स दिए गए हैं आपको अक्रॉस अक्रॉस मतलब कि आपको हॉरिजॉन्टल जो ब्लॉक्स हैं वो फिल करने हैं सिमिलरली आपके पास डाउन में भी कुछ हिंड्स आएंगे डाउन का मतलब क्या कि आप तो आपको वर्टिकल कॉलम्स या ब्लॉक्स फिल करने हैं तो so, सबसे पहले पहला हिंड क्या है द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ गैमिट्स गैमिट्स के फ्यूजन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन बोलते हैं तो पहले नंबर में अक्रॉस में आपको क्या करना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन फिल करना पड़ेगा तो लाई फर्टिलाइजेशन ठीक है ये हमने फिल कर दिया क्या फर्स्ट हिंट के साथ अपना फर्स्ट ब्लॉक कि के फ्यूजन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन ठीक है अब इसके बाद में सेकेंड क्या है टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन हैन हैन में कौन से टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है भाई तो आप बोल सकते हो कि उसमें इंटरनल होता है तो सिक्स नंबर पे आप क्या भरोगे इंटरनल इनल भर दिया इंटरनल चलो फर्स्ट हो गया सिक्स हो गया नेक्स्ट क्या है द टर्म यूज फॉर बर्जेस ऑब्जर्व ऑन द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ हाइड्रा सेवेंथ में आप क्या बोलोगे क्या बोला जा रहा है कि हाइड्रा की बॉडी में जो आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है उसको आप क्या बोलते हो बडी तो बोलते हो ना तो सेवेंथ में आपको क्या बढ़ना है वर्ड्स बढ़ना है बी यू डी एस एथ क्या है एग्स आर प्रोड्यूस्ड हेयर एग्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं एथ में तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ओवरी में प्रोड्यूस होते हैं एग्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं ओवरी में ठीक है चलो अब इसके बाद में अक्रॉस वाले तो सारे हो गए हैं अब हम फिल करेंगे किसको वर्टिकल कॉलम्स को तो स्पर्म्स आर प्रोड्यूज इन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक है ना इन दीज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो एग्स प्रोड्यूस होते हैं ओवरी में और स्पर्म्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं टेस्टीज में तो so, यहाँ पे आप लिख दोगे क्या टेस्टीज ठीक है फिर इसके बाद में अनादर टर्म फॉर द फर्टिलाइज एग फर्टिलाइज एग को हम और किस नाम से जानते हैं तो so, जायगोट के नाम से जानते हैं तो so, ये लिख दिया हमने क्या जायगोट फिर इसके बाद में तीज एनिमल्स ले एक्स तो कौन से वाले जानवर अंडे देते हैं ओवी पेरस ही बात है तो यहाँ पे आप भर दोगे क्या ओवी पेरस भर दिया आपने ओवी पेरस चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है द टाइप ऑफ फिजन इन अमीबा अमीबा में किस टाइप का फिजन होता है बाइनरी होता है तो यहाँ पे भर दोगे क्या बाइनरी तो कुछ इस तरीके से आप पूरी ये जो ट्रॉसवर्ट पजल है वो आप सॉल्व करोगे जो भी आपको हिंट्स दिए गए हैं उनके हेल्प से ठीक है तो चाहो तो इसके पूरे का जो आंसर का जो स्क्रीन है वो आप ले सकते हो वीडियो को पॉज करना और स्क्रीनशॉट ले लेना चलो अब हम आ जाते हैं कहाँ अपनी इनटेक्स्ट एक्टिविटीज़ में जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आज के इस सेशन में हम क्वेश्चंस तो सॉल्व करेंगे ही साथ ही साथ इंटेक्स एक्टिविटीज़ को भी डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट एक्टिविटी है जो कि आपकी एनसीआर टी बुक के पेज नंबर 103 पे दी गई है क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि विजिट सम पॉइंट्स और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन लुक आउट फॉर क्लस्टर ऑफ फ्रॉक्स एग्स फ्लोटिंग इन वाटर राइट डाउन द कलर एंड द साइज़ ऑफ दी एग्स तो देखा जाए तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बारिश के मौसम में या स्प्रिंग सीजन में जो पॉन्ड्स होते हैं यानी कि जो तालाब हैं बेसिकली आपको ऐसा वाटर रिजर्वर चूज़ करना है जहाँ का पानी कैसा हो रुका हुआ हो स्टेगनेंट वाटर हो क्यों क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया था ना कि फ़्रॉक्स में क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमिट्स पानी में ही रिलीज कर दिए जाते हैं अब अगर वो पानी कैसा होगा बहता हुआ होगा नदी का पानी होगा तो भाई मेल गैमिट्स यहाँ हुए फीमेल गैमिट्स यहाँ हुए और बहते हुए पानी में सबके सब बह गए फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं गैमिट्स तो रिलीज किए गए थे लेकिन उनका फ्यूजन ही नहीं हो पाया तो फ्रॉग्स बेसिकली हम बोलते हैं कि ऐसा पानी मतलब ऐसी जगह चूज़ करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए जहाँ का पानी कैसा हो थोड़ा सा रुका हुआ हो ठहरा हुआ हो यानी कि स्टेगनेंट पानी है ना तो पॉइंट्स या जो स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स होती हैं वहाँ पे आप उनको जाकर के विजिट करोगे तो आपको वहाँ पे किनारों पर पे, क्लस्टर्स दिखाई देंगे किसके मेंढकों के अंडों के जो कि पानी में फ्लोट कर रहे होंगे तो आपको क्या करना है कलर और साइज़ के बारे में लिखना है कि उन अंडों का मेंढकों के अंडों का कलर क्या होगा साइज़ क्या होगा सो द कलर जो होगा वो काफ़ी डल वाइट होगा और साइज़ हम बोलते हैं कि एक सेंटीमीटर से भी कम होगा भाई फ्रॉग ही इतना बड़ा होता है तो उसके अंडे तो और ही छोटे होंगे ना तो साइज जो है वन सेंटीमीटर से भी कम होगा और कलर कैसा होता है अंडों का डल व्हाइट होता है ठीक है और खास बात क्या होती है कि इन अंडों के ऊपर कोई भी शेल नहीं होता है जैसे जितनी भी हमारी चिड़िया होती हैं इन चिड़ियों के जितने भी अंडे होते हैं उनके ऊपर बकायदा कैल्शियम का बना हुआ एक शेल होता है ना कड़क सा जिसको कि तोड़ करके चूजे वगैरह जो है ना बाहर निकल के आते हैं लेकिन जब हम बात करते हैं कि इसकी फ्रॉक्स के एग की तो उनके पास कोई भी एसच कवरिंग नहीं होती है शेल नहीं होता है एक ये मेन रीज़न और है कि फ्रॉक्स को जो है ना पानी में जाना पड़ता है अपने फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए कि अगर उन्होंने अंडे कहाँ दे दिए धरती पे ही दे दिए लैंड पर ही दे दिए तो लैंड पे तो हम बोलते हैं कि इतनी तेज़ गर्मी होती है और उन अंडों के ऊपर कोई कवरिंग तो है नहीं तो क्या होगा अंडे इस तेज़ गर्मी के कारण सूख हो जाएंगे अब अगर अंडे ही सूख गए इसका मतलब क्या कंटेंट सूख गया यानी कि अंडे मर गए अब जब अंडे ही मर पाए मर जाएंगे तो फिर रिप्रोडक्शन कैसे होगा तो इसीलिए और फ्रॉक्स को जो है ना पानी में उतरना पड़ता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए क्योंकि उनके जो अंडे होते हैं उनके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती है लैंड पर अगर देंगे तो वो सूख जाएंगे प्रोसेस हो ही नहीं पाएगी ठीक है चलो नेक्स्ट क्या है ये जो आपकी एक्टिविटी टू है ये दी गई है आपकी एन सी आर टी टेक्स बुक के पेज नंबर हंड्रेड एंड फाइव पर यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि ट्राई टू कलेक्ट एग्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स अब आपको फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स के एग्स कलेक्ट करने हैं किस किस के फ्रॉक्स के कर लो लेजर्ड यानी कि छिपकली के कर लो बटरफ्लाई के कर लो या मौत के कर लो हैन क्रो और या कोई भी दूसरी बर्ड वर यू एबल टू कलेक्ट एग्स ऑफ ऑल ऑफ देम मेक ड्रॉइंग्स ऑफ द एग्स दैट यू हैव कलेक्टेड अब आपसे बोला जा रहा है कि आपसे तो बोल दिया गया है कि इन सभी के अंडों को आपको कलेक्ट करना है इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप एबल थे सभी के अंडों को कलेक्ट करने में या फिर नहीं हो पाया आपसे मेक ड्रॉइंग्स ऑफ द एग्स दैट यू हैव कलेक्टेड और जो भी आपने एग्स को कलेक्ट किया है उसकी आपको क्या करनी है ड्राॅइंग बनानी है तो द पिक्चर ऑफ द एग्स ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स आर शोन बिलो यू कैन मेक drawings ऑफ द एग्स ऑफ द अदर एनिमल्स इफ़ यू हैव कलेक्टेड दैम तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास जो मेंढकों के अंडे हैं वो आसानी से आपको जो है ना मिल जाएंगे जैसे कि अभी अभी हमने देखा था कि जो तालाब किनारों मतलब तालाब के उसमें जाओगे स्पेशली कहाँ रेनी सीजन के टाइम पे तो वहाँ पे आपको आसानी से तालाब के किनारे पानी में फ्रॉक के अंडे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ठीक है ना तो फ्रॉक्स के अंडे जैसे कि मैंने आपको बताया था साइज में भी छोटे होते हैं कोई शेल नहीं होता है जेली लाइक होते हैं है ना और साइटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस होता है लेकिन उनके आसपास कोई भी शेल नहीं होता है अगर हम बात करेंगे छिपकली के अंडों की तो छिपकली के अंडे भी आसानी से जो है ना मिल जाते हैं भाई छिपकली तो हमारे घरों में ही रहती है ना तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी छेद में उसने अपने अंडे दिए ही होते हैं तो छिपकली के अंडे हम बोलते हैं कि साइज़ में जैसे मुर्गी के अंडे होते हैं ना वैसे ही छिपकली के अंडे होते हैं बस साइज़ में फ़र्क होता है कि साइज़ में बहुत ही छोटे से होते हैं ठीक है ना मोती जैसे होते हैं बेसिकली अगर हम बात करेंगे बटरफ्लाइज के एग की तो यहाँ पे तो फिर भी इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा काफी बड़े हैं ये बहुत छोटे होते हैं है ना और राउंड शेप के होते हैं अगर हम बात करेंगे किसकी मुर्गी के अंडों की तो मुर्गी के अंडे तो आप सभी ने देखे होंगे होंगे है ना फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे कौवे के अंडे की तो कौवे के अंडे भी मुर्गी के अंडे की तरह ही होते हैं ठीक है हो सकता है कि आपको कौवे के अंडे ना भी मिले क्यों ना मिले क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि क्यों आपके ही घर में आकर के अपना घोंसला बनाए है ना और घोसला बना दिया है तो फिर उसमें अंडे दे ही दे तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी अंडों के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि आपको इसके भी अंडे कलेक्ट करने हैं इसके भी करने हैं तो सभी के आप कलेक्ट कर पाओ जो भी अवेलेबल होंगे है ना हो लेजर्ट के आपको मिल सकते हैं फ्रॉक के मिल सकते हैं और मुर्गी के तो बड़े ही आसानी से मिल सकते हैं तो बेसिकली आपको एक इस एक्टिविटी के थ्रू यही बताने की कोशिश की जा रही है कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंडों को आप कलेक्ट नहीं कर सकते हो है ना अगर हम बात करेंगे बटरफ्लाई के अंडे की तो इनके अंडे तो बहुत ही छोटे होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं दिखते ही नहीं है और अगर आपने कलेक्ट कर भी लिए हैं जो भी कलेक्ट करें हैं तो आप उनमें अलग अलग तरह, तरह का वेरिएशन देख सकते हो कि किसी में शेल है किसी में नहीं है अब जैसे कि हमने इसी सेशन में इसी चैप्टर में हमने ऑस्ट्रिच के अंडे की भी बात करी थी कि वो तो बहुत ही बड़ा होता है भाई ऑस्ट्रिच खुद ही इतनी बड़ी होती है तो उसका अंडा भी तो हम बोलते हैं कि बड़ा ही होगा ना तो बेसिकली यहाँ पे आपको यही बताने की कोशिश की जा रही है इस एक्टिविटी में कि, कि किस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म के यानी कि अलग अलग ओ एनिमल के अलग अलग अंडे होते हैं Uh, कहने को तो सभी ओवीपेस एनिमल्स हैं इन सभी ने क्या करा है अपने अंडे दिए हैं लेकिन इन अंडों का साइज इनका शेप इनका टेक्स्चर इनकी कवरिंग सब अलग अलग होती है ठीक है चलो इसके बाद में हम आ जाते हैं अपने आज के इस सेशन की लास्ट एक्टिविटी के ऊपर जो कि आपकी एनसीआर टी बुक के पेज नंबर 107 पे दी गई है कि गेट परमानेंट स्लाइड्स ऑफ हाइड्रा ऑब्जर्व यूजिंग हैंड लेंस और अ माइक्रोस्कोप लुक आउट फॉर एनी बर्ल्जेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी काउंट द नंबर ऑफ बर्ल्ज दैट यू सी इन डिफरेंट स्लाइड्स ऑल्सो नोट द साइज ऑफ़ द बर्ल्ज ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द हाइड्रा एज यू कैन सी इट कंपेयर इट विद फिगर नाइन तो बेसिकली यहाँ पे आपको हाइड्रा के बारे में बताया जा रहा है कि हाइड्रा को कि आपको क्या करनी है परमानेंट स्लाइड बनानी है तो ये जो एक्टिविटी है ये आप अपने स्कूल लेवल पे आसानी से परफॉर्म कर सकते हो ठीक है टीचर आपको करवा देगी तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है फिर इसके बाद में आपको करना क्या है जब इस हाइड्रा को आप माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखोगे तो आपको पेरेंट बॉडी पे कुछ बल्जेस दिखाई देंगे तो आपसे बोला जा रहा है कि इन बल्जेस को आपको क्या करना है काउंट करना है कि एक पेरेंट हाइड्रा में कितने बल्जेस हैं फिर इसके बाद में उन बल्जेस का आप बोल सकते हो कि साइज़ भी आपको यहाँ पे मेजर करना है तो कुछ इस तरीके से स्लाइड आपको देखने वाली है कि ये क्या है एक पेरेंट हाइड्रा है इसकी बॉडी पे एक बल्ज निकलेगा है ना पेरेंट हाइड्रा खुद ही इतना छोटा होता है तो उसकी बॉडी पर जो बल्ज निकलता है वो भी काफ़ी छोटा होगा इसके अलावा ये जो बल्ज होगा ये धीरे 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 हम बोलते हैं कि ग्रो करेगा और जब ये एक डेफिनेट ग्रोथ अपनी अटेन कर लेगा इसके बाद में ये अपने पेरेंट हाइड्रा से ये डिटैच हो जाएगा तो इसके ऊपर तो ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं है ना तो ये एक्टिविटी आपको आपके स्कूल टीचर स्कूल लेवल पे परफॉर्म करवा से करवा देंगे यहाँ पे क्या लिखा गया है सोल्यूशन में कि वी ऑब्जर्व दैट हाइड्रा यूज

बर्ड का डेवलपमेंट होता कैसे है तो इस पर्टिकुलर साइट पे हम बोलते हैं कि बहुत सारे सेल्स का रिपीटेड डिवीजन होता है तो इतने सारे नंबर ऑफ सेल्स बन जाते हैं कि इतने नंबर ऑफ सेल्स से क्या होता है एक बर्ड एक आउटग्रोथ जो है डेवलप हो जाती है ठीक है तो एक पर्टिकुलर रीजन में हम बोलते हैं कि रिपीटेड सेल डिविजन होते हैं जिसके कारण उस स्पेसिफिक साइड से आउटग्रोथ यानी कि बर्ड डेवलप हो जाता है दोज बर्ड डेवलप्स Do, those buds develop into small size individuals and when they are fully matured they are separated from their parents body and become new young ones this entire process is called budding which is an, an asexual mode of reproduction in which only a single parent is involved ठीक है तो ये तो ऐसी प्रोसेस है जिसके ऊपर ऑलरेडी हम कई बारी डिस्कशन कर चुके हैं तो भाई आज के सेशन के लिए बस इतना ही अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट सेशन में क्लास एट साइंस का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको हम करेंगे स्टार्ट ठीक है लेकिन तब तक आप क्या करेंगे आप विजिट करेंगे क्या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मैट गूगल पे जाना टाइप करना मैगनेट प्रेस डॉट कॉम जैसे ही टाइप करोगे सर्च करोगे आपके सामने आ जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट को आप क्लिक करोगे आपके सामने आ जाएगा क्या एक ये वाला पेज जहां पे लिखा रहेगा इंडिया नंबर वन हंड्रेड परसेंट फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म इस पेज को जब आप और स्क्रोल करोगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का जहां पे आपके पास क्लास ट्वेल्व से लेकर के क्लास फर्स्ट तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल अब सपोज आपको क्या करना है क्लास एट की साइंस देखनी है तो क्लास एट पे जाकर के आप क्या करोगे क्लिक करोगे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है आ, कुछ इस तरीके से क्लास एट साइंस वीडियो ट्यूटोरियल बाय बायूति खरे खुल जाएगा अब अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स कर लिए हैं या जो हम कर रहे हैं उन सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स आपको यहां पे होंगे क्या अवेलेबल सपोज आपको चैप्टर वन देखना है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का तो आप इस पर क्लिक करोगे तो जैसे ही क्लिक करोगे इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो होगा इंट्रोडक्शन वाला वो आपके सामने खोल जाएगा तो कुछ इस तरीके से आप इस चैप्टर के बाकी सभी लेक्चर्स को देख सकते हो ना सिर्फ इस चैप्टर के बल्कि सभी चैप्टर्स के तो यहाँ पे मतलब यूट्यूब पे आपको जो दिक्कत होती है ना कि मैम प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है मिल भी रही है तो वीडियो का सीक्वेंस ऊपर नीचे है तो जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हो ना तो ऐस यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि जितने भी हमने अभी तक टॉपिक्स कवर कर लिए हैं वो प्रॉपरली आपको एक प्लेलिस्ट में या सीक्वेंस में अरेंज मिलते हैं प्लस यहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स के नोट्स भी होते हैं अवेलेबल सो डो विजिट आर ऑफिशियल वेबसाइट यही वाली मैग्नेट टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट थैंक यू फॉर वॉचिंग